जीवन में कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है चाहे वो खुद से की गई हो चाहे किसी और से वही लोग जीवन में सफल हो पाते हैं जो अपनी की गई कमिटमेंट पे चल पाते हैं जैसे मैंने ही आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं भले अभी ना मैं सैप आ गया लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं यूट्यूब पर ना पढ़ाऊँ सब कुछ यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा जो बच्चे नहीं आ सकते किसी भी कोर्स में किसी भी ऐप में वो यूट्यूब से सब कुछ पढ़ सकते हैं और आज भी इतने साल हो गए 2017 में भी इसी मिशन के साथ शुरू किया था यूट्यूब पे पढ़ाना कि ये लगातार चलता रहेगा कभी नहीं रुकेगा और आज भी वही है कि आप देखते होंगे कि हर वीकेंड चाहे वो सैटरडे हो या संडे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक कम्प्लीट टॉपिक बिना बातचीत के क्योंकि आपने देखा है कि मैंने ए क्वांट में सब कुछ पढ़ा दिया लेकिन वो लाइव पढ़ा है उसमें मैं स्टार्टिंग में पाँच सात मिनट बातें भी कर रहा हूँ फिर मैं बीच बीच में बच्चों के कमेंट भी ले रहा हूँ बच्चों को सवाल करने के लिए टाइम भी दे रहा हूँ तो वो एक मुश्किल हो जाता है कि एग्जाम का इतना कम वक्त बचा और मैं आपसे कहूँ कि आप वो लाइव जाके देख लो हो सकता है अभी आपके पास उतना वक्त ना हो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी तो टाइम देना है और जब से मीन्स में चारों सब्जेक्ट्स आए तब से जिम्मेदारी मेरी और बढ़ गई है तो इसीलिए मैं हर वीकेंड लेके आता हूँ और इस वीकेंड भी मैं लेकर आया हूँ एल कंप्लीट नौ घंटे की वीडियो है सब कुछ है ए टू जेड जहां से शुरू हो सकता है एलजेबरा और जहां तक खत्म हो सकता है वो सब कुछ पढ़ाया है अगर आप ये वीडियो पूरी खत्म कर लेते हो नोट्स बना लेते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगले चार साल तक एलजेबरा में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा सब कुछ पढ़ा दिया है टाइप वाइज पढ़ा है सिक्वेंस से पढ़ा है आनंद के साथ पढ़ा है पूरी एनर्जी से पढ़ा है आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा एक पल भी आप बोर नहीं हो पाओगे एक पल भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं आपके सामने नहीं हूं ऐसे पढ़ा है आपको सामने मानकर पढ़ा है तो एक बार पढ़ के देखो ना मचाए तो गारंटी है और कमेंट करके ये भी बताना आपको कैसा लगा और आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं वैसे अगला टॉपिक अभी न मैं इस चैनल पर कल सुबह भी आ रहा है ज्योमेट्री में जिसमें मैं कंप्लीट क्वारिडेटर सर्किल पॉलीगन खत्म करूंगा और मैंने बताया वहां पे कि कैसे मेहनत करके आदमी अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है नौकरी तो बहुत छोटी चीज तो एलजेवरा में इतना ही कुछ था इसके अलावा कुछ भी नहीं है अगर आप और भी टॉपिक्स ऐसे पढ़ना चाहते हो तो एस एस सी अभिनय चैनल हो चाहे अभिनय मेन चैनल है दोनों पे ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स अवेलेबल हैं आप सब कुछ पढ़ सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे सवाल चाहिए तो अभिनय ऐप के ऊपर जो प्ले विद एडवांस मैथ बुक है वो पूरी की पूरी पी हिंदी और इंग्लिश में एकदम फ्री अवेलेबल है सबके लिए आप एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हो उस पी को और आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो उसका अपडेट वर्जन भी बहुत जल्दी आने वाला है तो एक बार इंजॉय करो फिर मिलते हैं फिर मैं बताता हूँ और अगर आपको ऐसा ही पूरा सब कुछ रिकॉर्डेड देखना है अगर आपको बहुत जल्दी है आप 45 घंटे में सिलेबस खत्म करना चाहते हैं 2x की स्पीड पे आप चाहते हैं कि कोई ऐड ना आए यूट्यूब पे या आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है आप किसी आईपीएस के बच्चे हैं या आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं आप चाहते हैं तो आप अभिनय ऐप पर जाके एट डेज वीडियो कोर्स जिसको बहुत सारे टॉपर्स ने रिकमेंड किया है उसका लेटेस्ट वर्जन भी देख सकते हैं जिसके अंदर ए टू जेड सारे टॉपिक्स हैं और इसी तरीके से एडिटेड है कि कहीं पे कोई बातचीत नहीं है सीधा सवाल है नो बकवास है तो आप सिलेबस और भी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं अगर आप इसी बार का सी देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए अगर कोई अगले साल के सी की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि नहीं मेरे को पूरा लाइव पढ़ना है क्योंकि लाइव का अपना एक अलग वैल्यू है वो मैं भी मानता हूँ आपको भी लगता होगा तो आप किसी भी मैथ्स स्पेशल लाइव कोर्स में भी आ सकते हैं अभी एक दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया है जिसको सात से आठ महीने में हम खत्म करेंगे बाकी यूट्यूब पे आप ना मैथ्स पे मैं पैंतालीस दिन बचे हुए हैं एक ऐसी सीरीज लेकर आने वाला हूँ जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट जितने भी मैथ्स के हैं वो कम से कम समय में सब कुछ रिवाइज करा दूंगा धन्यवाद इंजॉय करिए एल्जबरा हेडिंग लगा लेते हैं एलजबरा का मतलब ही होता है बीज गणित बीजगणित और बीजगणित क्या कहता है हमें बीजगणित क्या कहता है हमें ठीक है क्या क्या चीजें हैं बेसिकली गणित बेसिकली मतलब वेरिएबल्स की कहानी है मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इसका इतिहास कैसे बना नहीं क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है हमें मतलब सिर्फ एसएससी निकालने से है एस एस में आए हुए सवाल करने से तो मैं बहुत ज्यादा इसके इतिहास में नहीं जाऊंगा मैं सीधे बात करूंगा कि बेसिक कुछ फॉर्मूले बहुत छोटे छोटे से जो हर बच्चे को पता होने चाहिए और फिर वो जो आज की क्लास में हम टाइप पढ़ेंगे ठीक है फॉर्मूले आज की क्लास में जिनकी जरूरत पड़ सकती है मैं उनको पहले लिख रहा हूं और समझा रहा हूं आपको कि ए प्लस बी का स्क्वायर कोरिया का बच्चा भी जानता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है उसके बाद a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये होता है ठीक है इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी लगभग ये मैं मैक्सिमम क्लासेस में ये फॉर्मूले लिखूंगा जिस दिन फॉर्मूला बेस्ड क्लास पढ़ाऊंगा उस दिन भी ये लिखूंगा ठीक है तो ये हमने लिख दिया ठीक है इसके बाद जो जरूरी बात है इन तीन फॉर्मूले के अलावा जो और हमें जरूरत पड़ेगी उस पर भी हम बात कर लेते हैं इतना आपने लिख लिया ठीक है सिर्फ ए और बी पे बात कर रहे हैं सी की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां जरूरत पड़ेगी वहां सी को खत्म कर देंगे ठीक है तो चलिए मैंने इसके बाद लिखा कि भाई ए की क्यूब या ए प्लस बी की क्यूब किसके बराबर होगा तो आपने कहा ये बराबर होगा ए की क्यूब और प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी आज सबसे ज्यादा जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा जिस फॉर्मूले सवाल आते तो वो A की क्यूब बी की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी की होल क्यूब और माइनस थ्री ए बी और ए प्लस बी ये सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हम यहां से क्या करेंगे हम यहां से a प्लस बी का पावर एक कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस थ्री इस फॉर्मूले की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो आजकल पेपर में सवाल आ रहे हैं सबसे ज्यादा इस फॉर्मूले पे सवाल आ रहे हैं ठीक है आप देखेंगे कि अगर मैं इसी को खोल दूं तो हमें ये वाला फॉर्मूला सबको पता होता है हर चिंदी बच्चे को यह फॉर्मूला पता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये सबको पता होता है बट जरूरत इसकी कम है जो सबको पता है उसकी जरूरत कम है ठीक है तो एक तो ये वाली बात आपको आनी चाहिए मैंने इतना कुछ लिखा है इसके अलावा कुछ नहीं लिखा दूसरा मैं ए माइनस बी वाला यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट फॉर्मूला होगा आज की क्लास का ऐसा नहीं है कि मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए बट आज की क्लास में इससे ऊपर जरूरत पड़ेगी नहीं तो मैंने वही लिखे हैं जिनकी जरूरत आज की क्लास में क्योंकि मैं सिक्वेंस वाइज पढ़ाना चाहता हूँ ताकि एक भी चीज़ छूटे ना तो अगर मैं a की क्यूब माइनस बी की क्यूब की बात यहां पर भी करूं तो अब डायरेक्ट लिखूंगा कुछ कि भाई ए माइनस बी आप कॉमन ले लेना अंदर बचेगा ए की स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर यहां तक अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ फिर हम आगे की तरफ पढ़ रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात आज की क्लास में हम जानेंगे मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने इस बात को कैसे खोजा ठीक है दोस्त ठंड बहुत है आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है ठंड का आलम बढ़ रहा है ठीक है चलिए यह आपने लिख लिया होगा मैं हट भी जाता हूं और आप फोटो खींच लीजिए ठीक है बहुत शांति से बहुत सुकून से पढ़ाऊंगा जब सवाल बता रहा हूंगा तो बहुत गहराई से देखना है कि मैं कैसे सोच रहा हूं वैसे ही आपको भी सोचना है मैं वो सब सवाल भी लेके आया हूं जो रिसेंट एग्जाम में पेपर में आए हैं जिनको मेरा तरीका बनाएगा बहुत ही आसान और लल्लू ठीक है अच्छा मैं क्या कहता हूं मैं ये कहता हूं कि अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि एक्स प्लस वाई बराबर पांच है फाइंड एक्स एंड वाई बहुत ध्यान से समझना तो क्या कोई बच्चा बता सकता है तो कुछ ये सोचेंगे शायद बता सकता हूं कुछ कहेंगे नहीं बता सकता तो मैं ये बात और पक्की हो जाए कि आप नहीं बता सकते मैं आपसे पूछ लेता हूं या दूसरी तरीके से बता देता हूं मैं पता है क्या पूछने लग रहा हूं आपसे मैं आपसे ये पूछने लग रहा हूं कि भाई एक लाइन है x प्लस वाई बराबर पांच लाइन की इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पर बिंदु बताओ तो बच्चा चकरा रहा है कह रहा है एक लाइन पे आप बिंदु पूछ रहे हो बहुत सारे बिंदु होंगे सेम जवाब आपका यहां भी था कि जब मैं एक्स वाई पूछ रहा था तब भी आप कह रहे थे कि बहुत सारे एक्स वाई होंगे होंगे या नहीं होंगे मैं को तीन ले लू वाई को दो ले लू इसका मतलब मैं नहीं बता सकता एक्स वाई का मैं एग्जैक्ट मान नहीं बता सकता जैसे मैं एक रेखा के ऊपर बिंदु नहीं बता सकता वैसे ही मैं यहां पे एक्स और वाई का मान नहीं बता सकता इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू पॉसिबल है फिर आप बोलेंगे कि अगर एक और लाइन आप दे देते और फिर आप हमसे कहते कि बिंदु बताओ तो शायद हम बता पाते आप आप हमें कह देते x- है, और फिर आप कहते कि एक बिंदु बताओ तो हम सब मिलकर कह देते कि वो रही बिंदु जब मैं पूछता कि इन दो लाइनों पे एक बिंदु बताओ तो आप कहते हां इन दो लाइनों पे एक बिंदु है इन दो लाइनों पे एक ही तो बिंदु है जहां ये कट कर रही हैं। इसका मतलब आप समझ गए कि अगर मुझे पर्टिकुलर एक बिंदु चाहिए मुझे पर्टिकुलर एक्स वाई का मान चाहिए तो दो रेखाओं का होना जरूरी है सेम उसी तरीके से अगर मुझे एक्स और वाई दो वेरिएबल का मान चाहिए तो मुझे दो इक्वेशन का होना जरूरी है जब तक मैं नहीं बता सकता अब यहां पे एक्स और वाई में कुछ भी नहीं मान सकता यहां एक्स और वाई फिक्स है एक बार जोड़ूंगा तो एक्स चार आ जाएगा और घटाऊंगा तो वाई एक आ जाएगा आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो चार और एक पांच चार माइनस एक थी यहां से हमें क्या बात समझ में आई यहां से हमें यह बात समझ में आई बेटा यही मेन बात है जो यहां पे समझनी है बाकी तो फिर सवाल हर कोई कर ही लेता है लेकिन वैल्यू कब पुट करनी है कैसे पुट करनी है कैसे सटीक पुट करनी है कि हम सवाल के सही उत्तर तक कम से कम समय में पहुंच जाए ये बहुत जरूरी है यह बहुत मायने रखता है सवाल का उत्तर निकालना मायने नहीं रखता टाइम फ्रेम में कोई काम करना मायने रखता है अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर फिर भी आप कहोगे कि आप ऐसी बातें कर रहे हो लेकिन एस में तो सवाल फिर भी पूछ लिया जाता है सिर्फ एक इक्वेशन देके एक लाइन देकर भी सवाल पूछ लिया जाता है तो मैं कहूँगा वो कैसे पूछ लिया जाता है तो बच्चा कहेगा या मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि अगर वो इस एक बात पर सवाल पूछना चाहता है तो वो इस तरीके का ही सवाल पूछ सकता है इसके अलावा कोई और सवाल पूछने की उसकी हिम्मत नहीं है इसका मतलब जो भी सवाल इस पे पूछा जाएगा वो वही पूछा जाएगा जिसमें x प्लस वाई डायरेक्ट पुट हो सकता है यानी यहां पे x प्लस वाई का स्क्वायर 25 उत्तर निकाल दूंगा यहां पे भी 25 उत्तर आ जाएगा तो हमने ये पाया हम समझ गए कि अगर एक इक्वेशन दे के कोई इस तरीके के सवाल पूछ रहा है तो ये बात तो तय है कि एक इक्वेशन से एक्स और बाई नहीं निकल सकता है फिर भी वो सवाल पूछ रहा है इसका मतलब सवाल का उत्तर वास्तव में एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा सवाल का उत्तर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि एक्स प्लस वाई कितना है ये बात मेरे दिमाग में कहां से आई थी वो भी मैं भी बताऊंगा तो फिर जब इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों का सम पांच होना चाहिए तो मैं वाई को अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं मैं अपने सवाल को आसान बनाने के लिए वाई को जीरो कर सकता हूं एक्स को पांच तो भी सवाल का उत्तर पच्चीस आएगा तो भी इस सवाल का उत्तर पच्चीस आएगा मतलब मैं एक वेरिएबल को अपने हिसाब से जीरो कर सकता हूं मैं चाहूं तो एक

हर सवाल में फिट होगी या नहीं होगी ये बहुत बच्चों का डाउट रहेगा तो ये डाउट में एकदम क्लियर कर दूंगा ठीक है बहुत ध्यान से देखना होगा कि ये मैंने कैसे सोचा मैंने सोचा कि जब राधा और श्याम का घर पांच किलोमीटर हुआ करता था और श्याम और राधा एक दूसरे से मिलते थे तो इन दोनों के मिलने का टाइम इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि दोनों की अलग अलग स्पीड क्या है अगर इसकी स्पीड तीन है और इसकी दो तो हम कहते थे कि ये एक घंटे में मिल लेंगे क्योंकि दोनों की पांच है एक घंटे में पांच चल लेंगे अगर इसकी चार है और इसकी एक है तो भी एक घंटे में मिल लेंगे अगर राधा की कुछ नहीं है तो भी ये एक घंटे में मिल लेंगे श्याम की पाँच है तो यहां से बात मेरे दिमाग में आई थी कि जब किसी सवाल का उत्तर उनकी स्पीड के सम पे डिपेंड कर रहा है तो हम किसी को भी जीरो एक दो तीन चार पांच छ मान लें सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस राधा और श्याम के कॉन्सेप्ट ने मुझे मजबूर किया कि मैं एल्जेवरा में भी ऐसा सोचूं और जब मैंने ऐसा सोचा तो मैंने बड़े बड़े सवालों को ढेर कर दिया खत्म कर दिया ये भी एक बेसिक है कुछ लोग कहेंगे बेसिक से बताओ आप शायद बेसिक को ये समझते हो कि अगर कोई टीचर किसी सवाल को चार पांच दस बीस लाइन खराब करने के बाद एक पेज का कर देता है तो उसको वो बेसिक कहता है सवाल के सॉल्यूशन की लेंथ को बढ़ा देना बेसिक नहीं है सवाल की सॉल्यूशन की लेंथ अगर छोटी भी रहे तो वो भी बेसिक है ये कोई शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं सिखा रहा हूं मैं तो आपसे खुद पूछ रहा हूं कि क्या x प्लस वाई अगर पांच है तो आप मुझे एक्स वाई का मान बता सकते हो या नहीं इसका मतलब आपने एक चीज तो बहुत ध्यान से यहां पे नोट की कि अगर हमें दो वेरिएबल का मान चाहिए तो दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी मैं ये कह सकता हूं कुछ पॉइंट अब मैं कंक्लूड करके यहां पे लिखना चाहूंगा कुछ मैं कंक्लूजन यहां पे लिखना चाहूंगा अगर दो वेरिएबल का मान दो वेरिएबल का एग्जैक्ट मान चाहिए दो वेरिएबल का एग्जैक्ट मान चाहिए एग्जैक्ट मान चाहिए तो, दो वेरिएबल का अगर एग्जैक्ट मान चाहिए तो दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगे दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगे बात समझ गए इतनी सी बात समझ गए अब मैं इसी चीज को फिर घुमा के लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एक ऐसा नोट लिखाना है जो आप हर सवाल कर पाए यानी कि जितनी इक्वेशन है जितनी इक्वेशन है आप यह भी समझ गए कि जितनी इक्वेशन हैं, उतने वेरिएबल का मान ही फिक्स निकाला जा सकता है उतने वेरिएबल का मान ही फिक्स निकाला जा सकता है फिक्स निकाला जा सकता है या किया जा सकता है जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल का मान ही निकाला जा सकता है इतनी सी बात आप समझ के जो मैंने पीछे मैथमेटिकली टर्म में लिखाई अब वही यहां पे मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में लिख दिया यहां तक कोई डाउट नहीं है इतना आप समझ के दो इक्वेशन तो दो के मान निकाल पाऊंगा अब बात हम एस की करते हैं कि SSC में तो एक इक्वेशन दे, दे देता है तब हम क्या करें? तब हम क्या करें बताइए क्लियर है बात आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं इस बात को एक बार नोट कर लीजिए ये सिर्फ अभी तक मैं बेसिक बातें बता रहा हूं जो जानना जरूरी है इसके अलावा कुछ नहीं कि इफ इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस इफ नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स वेरिएबल समझते हैं आप कुछ लोग शायद नहीं समझते होंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स वेरिएबल्स यही होते हैं एबीसी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं। ये सब क्या है वेरिएबल्स हैं एलिमेंट वेरिएबल्स हैं ठीक है तो मैंने कहा कि यदि इक्वेशन कम है वेरिएबल से तब हमें क्या करना है तो अब इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे व्हेन, ऐसे व्हेन, नंबर ऑफ वेरिएबल्स वेरिएबल्स की संख्या आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन यदि वेरिएबल जो है इक्वेशन की संख्या से ज्यादा है देन ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स देन ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कैन बी पुट एनीथिंग कैन बी पुट एनीथिंग देखिए हर बात का लॉजिक पता होगा तो ही सटीक जा पाएंगे वरना जिस तरीके से आज सी में कई बार घुमा देता है आप भी घूम जाएंगे तो एग्जैक्ट बात पता होनी चाहिए कि जब वेरिएबल्स वेरिएबल्स की संख्या जो हैं, जो अचर हैं हैं अचर हमारे ए बी सी डी एक्स वाई जेड अगर उनकी संख्या जितनी इक्वेशन दे रखी है उससे कहीं ज्यादा है तो ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कैन बी पुट एनीथिंग तो हम उनकी जगह कुछ भी रख सकते हैं जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनकी जगह क्या क्या जीरो एक माइनस एक दो इटीसी और रखेंगे क्या जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान बने टू मेक कैलकुलेशन इजियर देखिए बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है कमाल की बात है सौ मेल इसी रिगार्डिंग आते हैं रोज कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आता जब आप लाइव आते हो हमें नोटिफिकेशन नहीं आता हमें वीडियो बाद में देखनी पड़ती है तो इसके लिए जब हमने पता किया तो पता चला कि एक घंटा का बटन होता है जो आपके सिग्नल के बराबर में आपके चैनल के बराबर में एक घंटे का बटन आता है वो आपको दबाना पड़ेगा तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा आज मुझे समझ में आया कि वो बटन क्यों दबाया जाता है तो अगर आप नोटिफिकेशन जाते हैं कि आपको ऑन टाइम मिले तो आपको ये दबाना पड़ेगा ठीक है तो अब मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशन है एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं तो आप मुझे बताइए कि हम उनकी जगह कुछ भी पुट कर सकते ठीक है जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं बहुत प्यारा सा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना चाहते हुए भी पूछ सकता हूं कोई बड़ी बात नहीं है देखिए क्या सवाल है मिटा दें इसको। देखिए मैंने एक सवाल आपसे पूछा कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दस और x माइनस वाई प्लस जेड बराबर पांच ये मैंने आपसे पूछा ठीक है ये मैंने आपसे पूछा भाई अब मैंने आपसे ये पूछा जब तो मैंने देखा कि आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ जेड प्लस एक्स का स्क्वायर ये आपसे पूछ लिया कि ये बताओ भाई क्या होगा ट्वाइस ऑफ जेड प्लस एक्स का स्क्वायर आपसे पूछ लिया क्या होगा तो बताइए क्या हो सकता है ऐसे वो बोलते हैं तो ये उन बच्चों के लिए इक्वेशन कैसे पता करते हैं अगर यहां पे एक बराबर है यहां पे एक बराबर यानी दो इक्वेशन है वेरिएबल कितने हैं एक दो तीन वेरिएबल कितने हैं एक दो तीन एक्स माइनस वाई प्लस जेड ठीक है तो अब मैंने इसके बाद आपको क्या बात बताई एक मैंने इतनी छोटी सी आपसे बात बताई कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दस है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर पांच है तो जब एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूं मैंने क्या किया जेड को जीरो कर दिया आसान बनाने के लिए फिर एक बच्चा कहेगा वाई को भी कर दो मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता आप खुद भी देख सकते हो कि अगर मैं वाई को जीरो करूंगा तो एक बार एक्स दस आ जाएगा एक बार एक्स पांच कभी ऐसा नहीं होगा यहां सिर्फ एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है यहां सिर्फ एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब कि एक ही को कर सकते थे अब x निकालना पड़ेगा मैंने जोड़ दिया इसको तो 2x कितना आ गया 15। यानी x का मान कितना आ गया साढ़े सात या ऐसे कह सकते हैं 15 बटा दो यही आ गया अब देखिए मैंने जेट को तो जीरो कर दिया था तो जीरो हो गया जेट तो, तो टू इंटू एक्स का स्क्वायर दो सौ पच्चीस बटे चार तो उत्तर कितना आ गया 225 सौ पच्चीस बटे दो मैं फिर से एक ही बात समझा रहा हूं अभी मैं 25-26 सवाल लेके आया हूं आपके लिए आग लगा दूंगा ठीक है तो बिल्कुल भी प्रवाह करने की जरूरत नहीं है आज की क्लास में आप यह सीख जाओगे कि वैल्यू कैसे पुट होती है और कैसे नहीं तो फटाफट से इजाजत दो कि सवालों को प्रस्तुत किया जाए चित्रगुप्त साहब बोलेंगे कि सवालों को प्रस्तुत किया जाए चले पहला सवाल खूबसूरत सा आपकी कॉपी के ऊपर यह रहा जो कि इस बार के प्री एग्जाम में आया सीजीएल प्री का ये सवाल है डरने की बात नहीं है डराऊंगा मैं बिल्कुल भी नहीं क्या है ये सवाल क्या चांद ए प्लस बी प्लस सी सात है ए की क्यूब बी की क्यूब सी क्यूब माइनस थ्री एबीसी एक सौ पिछहत्तर है तो आपसे पूछ रहा है एबी प्लस बीसी प्लस सी ए का मान क्या देखिए बड़ी प्यारी सी बात बता रहा हूं हर बच्चे को कि देखिए आपको समझना है ए बी जो है ए बी मैं फिर से समझा रहा हूं कि एबीसी तीन वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है एबीसी तीन वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है बात क्लियर है तो मैंने कहा ठीक है भाई तो आपने क्या किया कि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है भाई दो इक्वेशन कैसे पता लगी एक जी बराबर एक बराबर दो इक्वेशन तो मैंने क्या किया सी को जीरो कर दिया सी को जीरो कर दिया मैंने मैंने सी को क्या किया जीरो कर दिया जब मैंने सी को जीरो किया तो ये खत्म हो गया मेरा सवाल इतना सा रह गया कि सात ए प्लस बी बराबर सात ठीक है मैंने सी को जीरो किया तो ये खत्म ये खत्म अच्छा जब मैंने सी को जीरो किया तो जो पूछा है वो भी काफी हद तक खत्म हो चुका है सवाल कितना रह गया है ए की क्यू प्लस बी की क्यू बराबर एक सौ इस चांद में पीला कलर दिख नहीं रहा तो रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे एक और पूछा क्या है फाइंड बी पूछा क्या है फाइंड बी आपसे पूछा है ठीक है तो मैंने कहा देखे कोई बड़ी बात नहीं है इसकी क्यूब कर देते हैं अभी मैंने आते ही एक फॉर्मूला बताया था तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री जो पूछा है और a प्लस बी बराबर सात की क्यूब कितना होता है तीन सौ तैतालीस यही होता आपको मालूम है कि इसका मान दिया हुआ है भाई आपको इसका मान आपको दिया हुआ है तो हमने इसका मान लिख दिया एक सौ पिचहत्तर तो थ्री ए बी और ब्रैकेट में सात बराबर सात की क्यूब थी तो हम ये भी कर सकते थे देखिए कि, कि कई बार जरूरी नहीं होता आपके 343 तीन सौ तैतालीस लिखें जरूरी नहीं होता आप सिंपल लिखते सेवन की क्यूब और माइनस वन फाइव इससे फायदा क्या होता कि जब आप सात से भाग लगाते देखो प्यार से कितने प्यार से भाग लग रहा है कि सात से भाग लगा रहा हूं तो यहां पर पावर दो बच जा रही है यहां सात दूनी चौदह सात पंजे तो मैंने देखा कि ये उनचास माइनस पच्चीस बच रहा है एक एक लाइन में लिख रहा हूं ताकि कोई भी गरीब बच्चा गणित में उसको समझ में आए चौबीस तीन से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? आठ बार कटेगा तो तो ए बी का मान कितना आ गया देखिए आपको समझा रहा रहा हूं इसलिए इतना वक्त लग रहा है वरना तो मैं ऐसे सवाल चुटकियों में कर देता हूं मैं फिर से कह रहा हूं कि हमने सी को जीरो लिया हमारा सवाल आसान हो गया वरना इस सवाल को करने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती मुझे नहीं पता कि फिर इसमें कितना और टाइम लगता नहीं लगता ठीक है बट अभी हमने इस सवाल को बहुत आसान तरीके से किया देखिए एक सवाल जरूरी नहीं है एक सवाल से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए अगर एक सवाल से आ जाता तो मेरी क्लास यहीं खत्म हो जाती बट मैंने नहीं की यहां खत्म क्लास मैंने कहा कि अभी वक्त है मैं आपको समझाऊंगा मैं इतने सारे सवाल लेके आय सब कराऊंगा ठीक है अगला सवाल आप सोचेंगे कि ये सवाल भी इस बार के प्री में आया है तो मैं चाहता हूं कि यह सवाल हम आपको होमवर्क में दें जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें विद आंसर्स मिल जाएगा बस मैंने यह सवाल यहां पे इसलिए दिखाने के लिए रखा कि सेम टू सेम सवालों का पैटर्न रहता है SSC का कई कई सालों तक चलता है आगे भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते रहेंगे अगला सवाल अगला सवाल बेहद खूबसूरत बेहद खूबसूरत कोई दिमाग नहीं लगाना सीधे वैल्यू पुट करनी है क्या करनी है? अब देखिए वैल्यू पुटिंग में समस्या कहा है फिर समस्या वहां है जहां जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाए क्योंकि जीरो बाई जीरो का पता नहीं है जीरो बाई जीरो एक के बराबर भी हो सकती है दो के बराबर भी हो सकती है अनिश्चित होती है इनडिटर्मिनेंट होती है इनडिटर्मिनेंट होती है जीरो बाई जीरो इनडिटरमिनेंट होती है बात समझ रहे हैं नहीं सवाल में दिक्कत वहां है जहां एक बटे जीरो होता है एक बटे जीरो भी इनफाइनाइट होता है तो ये दो चीजें वैल्यू पुट करते वक्त हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में जीरो बाई जीरो एक दो तीन इनडिटर्मिनेंट वन बाई जीरो इन्फाइनाइट तो फिर अब हम क्या वैल्यू रखेंगे आप मुझे बताओ क्या मुझे कोई कोरिया का बच्चा आप में से बता सकता है कि, कि कितनी इक्वेशन दी हुई है तो आपका जवाब होगा इक्वेशन एक है गुरु एक है वेरिएबल कितने हैं दो मैंने कहा कि क्या मैं किसी को जीरो पुट करना अफोर्ड कर सकता हूं आपने कहा ना बाबा ना क्यों क्योंकि अगर आप जीरो से भाग करोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा इनफाइनाइट सिर्फ एक ही जगह अब आपके जीवन में काम का बचाए कि जब वो आपसे पूछे मुझे कितना प्यार करते हो तो आपको एक जवाब देना है इनफाइनाइट बस इसके अलावा आपके जीवन में इनफाइनाइट का कोई यूज नहीं है सच्चाई है सच्चाई ये तो हम अब क्या करें हमने कहा कि भाई हम सी को क्या करते हैं तो आपने कहा सी को ऐसा करो गुरु वन मान लो ठीक है हमने कहा मान लेते हैं हम दो को मान सकते हैं एक इक्वेशन है तीन वेरिएबल दो एक्स्ट्रा है उन दो को मैं कुछ भी मान सकता हूं मैंने कहा जीरो मान नहीं सकता तो फिर ज्यादा लंबी कैलकुलेशन ना आए बी को भी एक मान लिया आपने देखा कि जब मैंने बी और सी दोनों को एक एक मान लिया तो मेरी इक्वेशन आ गई ए प्लस टू बराबर जीरो सबको नहीं मान सकता कोई लड़का कहेगा ए को भी एक मान लो पागल है एक 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 तीन कभी जीरो के बराबर हो सकता है तो एक इतना आ गया माइनस माना मैंने सिर्फ बी और सी को ए तो मेरा इस इक्वेशन से आया माइनस दो रख देता हूं यहां पे चार बटे एक प्लस एक बटे माइनस दो प्लस एक बटे माइनस दो यानी यह आ गया चार माइनस एक बराबर तीन ठीक है इज इट क्लियर किसी को भी डाउट है तो बताओ इज इट क्लियर किसी को भी डाउट है तो बताओ मैं अगले पेज पे जा रहा हूं ये सवाल यार ये सवाल आया सोचिए आप सोचेंगे ये कहा आया गुरुजी? हमें तो देखा नहीं ये सवाल सीडीएस 2020 में आया 2020 में इन्होंने इक्वेशन तो इतनी कम दी बदतमीजों ने और वेरिएबल दबा के दे दिए दबा के वेरिएबल अरे भैया इतना वेरिएबल कौन देता है रे देखिएगा इस सवाल को इस सवाल को देखिएगा कितने सारे वेरिएबल है मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप कहेंगे वेरिएबल की कमी नहीं है ए है बी है सी है एक्स है वाई है जेड और दो इक्वेशन है दो इक्वेशन है मैं सबसे पहले तो एक ही काम करूंगा कि ये जो एक्स वाई जेड है ना इन सबको मैं वन वन मान लेता हूं क्योंकि मुझे चार को मानना है दो इक्वेशन है ना जी तो मैं चार को मान सकता हूं छह वेरिएबल है इक्वेशन दो है तो मैंने सबसे पहले तो एक्स वाई जेड को निपटा दिया वन वन मान लिया तो आपने देखा यह आ गया बी प्लस एक बटा सी बराबर एक यही मान लिया हमने फिर हमने क्या किया इसको देखा तो सी प्लस एक बटा ए बराबर एक फिर हमने देखा हमारा सवाल क्या है बोलवे बोलवे तो आपने का सवाल है ए बी प्लस वन बटा बी बी दिखेगा नहीं चांद से मुखड़े में तो लाल कलर से है। दिल लाल होता है, उसी से कनेक्शन है है? इसका, ठीक अब थे, तो आप चार को मान सकते थे आपने अभी तक तीन को माना है इसीलिए सवाल नहीं हो रहा तो मैंने कहा ठीक है मान लेते हैं, अब सी को कुछ और मान लेते हैं तभी हमने कहा कि अगर मैं सी को एक मानू देखिए जीरो तो मान नहीं सकता इनफाइनाइट हो जाएगा तभी एक बच्चे ने कहा हम किसको मानते हैं पता है जैसे सीन दोनों में तो तकलीफ नहीं होगी चेक करना आसान होगा जैसे ही मैंने सी को एक माना एक से एक कट गया तो एक बटा ए जीरो के बराबर आ गया यानी ए एक बटा जीरो इनफाइनाइट के बराबर आ गया यानी मैं सी को एक नहीं ले सकता सी को मैं एक नहीं ले सकता आप चाहो तो देख लो लेके जब मैं एक लूंगा तो एक से एक कट जाएगा वन बाई ए जीरो आ गया हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं वन को ए से भाग करूं जीरो आ जाए नहीं आ सकता फिर मैंने क्या किया मैंने कहा सी को दो मान लेते हैं। हमें क्या ही फर्क पड़ रहा है हमने माइनस तो एक, दो दो एक, एक इतना आ जाएगा माइनस एक सारे मान तमीज से आ गए देखिए मैं फिर से कहूंगा माना मैंने सिर्फ एक्स वाई जेट को है माना मैंने सिर्फ एक्स वाई जेट को है आप इस बात को समझो मेरी कि मैंने एक्स वाई जेड को माना है और सी को माना है बस बाकी बी तो मैंने निकाला है और ए भी मैंने निकाला है जिसको ना समझ में आए बुरी नजर वाले तरह मुंह काला है मैंने तो ए और बी को निकाला है जब मैंने ये निकाल दिया तो ए का मान आपने कहा माइनस एक बी का एक बटा दो तो ये आ गया माइनस एक बटा दो प्लस एक और बटे कितना है बी बी कितना है एक बटा दो आपने देखा ऊपर भी एक बटा दो नीचे भी एक बटा दो उत्तर कितना आ जाएगा एक यही सवाल का उत्तर था। यही सवाल का उत्तर था मैं एक और बात यहां पे ऐड करना चाहूंगा कई बार कि देखिए जैसे बी बाई बाई जेड वाई सी एक है सी बाई जेड एक्स वाई ये एक है अगर आप इसको भी भाग कर लेते तो पता ये कितना आता ए बाई एक्स प्लस वाई अपॉन बी तो सिमिलरिटी से ये भी वन हो जाता एलजेब्रा में सिमेट्री बहुत मायने रखती है सिमेट्री मतलब एक जैसा दिखना अगर ये इसके जैसा दिख रहा था तो ये भी वन था ये इसके जैसा दिख रहा है तो ये भी वन होगा तो यहाँ पे मेरे जैसा बंदा तो इस सवाल में क्या लगा देगा सिमेट्री लगा देगा ठीक है मैं कुछ और सवाल पूछता हूं आपसे खूबसूरत से, से। देखिए सब बच्चों को यही गुजारिश करूंगा कि लाइव क्लास प्रेफर करें बेस्ट है लाइव क्लास इससे क्या होगा कि वीडियो पेंडिंग नहीं होगी वरना सब कुछ पेंडिंग होता चला जाएगा ठीक है तो चलिए क्या दिया हुआ है ए अपॉन बी प्लस सी बी अपॉन ए प्लस सी सी अपॉन ए प्लस बी बराबर माइनस तीन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये लड़का क्या लिखता है बड़ा पागल है मेरी तो समझ में नहीं आता कि इसको एक सवाल दो उसमें भी यह गलत टाइप कर देता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एबी तो प्लस BC प्लस एसी का मान ज्ञात करो जबकि ये दिया हुआ है कौन बताएगा इस सवाल को कौन बताएगा ये थोड़ा मुश्किल जरूर है थोड़ा मुश्किल ये जरूर है बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे मैं आपसे जानना चाहता हूं कितनी इक्वेशन है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितनी इक्वेशन है हमने कहा कि ऐसा करते हैं इस सवाल में सी दो ऑप्शन में है भी दो ऑप्शन में है तो देखिए आप समझिए इस बात को भी मैं हर एक चीज समझाना चाहता हूं वरना फिर बच्चों को डाउट रह जाता है मैंने कहा कि अगर मैं सी को जीरो करूंगा तो प्रॉब्लम क्या है एक इक्वेशन को एक वेरिएबल को कर सकता हूं दो इक्वेशन है तीन वेरिएबल है तो बच्चा बोला कि प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि अगर सवाल का उत्तर जीरो आया तो दो ऑप्शन जीरो हो जाएंगे ए और बी सी को जीरो करने पर मैंने कहा बी को तो बोला तो भी दिक्कत सेम है सी और डी जीरो हो जाएंगे मैंने कहा फिर दिक्कत कहा नहीं है तो बच्चा बोला ऑप्शन में ए नहीं है ए से कोई मतलब नहीं है उत्तर को तो तुम ऐसा करो ए को जीरो कर दो मैंने कहा ठीक है इसने तो और अच्छी बात बताई मैं गया और मैंने सीधे ए को क्या कर दिया चारों खाने चित्त कर दिया मैंने ए को क्या कर दिया जीरो अब बच्चा बोलेगा कि अगर आपने ए को जीरो कर दिया तो ये यहां से खत्म हो गया और ये यहां से यहां से क्या आ गया ये आया बी बाई सी बी बाई सी प्लस सी बाई बी बराबर माइनस तीन तो मैं ये कह सकता हूं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस थ्री बी सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस थ्री बी सी ये कर सकते हैं कि नहीं बोलो इसके बाद क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा सी को अगर मैं जीरो करता हूं सी को जीरो करता हूं तो ए बी पूछा है बस सवाल में कि ए बी बताओ मैं समझ गया अच्छा और क्या क्या दिया हुआ है सवाल में सवाल में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर है इतना सवाल में दिया हुआ है तो ए तो हमने जीरो कर लिया भाई ए जीरो कर लिया जब ए जीरो किया तो पूछा सिर्फ बी सी है ए भी नहीं बचेगा बी सी बचेगा बी सी बचेगा ए को जीरो किया ना भाई ये खत्म ये ठीक है आपने कहा कि सी स्क्वायर का मान यहां रख दो अगर मैंने सी स्क्वायर का मान यहां टू बी स्क्वायर रखा तो ये आ गया थ्री बी स्क्वायर बराबर माइनस थ्री बी सी माइनस से माइनस कट गया और तीन से तीन कट गया तीन से तीन कट गया बी सी कितना आ गया माइनस का बी स्क्वायर यही सवाल का उत्तर है यह सवाल अपने आप में एक बहुत कठिन सवाल है यह सवाल अपने आप में बहुत कठिन सवाल है बट इस सवाल को हमने छुमंतर कर दिया किसी बेसिक की जरूरत नहीं है किसी चीज की जरूरत नहीं है यह सबसे बड़ा बेसिक है सबसे बड़ा बेसिक कैसे है कि अगर दो इक्वेशन हैं और तीन वेरिएबल हैं, तो मैं तीसरे का मान नहीं निकाल सकता उस तीसरे को मैं जो मर्जी मान लू सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पहली स्लाइड से मैं ये बताता आ रहा हूं आपको तो मैंने ए को जीरो करना मुनासिब समझा जब मैंने ए को जीरो किया तो सवाल इतना सा रह गया बाई C C बाई बी बाई सी प्लस सी बाई बी तो थ्री बी स्क्तर बराबर माइनस थ्री बी सी तीन से तीन कट गया बी सी कितना आ गया माइनस बी स्क्वायर यही पूछा था सवाल में क्योंकि जब ए जीरो कर दिया था तो ये खत्म ये खत्म अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूं जो इस बार के सीजीएल एग्जाम में आया कितना मुश्किल है मुझे मुश्किल लगा आपको पता नहीं लगेगा यानी शायद आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो मैं भी आपको मुश्किल ना लगे बट मुझे यह सवाल मुश्किल लगा मैं दिखाता हूं आपको यह सवाल मुझे मुश्किल लगा यार मुझे लगा कि सवाल में जान है क्या आप मेरे तरीके से सवाल को जीत सकते हो क्या आप मेरे तरीके से सवाल को जीत सकते हो देखो भाई सवाल क्या है सवाल मैं पढ़ के सुना रहा हूं इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक एंड ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर चार देन फाइंड वन अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन अपॉन बी प्लस ए ए सी प्लस वन अपॉन सी प्लस ए बी यानी कि यदि a प्लस बी प्लस सी एक है और a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब चार है वन अपॉन ए प्लस बी सी वन अपॉन बी प्लस ए सी वन अपॉन सी प्लस ए बी का मान क्या होगा एक माइनस एक माइनस टू तीन क्या होगा <स्थाथ> बड़ा प्यारा सवाल लगा मुझे बड़ा प्यारा लगा बहुत प्यारा लगा मुझे एस एस सी में आया सीजीएल में आया देखिए ऐसा करते हैं एक वेरिएबल को जीरो कर लेते हैं हमने कहा कि भाई दो इक्वेशन है तो एक को जीरो कर लो एक एक्स्ट्रा एक को जीरो, को जीरो कर लिया सी को जीरो कर लिया सी को जीरो किया तो ए प्लस बी कितना आ गया आपको इस प्रकार के सवालों की 50 सवालों की पीडीएफ मिलेगी आपको इस तरह के देखिये प्लस बी एक आ गया, मैंने कहा अब एक क्यूब प्लस बी की क्यूब कितना होगा तो आपने कहा एक क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर चार होगा ठीक है अब मैंने सी को जीरो कर दिया अगर मैं सी को जीरो करता हूं तो क्या होगा एक बटे ए रह जाएगा एक बटे बी रह जाएगा एक बटे ए बी रह जाएगा वाह इतना सुंदर सवाल मैंने मतलब अपनी लाइफ में पहली बार देखा मुझे बहुत सुंदर लगा कि कोई तरीका दिमाग में नहीं आ रहा तो क्या सवाल बना दिया साहब इन्होंने बताओ कोई कैसे बना सकता है तो मैंने कहा ठीक है बनाओ हमने एलसीएम ले लिया ए बी ऊपर कितना बच गया ए प्लस बी प्लस वन अब बच्चा कहेगा ए प्लस बी तो खुद वन है खुद वन है या नहीं तो मैंने वन यहां रख दिया तो ये आ गया टू अपॉन ए बी आप बच्चा कह रहा है कि ए बी और निकाल दो आपने तो फॉर्मूला बताया ही था मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मैंने कहा था इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाहर होता है बताया था ना और अंदर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस थ्री ए बी यही बताया था भाई जब मैं आया था तो आते ही बराबर चार तो आपने कहा ए प्लस बी तो वन है वन हो गया ये भी वन है तो वन माइनस थ्री ए बी कितना आ गया चार आ गया अगर इस एक को उधर ले जाऊं तो ए भी कितना आ रहा है माइनस वन यानी कि यहां से ए भी कितना आ गया कुछ नहीं हुआ लाइट गिर गई है और कुछ नहीं इंतजाम ऐसे ही रहता उल्टा सीधा आधी पहले फूक चुकी थी आधी अब फूक जाएगी ए भी आ गया माइनस वन माइनस वन का मतलब उत्तर आ गया माइनस टू तो चलिए अगला सवाल ले रहे हैं बहुत खूबसूरत है ये भी बहुत आसान सा सवाल है इस बार के सीजीएल में ही आया हुआ सवाल है ये भी सीजीएल में आया हुआ सवाल है तो मैंने क्या किया इस सवाल में सीधे y को जीरो कर दिया एक इक्वेशन दो वेरिएबल हमने क्या कर दिया सीधे एक इक्वेशन दो वेरिएबल ठीक है तो एक इक्वेशन दो वेरिएबल है y जीरो, तो हमने x को क्या किया माइनस दो एक्स को हमने कितना कर दिया माइनस दो एक्स अगर माइनस दो है और y खत्म कर दिया तो ये खत ये खत और माइनस दो का मतलब माइनस आठ ये प्लस का आठ आठ से आठ कट गया कितना उत्तर आ गया जीरो यही सवाल का उत्तर यही सवाल का उत्तर है अगला सवाल अगला सवाल ये भी बड़ा प्यारा सवाल है पता नहीं इसमें ऐसे बीच बीच में सांप क्यों आ गया है कोशिश करिए एक इक्वेशन दो वेरिएबल है पूछ क्या रहा है आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी सी कई बार आया हुआ सवाल है ये तो सीजीएल मेंस में भी आया है, प्री में भी आया है, कई बार इस तरीके का सवाल आया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो देखें दोस्त हमने क्या किया सी को जीरो कर दिया लेकिन जीरो कर सकते हैं किसी को देखने वाली बात होगी हाँ आप कहेंगे कर सकते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं सी को जीरो कर दिया सी जीरो मैंने कहा बी को कर दूं तो आपने कहा सबको कर देगा बे तो ए भी जीरो हो जाएगा और जीरो बटा जीरो आ जाएगा और जीरो बटा जीरो इनडिटर्मिनेंट होता है तो मैंने कहा बी को नहीं कर सकता मैंने कहा बी को वन करूंगा अब ये दोनों तो मैंने अपनी मर्जी से करे जब मैंने ये यहां पे पुट किया तो ए माइनस वन आ गया ए कितना आ गया माइनस वन अगर ए माइनस वन है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं वन प्लस बी स्क्वायर वन प्लस जीरो बटे वन माइनस जीरो जीरो से जीरो कट गई ऊपर दो नीचे एक उत्तर कितना आ गया दो यही सवाल का उत्तर अगला सवाल ये सवाल देखिए सवाल 2017 मेंस में पूछा गया 2017 मेंस में पूछा गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये माइनस ए बी है एक जगह प्लस ए बी है एक जगह माइनस ए बी है एक के बराबर है तो आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ इतने मैं फिर से एक ही बात कहूंगा कि एकाध सवाल आप भी करो मेरे साथ मुझे तो आते ही है हर सवाल, मैं तो कर ही लूंगा आप क्या करोगे ये बताओ मुझे आप कुछ सवाल तो भाई आप भी करोगे कि नहीं करोगे बोलो एक इक्वेशन दो वेरिएबल क्या करें दोनों को बी बराबर जीरो हमने एक को जीरो कर दिया बी को जीरो कर दिया जैसे ही मैंने बी को जीरो किया तो क्या हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर बचा एक गाना सुनाऊंगा इसके बाद पंजाबी बहुत डिमांड आ रही है काफी दिनों से बच्चे कह रहे हैं आपने गाना नहीं सुनाया कोई गंदा गाता है तो क्या हुआ सुना तो सकता ही है ए बराबर कितना आ गया वन बाई टू बी को जीरो किया तो ए वन बाई टू आ गया मैंने बी को जीरो किया यहां ए वन बाई टू रखा तो लाल कलम लेंगे वन माइनस वन बाई फोर और ब्रैकेट में वन बचेगा खाली कितना उत्तर आ जाएगा तीन बटे चार यही सवाल का उत्तर है। अगला सवाल इसी बात पे। इसी बात पे अगला सवाल आप सबके सामने आ रहा है सवाल बहुत खूबसूरत सवाल की अपनी गरिमा कौन बताएगा इस सवाल को फाइंड ए बी ए प्लस बी प्लस बी सी बी प्लस सी प्लस सी ए सी प्लस ए प्लस थ्री ए बी सी बताना है अगर ए प्लस बी प्लस सी सत्रह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए छह है तो जल्दी से उत्तर बताओ फटाफट 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 देखिए देखिए बहुत ध्यान से मैंने कहा दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है एक एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा को मैंने जीरो से नवाज दिया मैंने सी को अपनी मर्जी से जीरो माना जब मैंने सी को जीरो माना तो मेरा सवाल रह गया ए प्लस बी सत्रह है ए बी बराबर छ है ए बी छ है फिर इन्होंने कहा कि ए बी ए प्लस बी यह आपको बताना है तो फाइंड रह गया ए बी इंटू ए प्लस बी यही रह गया फाइन तो अब आप कहेंगे ध्यान से देखेंगे कि अगर ए प्लस भी सत्रह है और ए भी छह है ए प्लस भी सत्रह तो सत्रह छिक्के एक सौ दो यह सवाल इस बार के सीजीएल में आया मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बार के सीजीएल सीपीओ के सवालों को देख करके मेरा दिल गद गद हो गया। गद, गद। मैंने कहा यार यहां भी दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है तो मैं क्या करूं तो बच्चों ने कहा जेड को जीरो मान लो वहां से हमने मान लिया जेड अगर जीरो है तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया तेरह एक्स प्लस वाई कितना आ गया तेरह एक्स प्लस वाई तेरह उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सिक्सटी नाइन ये चीज ठीक है बराबर सिक्सटी नाइन ठीक है तो हमने क्या किया भाई जेट को जीरो किया था तो आपने देखा कि ये एक्स वाई है जेट तो खत्म ही हो गया यानी अब जो सिर्फ निकालना है वो एक्स वाई का मान निकालना है कि अगर एक्स वाई पता लग गया तो बात बन जानी है तो बना देते हैं बात इसका स्क्वायर कर दिया हमने कुछ नहीं किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बराबर वन सिक्सटी नाइन बराबर वन सिक्सटी नाइन ठीक है तो मैंने कहा कि ये कितना दिया हुआ है सवाल में तो आपने कहा ये दिया हुआ है सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन प्लस टू एक्स वाई बराबर वन सिक्सटी नाइन ठीक है तो टू एक्स वाई कितना है हंड्रेड एक्स वाई कितना आ गया पचास यही उत्तर है एक्स के क्यूब प्लस तीन बटे एक्स बराबर चार ए की क्यूब बी की क्यूब तीन एक्स प्लस एक बटा एक्स की क्यूब बराबर बी की क्यूब टू होगा तो देखिए हमने अब क्या किया अब हमने क्या किया हमने x को वन मान लिया यहां पे भी देखिए क्या है दो इक्वेशन है प्यार से फिर कोई नया बच्चा जुड़ा हो जिसको नहीं पता इक्वेशन कैसे पहचानते हैं इक्वेशन मतलब इक्वल जितने इक्वल हैं उतनी इक्वेशन तो दो इक्वेशन दो इक्वल ठीक है तो दो इक्वेशन थी हमने क्या किया एक वेरिएबल एक्स्ट्रा था और मैंने देखा एक्स ज्यादा जगह आ रहा है बल्कि एक्स बदतमीज भी है तो कुछ लोग कहेंगे बदतमीज कैसे है? कभी अपॉन में आ रहा है कभी नॉर्मली आ रहा है कभी क्यूब आ रही है कभी नॉर्मल आ रहा है तो मैंने एक्स को वन मान लिया जीरो तो मान नहीं सकता था भाई एक्स को मैंने वन मान लिया आपने कहा अगर आपने एक्स को वन माना तो वन प्लस तीन ये कितना आएगा चार और चार से यह चार कट जाएगा ये भी कितना आएगा चार चार से चार कट जाएगा बोलो कटेगा कि नहीं फिर मैंने देखा कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर एक आ गया फिर मैंने देखा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर एक आ गया आया नहीं आया अब मैंने दोनों को जोड़ दिया अब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो b की क्यूब से b की क्यूब कट गया टू ए की क्यूब कितना आ गया दो तो a की क्यूब कितना आया वन वन आ गया बेसिकली यहां से मैं कह सकता हूं इस चंदा मामा में ए वन है आप कहेंगे अगर घटा देता मैं तो बी कितना आता जीरो अब अगर ए वन है तो दो माइनस एक और बी जीरो तो बटे एक, एक बटा एक, एक उत्तर आ गया इस सवाल का क्या किसी महाशय का एक आ रहा है एक लड़के का दो आ रहा है गलत है बताओ बताओ बोलो बोलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखिए बहुत प्यारा सवाल है बहुत प्यारा सवाल है सवाल क्या है x बराबर p प्लस एक बटा पी वाई बराबर p माइनस एक बटा पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू बटे एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर क्या होगा ये आपको बताना है तो देखिए यहां पर भी दो इक्वेशन है दो इक्वेशन है यहां पर भी तीन वेरिएबल है दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल है तो मैंने क्या किया उनको मैंने P को क्या मान लिया वन मान लिया P को मैंने वन मान लिया मैंने कहा अगर P वन है तो x कितना होगा तो आपने कहा x दो और y जीरो जब मैंने P को वन माना तो मुझे जो इक्वेशन दे रखी थी वहां से मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी अब x क्या है दो है तो दो का स्क्वायर अगर आप इन सवाल को बिना वैल्यू के भी करते हो या कोई और वैल्यू लेके भी करते हो तो भी इन सब सवालों का उत्तर सेम होगा सवाल का उत्तर बदलेगा नहीं किसी भी स्थिति में ठीक है तो एक्स स्क्वायर कितना है चार वाई कितना है जीरो। तो लिखूंगा, हो गया। वाई दो हो गया बटे। चार माइनस दो हो गया दो से ये दो कट गया बराबर चार चौक सोलह सोलह सवाल का उत्तर है किसी भी महाशय को अगर इसमें डाउट है तो वो पूछ सकते हैं कह सकते हैं किसी भी बच्चे को डाउट है यहां पे अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन कितनी है तो एक बच्चा बोलेगा एक दो तीन चार चार इक्वेशन है मैं बोलूंगा वेरिएबल कितने हैं तो छह वेरिएबल है छह वेरिएबल कैसे हैं पी क्यू आर ए बी सी पी क्यू आर और A, B, C यही वेरिएबल है तो मैंने क्या किया मैंने कहा अपनी मर्जी से मान लेते हैं तो मैंने Q और R को इस चंदा मामा में चंदा मामा में मैंने Q और R को क्या मान लिया जीरो आप कहेंगे यार आप बड़े मस्त आदमी हो आप Q और R को जीरो मान लेते तो हमारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं कैसे जब मैंने ये माना तो A जीरो हो गया इस वाली इक्वेशन में B P हो गया और C बी हो गया हो गया नहीं पहली वाली इक्वेशन में अगर मैंने माना तो पी की क्यूब कितना आ गई पांच आ गए नजदीक नहीं ले जाऊंगा नहीं तो इसमें लिखूंगा पता ही नहीं चलेगा p की क्यूब पांच आ गया अब आप कहेंगे कि अगर a जीरो हो गया तो ये खत्म और ये खत्म बचा b की क्यूब यानी p की क्यूब c की क्यूब यानी p की क्यूब तो ये आ कितना गया टू पी की क्यूब आ गया अब p की क्यूब है कितना पांच तो दो गुणा बराबर कितना आ गया दस दो गुणा पांच कितना आ गया दस यही सवाल का उत्तर है हम तो कह देंगे एक इक्वेशन है बेटा बी को जीरो कर देना जैसे बी को जीरो बोलेंगे वो ऐसे काटता चला जाएगा ये लो और और फिर बोलेगा गुरुजी, ए वन बचा है वन, और यहां पे वन 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 जीरो उत्तर बता दे इसलिए सिखाया मैंने आपको ये मेथड मैंने पिछली क्लास में वैल्यू पुटिंग पढ़ाया था नंबर ऑफ इक्वेशन देन ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल देन ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स All extra variables can be put anything. can be be put put anything, ये हमारी आपकी बात हुई थी कि अगर एक सवाल में, अगर एक सवाल में वेरिएबल्स की संख्या अगर एक सवाल में वेरिएबल्स की संख्या इक्वेशन की संख्या से ज्यादा है ज्यादा है तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को कुछ भी पुट कर सकते हैं ये हमारी आपकी बात हुई थी बट आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लेते हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल तीन है तो आप तीनों की वैल्यू पुट करो मैं फिर से कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से समझना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल तीन है तो आप तीनों की वैल्यू पुट करो आप किसी एक की वैल्यू भी पुट कर सकते हो ऐसे सवाल भी आपके सामने आएंगे जहाँ पे सिर्फ एक की ही वैल्यू पुट करनी होगी तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि अगर वेरिएबल्स की संख्या इक्वेशन भाई बहुत ठंड लग रही है हद से ज़्यादा कोई बात नहीं ठीक है अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है ये शायद हीटर खराब हो गया ये वाला हाँ कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूंगा एक घंटे की बात है ठीक है तो अब जैसे मैं कुछ एक सवाल तो लेके आया जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे आपको तो मैं उसी पे फोकस करूंगा जो पिछली क्लास के ही सवाल हैं मैंने कहा था कि पी क्यू प्लस वन बराबर क्यू है क्यू आर प्लस वन बराबर आर है तो आप खुद कहेंगे देखेंगे कि यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं तीन वेरिएबल है कौन कौन से पी क्यू आर दिस इज वेरिएबल यहाँ पे दो इक्वेशन है आप कहेंगे दो कौन कौन सी इक्वेशन है तो मैं कहूंगा एक पहली इक्वेशन ये है जहां पे एक बार बराबर लगा हुआ एक है एक ये तो हम ये देखते हैं हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है तो आपने देखा कि q इसमें भी आ रहा है q इसमें भी आ रहा है तो मैंने कहा q का मान मान लेता हूं तो मैंने एक बार तो ये कहा कि अगर मैं q को एक मानू सबसे पहले तो हम जीरो मानते हैं तो जब मैंने q को जीरो मानने के बारे में सोचा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा जब मैंने क्यू को जीरो मानने के बारे में सोचा तब बच्चा बोला कि एक बराबर जीरो होगा जब मैंने क्यू को जीरो माना तो बच्चा बोला कि एक बराबर जीरो जो कि पॉसिबल नहीं है फिर मैंने कहा बेटा क्यू को एक मान ले जब क्यू को एक मानने की बात आई तो बच्चा बोला कि आर से आर कट जाएगा और एक बराबर जीरो होगा आप बताओ क्या एक बराबर जीरो हो सकता है कभी कभी पॉसिबल है कि एक जीरो के बराबर हो ऐसा नहीं हो सकता इसका मतलब ना तो क्यू को जीरो मान सकता हूं ना ही क्यू को एक मान सकता हूं दोनों में से मैं क्यू को कुछ भी नहीं मान सकता यह बात तय है क्लियर है तो आपको यही बात समझनी है कि मानने का सारा खेल है सारी चीज दुनिया में हर चीज मानने से है हर चीज अब आप देखिए इसी बात पे देखिए कि अगर मैंने q को दो मान लिया टू क्यू तो q इधर जाएगा p बराबर कितना आ जाएगा माइनस वन जब मैंने Q को दो माना तो P माइनस वन आ गया मैं Q को यहाँ पे दो मानूंगा R इधर जाएगा R कितना आ जाएगा माइनस वन ये सेम सेम क्यों आ रहा है अच्छा मैंने Q को दो माना है ना दो तो यहाँ पे आएगा टू पी और यहाँ आएगा वन तो ये प्लस वन बाई टू आएगा P का मान आएगा प्लस वन बाई टू और R का मान आएगा माइनस वन मैं यहाँ पे रख देता हूँ ये मैंने रख दिया यहाँ पे आपके कहने पर तो ये माइनस एक प्लस ये वन बाई टू उल्टा करूंगा तो दो आ जाएगा प्लस दो गुणा पी कितना है एक बटा दो क्यू कितना है दो आर कितना है माइनस वन दो से दो कट गया तो माइनस एक प्लस दो माइनस दो दो से फिर दो कट गया उत्तर कितना आ गया माइनस एक इस सवाल का उत्तर आ गया माइनस एक यही सवाल का सही उत्तर था ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था इस तरीके के सवाल भी ये भी सेम सवाल है जल्दी से बता देता हूं कि जैसे दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है ए बी है या नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बी दोनों में है तो आपने बी को एक मान लिया मैंने कहा बी को एक मानूंगा तो बेटा तकलीफ है कि बी जो है फिर यहां पे एक से एक कट जाएगा सी इनफाइनाइट आ जाएगा एक नहीं मान सकता तो मैंने कहा माइनस एक मानने में क्या बुराई है तो आपने कहा माइनस एक में कोई बुराई नहीं है माइनस एक मान लो तो जीरो भी नहीं मान सकता था मैंने माइनस एक माना तो एक कितना आ गया छ मैंने माइनस एक माना इधर जाएगा तो सी कितना आ जाएगा एक बता दो आप देखोगे माइनस एक उधर जाएगा यानी ए का मान कितना आया छ बी का मान मैंने माइनस एक माना आप कुछ और भी मान सकते हो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है आप वही मानो जो मैं मान दो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वही मानो जो मैं मान दो आप कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से जो आपका दिल करे अगर मान लेते हैं कि आपने इसी सवाल में बी को तीन माना होता आपने इसी सवाल में बी को तीन माना होता तीन अगर आपने तीन माना होता तो ए कितना आ गया होता दो और बी अगर तीन यहां पे रखते तो सी कितना आ गया होता माइनस एक बटा दो फिर मैं एबीसी निकालता तीनों को गुणा करके तो उत्तर कितना आता माइनस तीन आप देख पा रहे हैं आप इतने समझदार हैं शायद ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा कई बार हमारी कलर चॉइस बहुत खराब हो जाती है ये मैं नहीं मानता ए कितना है माइनस तीन आप मेरी बात को समझ गए मैंने b बराबर तीन माना a बराबर दो आया c बराबर माइनस एक बटे दो तो यानी कुछ भी हम मान सकते चलिए मैं आज की क्लास शुरू करता हूं आज की क्लास में मेरा क्या मानना है मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी उतने ही ध्यान से समझने की कोशिश करना ठीक है मैं क्या कह रहा हूं मैंने अभी तक या कल तक ये पढ़ाया था कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है इस बात का मतलब है कि जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं ये बात हुई थी एक्स्ट्रा जितने भी एक्स्ट्रा है आज की क्लास ये कहती है कि अगर आप चाहते हो कि सवाल में और कम टाइम लगे अगर आप ये चाहते हो कि सवाल में और कम टाइम लगे आपको सवाल को करने में इस बात का सीधा मतलब ये है कि जरूरी नहीं आप सारे वेरिएबल मानो कुछ सवाल ऐसे भी आपके जीवन में आएंगे जहां पे आप एक वेरिएबल को ही मानोगे जीरो करोगे और बात बन जाएगी यानी कि आज की क्लास में ये बता रहा हूं मैं कि कुछ सवाल आपके जीवन में ऐसे आएंगे जहां सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो करने से बात बन जाएगी जहां सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो करना होगा एक वेरिएबल को जीरो करना होगा तो अगर आप मुझे इजाजत देते हैं जीरो करना होगा तभी मैंने लिखा है कि एक सेकंड से भी कम में उत्तर निकल जाएगा यह सच बात है एक सेकंड पूरी लगेगी नहीं एक वेरिएबल को जीरो करना होगा और उत्तर आपके कदमों में होगा उत्तर आपके कदमों में होगा कदमों में होगा बात वही है बट इससे हमारा टाइम और कम हो जाएगा हमें टाइम और कम लगेगा हम दूसरे वेरिएबल के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे कि दूसरा वेरिएबल क्या है बात की गहराई को समझ रहे हैं या नहीं आप समझनी पड़ेगी आपको गहराई बात की ठीक है सब अच्छा लग रहा है मैं ठीक लग रहा हूं जैकेट बढ़िया लग रही है और बच्चों वाली सी जैकेट है मुझे ना ऐसे काम करना बड़ा अच्छा लगता है बच्चों बच्चों जैसे का सवाल पूछ रहे हैं इजाजत बच्चों की आ गई है उन्होंने कहा जी आप सवाल पूछ लो हमारी आपको इजाजत है तो मैंने कहा ठीक है हम सवाल पूछेंगे जब बच्चों ने इजाजत दे ही दी तो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है पहला सवाल आपके सामने आ रहा है जैसे ये सवाल है आपने पहले भी किया होगा बट शायद आज कुछ और तरीके से कर रहे हैं कि हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कई बार ज्यादा वेरिएबल मानने पे चले जाते हैं और दिक्कत खड़ी हो जाती है ए स्क्वायर माइनस बी सी मैंने इतनी सी बात कही कि अगर मैं c को जीरो कर देता हूं यहां पे समझना मेरी बात को अगर मैं यहां पे c को जीरो कर देता हूं तो आपने देखा a बराबर माइनस बी है a बराबर माइनस बी तो मैंने c को जैसे ही जीरो किया मैं समझ गया और अगर a बराबर माइनस बी है मैं स्क्वायर करूं यहां से तो ये कह सकता हूं कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है यानी कि ऊपर कितना आ गया बेटा टू ए स्क्वायर और नीचे खाली ए स्क्वायर तो उत्तर कितना आ गया तो कई बार ऐसा होगा मैं फिर से कह रहा हूं कई बार ऐसा होगा कि हम ए और बी के बारे में नहीं सोचेंगे अब यह सवाल आपके सामने है। बच्चा क्या करता है बहुत दिमाग लगाता है आखिर ए क्या मानू बी क्या मानू सी क्या मानूं ऐसे बहुत बहुत दिमाग लगाता है बट जरूरत नहीं है उतने दिमाग लगाने मैंने कहा कि जब कभी ऐसे सवाल आए तो कोशिश करो एक बार कि मैं सिर्फ सी को जीरो कर लेता हूं अभी मैंने ए और बी के बारे में नहीं सोचा जैसे ही मैंने सी को जीरो किया ये खत्म हो गया हो गया ये खत्म हो गया ये खत्म हो गया अब मैंने कहा कि मैं ए के बारे में सोचने जा ही रहा था तभी पता चला कि ए स्क्वायर है यानी एक प्लस बी है एक यानी दो यानी मुझे यह जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ए और बी के बारे में सोचूं, मैं क्यों सोचूं ए और बी के बारे में मुझे इसकी जरूरत ही नहीं जब हमने सी को जीरो कर दिया तो ए और बी को सोचने की जरूरत हमें नहीं पड़ी अगला सवाल आपके सामने है बहुत प्यारा है इससे पहले वाला सवाल एग्जाम में आ चुका है एक में यह सवाल देखिए क्या कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी कोई बच्चा चाहता है कि मैं इस सवाल को तरीके से बताऊं एनीबॉडी एल्स की कोई ये चाहता है कि मैं इसको तरीके से बताऊं क्या कोई बच्चा ये जरूरत समझता है मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है ये बताने की या जानने की कि इसको तरीके से कैसे करें ठीक है चलिए क्योंकि हम तरीका नहीं सिखाने आए ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तब मुझसे ये पूछा गया है मैंने कुछ नहीं किया बच्चों का उत्तर आ गया क्या नहीं अभी नहीं आया देखें भाई अब मैंने क्या किया मैंने सी को जीरो कर दिया मैंने क्या किया सी को जीरो कर दिया सी को मैंने क्या कर दिया जीरो कर दिया अगर मैं सी को जीरो कर दूंगा तो क्या होगा तो आप कहेंगे ये खत्म हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा हो जाएगा नहीं सी को जीरो किया ये खत्म हो गया बी सी ये खत्म हो गया ये खत्म हो गया क्लियर है बात या नहीं तो आपने देखा कि अगर मैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दूं तो क्या होगा एक बटा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा एक बटा दो अगर दो आधे जोड़ेंगे तो एक पूरा हो जाएगा हमने सी को जीरो किया तो ये कट गया बी स्क्वायर बी स्क्वायर एक बटा दो प्लस एक बटा दो एक उत्तर आ गया हमने बोला कि हम सिर्फ एक वेरिएबल जीरो करेंगे अच्छा किसको करते हैं ये बड़ी बात है तो देखिए जहां पे सब इक्वल है वहां तो किसी को भी कर लो बहुत ध्यान से समझना है इस बात को जहां एक्स भी उतनी बार आ रहा है y भी उतनी बार आ रहा है z भी उतनी बार आ रहा है जैसे पिछले सवालों में क्या था कि मैं चाहे तो a को कर लूं चाहे b को चाहे c को बराबर है क्योंकि एक ए एक बी एक, एक सी एक बी एक, एक सी बी सी सी ए बी सब बराबर आ रहे बट यहां पे ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं कि जो ज्यादा आ रहा है या जो हर टर्म में उसको जीरो करते हैं जैसे y हर टर्म में ऊपर नीचे हर जगह y हर टर्म में तो मैंने y को जीरो कर दिया तो ऊपर से मुझे क्या मिल गया जेड एक्स वन मिल गया मैं सोचूंगा नहीं अब कुछ मुझे ऊपर नीचे वन था नीचे भी जेड एक्स था ये वन है तो वन बाई वन उत्तर आया मैं सोचूंगा ही नहीं जेड और एक्स के बारे में बात सिर्फ इस सवाल की नहीं है बात और तमाम सवालों की है क्योंकि जब मैं सोचने लगता हूं जैसे पिछले सवाल में मैं ये सोचने लगता कि ए भी क्या है तो हो सकता है कि इनफाइनाइट बनने का चांस है हो सकता है कि इनफाइनाइट बनने का चांस रहता इसीलिए मैं सोचूंगा नहीं मुझे पता है मैं A को कुछ भी मान लू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन होगा जब जेड एक्स वन है तो जेड और एक्स कुछ भी हो मुझे जरूरत नहीं है अलग अलग जेड एक्स की एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर द वैल्यू ऑफ ये तो मैंने क्या किया कि किसी एक वेरिएबल को जीरो करने की कोशिश करते हैं तो आपने कहा जेड को कर लो अगर जेड को करूंगा तो एक्स माइनस वाई के बराबर होगा दिख रहा है या नहीं है? आ रहा है ठीक है इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर होगा बोल भी रहा हूं मैं साथ साथ ठीक है तो मैंने देखा कि जेट को जीरो करूंगा आपने कहा एक्स स्क्वायर के बराबर है तो ऊपर फोर वाई स्क्वायर आ जाएगा नीचे खाली वाई स्क्वायर है इसमें ना पता है, ये भी टेंशन खत्म होगी इसमें ये भी टेंशन खत्म हो जाएगी जो बच्चों का जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाता है ना जो बच्चों का जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाता है वो भी मैं बनने नहीं दूंगा मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं जीरो बाई जीरो फॉर्म भी बच्चों का बनने नहीं दूंगा मैं उस तरीके से सवाल करा रहा हूं कि जहां पे जीरो बाई जीरो ना बने जहां पे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए फिर से बताना चाहूंगा नंबर सिस्टम पढ़ाया था अब कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि मैं फॉर्मेट थॉरम विल्सन थॉरम ये सब भी उन्हें पढ़ाऊं तो मैंने कहा है ठीक है मैं एक दो घंटे की स्पेशल क्लास लगा देता हूं जिसका नाम ही होगा

तो पार्ट टू एच सी एफ है वो आपको अलग से भी समझ आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो आप दो बजे एच सी एफ की क्लास जरूर अटेंड करें लिंक कमेंट में पिंक किया हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं और आज तीन क्लास है आपकी स्पेशल दो दो घंटे की शाम को छह से आठ भी है छह से आठ क्या है छह से आठ है आपकी स्क्वायर पैरलोग्राम रोमबस ये पढ़ाऊंगा क्वारिनेटर की एक क्लास हो चुकी है कब हुई थी परसों पांच से सात नहीं देखी तो वो देख के आना कुछ भी करो भैया मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ना पड़ेगा बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा हलुआ नहीं है कुछ भी ये सवाल देखिए मैंने कहा मैं नहीं सोचूंगा मैंने क्या कहा जो हर टर्म में होगा वेरिएबल मैंने कहा मैंने लिखाया जो कम वक्त जो कम वक्त वेरिएबल देखिए कम वक्त कोई गाली नहीं है कम वक्त का मतलब जिसके पास वक्त कम है जिसके पास वक्त कम है तो उसको जीरो कर दो बस जो कम वक्त वेरिएबल हर टर्म में होगा फिर से लिखा दी रहा हूं बात हर टर्म में होगा उसको जीरो करना है अगली क्लास में ऐसा मसाला लेके आने वाला हूं एल्जवरा का कि तुम्हारी रग रग हिल जाएगी इतना मजा आ जाएगा तुम्हें अगली क्लास में कि तुम कहोगे भैया मजा ही आ गया अब मैं क्या करूं हर टर्म में होगा उसका जीरो कर दो उसका करोगे उसको जीरो कर दो नहीं तो बच्चे गलत मीनिंग ले लेंगे उसको जीरो कर दो उसको जीरो कर दो ठीक है भाई ये लो मैंने देखा कम्बक्त जेड है मैंने एक्स और वाई के बारे में नहीं सोचा अरे बाबा मैंने तो जेड को जीरो किया जब मैं जेड को जीरो करने गया तो वाई अपॉन वाई वाई एकम वाई एक प्लस जेट को जीरो करने गया एक्स से कम एक्स एक आ गया उत्तर कितना आ गया तो जरूरत नहीं पड़ी कि मैं दिमाग ये लगाऊं कि मैं एक्स को क्या लूं नुकसान पता है उससे क्या है बच्चा एक एक लेगा इसको भी एक लेगा इनफाइनाइट बन जाएगा फिर इसको दो दो लेगा इनफाइनाइट बन जाएगा फिर इसको एक और तीन लेगा फिर जेट को दो लेगा तब जाके बात बनेगी बट इतना सोचना नहीं अरे बाबा देखो तुम क्या करोगे तुम जो वैल्यू पुटिंग में भी कैसे कम से कम समय में किया जा सकता है बच्चा क्या करेगा पहले तीन वैल्यू रखेगा उसके बाद हम कहेंगे कि एक प्लस तीन बराबर दो गुणा दो लो यानी एक्स एक लो वाई तीन लो जेड दो लो तब जाके ये सवाल होगा अब वाई तुमको पता है तीन बटे तीन माइनस दो प्लस एक्स कितना लिया एक, एक बटे एक माइनस दो यही होगा जेड तो आपको पता बताइए कितना आ गया तीन माइनस एक बराबर दो तब भी उत्तर दो आएगा बट आप देखो ना मैंने कितनी जल्दी निकाल दिया और मैं तो यही सिखाने आपको आया हूं कि कितनी जल्दी आप करोगे कि जो वेरिएबल हर टर्म में कैसे भी उसको जीरो करने की कोशिश x प्लस वाई बराबर टू जेड एक्स प्लस वाई बराबर टू जेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y अपॉन वाई माइनस जेड जेड अपॉन एक्स माइनस जेड जेड अपॉन एक्स माइनस होगा उत्तर होगा जेड अपॉन एक्स माइनस जेड क्या होगा तो मैंने फिर देखा मैंने फिर देखा क्या जेड जेड हट गया जेड को मैंने खत्म कर देना हट गया भाग गया ठीक है तो आपने देखा y अपॉन वाई यानी एक जेड अपॉन एक्स जब मैंने जेड को जीरो कर दिया तो ये भी कहा इसका तो उत्तर ही एक आ गया ये तो और ज्यादा सरल हो गया ये थोड़ा सा अलग है ये मैंने सवाल पूछा है आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया था जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था उस बेसिस पे पूछा है जो पिछली क्लास में पढ़ाया था कर लेंगे इसको भी कोई बड़ी बात नहीं है हमने कहा एक इक्वेशन दो वेरिएबल हमारा काम सिर्फ इतना था कि हमें क्यू को जीरो करना था हमने क्यू को जीरो कर लिया जब हमने क्यू को जीरो किया तो हमारा सवाल रह गया वन माइनस पी स्क्वायर बराबर अंडर रूट तीन बटे दो हमने स्क्वायर कर दिया वन माइनस पी स्क्वायर बराबर तीन बटे चार तो हमने पाया कि पी स्क्वायर कितना आ गया एक बटे चार यानी पी कितना आ गया एक बटा दो यही आ गया यही आ गया भाई हमने कहा कि अगर आप Q को जीरो कर रहे हो तो ये खत्म और ये खत्म दोनों खत्म हो गया तो ये कितना आया अंडर रूट टू है और P ये पूरे पे अंडर रूट है ये ध्यान रखना तो बाहर निकल के आ जाएगा पी प्लस अंडर रूट टू है और बाहर निकल के आ जाएगा पी यानी कि ये आ गया टू पी अंडर रूट टू पी को मैंने एक बटा दो रख दिया पी को अगर मैंने एक बटा दो रख दिया तो दो गुणा एक बटा दो और इंटू अंडर रूट टू दो से दो कट गया कितना आ गया अंडर रूट टू यही सवाल का उत्तर अगला सवाल देखिए <laughs> ये सवाल देखिए सवाल बहुत अच्छा है अब देखिए वैल्यू कैसे पुट करेंगे अब आपको समझ में आएगा इस सवाल से कि कब वैल्यू जीरो नहीं रखनी कब वैल्यू जीरो नहीं रखनी आपको पता चलेगा सवाल क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर जीरोन द वैल्यू ऑफ क्या रखनी है फिर वैल्यू बहुत ध्यान से समझना एक तो आज आपको एक बात समझाता हूं बहुत प्यारी बात एक बात बहुत ध्यान से समझना मॉड्यूलेशन ऑफ वैल्यूज क्या है समझना मॉड्यूलेशन ऑफ वैल्यूज क्या है यह चीज आपको बहुत फायदा करेगी प्लीज हेडिंग लगा लो मॉड्यूलेशन ऑफ वैल्यूज क्या है वैल्यूज का मॉड्यूलेशन कैसे कर सकते हैं जैसे कब कर सकते हैं पहली बात तो यह तभी होगा जब इक्वेशन बराबर जीरो होगी इक्वेशन बराबर जीरो होगी वैल्यूज का मॉड्यूलेशन केवल तभी होगा कैसे होगा यह समझने वाली बात है जैसे मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो एक लड़का बोला कि आप एक का मान एक बी का एक और सी का माइनस दो मान लो मैंने कहा एक का एक बी का एक और सी का माइनस दो मान लो सही है अब कोई कहे कि मैं ये वैल्यू नहीं लेना चाहता कुछ और लेना चाहता हूं तो हम वैल्यूज का मॉड्यूलेशन कर सकते हैं कैसे मैंने कहा इसको दो से गुणा कर लो चाहे तीन से ए का कितना आ गया दो बी का दो और सी का माइनस चार अब आप चेक करो कि इसमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन ऑफ वैल्यूज यानी अगर किसी इक्वेशन के बराबर में जीरो है तो हम वैल्यूज को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं ताकि वो आसान बन जाए आप कहेंगे समझ में आई नहीं बात कि आप आसान बनाना क्यों चाहते हो आसान तो ये भी थी आसान तो ये भी है क्यों बनाना चाहते हो आसान तो मैंने कहा ये मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा आप खुद कहोगे हाँ जी बात तो एकदम सही है इसका इस स्क्रीनशॉट लो फिर बता रहा हूँ एग्जाम्पल से अगर इस सवाल में तुम सी को जीरो करोगे तो ए बी जीरो आ जाएगा और बी भी, भी जीरो आ जाएगा आ जाएगा नहीं क्योंकि ए बी बराबर जीरो फिर यह वन, वन बाई जीरो सारा कुछ इनफाइनाइट बन जाएगा यानी जीरो तो किसी को नहीं कर सकते ये बात तय हो गई कि हम जीरो किसी को नहीं कर सकते बोलो भाई ये बात तय हो गई कि नहीं तय हो गई फिर क्या करेंगे तो मैंने कहा ऐसा करो एक इक्वेशन है दो वेरिएबल है आप बी और सी को वन मान लो बी और सी दोनों को वन मान लो भाई दो कोई मान सकता हूं एक इक्वेशन है तीन वेरिएबल है दो एक्स्ट्रा है तो वन मान सकता हूं मैंने मान लिया वन सर ट्रेन का चैप्टर करा दो कराऊंगा बेटा सारे चैप्टर लाइन से कराऊंगा अब ए टू जेड क्वांट पढ़ा रहा हूँ तो कुछ छोड़ूंगा थोड़ी सब कुछ पढ़ाऊंगा परेशान क्यों हो रहे हो देखो अब मैंने जब बी और सी को वन वन रखा यहां पे तो यह आ गया ए प्लस वन प्लस ए बराबर अब बच्चा कहेगा यार आपने सही बताया था अब हमें लग रहा है कि मॉड्यूलेशन की जरूरत है क्योंकि ए का मान माइनस एक बटा दो आ गया अब बच्चा कहेगा यार मैं क्या करूं मैं तो बड़ा गंदा मान आया इसका करूं तो करूं क्या तो मैंने कहा बेटा क्या आया है तो बच्चा बोला जी ए आया माइनस एक बटा दो और बी और सी दोनों वन है तो अब इसी को हम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं क्यों क्योंकि बराबर में जीरो है अगर बराबर में जीरो है तो हम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं कैसे हम इन वैल्यूज को दो से गुणा कर सकते हैं अगर मैं इन वैल्यूज की दो से गुणा करूंगा तो अब ए कितना बी और सी और कितने आ जाएंगे दो तो। यानी यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा चाहो तो आप जाके पता कर लो नहीं तो जरूरत नहीं है पता करने की मैंने क्या किया अब मैं यहां पर रख रहा हूं एक बटे ए स्क्वायर कितना आया है एक अच्छा माइनस एक बटे दो था सॉरी गलती हो गई माइनस एक बटे दो था तो वो माइनस एक ही रहेगा अगर दो से गुणा भी करूंगा तो ठीक है भाई तो मैंने कहा एक और माइनस का चार प्लस एक बटे चार माइनस प्लस का दो प्लस एक बटे चार प्लस का दो आपने देखा ये कितना आया ये आया माइनस एक बटा तीन ये आया प्लस का एक बटा छः प्लस का एक बटा छ एक बटा छ और एक बटा छ एक बटा तीन होगा और ये इससे कट जाएगा उत्तर कितना आ जाएगा जीरो ही सवाल का उत्तर है आप किसी भी तरीके से इस सवाल को कर लो मैंने क्या बताया अगर मैं एक बटे दो ही रहने देता माइनस एक बटे दो ही रहने देता तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती मैं कैलकुलेशन अच्छी नहीं कर पाता मैं उतने प्यारे तरीके से सवाल को नहीं कर पाता बात को समझ रहे या नहीं उतने प्यारे तरीके से मैं सवाल को नहीं कर पाता अगर ऐसा होता तो तो इसीलिए हमने क्या कर दिया मॉड्यूलेशन कर दिया वैल्यूज का दो से गुणा करके मैं ऐसा ही एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं बल्कि करना चाह रहा हूं आपके साथ आप जवाब दे देंगे तो अच्छा होगा इसका स्क्रीन ले लीजिए यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए वरना कहेंगे सवाल सेम ही पूछ लिया ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है और ये सी स्क्वायर ठीक है इस सवाल का उत्तर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी प्रैक्टिस कराना चाहता हूं कौन बच्चा है? इस सवाल का उत्तर बताएगा सबसे जल्दी एक लड़का एक सवाल पूछ रहा है अभी मैंने जो वैल्यू रखी थी आप सबको पता है क्या रखी थी मैंने बी और सी को दो रखा था मॉड्यूलेशन के बाद और ए को माइनस एक रखा था तो आपसे प्रैक्टिस कराने के लिए पूछा था सवाल आपने जवाब नहीं दिया आप गंदे आदमी है बहुत ए स्क्वायर बटे एक माइनस चार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब चार बटे चार प्लस दो प्लस चार बटे चार प्लस दो पिलस चार यानी देखिए छ एल आ जाएगा नीचे छ तो यहाँ पे माइनस तीन तो माइनस दो बचेगा प्लस चार प्लस चार चार और चार आठ में से दो गए छ बटे छः एक उत्तर आ जाएगा चाहे आप कैसे भी वैल्यू रख लेना इससे ज्यादा आसान तरीका इस सवाल का नहीं हो सकता मैंने कहा कुछ नहीं करना तीन वेरिएबल हैं तो एक बच्चा बोला आज की क्लास में आपने ये सिखाया हमें कि सिर्फ सी को जीरो करेंगे मैंने कहा मैंने ये सिखाया कि मैं सिर्फ सी को जीरो करके देखूंगा उत्तर आएगा या नहीं तो मैंने यह सवाल सीजीएल मींस 2014 में आया था यह सवाल सीजीएल मींस 2014 में आया था ठीक है तो मैंने कहा कि अगर मैं सी को जीरो करता हूं सी को जीरो करता हूं तो यह चीज खत्म हो जाएगी यह चीज खत्म हो जाएगी यह चीज खत्म, ये खत्म भाई एक इक्वेशन थी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक प्लस एक बराबर अगर मैं सी को जीरो करूं ना तो वो पूरा काट देते हैं इसको पागल होते हैं उनको नहीं पता ए बी अपॉन ए बी है माइनस वन आएगा यहां से यहाँ पे सी जीरो करूंगा तो एक आएगा यहां पर तो एक। एक एक, माइनस एक एक से एक कट गया एक इधर है एक इधर है सेटिस्फाई कर रहा है सवाल पूछा, सवाल पूछा ही तभी जाएगा सवाल पूछा ही तभी जाएगा बिना उसके सवाल नहीं पूछा जाएगा सवाल अगर पूछा जा रहा है तो समझ लो कि तभी पूछा गया है अगर हम एक वेरिएबल को जीरो करते हैं तो कोई रोक हमें पाएगा नहीं कोई रोक हमें पाएगा नहीं अगला सवाल यह सवाल देखिए बहुत प्यारा है आपकी बार उल्टा है सवाल सवाल क्या है उल्टा है तो बताओ अगर सवाल उल्टा है तो उत्तर बताओ देखिए मैंने क्या कहा सी को जीरो किया मैंने कहा एक वेरिएबल जीरो करूंगा यह सवाल कभी आया नहीं है अगली बार आएगा तो सी जीरो करते यह खत्म ये खत्म ये खत्म टू ए बी अपॉन ए बी टू ए बी अपॉन ए बी कितना होगा तो मैंने कहा कट गया इससे कितना आ गया दो यही सवाल का उत्तर टू ए बी अपॉन ए बी कितना आ गया दो यही सवाल का उत्तर है ये देख सकते हो कि इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं एक एक जीरो दो यानी कि ये ओरिजिनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है सी जीरो सी जीरो ओरिजिनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती c बराबर जीरो ओरिजिनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकता ये सवाल देखेंगे तो बताइए ये सवाल में क्या करना है सिर्फ उत्तर पूछ रहा है इसकी वैल्यू पूछ रहा है कुछ नहीं दिया इसकी वैल्यू पूछ रहा है बताओ क्या करूं मैं? ऐसे सवालों का मैं क्या करूं ऐसे सवाल भी पढ़ाऊंगा सब कुछ पढ़ाऊंगा शांति रखेंगे तो सब कुछ होगा और अगर शांति नहीं रखेंगे शांति को खो देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा मैं या तो ए या तो एक्स किसी एक को जीरो कर दू मैंने कहा किसी एक को जीरो करने वाली क्लास आज है तो एक बटे ए स्क्वायर यहां पे सॉरी मुझसे गलती हो गई टाइप करने में यहां पे टू ए एक्स है बेटा करेक्शन कर लेना सवाल में ऊपर टू ए एक्स है माइनस एक बटे ए स्क्वायर मैंने खुद ही टाइप किया आज सवाल बराबर जीरो उत्तर होगा चाहे ए को जीरो रख लो चाहे एक्स को जीरो रख लो उत्तर यही होगा ऐसे सवाल अगर करने सीख गए तो फिर आपसे अच्छा कोई नहीं होगा और आपके दुश्मन से बुरा कोई नहीं आपसे अच्छा कोई नहीं आपके दुश्मन से बुरा कोई नहीं बहुत ही सुंदर बात है ये, बहुत अद्भुत ये बात है मैंने क्या किया एस को जीरो कर दिया मैंने क्या किया एस को जीरो कर दिया एस को जीरो कर दिया मैंने कहा कि अगर मैं एस को जीरो कर दूंगा अगर मैं एस को जीरो कर दूंगा तब क्या होगा तो आपने कहा कि बस कुछ नहीं ये खत्म हो जाएगा बस ये हट जाएगा ये हट जाएगा ये यानी माइनस ए का स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर मैंने कहा नीचे कितना होगा तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी ये कितना आ जाएगा वन ये सवाल देखिए बहुत प्यारा सवाल है मैं इसकी कितनी तारीफ करूं मुझसे ना हो पाएगी देखिए ऐसे सवालों में भी हम क्या करते हैं मैंने देखा कि यार ऑप्शन में कहीं बी नहीं है ऑप्शन में कहीं बी नहीं है ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन option... एक सवाल मैं अपनी टीम को पता है हमेशा मैंने देखा है कि मैं अपनी टीम को एक ही सवाल देता हूं टाइप करने के लिए पिछली क्लास में भी एक दूसरे मेंबर को दिया था आपने देखा होगा एक ही सवाल दिया था वही गलत टाइप कर दिया था आज एक ही सवाल एक मेंबर को दिया वो ही गलत कर दिया अच्छा था देखिए भाई कुछ नहीं करना अब आपको समझो जब मैं लिखूंगा तब पता चलेगा कि अगर मैं b को जीरो कर देता हूं तो सवाल इतना सा रह जाएगा कि x की क्यूब क्या है बस मैं ये लिखता अब लिखा हुआ मिल गया सवाल इतना सा रह जाएगा कि x की क्यूब क्या है मतलब कि उसने सॉल्यूशन भी टीप दिया x की क्यूब क्या है अगर मैंने b को जीरो किया तो ये खत्म मैंने b को जीरो किया तो ये खत्म लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं अंडर रूट ए स्क्वायर करूंगा तो इस अंडर रूट ए स्क्वायर से एक कट जाएगा बोलो देखते तो सही कितना जीरो बनता जा रहा है यानी सवाल सिर्फ इतना रह गया x बराबर ये a प्लस ए आ जाएगा अंदर a प्लस ए टू ए ध्यान से समझना भाई कि पावर एक बताती सवाल इतना सा रह गया जब मैंने b को जीरो किया एक वेरिएबल को मैंने क्या सिखा रहा हूं आज की क्लास में कि सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो करके बनती है बात किन-किन सवालों में देखते ही पता लगेगा देखिए अब अब एक और चीज़ है। कई बच्चे कहेंगे कि तुम्हारे तो तो तीन ऑप्शन जीरो हो गए क्या तुम उत्तर लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे फिर बच्चा कहेगा एक्स को कर लेता तो मैं कहूंगा बेटा अगर तुमने एक्स को जीरो तो ये पूरा जीरो होगा तो फिर ये ऑप्शन जीरो कौन सा लगाऊ पता नहीं लग रहा अब कौन सा लगाऊं पता नहीं लग रहा तो मैंने इसीलिए बी को किया ताकि बी ऑप्शन में नहीं है तो बी बराबर जीरो किया तो एक्स आ गया टू ए की पावर एक बटा तीन सवाल में पूछ रहा है एक्स की क्यूब तो मैंने कहा एक्स की क्यूब क्या होगी तो आपने कहा एक्स की क्यूब बराबर आ जाएगी टू ए बताओ अगर मैं इसकी क्यूब कर दूं इसकी तो टू ए आ जाएगी अगर टू ए आ गई तो यही उत्तर है एस का यह सवाल भी 2012 में आया था एक सवाल मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये जीरो पे ही ये सवाल भी ये सवाल अक्सर जब भी मैं देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि लोग देखिए एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है मैंने कहा सी को जीरो कर दो बच्चा बोला कि जीरो करने से इनफाइनाइट बन रहा है हमने कहा नहीं बन रहा हमने कहा बी को जीरो कर दो इनफाइनाइट बन रहा है नहीं बन रहा जब मैंने दो को जीरो कर दिया तो ए कितना आ गया ए भी जीरो आ गया मैंने कहा क्या इनफाइनाइट बन रहा है बच्चा बोला नहीं बन रहा मैंने कहा हटाओ सबको जीरो कर दिया अब कोरिया का बच्चा भी ये जानता है चाहे वो नॉर्थ कोरिया का हो चाहे साउथ कोरिया का कि किसी की भी पावर जीरो करो तो एक आता है अब कोई बच्चा कहेगा इसका प्रूफ दो तो ये लो अगर एक्स की पावर जीरो है तो मैं लिख सकता हूं ए माइनस ए लिख सकता हूं इसको बच्चा कहेगा अगर घात घटी है इसका मतलब डिवीजन में थी एक्स अपॉन ए भाई पावर ऊपर जाके माइनस होती है तो ये इससे कट जाएगा एक तो इसीलिए एक्स की पावर जीरो बराबर ये होता है प्रूफ कर दिया मैंने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया अब सबकी पावर अगर जीरो जीरो एक है तो ये कितना आएगा एक बटे तीन ये कितना आएगा एक बटे तीन ये कितना आएगा एक बटे तीन उत्तर कितना आ जाएगा एक सवाल तो अब मैं दे दूंगा इनको करने के लिए बाकी मैंने काफी आज की क्लास में कंसेप्ट इनको पढ़ा दिया इसी तरीके से क्योंकि ज्यादा पढ़ाना भी बोरियत नहीं होनी चाहिए बच्चों को तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे सवाल में एक्स स्क्वायर दे रखा है समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से फोन साइलेंट कर लेंगे मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना कि मैं क्या बता रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि अगर मुझे सवाल में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और मुझे चाहत एक्स की क्यूब की है और मुझे चाहत एक्स की क्यूब की है तब मैं क्या करूंगा तो मैंने कहा कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और मुझे एक्स की क्यूब निकालनी है तो मैं क्या करूं मल्टीप्लाई बाई एक्स कर देता हूं ठीक है अगर एक्स स्क्वायर है उस एक्स स्क्वायर को मैंने कहा मैं एक्स से गुणा करके एक्स की क्यूब बना सकता हूं मैंने तो आज की क्लास में हम जितने भी सवाल करने वाले हैं उन सब में आपको इसी तरीके से सोचना होगा कि क्या आपको दिया हुआ है और आपको चाहत किस चीज की है इसी पे हम बात करेंगे तो ऐसा क्यों ना करें कि छोटे छोटे सवालों से इस बात को समझ लें जैसे किसी ने मुझे कहा किसी ने मुझे कहा कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स दिया हुआ है और मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड एक्स की क्यूब मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि आप एक्स की क्यूब बताओ क्या हो इतनी सी बात कोई मुझसे पूछ रहा है तो मेरा एक ही ध्येय होगा मैं कहूंगा कि बेटा आप ऐसा करो इसको x से गुणा कर लो तो बच्चा कहेगा ठीक है x से गुणा कर लिया x की क्यूब प्लस एक्स बराबर स्क्वायर मैंने क्या लिखा था थंबनेल पे मैंने कहा था मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो ये मैंने बताया था तो मैंने कहा अगर मैं इसे ऐड कर देता हूं अगर मैं इसे जोड़ देता हूं अगर मैं इसे जोड़ देता हूं तो आप पाएंगे कि एक्स से एक्स कट जाएगा बोलो कट जाएगा या नहीं x से x कट जाएगा उसके बाद मैंने कहा कि x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा जब मैं जोड़ूंगा अब कई नादान परिंदे होंगे वो कहेंगे कैसे जोड़ रहे हो तो जोड़ने का मतलब होता है एल को एल में जोड़ना जैसे एल कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स बराबर आर कितनी है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यही है तो हमने देखा कि x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा कट जाएगा या नहीं हमने कहा x से ये x कट जाएगा कट जाएगा कि नहीं तो आपने देखा x की क्यूब यहां से कितना आ जाएगा माइनस वन एक्स की क्यूब यहां से कितना आ जाएगा माइनस वन ये चीज तो मैंने यहां पे जोड़ के दिखा दी आगे मैं ऐसे जोड़ के नहीं दिखाऊंगा अभी आपको समझा रहा हूं कि जब हम जोड़ते हैं तो एल से आर कट जाएगा यहां पे कितना बच गया एक्स की क्यूब प्लस वन बराबर जीरो तो x की क्यूब कितना होगा माइनस एक यह आपको सीखना है मुझसे x की क्यूब कितना होगा माइनस वन एक तो हम आज की क्लास में इस टाइप के सवाल करेंगे ठीक है दूसरे किस टाइप के करेंगे इसको नोट करो फिर हम सवालों पे आएंगे पहले एक बार कंसेप्ट समझा दूं आपको अच्छे से फिर हम सवालों पे आएंगे आपको बहुत मजा आएगा हर चीज सीख के जान के बार बार ये बात बताऊंगा जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो भी समझ पाएंगे बात को ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं आएगी वो भी समझ पाएंगे ठीक है सब समझ पाएंगे ठीक है तो हमने कहा कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स था हमने x से गुणा कर ली तो x की x प्लस एक्स एक्स बात खत्म हो गई ठीक है ये चल गया आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने क्या कहा कि मैं एक बात और बताना चाहता हूं क्या अगर मुझे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बराबर जीरो दिया हुआ है और उसके बाद मुझे कहा गया है कि फाइंड एक्स की क्यूब बताओ तो देखिए मैं ये कहता हूं कि सब करने की जरूरत नहीं है और इक्वेट बात बराबर है आप कहेंगे आप क्या बोल रहे हो हमें नहीं समझ आ रहा तो मैं कहूंगा देखो मैं समझाता हूं कई बच्चे क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो ऐसे लिखेंगे अब उनको मालूम है कि मुझे एक्स की क्यूब निकालना है वो वैसा क्यों आ जाता है वहां पर ऑटो फोकस नहीं है क्या ठीक है कई बच्चे कहेंगे कि मुझे एक्स की क्यूब निकालना है तो मैंने इसको एक्स से गुणा किया तो ये होगा एक्स की क्यूब प्लस ये मुझे निकालना है।, निकाल है तो मैंने कहा कि मैं इसमें से इसको घटा देता हूं मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो आपने कहा कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा एक्स भी खत्म हो जाएगा कई नादान परिंदे ऐसे होंगे जो नहीं घटा पा रहे होंगे उनके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि भाई एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से हम घटा रहे हैं कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो ताकि ये कट रहा है आपस में और एक्स की क्यूब कितना बच रहा है एक यही चीज यहां से आ रही है बट इसमें घपला बहुत है इसमें क्या है ना कि कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है आपने देखा कितना पमाड़ा पड़ा कि कैलकुलेशन में बार बार ये डाउट रहता है माइनस वन प्लस वन ये सब डाउट रहते हैं लाइट पूरी जलाया करो रोज का है कहा लाइट पूरी जलनी चाहिए ठीक है भाई नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है मैं आगे आऊंगा तब तो देखूंगा आगे दिखता ही नहीं हूँ बच्चों को अभी क्लियर दिख रहा है प्रॉपर दिख रहा है ठीक है तो हमने ये कहा कि मैं इस चीज को ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया है ध्यान से समझना मेरी बात को ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया है ये दिस वन मैं इसका एक और तरीका बताता हूं आपको और वो होता है इक्वेट ये जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया इसका सबस्टिट्यूट क्या है इक्वेट इस सब्ट्रैक्शन का सब्सिट्यूट है इक्विट अब आप सोचेंगे ये इक्विट क्या बीमारी है तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या बीमारी है जैसे मेरी बात समझना आपको दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बराबर जीरो दिया हुआ था आपको दिया हुआ था अगर आपको एक्स की क्यूब चाहिए तो आप इसको एक्स से गुणा करोगे ये तो आप समझ गए तो आपने एक्स से गुणा किया तो ये कितना होगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और आपको पता है ये भी जीरो के बराबर होगा यानी ये दोनों बराबर होगा। है होगा या नहीं ये भी जीरो के बराबर होगा तो आपको पता चल गया कि ये दोनों बराबर है अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं एक्स और एक्स स्क्वायर कट जाएंगे आपस में तो आपका एक्स की क्यूब कितना बच जाएगा एक x की क्यूब एक आ गया तो यहाँ पे ना इक्वेट करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं है घटाने में कन्फ्यूजन है और घटाने में कन्फ्यूजन हमेशा रहता है उसकी वजह है कि प्लस माइनस की गलती होने का खतरा रहता है बट जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ इक्वेट वाला इसमें कोई खतरा नहीं है ये बहुत नॉर्मल तरीका है तो हम फटाफट से सवालों पे आते हैं बहुत जल्दी जैसे अब ये सवाल दिया हुआ है तो अभी मैंने बताया था फिर से मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ कि मैं समझ गया कि मुझे इस सवाल का उत्तर निकालने के लिए एक्स की क्यूब की जरूरत पड़ेगी मैं ये समझ गया कि मुझे इस सवाल का उत्तर निकालने के लिए एक्स की क्यूब की जरूरत पड़ेगी ठीक है बिल्कुल ठीक है भाई तो मैंने क्या किया मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स मैंने कहा एक्स से गुणा कर लेता हूं तो आपने कहा एक्स की क्यूब प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अब मैंने इसके बाद ऐड कर दिया तो आपको मालूम है जब ऐड करूंगा तो x से x एक कटेगा एक्स स्क्वायर से, से एक्स स्क्वायर यहां से x की घात तीन प्लस वन जीरो आ जाएगा इट मीन कि x की घात तीन कितना है माइनस वन ये सबसे बेसिक बात है जो मैं सिखा रहा हूं उसके बाद जब सवाल बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो सवालों का लेवल भी बढ़ेगा तो माइनस एक और माइनस टू ये उत्तर कितना आ जाएगा माइनस तीन यही सवाल का उत्तर है यही सवाल का उत्तर है क्लियर है बात को अगर किसी को भी डाउट है तो आप मुझे बता दो अब आप ये सवाल देखेंगे ये सवाल देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो है तो टू एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब क्या होगा टू एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब क्या होगा तो तब आप देखेंगे कि यार मुझे यहां भी क्या निकालना है एक्स की क्यूब तो मैंने क्या किया जैसे ये लिखा हुआ था ध्यान से समझना ये लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो है ये ये तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको एक्स से गुणा कर लूँ एक्स से देखिए सारा खेल एक्स का है और गणित में नहीं जिंदगी में भी सब कुछ एक्स का है एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो तो तब आप देखेंगे कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया x से x कट गया x की क्यूब कितना होगा वन x की क्यूब कितना होगा वन बोलो बात क्लियर है कि नहीं x की क्यूब बराबर कितना होगा वन इज इट क्लियर और नॉट x की क्यूब कितना होगा वन अगर x की क्यूब वन है तो मैं ये कहूंगा कि टू इंटू वन प्लस एक बटा एक तो ये कितना आ जाएगा दो प्लस एक बराबर तीन कोई बच्चा ऐसा है जिसका उत्तर नहीं आया एनी बॉडी एल्स कोई भी बॉडी इस तरीके की है जिसका उत्तर नहीं आया उन्नीस बीस सवाल करेंगे और ये टाइप एकदम क्लियर हो जाएगा उन्नीस बीस चीजों में ये टाइप एकदम क्लियर हो जाएगा किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा एनीबॉडी एल्स ये बहुत प्यारा सवाल है इस तरीके के सवाल एसएससी ने ना जाने कितने पूछे मुझे भी अनुमान नहीं है और लगातार पूछ रही है सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस इस तरीके के सवाल बस हमें ध्यान देना है कि क्या हमारे पास है और क्या हमें बनाना है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक की क्यू प्लस एक ही घात चार माइनस दो बराबर जीरो है तो मैं समझ गया कि एक तो मुझे एक की घात चार चाहिए एक तो मुझे एक की घात चार चाहिए ठीक है अब की घात चार ऑलरेडी मेरे पास है फिर मुझे क्या चाहिए टू बाई ए तो बच्चा बोला टू तो आपके पास है तो मैंने कहा फिर क्या करूं तो बच्चा बोला केवल वन बाई ए से गुणा कर दो ताकि ये टू बाई ए बन जाए तो मैंने कहा भाई अगर मैं इसको गुणा करता हूं ध्यान से समझना बेटा ध्यान से मैं फिर से कह रहा हूं हर चीज ध्यान से समझने वाली है हलुआ नहीं है कि तुरंत समझ में आ जाएगी ना आपको इतने बेस्ट तरीके मिलेंगे मैं पहले बता दूं ठीक है तो मैं ये समझ गया कि अगर मुझे टू बाई ए चाहिए तो मैंने इसको क्या किया वन बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया ध्यान से देखना कर सकता हूं मैं एक या दो लाइन से ज्यादा लेता ही नहीं अलजरा में ठीक है मैंने इसको वन बाई ए से गुणा किया तो यह आया पहले वन प्लस आप देखो इसको गुणा करूंगा वन आएगा इसको करूंगा, इसको करूंगा खाली ए आएगा प्लस इसको करूंगा ए स्क्वायर आएगा इसको करूंगा ए की क्यूब आएगा इसको करूंगा माइनस टू बाई ए आएगा माइनस टू बाई ए इसको करूंगा तो कितना आएगा माइनस टू बाई ए फिर आप बोलोगे बराबर में जीरो आएगा तो मैंने कहा फिर जब जीरो के बराबर है तो मैंने बराबर यहां लगा दिया देन की जगह मैंने बराबर लगा दिया दिखा दिया आपको कि बराबर होगा अब आप कहेंगे जब ये दोनों बराबर हैं तो a ए स्क्वायर और ए की क्यूब आपस में कट जाएंगे a ए स्क्वायर और ए की क्यूब आपस में कट जाएंगे बोलो बात आ रही है नहीं आ रही समझ जब ये टू बाई ए इधर आएगा इधर आएगा तो ये कितना होगा एक ही घात चार ऑलरेडी है प्लस टू बाई ए यही होगा बराबर में कितना होगा तो आप कहेंगे एक तो ये दो चला जाएगा उधर दो प्लस एक ये एक बचा हुआ है एक बराबर कितना आ जाएगा तीन यही उत्तर है। मैंने कहा कि एक ही घात चार प्लस टू बाई ए पूछा है एक की घात चार मेरे पास ऑलरेडी है टू भी मेरे पास है मुझे सिर्फ चाहिए तो वन बाई ए चाहिए तो मैंने वन बाई ए कैसे निकाला मैंने इसको वन बाई ए से गुणा किया इसको वन बाई ए से करूंगा वन बचेगा इसको ए बचेगा ए स्क्वायर बचेगा एक की क्यूब बचेगा वन ए ए स्क्वायर एक ही क्यूब माइनस टू बाई ए तो मैंने देखा ए ए स्क्वायर और एक की क्यूब ए ए स्क्वायर और एक की क्यूब कट गया तो एक की घाट चार प्लस टू बाई ए बराबर कितना आ गया दो प्लस ए तीन आ गया आ गया नहीं आ गया बस बात खत्म हो गई बात खत्म हो गई क्लियर हो गई दो प्लस एक मैं ऐसा और सवाल पूछता हूं आपसे आपकी बार उत्तर आपके पार्ट पे है जल्दी बताएंगे देखिए एक की क्यूब प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्सटीन ए प्लस वन बराबर जीरो की क्यूब माइनस फोर बाई ए क्या होगा ये पूछ रहा है A की क्यूब माइनस बाई क्या होगा ठीक है तो मैंने देखा एक बहुत छोटी सी चीज को मैंने देखा और समझा समझा मैंने कि भाई एक ही क्यूब मेरे पास है, है या नहीं और मुझे चाहिए फोर बाई ए और मेरे पास यहां वन है तो मैं समझ गया कि भैया कुछ नहीं करना आपको फोर बाई ए से गुणा करना पड़ेगा इतना तो समझ जाएंगे ना देखिए इतना समझना पड़ेगा अगर आप सोचते हैं कि कुछ नहीं करेंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा सबको करना पड़ता है हमें भी करना पड़ता है फोर बाई ए तो मैंने कहा अगर फोर बाई ए से गुणा करूंगा तो पहले वाला पार्ट हो जाएगा फोर ए स्क्वायर गुणा समझ रहे हैं अगर इसकी गुणा फोर बाई ए से होगी तो ए की पावर दो रह जाएगी और फोर और आ जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस प्लस सिक्सटीन ए सिक्सटीन ए प्लस चौसठ फोर बाई ए से अगर गुणा करूंगा तो कितना होगा चौसठ प्लस फोर बाई ए प्लस कितना होगा फोर बाई ए इज इट क्लियर मैंने क्या कहा कि मैंने चार बटे ए से गुणा कर दिया चार बटे ए से गुणा करूंगा तो ये कितना होगा फोर ए स्क्वायर ये कितना होगा सिक्सटीन ए ये कितना होगा चौंसठ प्लस फोर बाई ए आपने कहा बराबर ये भी जीरो होगा तो मैंने बराबर टांग दिया कई लोग बराबर लगाते हैं मेरा अपना अलग अंदाजा मैं बराबर टांगता हूं अब आप देखिए फोर ए स्क्वायर और सिक्सटीन ए आपस में कट जाएंगे ये दोनों बदतमीज कट जाएंगे नहीं बोलो कट जाएंगे अब आपने देखा कि एक क्यूब इधर बच गया और प्लस वन बच गया इधर और उधर कितना है चौसठ प्लस फोर बाई ए यही है तो मैंने कहा कि अगर फोर बाई ए इधर आ गया a की क्यूब माइनस फोर बाई ए आ गया और ये एक उधर जाके घट गया तो कितना बचेगा तिरसठ तिरसठ ही इस सवाल का उत्तर है मुझे नहीं पता किसी का आ रहा है नहीं आ रहा कई सारे लोगों का आ चुका है तिरसठ ये बहुत ही सुंदर बात है ये सवाल देखिए कौन बताएगा देखिए मैं इतना जानता हूं कि अगर एक ही घात 21 प्लस एक ही घात 14 मुझसे पूछा गया है तो मैं समझ गया कि अगर एक ही घात सात मुझे पता चल जाए ये मुझे कैसे पता चला देखिए सबसे पहले आदमी एक ही घात चौदह कॉमन लेगा तो उसको दिख जाएगा एक ही घात सात प्लस वन यानी मैं समझ गया कि अगर एक ही घात सात पता चल गया तो खेल हो जाएगा अगर एक ही घात सात पता चल गया तो क्या होगा खेल हो जाएगा प्ले विल बी डन प्ले हो जाएगा ठीक है चलिए सवाल पे आते हैं एक ही घात सात मुझे निकालना था तो मैंने क्या किया इसको गुणा कर दिया ए से अगर मैंने ए से गुणा किया तो ये कितना होगा एक ही घात सात प्लस एक ही घात प्लस की घात चार इसमें करेक्शन भी करना होगा सवाल में इसमें ना ए मिस हो गया ए ए प्लस वन कर लीजिएगा इतना करेक्शन कर लीजिएगा इस सवाल में ए प्लस वन तो एक ही घात चार आया उसके बाद गुणा करेंगे एक ही घात तीन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बस इतना होगा ठीक है ठीक है भाई अब आप देखेंगे कि यार इस तरीके से एक ही घात छह एक घात चार एक घात पांच फिर मिस हो गया हमसे यार एक ही घात पांच एक ही घात चार एक घात तीन तो एक ही घात तीन ए स्क्वायर ए सब कुछ कट जाएगा सब कुछ कट गया सोचिए तो क्या बच गया एक ही घात सात बराबर एक बच गया अगर एक ही घात सात बराबर एक है तो एक ही घात चौदह कितना होगा ये भी एक होगा होगा या नहीं स्क्वायर कर दिया तो मैंने देखा ये एक और ये एक प्लस एक बराबर दो यही सवाल का उत्तर है यही इस सवाल का उत्तर है अगला सवाल देखिए ये ये बहुत प्यारा सवाल है देखिए ये तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझसे पूछा क्या है तो आप कहेंगे एलसीएम ले लो दद्दा हमने कहा लो एलसीएम ले लेते हैं आपने कहा जी अब ये एक ही छ प्लस वन हो जाएगा तो इतना तो मैं समझ गया कि जो मुझसे पूछा है वो एक ही छ निकलवाना चाह रहा है कि अगर मैंने एक ही तो बात बन जाएगी बात भी मेट। बात बिल्कुल बन जाएगी अगर मैंने एक ही तो मुझे क्या करना चाहिए घात के लिए बताओ आप तब बच्चों का जवाब होगा यार आप ऐसा करो ए से गुणा कर लो लेकिन कोई बच्चे कहेंगे यार माइनस माइनस है तो मैंने कहा फिर माइनस ए से कर लो या तो आप ऐसा करो नहीं तो आप ऐसा लिख लो इसको एक की घात पाँच बराबर कितना दिया हुआ है एक की घात चार प्लस एक घात तीन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन यही दिया हुआ है भाई ठीक है अब आपको एक की घात छः चाहिए तो मैंने एक की घात छः बनाने के लिए इसको ए से गुणा कर लिया तो आप कहेंगे एक की घात छः से गुणा करूँगा तो एक की घात छः बराबर एक की घात पाँच प्लस एक घात चार प्लस एक घात तीन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए यही होगा आपने कहा यार ऐसा करो अब आप इसमें से ना इसको घटा लो या जोड़ दो या घटा दो जैसे आपको ठीक लगता है जोड़ दो या घटा दो तो मैंने कहा घटाना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है बिना घटाई कोई चारा नहीं है अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो आप देखो कि जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो एक की घात पाँच से एक की घात पाँच नहीं कटेगा ऐसे आएगा एक की घात छः माइनस एक ही घात पाँच बराबर आएगा एक की घात पाँच और बाकी सब कट जाएगा बेटा सिर्फ इधर कितना बचेगा माइनस वन यही आ गया भाई या नहीं बताओ आप अगर कोई डाउट है तो बता देना यानी मैंने देखा कि एक ही घात टू ए की घात पांच है भाई बाकी तगड़ा सवाल था ये तो अगर मैं यहाँ पे रख दू टू की घात पांच तो जवाब कितना होगा एक ही घात पांच से एक ही घात पांच कट गया दो उत्तर हो देखिए अगर मैं इसको गुणा करूं जैसे लिखा हुआ है एक की घात पांच माइनस एक घात चार माइनस एक घात तीन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन बराबर जीरो है मैंने इसको माइनस ए से गुणा कर लिया माइनस ए से गुणा कर लिया मेरा मन था जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा आप समझ भी गए होंगे माइनस ए से क्यों गुणा कर रहा हूं वजह आपको पता चल गई होगी सब माइनस में ज़्यादातर कटेंगे कैसे मैंने माइनस ए से गुणा की तो मैंने देखा माइनस एक ही घात छी घात पांच से करेंगे तभी कट जाएगा ना माइनस ए की जरूरत नहीं पड़ेगी माइनस ए की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जरूरत नहीं पड़ेगी खाली ए से ही गुणा करना है तो अभी जो बताया था तरीका वैसे ही करना था A की एक की घात छ माइनस एक घात पांच माइनस एक घात चार माइनस एक घात तीन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए तो अब आप देखेंगे कि ये कैसे धकापेल धकापेल कट गया एक ही घात चार एक ही घात तीन ए स्क्वायर और ए एक ही घात चार एक ही घात तीन ए स्क्वायर और ए कट गए बोलो कटे या नहीं तो अब आप देखोगे कि ये कितना बच गया इधर लेके आ जाता हूँ मैं इधर टू एक ही घात पाँच बराबर कितना आ गया एक की घात छः और प्लस वन आ गया वन आ गया नहीं मैंने इस पूरे को डिवाइड कर लिया एक ही घात पांच से डिवाइड कर लिया डिवाइड बाई एक ही घात पांच। तो आप कहेंगे दो बराबर आ जाएगा ए प्लस एक बटे एक ही घात पांच। बहुत अच्छा सवाल है ये अभी तक सीजीएल में ऐसा सवाल नहीं पूछा गया कहने का मतलब है कि इस सवाल का उत्तर आएगा दो आंसर आएगा इस सवाल का बट सवाल बहुत प्यारा है बहुत अच्छा सवाल है बहुत प्यारा सवाल है आगे बढ़े आगे बढ़े दोस्तों आप कहेंगे हां जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ यह सवाल देखिए बहुत पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू बहुत फेमस सवाल है आपने देखा भी होगा अपने आसपास कि एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर टू एक्स देन एक्स की पावर फोर माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर टू एक्स दो हजार बारह में ये सवाल पेपर में आया था उसके बाद अब आपको बताना है कि क्या होगा देखें भाई आप बताइए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर टू एक्स ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर टू एक्स लिखा हुआ है ठीक है इज इट क्लियर ठीक है अब मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर टू एक्स मैंने लिखा हुआ है तो आपने क्या देखा आपने देखा कि अगर हमें x की घात चार और तीन दोनों चाहिए तो मैंने पहले इसको x से गुणा किया मल्टीप्लाई बाई x किया तो ये हो गया x की क्यूब प्लस टू एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर जो चाहिए पहले लिख दो देखिए जितने भी सवालों में इक्वस टू जीरो होगा अगर लिखा हुआ पहले से तो समझ लेना इक्वेट वाला मामला है गुणा करके इक्वेट करना है और जिन सवालों में इक्वल में कुछ लिखा होगा ऐसे टू एक्स करके लिखा हुआ है तो समझ लेना जोड़ दो ही तो ऑप्शन है जोड़ना या घटाना जोड़ने का मतलब तो नॉर्मल है जोड़ना है घटाने का मतलब इक्वेट कर देना है गुणा करके गुणा दोनों में होनी है ठीक है अब मैंने कहा अगर एक बार और एक्स से गुणा कर लूँ इसको तो क्या होगा एक्स की घाट चार प्लस टू एक्स स्क्वायर बराबर टू एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर बराबर टू एक्स क्यूब यही होगा ठीक है हमने लिख दिया इसके बाद अब हमने क्या किया इन सबको जोड़ दिया इन सबको जोड़ दिया आप कहेंगे जोड़ने पे क्या होगा 2x से 2x कट जाएगा 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा LHS और RHS अब इधर कितना बचा है तो आपने कहा एक्स की घाट चार इधर कितना बचा है टू एक्स की क्यूब जब इधर आएगी तो क्या बन जाएगी माइनस एक्स की क्यूब ध्यान से समझो जब ये दो एक्स की क्यूब इधर आएगी माइनस हो जाएगी इधर ऑलरेडी प्लस एक्स की क्यूब है तो माइनस एक्स की क्यूब होगी और ये पूरा का पूरा बचा हुआ ही है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर कितना होगा जीरो यही सवाल का आंसर है जीरो किसी को भी डाउट है तो वो पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर तीन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर तीन एक्स ठीक है आपसे पूछ रहा है एक्स की घात तीन और एक्स की घात चार ठीक है तो मैंने इसको एक्स से गुणा किया एक्स की क्यूब प्लस टू एक्स बराबर थ्री एक्स स्क्वायर यही हो गया मुझे तो लग रहा सवाल में गड़बड़ है क्या कुछ सर गड़बड़ है क्या क्लास में कुछ मे बी गड़बड़ हो सकती है पता नहीं फिर x से गुणा किया x की घात चार प्लस टू एक्स स्क्वायर बराबर थ्री एक्स की क्यूब कि x की घात चार ठीक है माइनस टू एक्स की क्यूब यही होगा अब आपने कहा x की घात चार माइनस टू एक्स की क्यूब ऐसे एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस का देखिए टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिला के इससे कट जाएंगे या नहीं बोलो कट जाएंगे है? नहीं बोलो भाई हो तो गया सवाल कितना प्यारा था यार मैं इतना अच्छा बना के लाया आपको शर्म भी नहीं आई इस सवाल को गलत बताते हुए माइनस एक्स प्लस टू बराबर जीरो ये मैंने निकाल दिया लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है ध्यान से देखना सवाल में यहां टू की जगह वन है यानी कि एक वन इधर पहुंच जाएगा माइनस वन यही इसका उत्तर है जबरदस्त सवाल था जबरदस्त सवाल था हिला देने वाला सवाल था दोबारा से समझ लो कि ये टू एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिला के इस तीन एक्स स्क्वायर से कट गए जब ये तीन एक्स इधर आया तो ये माइनस एक्स हो गया और प्लस टू बराबर जीरो बात खत्म अब देखिये मैंने क्या कहा कि मुझे दिया हुआ है सवाल में नाइन बी स्क्वायर देखिए मुझे क्या दिया हुआ है तो आप कहेंगे जी मुझे दिया हुआ है नाइन बी स्क्वायर प्लस एक बटे बी स्क्वायर बराबर तीन ये दिया हुआ है अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है 27 बी की क्यूब देखिए मैं इस सवाल को आगे जब अभी और सवाल पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा इसको एक और तरीके से x प्लस एक बटे एक से बट अभी इस तरीके से बता रहा हूं तो इसी को समझो कैसे मैंने क्या किया मैंने कहा मुझे 27 बी की क्यूब चाहिए यानी कि अगर इसको तीन बी से गुणा कर दूंगा तो सत्ताईस बी की क्यूब मिल जाएगा सत्ताईस बी की क्यूब प्लस तीन बी से करूंगा तो तीन बटे बी बराबर नौ बी नौ बी आ जाएगा सत्ताईस बी की क्यूब प्लस एक बटा तीन बटा बी बराबर नौ बी आ जाएगा आ जाएगा है नहीं भाई बात क्लियर है बिल्कुल क्लियर है समझना बात की गहराई को बात की गहराई समझनी पड़ेगी दोस्त अब मैंने कहा मुझे एक बटा बी की क्यूब भी चाहिए तब एक लड़का बोला कि फिर ऐसा करो एक बटा बी से भी गुणा कर लो इसको भाई आपको क्या चाहिए था एक बटा बी स्क्वायर एक बटा बी की क्यूब चाहिए तो एक बटा बी से कर लिया तो ये कितना आ आ गया 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 की क्यूब तो मैं समझ गया कि यार अब ऐसा करते हैं इसको जोड़ देते हैं जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा और नौ बी इससे कट जाएगा तो आप क्या पाएंगे कि सत्ताईस बी की क्यूब प्लस एक बटा बी की क्यूब जीरो आ गया जब आप इसे ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे आप क्या पाएंगे कि 27 बी की क्यूब प्लस एक बटा बी की क्यूब बराबर कितना आ गया जीरो आ गया और बात खत्म हो गई आगे बढ़ते हैं आप इस टाइप से खुश होंगे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है इस सवाल को देखिए जरा इस सवाल को देखिए कि क्या अप्रोच रखेंगे इसको फोर बी स्क्वायर प्लस एक बटा बी स्क्वायर बराबर माइनस दो देन एट बी की क्यूब माइनस एक बटे बी की क्यूब क्या होगा फोर बी स्क्वायर प्लस एक बटे बी स्क्वायर बराबर माइनस टू देन एट बी की क्यूब माइनस एक बटे बी की क्यूब क्या होगा तो आपका जवाब होगा कि इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं जैसे आप कह रहे हो मैंने कहा ठीक है ये कितना था फोर बी स्क्वायर प्लस एक बटे बी स्क्वायर बराबर माइनस टू यही था माइनस टू था था या नहीं था भाई बोलो अब मैंने क्या कहा कि मुझे एट बी की क्यूब चाहिए तो आपने कहा कि इसको हम क्या करेंगे टू बी से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा एट बी की क्यूब प्लस टू बाई बी बराबर माइनस फोर बी माइनस फोर बी ठीक है कितना आ जाएगा माइनस फोर बी ठीक है इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा अगर मुझे माइनस एक बटा बी की क्यूब चाहिए तो बच्चा बोला कि फिर आप गुणा करो माइनस एक बटा बी से मैंने कहा ठीक है भाई माइनस एक बटा बी से गुणा कर देता हूं तो मैंने माइनस एक बटा बी से गुणा किया तो ये कितना आ गया भाई तो आप कहेंगे ये आ गया माइनस का फोर बी और ये माइनस का एक बटा बी की क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का टू बाई बी यही आ जाएगा अब मैंने ऐड कर दिया अगर मैं ऐड करूंगा भाई तो आप ही देखिए सफेद पेन से कर रहा हूं ऐड कि ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा एट बी की क्यूब माइनस एक बटा बी की क्यूब क्या होगा जीरो बचेगा बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा जीरो कोई बच्चा कह दे जी जीरो नहीं बचेगा तो मैं बता मान जाऊं ए प्लस ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की क्यूब माइनस वन बराबर जीरो देन ए इंटू ए की क्यूब माइनस टू बराबर कितना होगा जीरो माइनस वन एक और दो जीरो माइनस वन एक और दो ठीक है क्लियर है बात देखिए तो तो ये भी सेम है अच्छा आपसे पूछा क्या है तो मैं कहूंगा कि आपसे पूछा है एक की घात चार माइनस टू ए पूछा है यही पूछा है तो हमने कहा हमें दे क्या रखा है तो आप कहेंगे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक ही क्यूब माइनस वन बराबर जीरो यही दे रखा है अब आप कहेंगे कि यार आपको चाहिए एक की घात चार तो मैंने कहा जीरो दे रखा है ना तो कुछ मत करो इसको चुपचाप ए से गुणा कर दो क्या करो चुपचाप किसी खबर भी ना लगे और आप इसको ए से गुणा कर दो तो आपने कहा से करूंगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए की क्यूब प्लस ए की घात चार माइनस ए बराबर जीरो यही होगा माइनस ए बराबर जीरो बोलो होगा कि नहीं अब आप कहेंगे ए स्क्वायर और ए की क्यूब तो कट गए आपस में कट गए या नहीं मैंने कहा अगर ये ए इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a की घात चार माइनस टू ए और बराबर इधर कितना बच रहा है माइनस वन अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है बाकी उत्तर होगा माइनस वन ये सवाल है आपके सामने कि इस सवाल को कैसे करें इस सवाल को कैसे करें मैं लिख के बताता हूं जैसे किसी ने आपसे सवाल पूछा कि ए अपॉन वन माइनस ए एक एग्जाम्पल से बताता हूं प्लस बी अपॉन वन माइनस बी प्लस सी अपॉन वन माइनस सी बराबर दस दे दिया किसी ने दस और अब आपसे पूछ रहा है कि बेटा बता एक बटे एक माइनस सी किस तरीके के सवाल इस पे बनेंगे एक बटे एक माइनस बी प्लस एक बटे एक माइनस सी क्या होगा तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है देखिए ऐसे सवालों को हमें कैसे करना है एक एग्जाम्पल से समझिए कि मैं इसको टी मान लूंगा मैंने क्या कहा नीचे क्या है माइनस है तो हम घटाएंगे इसमें से इसको घटाएंगे अलग से घटा के दिखाता हूं देखो अगर मैं वन अपॉन वन माइनस ए में से ए अपॉन वन माइनस ए घटा दू ध्यान से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी तो क्या बचेगा वन माइनस ए बराबर वन बचेगा यानी बोलो वन बचेगा या नहीं तो आपने क्या देखा कि जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर भी वन बचेगा इधर भी वन इधर भी वन और ये आ जाएगा टी माइनस दस तो यहां से t का मान कितना आ जाएगा तेरह यही सवाल का उत्तर यही सवाल का उत्तर है तो ऐसे हम पांच सात सवाल करेंगे और अगली पांच सात मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी अगर किसी ने कह दिया कि a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी या y प्लस बी कर लेते हैं इसको और प्लस सी अपॉन जेड प्लस सी बराबर माइनस छ या माइनस सात माइनस सात दिया हुआ है आपसे क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है एक्स अपॉन एक्स प्लस ए प्लस वाई अपॉन वाई प्लस बी प्लस जेड अपॉन जेड प्लस सी बराबर क्या होगा बराबर क्या होगा ठीक है तो मैंने कहा कि बड़ा सिंपल है देखिए कुछ करना नहीं है बस अब आपको नीचे जोड़ दिख रहा है तो इनको जोड़ दीजिए मैं अलग से जोड़ के बार बार दिखा रहा हूं जिन बच्चों को जोड़ नहीं आता कि भाई a अपॉन एक्स प्लस ए को जोड़ूंगा x अपॉन एक्स प्लस ए में तो क्या होगा तो बच्चा कहेगा जी x प्लस ए एलसीएम आ जाएगा और ऊपर a प्लस एक्स तो ये कितना बन जाएगा वन आ जाएगा यानी अगर मैं इनको जोड़ दूं ऐड कर दूं ध्यान से समझना अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक ये कितना आ जाएगा? टी माइनस सात आ जाएगा नहीं भाई तो फिर टी कितना होगा सात प्लस तीन दस यही सवाल का उत्तर है जल्दी से पांच सवाल कर लो तीन मिनट के अंदर अब पता है मैंने कहा था ना कि थोड़ी बहुत गुणा भाग कभी करनी पड़ेगी जैसे आपने इसको बराबर में मान लिया अब आपने देखा कि क्या घटाने पे पहली बात तो ये तय है नीचे माइनस है तो घटाने पे आएगा तो क्या घटाने पे आएगा नहीं क्या आएगा घटाने पे पांच माइनस ए आएगा मैं फंस गया पांच माइनस ए आ रहा है मैंने कहा फिर क्या करूं तो आप समझ गए आपने कहा भैया तीन से गुणा कर लो इस पूरे को तीन से गुणा कर लो तो ये क्या होगा पंद्रह ये कितना होगा बारह ये कितना होगा नौ ये कितना आ गया तीन, तीन. मैंने क्या किया इसको तीन से गुणा कर लिया अब मैं सब कर रहा हूं अब सब कर रहा हूं ध्यान से समझना अब घटा रहा हूं भाई तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा मेरी तो कोई बात नहीं है खैर मैं तो कुछ नहीं हूं कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि अब आप इसमें से इसको घटाओगे तो पंद्रह माइनस से पंद्रह माइनस से कितना आएगा एक अब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा एक अब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा एक बराबर आपका थ्री टी है और इधर चार है तो ये आएगा थ्री टी माइनस चार तो मैंने देखा थ्री टी कितना आ गया तो आप कहेंगे सेवन आ गया तो हमें तो टी निकालना था सेवन बाई थ्री किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वो अपने दिल की बात कह दे मैंने कहा था कि गुणा करनी पड़ेगी लेकिन हल्की पुल्की जैसे यहां पर तीन से गुणा करनी पड़ी क्यों करनी पड़ी क्योंकि नीचे पंद्रह था तो मुझे ऊपर भी पंद्रह बनाना था ताकि मैं घटा सकूं और मैं घटाने में सफल हुआ घटाने में मैं क्या हुआ सफल हुआ और मुझे उत्तर भी मिला और कर लीजिए एक दो सवाल ऐसे जिससे कि आपकी जिंदगी बन जाए थोड़ा सा तेज पढ़ाया में, सिलो करके देख लेना, ये सवाल देखो। थोड़ा सा तेज पढ़ाया है लास्ट में सिलो करके वीडियो देख लेना पॉइंट टू फाइव एक्स पे जिनको ना समझ आया हूं देखिए मैंने फिर टी मान लिया टी मान लिया आपकी बार बड़ा सिंपल है अगर इन दोनों को जोड़ूंगा एक्स प्लस ग्यारह एल आएगा मेरी एक एक बात को सुना करो अगर इनको जोड़ूंगा तो एक्स प्लस ग्यारह एल आएगा और अगर एक्स प्लस ग्यारह एल आ गया तो ऊपर भी एक्स प्लस ग्यारह आएगा यानी जोड़ने पे आएगा एक इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी आएगा एक इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी आएगा एक और ये बराबर है यहाँ पे बराबर लगा लेना ये कितना आएगा वन प्लस टी टी आएगा तो मैंने कहा वन से वन कट गया तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा एक प्लस एक दो यही उत्तर है इस सवाल का सबका उत्तर आ रहा है दो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का उत्तर दो आ रहा है इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कुछ कि बच्चों का उत्तर दो आ रहा है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ रहे हैं मुझे बहुत पसंद आया ये सवाल देख लीजिए ये मैं होमवर्क में दे देता हूं आर डब्ल्यू रेंट वर्क ये वही है जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया मैंने एक एग्जाम्पल एक दिया ये वही है सेम टू सेम ये देखिए ये बहुत अच्छा है इसको जो भी बच्चा करेगा वो दिल के करीब होगा मेरे मैं फिर से कह रहा हूं इस सवाल को जो भी बच्चा करेगा वो मेरे दिल के करीब होगा देखो भाई टी मान लिया मैंने टी इसको मैंने कितना मान लिया टी थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा सवाल टी मान लिया इसको टी अब देखना ध्यान से पहली बात तो नीचे माइनस है तो सब करना होगा सब इसमें से इसको घटाऊंगा घटा के दिखा रहा हूं देख लो एक्स बटे एक्स माइनस वन माइनस ए बटे एक्स माइनस वन मैंने एलसीएम ले लिया एक्स माइनस वन ऊपर ए कॉमन ले लिया एक्स माइनस वन घटा के कितना आ गया ए ए आ गया यानी जब मैंने इसमें से इसको घटाया तो आया ए जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो दो कॉमन आएगा दो और बचेगा भी दो घट जाएगा देख लेना घर जाके इसमें से तीन कॉमन आएगा ये तीन हो जाएगा तो प्लस तीन बराबर जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आएगा टी माइनस छ प्लस ए ए से ए कटेगा बेटा और जब इधर आके जोड़ेगा तो टी का मान कितना होगा ग्यारह यही सवाल का उत्तर है अगला पॉइंट ये सवाल बहुत प्यारा लगा मुझे मुझे बहुत प्यारा लगा पर्सनली लेवल पे आप देख लीजिए इसको कैसे करना है कैसे करना है भाई मैंने कहा कि मैं बराबर में टी मान लेता हूं टी टी माना मैंने फिर मैंने कहा कि यार मुझे ए स्क्वायर प्लस बी सी चाहिए मैंने जोड़ने की कोशिश की तो मुझे कुछ नहीं मिला मैंने जोड़ने की कोशिश की तो ऊपर आ गया टू ए स्क्वायर माइनस बी सी कोई फायदा नहीं हुआ मैंने घटाने की कोशिश की इसमें से इसको तो खाली बी सी बच गया ऊपर जब मैंने इसमें से इसको घटाने की कोशिश की तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया प्लस का बी सी बच गया तभी एक लड़का बोला कि भैया हमें तो ए स्क्वायर प्लस बी सी चाहिए यानी एक ए स्क्वायर और चाहिए तो मैंने कहा भैया तू ऐसा कर इसको दो ए स्क्वायर लिख ले इसको दो से गुणा कर ले ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मैंने बच्चे से कहा अब बेटा तुम घटाओगे तो ये होगा टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा वन देख लो अब कितना आ जाएगा वन मैंने कहा अब तुम बेधड़क इसमें से इसको घटा दो तो उत्तर मिलेगा वन प्लस अब तुम इसमें से इसको घटा दो बेधड़क वन प्लस वन बराबर टू टी माइनस थ्री टू टी का मतलब होता है जिसकी टूट चुकी है दिल तो टू टी और यहां तीन है तो टू टी कितना आ गया छू टी आ गया तो टी कितना होगा तीन टी ही हमें निकालना था यही सवाल का उत्तर है तीन आएगा ना भाई तो तीन उत्तर आएगा इस सवाल का जो ऑप्शन में नहीं सिमेट्री लगाइए है बड़ा बहुत खूबसूरत ये कॉन्सेप्ट है जितने भी कॉन्सेप्ट इस तरीके के एल्जवरा में डिज़ाइन किए हैं एल्जवरा में लगाए हैं उसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है जैसे मास्पेंट ज्योमेट्री का क्रेडिट एक न्यूयॉर्क के बंदे को जाता है कि उसने उन्नीस में आई थिंक या उन्नीस में जो मासपेंट थॉरम थी उसको ज्योमेट्री में अप्लाई किया एक न्यूयॉर्क का कोई बंदा था उसने किया ऐसे आगे अगर बात चलेगी कि ये सब कॉन्सेप्ट को एल्जवरा में किसने किया तो मेरा नाम जरूर आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना है ठीक है तो सिमेट्री क्या है आप भी जाते हैं इसको हिंदी में कहते हैं सममितता सममितता एक जैसा दिखना एक जैसा दिखना सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा दिखना देखिए कई सारे बच्चों को अब ये डाउट आ गया होगा कि यार हम किसी सवाल में सिमेट्री लगाएंगे या वैल्यू पुटिंग करेंगे या कोई और तरीका एलजब्रा का लगाएंगे आखिर करेंगे क्या तो मैं उनको बता दूं कि मैं जितने भी तरीके आपको बता रहा हूं चाहे वो एक वेरिएबल को जीरो करने की बात हो चाहे वो दो वेरिएबल का मान पुट करने की बात हो चाहे वो सिमेट्री हो चाहे गुणा भाग हो कुछ भी हो मैंने एक बात आपको बताई कि अगर आपने कोई सा भी मेरा बताया हुआ तरीका सवाल में लगा दिया तो हंड्रेड परसेंट उत्तर मिलेगा ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी सवाल में सिमेट्री आपने लगाई बट लग ही नहीं पा रही तो फिर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी या किसी सवाल में आपने वैल्यू पुट की बट वैल्यू समझ में नहीं आ रही तो आपने सिमेट्री लगा दी लेकिन अगर मेरे एक सवाल में मेरे सारे तरीके लग गए तीन के तीन या चार के चार तो आप समझ लेना कि उत्तर सबसे बराबर आएगा अब ये आपको प्रैक्टिस या जो मैं क्लास ले रहा हूं उसके बाद समझ में आएगा कि कहां पे आपको सिमेट्री लगानी है कहां पे क्या करना है सिमेट्री का मतलब ही होता है एक जैसा दिखना देखिए 99% केसेस आपको बहुत इजीली दिख जाएंगे तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है इस बात का डर नहीं करना आपको कि यार मैं सिमेट्री लगाऊंगा पेपर में क्या लगाऊंगा जो लगाओगे उत्तर आ जाएगा जो लगाओगे उत्तर आ जाएगा ठीक है तो मैंने बताया कि 99% केसेस में क्या करना है कि जब वेरिएबल्स जब वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए जब वेरिएबल इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए जब वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए जब जो वेरिएबल्स हैं वो बराबर आए ठीक है जब वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए यानी कि अगर ए बी सी हैं अगर ए बी सी पे सवाल है या फिर सवाल एक्स वाई जेड पे है या फिर सवाल एल एम एन पे है किसी पर भी सवाल है इसका मतलब है जितनी बार ए आया है जितनी बार ए आया दिखते ही पता लग जाएगा 99 नाइन परसेंट केसेस लिखा है मैंने ऐसा नहीं है कि हंड्रेड परसेंट तभी लगानी है इसके अलावा भी हम सिमेट्री लगा सकते हैं इसके अलावा भी हम सिमेट्री लगा सकते हैं यानी जितनी बार ए आया जितनी बार ए आया उतनी बार बी आए उतनी बार बी आए उतनी बार सी आई उतनी बार सी आई मैं फिर से इस बात को समझाऊंगा कि सिमेट्री 99% परसेंट केसेस में हमें देखते ही पता लग जाएगी कि जितनी बार ए आया है उतनी बार बी आया है उतनी बार सी आया है तो समझ लो कि सिमेट्री लगानी लगानी है एक परसेंट ऐसे केसेस होंगे जहां मुझे डाउट होगा बट कोई बात नहीं मैं लगा दूंगा और अगर लग गई तो उत्तर आना ही आना है नहीं आया तो कोई और तरीका देखूंगा अगर ऐसा हो गया अब आप सिमेट्री समझिए लास्ट में अगर ऐसा हो गया ध्यान से सुनिए कि आपको सिमेट्री लगानी है एक सवाल में एक जैसा दिख रहा है सवाल 99% केसेस में जब वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए यानी जितनी बार ए आया उतनी बार बी आए उतनी बार सी आए तो इसका सोल्यूशन क्या है आप अगले पेज पर पे देखें या यहीं पर मैं लिख रहा हूँ इसका फिर सोल्यूशन क्या है हल क्या है मैं यहां पे इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ बहुत सिंपल कि फिर सॉल्यूशन क्या है तो सॉल्यूशन यह है कि इस केस में पुट इस केस में पुट ए बराबर बी बराबर सी अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बच्चा एकदम और हम फटाफट फटाफट सवाल करेंगे पुट ए बराबर बी बराबर सी यानी कि क्या होगा उस केस में ए बराबर बी बराबर सी होगा यानी तीनों वेरिएबल क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है या एक्स है तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा यह मैं सिंगल फैमिली की बात कर रहा हूँ ये बात ध्यान रखना सिंगल फैमिली या तो सवाल ए बी सी पे है या सवाल एक्स वाई जेड पे है या सवाल एलिमेंट पे अब सवाल वाला बदतमीज हो गया और उसने क्या किया कि सवाल ए बी सी भी पूछ लिया और उसी में एक्स वाई जेड डाल दिया तो नियम थोड़े से अलग होंगे वो जब बताऊंगा जब सवाल आएंगे पहले इतनी सी बात बताओ अगर समझ में आ गई तो मैं डायरेक्ट सवाल लोग पे जाना चाहता हूँ कि सवाल ए बी सी पर है सवाल एबीसी पर है एक्स वाई जेड के जो मान है वो एबीसी पे डिपेंड है उतनी बार ए आ रहा है उतनी बार बी आ रहा है उतनी बार सी आ रहा है समझ गया मैं तो मैंने कहा कि मैं इस सवाल में कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा मुझे बताया था एक मास्टर ने अवेन पे कि भैया सबको बराबर रख देना पुट ए बराबर बी बराबर सी मुझे एक मास्टर ने बताया था कि सबको बराबर रख देना पुट ए बराबर बी बराबर सी मैंने वही किया तो x कितना आ गया वाओ जीरो. कितना आ गया? जीरो. कितना आ गया? जीरो सारे जीरो आ गए मैंने कहा अगर सारे जीरो आ गए तो जो सवाल मुझसे पूछा है वो क्या होगा तो आप कहेंगे ऊपर होगा एक इंटू एक इंटू एक नीचे भी एक इंटू एक इंटू एक देखिए ध्यान से इस एक को इस एक से काटेंगे थोड़ा तिरछा काटने का लगी मजा है इस एक को इससे काटेंगे इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आएगा एक और एक ही सवाल का उत्तर अच्छा सवाल है ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है कईयों बार आ चुका है तो सवाल का उत्तर क्या होगा एक होगा द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर बी प्लस सी बी माइनस सी एक्स की पावर सी प्लस है सी माइनस है एक्स की पावर ए प्लस बी ए माइनस भी इतना सा सवाल है हमने कहा सवाल में वही ए बी सी की महिमा है तो हमने कहा यहाँ पर भी हमें सिमेट्री लगती हुई दिख रही है तो मैंने कहा ठीक है बेटा पुट ए बराबर बी बराबर सी पुट कर देते हैं सबको बराबर पुट कर देते हैं तो एक बच्चा बोला वाह कर दो पुट तो ये तो जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा हमने कहा जीरो की अगर मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की पावर जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो अब आप ये भी जानते हैं कि, कि किसी की भी पावर जीरो क्या होती है एक किसी की भी पावर जीरो क्या होती है एक तो इस सवाल का उत्तर भी क्या आ गया सफ़ेद एक अगर कोई डाउट है तो बताओ सिमेट्री सिखा रहा हूँ सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा दिखना एक जैसे दिखने का मतलब होता है जब सारे वेरिएबल बराबर हैं बता देता हूं अभी तक क्या पढ़ाया है शुरुआत से लेकर अब तक क्या पढ़ा है सबसे पहले मैंने कहा आज की क्लास में सिमेट्री पढ़ेंगे सिमेट्री का मतलब एक जैसा दिखना जहाँ मैंने सोल्यूशन बताया कि क्या करना आपको पुट कर देना है ए बराबर बी बराबर सी 99 सवालों में कब लगानी है जब वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हो यानी ए जितनी बार आया उतनी बार बी उतनी बार सी या फिर जितनी बार एक्स आया उतनी बार वाई है उतनी बार जेड बाकी एक परसेंट ऐसे सवाल भी आएंगे जब हम इसके बिना भी सिमेट्री लगा पाएंगे तो सोल्यूशन क्या है कि सबको बराबर रख देना है ए बराबर बी बराबर सी तो परेशान होने वाली बात नहीं है दोस्त और सवाल देखते हैं आपको मजा आएगा आप ये सवाल देखो ये थोड़ा मुश्किल है बट ये थोड़ा मुश्किल है सवाल आसान नहीं है मुझे अब तक का सबसे कठिन सवाल यह सिमेट्री पे लगता है आई थिंक पेपर में भी कभी नहीं आया है सबसे कठिन सवाल मुझे सिमेट्री पे लगता है। आप इसकी तरफ देख लीजिए थोड़ा बदमाश भी है अब मैंने कहा कि यह सवाल भी क्या है यह सवाल भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस वन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस वन ठीक है ये होगा ये होगा ठीक है इतनी सी बात होगी तो अब इसमें क्या होगा मैंने कहा कि भाई x उतनी बार आया है जितनी बार y आया है z उतनी बार आया है जितनी बार x आया है और y तीनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए अगर ये तीनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं तो हम क्या करेंगे कि हम इसको पुट कर देंगे x बराबर y बराबर जेड इसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे x बराबर y बराबर z सबको बराबर कर देंगे अगर हमने सबको बराबर कर दिया अगर हमने सबको बराबर कर दिया तब क्या होगा कि x x यहां भी x आ जाएगा सब जगह x आ जाएगा यानी कि ये दोनों कितने हो जाएंगे मैं लिख के ही बता देता हूं एक्स स्क्वायर ये बहुत कठिन सवाल है अपने आप में ये कठिन सवाल है आसान बिल्कुल भी नहीं है और बट हम सारे आसान सवाल भी यहां करने नहीं आ रहे दोनों करेंगे हम तो तो हमने देखा टू एक्स स्क्वायर बराबर या इसको ऐसे लिख देते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो अब देखिए बच्चा क्या कहता है बच्चा कहते हैं कि यार मैं इसमें एक एक तो पुट कर पा रहा हूं एक एक, एक, एक कर सकते हो आप बिल्कुल लेकिन यहां पे एक्स वाई जेड के दो मान है जिसको एक क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रही है यहां पे आप देखो अगर आप माइनस एक बटा दो पुट करोगे तो एक बटा चार एक बटा चार एक बटा दो आ गया एक माइनस एक बटा दो एक बटा दो आ गया यानी कि इस इक्वेशन में एक और माइनस एक बटा दो सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन सवाल में हमें कुछ कंडीशन भी दे रखी है कि नेगेटिव नहीं लेना तो आपने जैसे एक पुट कर लिया तो आपको कंफर्म नहीं है कि वो सही होता है नहीं बट यहाँ से हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा जैसे मुझे तो माइनस एक बटा दो पता था तो मैंने तुरंत चेक कर लिया आपको कैसे पता लगेगा बात ये है ना आपको एक भी कैसे पता लगेगा तो यहाँ से पता लगेगा आपने फैक्टर्स का नाम सुना होगा कभी अपने जीवन में किए भी होंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो अब अगर हम इसके फैक्टर कर दें टू एक्स तो एक्स माइनस वन प्लस एक एक्स माइनस वन बराबर जीरो ठीक है क्लियर है बात तो अब यहां पे कितना होगा एक्स माइनस वन ब्रैकेट में टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो x माइनस वन टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x के दो मान आ गए x एक तो एक आ गया और एक x बराबर माइनस एक बटे दो आ गया। x एक आ गया और x बराबर माइनस एक बटे दो आ गया क्लियर है बात यानी दो मान आ गए x के अब आपको यह मालूम है कि मैंने सबको बराबर माना था तो ये भी कितना होगा y और z भी यही होंगे ये भी कितना होगा y और z भी यही होंगे होंगे नहीं अगर इस सवाल में कह देता इसने साफ साफ कहा ही है कि एक्स वाई जेड लेस देन जीरो है जीरो से कम है और आप मान रहे थे एक तो सवाल का उत्तर गलत आता है नहीं आता यानी एक नहीं मानना था क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि ये नेगेटिव है और माइनस एक बटा दो सोचना मुश्किल था तो मैंने कहा जब हमने सिमेट्री लगाई तो हमें पता लग गया कि एक्स वाई और जेड की दो वैल्यू हैं जिन पे ये सेटिस्फाई करेगा एक वैल्यू है हमारी एक और एक वैल्यू है माइनस एक बटा दो तो। यानी कि अब हमें ये वैल्यू लगानी है यहां पे ठीक है भाई अब उत्तर निकल देखो सिमेट्री में एक सबसे बड़ा फायदा और क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं एक्स अपॉन वाई प्लस टू है वाई अपॉन जेड प्लस टू है जेड अपॉन एक्स प्लस टू है तो हमें मालूम है जब सारे बराबर हैं तो हम ना इसी पूरे को ये दोनों हटा के तीन से गुणा कर लेते हैं आप समझ पा रहे हैं क्योंकि एक्स वाई जेड बराबर है तो जितना मान इसका आएगा उतना ही इसका आएगा उतना ही इसका आएगा तो मैं सीधे तीन से गुणा कर लेता हूं तो मैंने कहा तीन से गुणा कर लेते हैं एक्स कितना होगा माइनस एक बटा दो एक्स होगा माइनस एक बटा दो नीचे कितना आ जाएगा दो माइनस एक बटा दो यही आ जाएगा तो हमने देखा ऊपर कितना आ गया आप कहेंगे माइनस तीन बटा दो नीचे कितना आ गया दो धुनी चार में से गया तीन बटा दो तो उत्तर कितना आ गया माइनस एक यही सवाल का उत्तर बहुत अच्छा सवाल है बहुत प्यारा सवाल है बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है इसमें कुछ भी आसान नहीं था बहुत सुंदर सवाल था आप इस सवाल की सुंदरता को देखिए फटाफट से नोट करिए मैं हट जाता हूं यह सवाल करिए जो बच्चा इस सवाल का उत्तर तुरंत बताएगा मैं समझता हूं कि वो हमारा खास होगा और तो कुछ नहीं है खास उसको हम बना देंगे ए अपॉन वन माइनस ए बी अपॉन वन माइनस बी सी अपॉन वन माइनस सी बराबर एक है देन द वैल्यू ऑफ थ्री ए माइनस टू वन माइनस ए टू माइनस बी अपॉन वन माइनस बी थ्री माइनस टू सी अपॉन वन माइनस सी क्या होगा ये आपको बताना है हमने क्या किया यहां पर भी सिमेट्री देखी ए उतनी बार आ रहा है बी जितनी बार आ रहा है सी जितनी बार आ रहा है तो हमने क्या किया पुट पुट ए बराबर बी बराबर सी हमने क्या कर दिया पुट ए बराबर बी बराबर सी ठीक है ये हमने पुट कर दिया अब अगर हम ए बराबर बी बराबर सी पुट करते हैं तब क्या होगा थ्री थ्री आ जाएगा सीधे ये सबसे बड़ा फायदा है सिमेट्री का सबसे बड़ा फायदा यही है कि थ्री ए अपॉन वन माइनस ए बराबर एक यही होगा यही होगा तो मैंने कहा थ्री ए कितना आ गया यहां है है से आपने कहा वन माइनस ए तो फोर ए कितना आ गया वन ए कितना आ गया वन बाई फोर ए कितना आ गया वन बाई फोर क्लियर है बात बाई फोर आ गया अगर ए वन बाई फोर आया इसका मतलब B भी यही होगा इक्वल माना है सबको और सी भी यही होगा इक्वल माना है अगर इसको तो ए भी वही होगा सी भी वही होगा ठीक है क्लियर है बात किसी बच्चे को डाउट है तो बताना ठीक है अब मैंने कहा कि अगर ए अब देखना मैं यहां पे कर रहा हूं तीन बटे चार माइनस दो कितना बचेगा तीन बटे चार माइनस दो पांच बटे चार तो माइनस का पांच बटे चार माइनस का पांच बटे चार बटे वन माइनस ए कितना होगा तीन बटे चार प्लस टू माइनस बी यानी दो माइनस एक बटे चार सात बटे चार सात बटे चार बटे वन माइनस बी तीन बटे चार प्लस तीन माइनस टू सी टू सी का मतलब चार बारह में से दो गए दस बटे चार दस बटे चार होगा सही है ना दस बटे चार ठीक है और वन माइनस सी तीन बटे चार लंबी कैलकुलेशन हो गई मुश्किल सवाल है भी चार से चार तो सारा कट गया देखो माइनस पांच बटे तीन और सात बटे तीन तो दो बटा तीन दो बटा तीन और दस बटा तीन बारह बटा तीन बराबर चार उत्तर आ गया बारह बटा तीन आया बराबर चार ऑप्शन में हैल्यू ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन वन अपॉन जेड प्लस वन the क्या होगा ये आपको बताना है ठीक है बहुत जल्दी फटाफट एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड ठीक है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स तो मैंने क्या करा मैंने कहा एक्स वाई जेड उतनी ही बार आ रहे हैं जितनी बार आना चाहिए था तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया मैंने क्या किया पुट कर दिया किसको? x बराबर वाई बराबर जेड को मैंने x बराबर वाई बराबर जेड रख दिया ठीक है मैंने क्या किया पुट कर दिया x बराबर वाई बराबर जेड तो मालूम चला पहली वाली इक्वेशन से मालूम चला एक्स स्क्स होगा एक्स स्क्स होगा ठीक है अगर तो बराबर बराबर क्या होगा एक्स बराबर दो बराबर वाई बराबर जेट यही होगा एक्स बराबर दो बराबर वाई बराबर जेट ठीक है ये होगा अब हमने क्या कहा कि भाई अभी आपको एक बात बताई थी कि मैक्सिमम केसेस में क्या फायदा हो जाता है कि सब कुछ बराबर होता है तो हम यहीं सीधे तीन से गुणा कर देंगे और इनको हटा देंगे क्योंकि तो ये भी उतने ही आएंगे ऐसा तो कुछ नहीं कि नहीं आएंगे तो हमने तीन से गुणा की तीन गुणा एक और बटे एक्स कितना है दो प्लस एक तो ये तीन से हमारा तीन कट गया उत्तर कितना आ गया एक यही सवाल का उत्तर है। यही सवाल का उत्तर है एक एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स सबको हमने बराबर मान लिया एक्स बराबर वाई बराबर जेड को हमने बराबर मान लिया जब हमने इसको बराबर माना तो हमें मालूम चला कि अगर हम ये सब बराबर हैं तो एक्स वाई जेड कितने आ गए दो दो दो, दो आ गए हमने कहा सब बराबर हैं तो इन दोनों को काट के हमने तीन से गुणा कर लिया और एक्स कितना है दो प्लस एक तीन तीन से तीन कट गया तो उत्तर कितना आ गया एक ठीक है इज इट क्लियर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर x माइनस सी स्क्वायर है यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा x माइनस सी स्क्वायर और फोर ए प्लस बी प्लस सी है तो x कितना होगा मैंने कहा इक्वल कर देता है ऑप्शन में भी इक्वल करेंगे क्योंकि ऑप्शन में भी ए बी सी है तो मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि भाई पुट a बराबर बी बराबर सी पुट कर देते हैं पुट कर देते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं सवाल बहुत उछल रहा है ठीक है भी? हमने क्या किया कि पुट कर दिया ए सी यहाँ पे कर दिया और पुट कर दिया सबको हमने बराबर कर दिया A बराबर बी बराबर सी पता है? आ नहीं रहा है ऊपर कट रहा है सब पता नहीं क्या करते हो तुम लोग कैमरा चेक नहीं करते पुट A बराबर बी बराबर सी वैसे ही लड़कों का इतना कट रहा है ऊपर से ये भी कट रहा है तो बेचारे टेंशन में आएंगे आएंगे ठीक है पुट ए बराबर बी मैंने रख दिया तो मैंने कहा कि अब फिर से वही वाली बात आ गई कि ये ये और ये आपस में इक्वल आ जाएंगे ये और ये और ये आपस में इक्वल आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे तो मैंने क्या कहा तीन गुणा एक्स माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी तीन गुणा एक्स माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी ठीक है यही आएगा कि तीन गुणा एक्स माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी बराबर क्या होगा बराबर फोर इंटू थ्री ए बराबर क्या होगा फोर इंटू थ्री ए ठीक है यही होगा हमने कहा कि हम सबको बराबर कर रहे थे तो भैया इनको भी बराबर करना होगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं तो आपने कहा इसको टू ए लिख दीजिए क्योंकि सब कुछ बराबर कर रहे हैं ए बराबर बी बराबर से आपने देखा थ्री से थ्री कट गया एक्स माइनस ए स्क्वायर कितना आया अगर ये टू ए इधर चला जाएगा तो एट ए स्क्वायर आ जाएगा तो x कितना आ जाएगा स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा नाइन ए स्क्वायर आ जाएगा हमने कहा जब हम तीनों को बराबर करेंगे तो एक्स माइनस ए स्क्वायर बटे टू ए बराबर फोर इन टू ए तो एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर एट ए स्क्वायर तो एक्स कितना आ गया नाइन ए स्क्वायर अब मैंने देखा किस ऑप्शन में आ रहा है अगर मैं इसमें रखता हूं तो क्या आएगा थ्री ए स्क्वायर नहीं होगा ये तो जीरो ही आ जाएगा इक्वल रखूंगा तो ये भी थ्री ए स्क्वायर आएगा नहीं होगा इसमें रखूंगा तो ए ए का स्क्वायर नाइन ए स्क्वायर तो यही सवाल का उत्तर होगा एम माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर तीन है तो एम की वैल्यू पूछ रहा है मैंने कहा बहुत सिंपल तरीके से कि अगर मैं इन सबको बराबर करूंगा देखना अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा अगर मैं इन सबको बराबर करूंगा पुट ए बराबर बी बराबर सी पुट ए बराबर बी बराबर सी करूंगा अगर मैं पुट करूंगा ए बराबर बी बराबर सी तो आप देखोगे कि ये और ये जैसे ही कटा तो यहाँ तीन आ जाएगा भाई बोलो आएगा ही नहीं इक्वल है ना सब कुछ तीन आ जाएगा मैंने कहा अगर तीन से तीन भी कटेगा तो आप ये कहोगे अभी आपने इक्वल रखा नहीं आप रखने जा ही रहे थे उससे पहले क्या होगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एक आया एक आया अब जब आप इसको इधर ले जाके लिखोगे तो और इस ए स्क्वायर को फिर इधर ले जाओगे तो आप इक्वल करने वाले ही थे कि आपको ऑप्शन दिख गया यही उत्तर हो अब चाहे तो आप यहां भी रख लेते बट मैंने जरूरत नहीं समझा मैं अगर यहां पे भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर लिखता तो एम थ्री ए स्क्वायर आ जाता और ए की ऑप्शन में थ्री ए स्क्वायर आ रहा बट मैंने उसको छेड़ा नहीं मैंने कहा जब एज एजीटी जी उत्तर देखने का मजा ही कुछ और है मैंने कहा ये बराबर है सब ये भी ए है ये भी ए है अंतरात्मा से जब सब ए है तो तीन से गुणा कर दिया तीन से तीन कट गया तो एम कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बोलो भाई अगर आप बता सकते हो कह सकते हो तो बताओ अब लगाइए सिमेट्री मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं मुझे तो आती है आप ये मैं सोचो गुरुजी लगा रहे हैं बहुत मजा आ रहा है आप खुद भी लगाओ मेरे को तो इतने साल हो गए लगाते हुए मैं वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स की क्यूब माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई की क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड की क्यूब इच क्या होगा मैं कह रहा हूं कि आप पूरी क्लास देखना शुरू से मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि अगर एक्स वाई जेड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं तो मुझे कुछ नहीं करना मुझे सीधे पुट करना है इनको बराबर मुझे पुट करना है एक्स बराबर वाई बराबर जेड मुझे क्या करना है एक्स बराबर वाई बराबर जेड रखना है मैंने जैसे ही बराबर रखा तो आप बताओ एक्स से ये कट जाएगा या नहीं बताओ कटेगा या नहीं ये जेड इससे कट जाएगा या नहीं बिल्कुल कटेगा ये जेड इस वाई से कट जाएगा या नहीं बिल्कुल कटेगा कटेगा या नहीं ठीक है इससे काट लो एक ही बात है किसी से भी कुछ भी काट लो मैंने कहा अगर तीनों बराबर हैं, तो ये कितना हो जाएगा तीनों बराबर होने का मतलब आप कहेंगे जी ये थ्री एक्स की क्यूब हो जाएगा और माइनस ये वाई भी एक्स के बराबर है तो माइनस एक्स की क्यूब ये भी कितना आएगा माइनस एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब मैंने सबको बराबर मान लिया x बराबर y बराबर z को सबको इक्वल मान लिया तो मैंने देखा कि ये सत्ताईस एक्स की क्यूब सत्ताईस एक्स की क्यूब माइनस तीन एक्स की क्यूब बराबर चौबीस एक्स की क्यूब बच गया बताओ मैंने क्या बचा दिया बराबर ट्वेंटी फोर एक्स की क्यूब तो आपने देखा कि अगर ये ट्वेंटी फोर एक्स की क्यूब है तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड रखने पर इस पे आ रहा है नहीं इस पे आ रहा है नहीं इस पे आ रहा है नहीं तो ये उत्तर ट्वेंटी फोर एक्स वाई जेट की क्यूब एक ही ऑप्शन में आ रहा था तो वही सवाल का क्या हो गया उत्तर हो गया ये सवाल भी एस एस सी में आया हुआ है बहुत सुंदर सवाल है आप देख सकते हो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर किताब है तो एज इज सवाल पेपर में पूछा हुआ है एज इज ऑप्शन है मैंने कुछ भी इसमें बदला नहीं कुछ भी मैंने इसमें बदला नहीं है द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर बटे बी प्लस सी एक्स प्लस बी स्क्स टू ए स्क्वायर प्लस टू बी बराबर जीरो है. तो क्या होगा? कौन बताएगा सबसे जल्दी सबसे जल्दी हु टेल द सबसे अर्ली मोस्ट अर्ली मोस्ट अर्ली कौन बताएगा देखिए मैंने कहा कि पुट पुट ए बराबर बी बराबर सी पुट ए बराबर बी बराबर सी ये तीनों क्या आ गए बराबर आ गए पुट ए बराबर बी बराबर सी ठीक है तीनों बराबर आ गए तीनों इक्वल आ गए पुट ए बराबर बी बराबर सी मैंने कहा ठीक है अब आपने कहा कि अगर ये तीनों बराबर आ गए तो मैं तीन से गुणा करूंगा भाई बोलो करूंगा नहीं ऊपर क्या लिखूंगा एक्स प्लस थ्री ए स्क्वायर और नीचे कितना आएगा टू ए बराबर जीरो है भाई बराबर क्या है जीरो तो ये तीन भी जीरो में चला जाएगा ये टू ए भी जीरो में चला जाएगा चला जाएगा नहीं यानी क्या आ जाएगा एक्स प्लस तीन ए स्क्वायर बराबर जीरो तो मैंने देखा एक्स का मान आ गया माइनस का तीन ए स्क्वायर अब आप बताइए अगर सारे ऑप्शन में ए बराबर बी बराबर सी रखता हूं तो पहले में थ्री ए स्क्वायर आएगा गलत है दूसरे में माइनस थ्री ए स्क्वायर आ रहा है सही है इसमें फोर आ रहा है गलत है इसमें माइनस फोर आ रहा है गलत है बी इज द करेक्ट आंसर देखो भाई अब यह सवाल का उत्तर एकात का तो आप बता दो यार एकात का तो आप बता दो कब बताओगे बे हमने क्या किया पुट कर दिया पुट हमने पुट कर दिया एक्स बराबर वाई बराबर हमने पुट कर दिया x बराबर वाई बराबर ठीक है पुट कर दिया हमने x बराबर वाई बराबर जेड ठीक है तो ये कितना होगा थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस क्या आप जब सबको बराबर कर दिया ये भी x कर दिया ये भी एक्स एक्स कर दिया ये भी एक्स एक्स कर दिया सबको एक्स एक्स कर दिया तो ये कितना होगा थ्री एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की क्यूब हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा यानी एक्स कितना आ गया यहां से थ्री आ गया और यही वाई यही जेट अब देखिए यहां पे इक्वल नहीं आ रहे बट फिर भी हमने सिमेट्री लगा दी तो सब इक्वल है तीन तिया नौ और तीन बारह गुणा ये भी तीन बटे तीन और तीन तीन और तीन छह ऊपर भी छत्तीस नीचे भी छत्तीस उत्तर कितना आ गया एक यही सवाल का उत्तर है दिया हुआ है दिया हुआ है ये 2014 मेंस में आया था सवाल जो लिख रहा हूं अभी 2014 हजार तीन चार रीजन में पेपर हुआ था चंडीगढ़ रीजन में ये सवाल आया था ठीक है तो क्या था एक्सवाई दिया हुआ था प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड दिया हुआ था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड दिया हुआ था आपसे क्या पूछ रहा था आपसे पूछ रहा था गुरु वाई जेड और x माइनस वन वाई जेड और x माइनस वन नीचे लिखा हुआ था वाई जेड और x माइनस वन इस तरीके से लिखा हुआ था नीचे ठीक है और ऊपर कितना लिखा हुआ था y प्लस जेड प्लस प्लस नीचे कितना दिया हुआ था एक्स वाई और x प्लस वाई और जेड माइनस वन प्लस जेड प्लस एक्स नीचे जेड एक्स और y माइनस वन ये लिखा हुआ था y माइनस वन ठीक है ये आपको दिया हुआ था कि क्या होगा ऑप्शन थे एक माइनस एक तीन माइनस एक सवाल मैंने अपनी मर्जी से आपसे पूछ लिया मेरा दिल था तो बताइए सवाल को इस सवाल का उत्तर बताइए मैंने क्या किया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एक्स वाई जेड दिया और उसके बाद ये पूछ लिया और ये सिमेट्री पे ही सवाल है और ये सवाल आया था 2014 मेंस में तो क्या सवाल है देखिए मैंने क्या किया मैंने बेटा पुट किया पुट किया क्या एक्स बराबर वाई बराबर जेड तीनों को मैंने बराबर पुट किया कर सकता हूँ तो आपने कहा कि जब तीनों को बराबर पुट करोगे तब क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की क्यूब यही होगा यानी एक्स कितना आ गया तीन आ गया यहां से एक्स कितना आ गया तीन आ गया अगर एक्स तीन आ गया ध्यान से समझना तो मैं इसको डायरेक्ट तीन लिख सकता हूं तीन गुणा आप कहेंगे तीन लिखने पे आप ये काट दोगे ये क्योंकि सब इक्वल आना है सिमेट्री का यही फायदा इक्वल आना है अब वाई प्लस जेड क्या होगा ये भी तीन तीन है तीन और तीन छाई इंटू जेड कितना होगा तीन नौ। और तीन माइनस एक कितना होगा दो तो है। नौ दुनी है। कितना उत्तर आएगा एक यही सवाल का आंसर है क्या अब आप सिमेट्री में कंफर्टेबल फील कर रहे हो अगला सवाल कौन सा था ये ये सवाल करना है बहुत फटाफट से करना है लगाइए सिमेट्री लगाइए देखिए हमने क्या किया पुट हमने क्या किया पुट ए बराबर बी बराबर सी हमने क्या किया पुट ए बराबर बी बराबर सी तीनों को इक्वल मान लिया कि पुट ए बराबर बी बराबर सी ठीक है तो ए की घात एक्स कितना आ जाएगा ए घात एक्स आ जाएगा ए स्क्वायर ठीक है ऐसी बी की घात वाई बी स्क्वायर आ जाएगा C की घात जेड C स्क्वायर आ जाएगा सबको बराबर माना है ना भाई सबको बराबर मान लिया तो यहां से मैंने देखा कि XYZ भी बराबर आ गए अगर मैं पावर का कंपेयर करता हूं तो एक्स वाई जेड भी कितने आ रहे दो दो आ रहे जेड भी हमने क्या कहा दो दो आ रहे हैं सब बराबर आ गए एबीसी को बराबर किया तो एक्स वाई जेड सब दो, दो आ गए कई बच्चे क्या करते हैं एक्स वाई जेड को एबीसी को वन वन मान लेते हैं मैंने क्या कहा है सिमेट्री में आप मुझे बताना मैंने कहीं सिमेट्री में कहा बराबर तो लेकिन अगर आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो तो मैंने इक्वल मान लिया कि एक्स वाई जेड फिक्स है दो ही होगा तभी यह संभव है नहीं तो नहीं अगर आप वन वन मानते हो तब तो एक्स वाई जेड के अनेकों मान संभव है नहीं ले सकते वन वन यह सब पे लगेगा अगर एबीसी देखिए इक्वल है एबीसी इक्वल है तभी ये इक्वेशन बन रही है तीनों नहीं तो नहीं बनती आप चाहो तो इन तीनों को गुणा कर लो तो भी आपको पता चलेगा एक ही बी की वाई, की एसकर, बी सकर, ये तीनों इक्वल है लेकिन वन वन नहीं क्योंकि वन वन पे तो एक्स वाई कुछ भी हो सकता है बट अगर आप तीन तीन लेना चाहो तीन तीन तीन, तीन, तीन तो एक्स दो आएगा चार चार लेना चाहो तो एक्स दो आएगा यानी ये तीनों बराबर तो है लेकिन वन वन अगर आपने मान लिया तो फिर एक्स वाई जेड का मान कुछ भी लिया जा सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि बराबर नहीं है एबीसी बराबर है अगर ये इक्वेशन बन रही है तो बट वन वन नहीं ले सकते अगर वन वन लेके आपने एक्स को तीन तीन मान लिया तब तो ये दो पे ही फेल हो जाएगा नहीं हो पाएगा समझे ना बात क्यों नहीं थोड़ी मुश्किल बात थी तो मैंने क्या कहा अब ये कितना आ जाएगा आपने कहा जी तीन से गुणा कर लो तीन से गुणा करने का मतलब है इसको इसको हटा देंगे एक्स कितना है दो और एक प्लस दो कितना है से कट गया कितना उत्तर आ गया दो यही सवाल का उत्तर है यह किस तरीके का सिमेट्री है इसका पार्ट टू सिमेट्री का ही पार्ट टू है कैसे आपको चलो पार्ट टू क्या है पार्ट टू में देखिए क्या होगा कि यदि यदि सवाल यदि सवाल दो फैमिलियों से है दो फैमिलियों से है फैमिलियों से है लाइक एबीसी मतलब फैमिली आ रही है एक्स वाई जेड की फैमिली भी आ रही है और एबीसी की भी आ रही है और तीन ही इक्वेशन दे रखी है कोई दिक्कत नहीं तो मैं क्या लिखूंगा अब यहां पे देखो यदि इंग्लिश में लिखूंगा इफ वन इक्वेशन वन इक्वेशन कंटेन वन इक्वेशन कंटेन ऑल थ्री वेरिएबल ऑल थ्री वेरिएबल आउट ऑफ थ्री आउट ऑफ थ्री ऑल थ्री वेरिएबल आउट ऑफ थ्री एक ही इक्वेशन में जैसे एबीसी पे सवाल है तो तीनों एबीसी एक ही इक्वेशन में देन पुट देम इक्वल पुट देम इक्वल, उनको बराबर मान लीजिए क्या करना है उनको बराबर यदि यदि इसके बाद की बात क्या है यदि इफ वन इक्वेशन कंटेन्स इफ वन इक्वेशन कंटेन्स टू वेरिएबल टू वेरिएबल आउट ऑफ थ्री यदि एक इक्वेशन टू वेरिएबल आउट ऑफ थ्री यदि किसी इक्वेशन में तीन में से दो ही वेरिएबल आए जैसे एबीसी है तो एबीसी में से या तो ए और बी आ गया ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा बस अभी आप लिख लो यदि किस एक इक्वेशन में केवल दो वेरिएबल आए तीन में से ऑल थ्री इक्वल टू वन एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी बट बस आप नोट कर लो अभी एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा सिमेट्री पार्ट टू में लिखेंगे यदि एक सवाल में दो फैमिलियों के मेंबर हैं एबीसी वाई जेड तो जो तीनों आ रहे हैं जैसे पिछले सवाल में भी हम कह सकते थे कि जो तीनों आ रहे थे जैसे इसमें भी एक्स वाई जेड और एबीसी तो जो तीनों आ रहे थे हमने उन्हीं को इक्वल किया है यही चीज में है। आगे अभी आपको और एग्जाम्पल से समझाऊंगा पहले आप बस इसको नोट कर लो कि यदि कोई सवाल दो फैमिलियों से है लाइक like यदि एक इक्वेशन में तीन में से तीनों वेरिएबल आ रहे हैं तो उनको इक्वल करेंगे और अगर कोई से दो आ रहे हैं तो उनको एक मानेंगे देखिए अब मैं सवाल लेके आया हूं आपके लिए ये सवाल देखिए आप इस तरीके के सवाल जब आपको परेशान करते हैं अब मैं कहूंगा कि पहले आप मुझे बताओ पहली इक्वेशन क्या है तो बच्चा कहेगा जी पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बराबर बीवाई प्लस सी जेड यही है दूसरी इक्वेशन तो बच्चा स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस सी जेड तीसरी इक्वेशन जेड स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बीवाई यही है तो यह सवाल मेरे पेपर में 2012 प्री में आया था आठ जुलाई को पेपर नहीं था एक जुलाई को पेपर था एक जुलाई सन 2012 में मैंने ये एग्जाम दिया था सीजीएल का उसमें ये सवाल आया था ठीक है अब देखिए ये सवाल कितने वेरिएबल्स पे है तो बच्चा कहेगा जी दो फैमिली है इसमें कौन कौन सी एक्स वाई और जेड और ए बी और सी अच्छा वो कौन से वेरिएबल है जो एक इक्वेशन में तीनों आ रहे हैं एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं वाई एक्स जेड तीनों आर है जेड एक्स यानी ये वो फैमिली है जो तीनों आर है तो मैंने कहा था तीनों वाली में क्या करना है पुट इक्वल इनको इक्वल रखना है ऐसे कौन से वेलियबल हैं जो दो दो आ रहे हैं देखिए इसमें केवल बी और सीए ए नहीं है इसमें ए और C है बी नहीं है इसमें ए और बी है सी नहीं है यानी ए बी सी वो हैं जो दो दो आ रहे हैं तो उनको मैंने क्या कहा था उनको मैंने कहा था पुट इक्वल टू वन पुट इक्वल टू वन यही बात मैंने पीछे लिखाई थी अगर समझ आ गई है तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे तो आप कहेंगे हम इस सवाल को करेंगे कि हम ए बी और सी को वन रख देंगे हम ए, बी और सी को 1 रख देंगे हमने ए, बी, सी क्या किया वन रख दिया आपने कहा कि अगर ए, बी, सी वन है अगर ए, बी, सी वन है तब क्या होगा तो इक्वेशन पहली वाली क्या हो जाएगी देखो तो आपने कहा एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेट मैंने कहा इसको क्या करना है तो आपने कहा इसको तीनों को बराबर रखना है एक्स बराबर वाई बराबर जेट मैंने रख दिया तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया टू एक्स यहां से एक्स कितना आ गया दो जो एक्स होगा वही वाई होगा ये चीज सीखनी है रटनी है जो मैं बता रहा हूं अगर सवालों को आसान बनाना है तो अब देखो अब एक बात बताओ अगर मुझे इसका उत्तर निकालना है तो मैं इसे हटाऊंगा इसे हटाऊंगा तीन से गुणा कर दूंगा बोलो कर दूंगा एक्स वाई जेड क्या निकल के आया दो दो आ जाएगा दो प्लस एक तीन 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 से कट जाएगा उत्तर क्या बचेगा सिर्फ एक यही सवाल का आंसर है अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बना लेना तभी बात बनेगी मैं एक एग्जाम्पल और कराने जा रहा हूं ऐसा आगे बढ़ते हैं और एक दो ऐसे सवाल लेते हैं ये सवाल देखिए अब इसमें भी वही सीधा फंडा लगाना है दो सवाल मैंने दिए दोनों के उत्तर बताऊंगा निकाल के और बात खत्म हो जाएगी बात खत्म हो जाएगी मैं एल्जेवरा में इतनी प्रैक्टिस खुद से करा दे रहा हूं लंबी लंबी क्लास लेकर के कि आपको जरूरत नहीं है कुछ और करने की ठीक है देखिए अब पहले इक्वेशन लिख लेता हूं अब एक ही लिखूंगा ना सारी लिख के क्या बताऊं एक ही लिख दूंगा आप तो भाई बच्चे समझ ही रहे हैं बात को तो मैंने कहा कि इक्वेशन मैंने लिखी एक्स स्क्वायर बराबर टू बी वाई प्लस टू सी जेड तो मैं डायरेक्ट समझ गया कि वो वाले वेरिएबल कौन से हैं जो दो दो आए हैं तो आप कहेंगे जो ए बी सी है ना वो वो हैं जो दो दो आए हैं तो मैं सबसे पहले तो एबीसी को क्या करूंगा वन वन कर दूंगा एबीसी वन वन करने के बाद ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर टू वाई प्लस टू जेड बचेगा अब मैं क्या कर दूंगा अब मैं एक्स वाई जेड को इक्वल पुट कर दूंगा सही तो है ठीक है तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा यहां से ये भी एक्स ये भी एक्स फोर एक्स आ जाएगा तो एक्स कितना आ जाएगा फोर और यही कितना होगा वाई और यही कितना होगा एक्स कितना आ जाएगा फोर और वाई और जेड सब बराबर आ गए फोर फोर आ जाएगा फोर फोर आएगा इसमें ठीक है ये सवाल सीपीओ 2012 में आया था ये सवाल सीपीओ 2012 में आया था अक्टूबर नवंबर में पेपर हुआ था मुझे आज भी याद है ओमिक्रॉन के उस कमरे में हम बैठे थे कौंडल अनुज कौंडल जो है उसका फोन आया कि सर एक ही सवाल मुझसे नहीं हुआ और सारे हो गए वो ये सवाल था पहले वाला दूसरा तो मैंने खुद बनाया ठीक है अब मेरे पास सबके मान आ गए तो मैंने कहा सबसे पहली बात तो मैं इसको तीन से गुणा करूंगा कलर चेंज कर लेते हैं इसको मैं तीन से गुणा करूंगा ठीक है और ये हटा दूंगा भाई ठीक है ए को मैंने कितना माना है एक ये एक आ जाएगा गुरु एक्स कितना है चार आ जाएगा गुरु और ये एक होगा तो ये दो बन जाएगा पूरा तो मैंने देखा ऊपर तीन आ रहा है और नीचे छ आ रहा है यानी तीन बटे छ पहले सवाल का उत्तर होगा एक बटा दो यही होगा अब जब इसकी बात आएगी तो हम फिर तीन से गुणा कर लेंगे इसको तो आपने कहा तीन गुणा एक्स का मान कितना है चार नीचे एक्स का कितना है चार प्लस टू ए टू हो जाएगा यानी कि बारह बटे 6 उत्तर कितना आ जाएगा दो यही सवाल का उत्तर है यही सवाल का उत्तर बारह बटे छह बराबर कितना आ गया दो यही सवाल का उत्तर है एक सवाल और कर लेते हैं इसमें और उसके बाद इनकी कहानी करते हैं खत्म हम भी अपने घर चलते हैं और अपना नहाएंगे धोएंगे बाल कटवाएंगे हेड मसाज करवाएंगे देखो एक्स स्क्वायर बटे वीवाई प्लस सीजेड वाई स्क्वायर बटे सी जेड प्लस ए एक्स जेड स्क्वायर बटे एक्स प्लस बीवाई बराबर एक बटा तीन देखिए भाई मैंने इस इक्वेशन को लिखा पहली वाली को तो थ्री एक्स स्क्वायर बराबर बीवाई प्लस सी जेड थ्री एक्स स्क्वायर बराबर बीवाई प्लस सी जेड ठीक है क्लियर है बात अब देखना ध्यान से मैंने क्या कहा था कि जो वेरिएबल दो दो आ रहे हैं एक इक्वेशन में उसको इक्वल पुट करेंगे यानी ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक होगा ए बराबर बी बराबर सी एक होगा ठीक है हमने कहा अगर ये एक होगा तो इक्वेशन क्या रह जाएगी थ्री एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड अब हमने दोनों को बराबर रख दिया बेटा तीनों को हमने कहा जो तीनों एक इक्वेशन में आ रहे थे उनको बराबर रख दो एक्स बराबर वाई बराबर जेड तो यहां से थ्री एक्स स्क्वायर कितना आ गया टू एक्स आ गया x एक से x कट गया 3x कितना आ गया दो, ये मैंने लगा दिया ठीक है भाई अब आप रख देते हैं put 3y भी यही होगा तो मैंने कहा कि जब ऐसा सवाल हो तो ये हम हटा देते हैं और तीन से गुणा कर देते हैं ये बात समझ आ रही है ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि abc बराबर है xyz बराबर है बात खत्म तो ये कैसे निकलेगा 3 गुणा a का मान कितना है 1 नीचे a का मान 1 प्लस थ्री एक्स का मान कई बच्चे ना एक्स का निकालेंगे जरूरत ही नहीं है थ्री एक्स का दो नीचे भी तीन ऊपर भी तीन उत्तर कितना आ गया एक यही सवाल का उत्तर था द बेस्ट सिमेट्री पढ़ा दी है सिमेट्री पे और क्या क्या सवाल बन सकते हैं कैसे कैसे बन सकते हैं अच्छा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो किसी कोर्स में भी आना चाहते हैं जैसे जिनका सिलेबस खत्म हो गया है और वो रिवीजन टू तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारा एक रिवीजन टू तो प्रैक्टिस वैसे जिसमें हम रिवीजन भी कराते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस भी और वो चारों सब्जेक्ट्स का है क्योंकि बात मैथ्स की नहीं है ना सिलेक्शन के लिए सारे सब्जेक्ट्स चाहिए वो जी का भी इंग्लिश का भी रीजनिंग का भी है सब कुछ है वो अभी एम ऐप पे है अगर कोई बच्चा उस बैच में आना चाहता है क्योंकि तीस तारीख उस बैच की लास्ट डेट है उसके बाद आप नहीं आ सकते क्योंकि वो क्लोज हो जाएगा तो अगर कोई बच्चा उसमें आना चाहता है और उसके पास फीस भी नहीं है इस वजह से सिर्फ रुका हुआ है तो आप हमारे नाइन वाले नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं और अगर ऐसी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाके यूँ ही ले सकते हैं तो पहली बात तो ये कि हम एलजरा पढ़ रहे हैं आप हेडिंग लगा लेंगे एलजरा एल्जबरा में काफ़ी कुछ ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, सब कुछ हम सीख चुके हैं अब जैसे जैसे एल्जब्रा में आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सवाल आते रहेंगे जहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है तो आज की क्लास से पहले भी स्टार्टिंग में मैं एक दो बेसिक फॉर्मूले बताना चाहूँगा जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो कौन कौन से हैं जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है उसके बाद ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अगला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी ठीक है ए प्लस बी और ए माइनस बी उसके बाद क्या होगा ए प्लस बी की क्यूब बराबर होगी a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी ठीक है ए की क्यूब बी की क्यूब थ्री ए बी और ए प्लस बी उसके बाद ए माइनस बी की क्यूब कितनी होगी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी यानी आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ़ इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी कैसे पड़ेगी मैं दिखाता हूँ क्या हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी बताता हूँ सारी चीज़ें बताता हूँ बहुत आराम आराम से चलेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप है मतलब कि एल्जबराज से एक सवाल इस पर ज़रूर आता है एक सवाल एल्जबराज से इस पर ज़रूर आता है और ज़रूर आएगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो मैं क्या आज की क्लास में पढ़ाना चाहता हूँ क्या किस टॉपिक पे आज की क्लास में हम बात करेंगे कि यदि x एक बटा के एक बराबर है यदि x प्लस एक बटा एक्स यदि x प्लस एक बटा एक्स ए के बराबर है ए के एक्स प्लस एक बटा एक्स अगर ए के बराबर है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ से क्या क्या हमें निष्कर्ष के तौर पे पता होना चाहिए तो पहले पेज पे मैं हर चीज आपको याद करा दूंगा बता दूंगा बस आप देखते रहिए जैसे कि अगर मैं इसका इस स्क्वायर हल्के पीले पेन से कर दूं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर होगा प्लस टू इंटू एक्स इंटू एक बटा एक्स बराबर ए एक स्क्वायर है। ठीक है एक्स से एक्स कट गया तो क्या आ जाएगा देखिए आप कहेंगे क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस दो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस दो तो पहला पॉइंट जो आपको लर्न करना है नंबर वन पॉइंट वो ये है कि अगर एक्स प्लस एक बटा एक्स ए एक के बराबर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस दो अगर x प्लस एक बटा एक्स ए के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर माइनस तो क्लियर है बात तो आप कहेंगे हाँ जी एकदम क्लियर है इसमें कोई डाउट नहीं है कोई दो राय नहीं है ठीक है अगला पॉइंट यहीं पे क्या है अगर मैं इसकी क्यूब कर देता अगर मैं इसकी क्यूब कर देता क्यूब करता तो क्या आता देखिए एक्स की क्यूब प्लस एक बटे एक्स की क्यूब प्लस थ्री एक्स इंटू वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर क्या होगा ए की क्यूब आता आता है नहीं फिर आप कहते ही जी एक्स से एक्स कट जाएगा और इसका मान कितना है थ्री ए यानी एक्स की क्यूब प्लस एक बटे एक्स की क्यूब प्लस थ्री इंटू ए बराबर आ जाता ए की क्यूब तो यहाँ से मुझे ये बात भी लर्न रखनी है एंड करके लिखेंगे एंड करके कि x की क्यूब प्लस एक बटे एक्स की क्यूब बराबर होगा क्यूब माइनस थ्री ए दो बातें याद रखनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स तो स्क्वायर एक क्या होता है ए स्क्वायर माइनस दो एक्स की क्यूब प्लस एक बटे एक्स की क्यूब क्या होती है ए की क्यूब माइनस थ्री एब मैं एग्जाम्पल लूंगा यहां पर ताकि आप जल्दी जल्दी समझते रहे बात को जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक कि यार एक्स प्लस एक बटे एक्स तीन है तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्ट लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर तीन तिया नौ माइनस दो सात लिख सकता हूं स्क्वायर करके दो घटा देना अगर मैं फिर इसका स्क्वायर करूं तो एक्स की घात चार प्लस एक बटे एक्स की घात चार तो मैं डायरेक्ट कर पाऊंगा कि सात का स्क्वायर उनचास उनचास में से दो घटाऊंगा ये फोर्टी सेवन आ जाए तो ये चीज मुझे डायरेक्ट पता होनी चाहिए ये मुझे डायरेक्ट निकालना आना चाहिए बात क्लियर है कि नहीं कोई बच्चा ऐसा जिसको बात क्लियर ना हो ऐसे होते हैं कई बच्चे बात समझ रहे हैं नहीं जैसे मैं एक एग्जाम्पल क्यूब का भी ले लेता हूँ पहले आप इसकी फोटो ले लीजिए देखिये कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे उनको लग रहा होगा इतनी बेसिक बात क्यों बता रहे हैं बट मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपसे जब मैं आज की क्लास में सवाल पूछूंगा तो आप कर नहीं पाएंगे तो अभी अपनी होशियारी अपने पास रखनी है सवालों में इस्तेमाल करनी है यहाँ कमेंट करने में नहीं ठीक है अभी मुझे सब बच्चों को साथ में लेके चलना है हर बच्चे को सिखाना है समझाना है तो मुझे उस हिसाब से चलना पड़ेगा पढ़ाना पड़ेगा ठीक है क्लियर है बात आगे बढ़ते हैं जैसे एक एग्जाम्पल मैंने इस पर भी ले लिया कि यार एक्स प्लस एक बटे एक्स अगर चार होता एक्स प्लस एक बटे एक्स अगर दो है मान लेते हैं दो दो तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा तीन लिख लेते हैं चार ही लिख लेते हैं अब किसी ने क्यूब पूछ लिया एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब तो मैं बोलूंगा यार चार की क्यूब में से तीन गुणा चार घटा देना है तो आपने का बावन आ गया अब कोई इसकी भी क्यूब कर दे बहुत लंबा एक्स की घात नौ प्लस एक बटे एक्स की घात नौ पूछ ले तो मैं कहूँगा भैया बावन की क्यूब करनी पड़ेगी माइनस तीन गुणा बावन घटाना पड़ेगा ऐसे चलता रहेगा आगे सिक्वेंस ठीक है भाई किसी को डाउट है तो यहाँ तक बताओ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा अब मैं आगे और एक दो बातें लिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें जो लिखी हुई बातें वो अगर आपको याद हो जाएंगी अगर आप उस तरीके से सीख जाएंगे कि आपको डायरेक्ट पता है डायरेक्ट आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो ही आप इस तरीके के सवालों को जल्दी कर सकते हैं अदरवाइज़ नहीं ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं तब आपको पता चलेगा देखिए अब मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ अगला पॉइंट क्या है कि यदि एक्स माइनस एक बटे एक्स दूसरा पॉइंट है जो लर्न रखना है आपको याद रखना है कि यदि x माइनस एक बटे एक्स बराबर ए है तो क्या निष्कर्ष निकलेगा मैंने इसका स्क्वायर कर दिया दोस्त मैंने इसका स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स बराबर ए स्क्वायर तो दो एक्स से एक्स कट गया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि अब अगर माइनस है तो हमें पता होना चाहिए कि दो उधर जाके जुड़ेगा तो क्या होगा ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस दो दो कितना होगा 2. बात खत्म हो जाएगी ठीक है इसके बाद क्या होगा यदि क्यूब कर दें तो एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू एक बटा एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर एक ही क्यूब होगा तो हमने कहा एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब माइनस थ्री इंटू ए बराबर एक की क्यूब यही होगा यही होगा या यह नहीं होगा तो फिर मैंने क्या कहा कि एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब क्या होगी ये भी आपको याद रखना है एंड लगा के लिखेंगे कि x की क्यूब माइनस एक बट एक्स की क्यूब यहाँ पे माइनस आएगा ये मैंने गड़बड़ कर दी देखिए एक बात ध्यान रखना जब a माइनस बी का स्क्वायर करें चाहे a प्लस बी का करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा बट जब a प्लस बी का करेंगे तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब आएगी और a माइनस बी का करेंगे तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा यहाँ पे एक्स की क्यूब माइनस आएगा एक्स की क्यूब माइनस आएगा यहाँ पे तो प्लस ही आया यहाँ पे माइनस आएगा तो कितना आ जाएगा ए की क्यूब प्लस थ्री ए एक क्यूब प्लस थ्री ए एक ये वाली बात याद रखनी है अगला पॉइंट जो याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ अगला पॉइंट जो याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा फिर हम सीधे सवालों की तरफ बढ़ जाएंगे क्या क्या बातें आपको याद रखनी है और क्या क्या नहीं उन सब पे भी चर्चा होगी बहुत गहराई में होगी अच्छे से होगी मिटा देते हैं आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको x की घात पांच प्लस एक बटे एक्स की घात पांच पूछा है तो कैसे निकलता है देखिए पांच मिलेगा जब हम एक्स स्क्वायर और एक्स की क्यूब को गुणा करेंगे तो आप देख लीजिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब से कर दूँ तो क्या मिलेगा आप कहेंगे जी इसकी इससे गुणा होगी एक्स की घाट पाँच इसकी इससे गुणा होगी प्लस एक बटा एक्स इसकी इससे होगी तो प्लस एक्स इसकी इससे होगी तो प्लस एक बटा एक्स की क्यूब पावर फाइव प्लस एक बटा एक्स की पावर फाइव क्लियर है बात या नहीं तो मैंने यही कहा बस मैंने इतनी सी बात कही कि यदि एक्स की घात पांच प्लस एक बटा एक्स की घात पांच निकालना है तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब से करेंगे और देखिए क्या माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस एक बटा इन सब की जरूरत भी आपको पड़ेगी इन सब की जरूरत भी आपको पड़ेगी एक एग्जाम्पल लेके बता दूंगा और एक बता दूंगा कि इसको याद रखेंगे तो भलाई है आपकी इसमें क्या है भलाई कैसे दिखाते हैं। इतना लिख लीजिए आज थोड़ा सा ये थॉटिकल पार्ट ज्यादा है इसको समझने में मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत इरिटेशन होगी बट जब सवालों की खूबसूरती देखेंगे तो फिर मजा भी आ जाएगा बट उसके लिए थोड़ा सा इंतजार रखना पड़ेगा ठीक है जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि अगर किसी ने मुझे दिया हुआ एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर तीन दिया हुआ है और फिर मुझसे पूछा जा रहा है एक्स की घात पांच प्लस एक बटे एक्स की घात पांच बताओ तो मुझे मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे जी तीन का स्क्वायर माइनस दो मैं कहूँगा एक्स की क्यूब प्लस एक बटे एक्स की क्यूब क्या होगा तो आप कहेंगे तीन की क्यूब माइनस तीन गुणा तीन और माइनस आपको पता है एक्स प्लस एक बटा एक्स कितना दिया हुआ है तीन यानी ये कितना आ गया तीन तिया नौ में से दो गए सात गुणा अठारह माइनस तीन एक सौ छब्बीस में से तीन गए एक सौ तेईस तो मैं तो कहूँगा अगर आप ये याद रख लें तो बहुत बेहतर होगा कि यदि x प्लस एक बटे एक्स तीन है तो x की घात पांच प्लस एक बटे एक्स की घात पांच क्या होता है एक सौ तेईस होता है इसको अगर आप कंठस्थ रख लें याद रख लें तो बेहतर होगा ठीक है ऐसे आप पांच का भी याद रख सकते हैं इसको भी लर्न कर सकते हैं रिमेम्बर कर सकते हैं जो भी है कि अगर एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर पांच है तो x की घात पांच प्लस एक बटे एक्स की घात पांच बराबर होता है पच्चीस पच्चीस ये भी आप याद रख सकते हैं किसके बराबर होता है पच्चीस पच्चीस के इसकी भी जरूरत आपको पड़ सकती है ठीक है चलिए इसके बाद आप लिखेंगे इसके बाद आपको लिखना है कि अगर x प्लस एक बटे एक्स बराबर दिया हुआ है ए और आपसे एक्स की घात पांच माइनस एक बटे एक्स की घात पांच पूछ रहे हैं माइनस पूछ रहे एक्स प्लस एक बटे एक्स माइनस एक बटे एक्स की घात पांच पूछ रहे हैं मैं पढ़ूंगा बीच बीच में सायरी भी बच्चों की पढ़ूंगा तो ये होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स की क्यूब माइनस एक बटे एक्स की क्यूब तो कितना आ जाएगा भाई ये गुणा करके ये आ जाएगा माइनस एक बटा एक्स और ये आ जाएगा खाली x तो यही आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की क्यूब माइनस एक बटे एक्स की क्यूब अच्छा दोनों जगह ही माइनस होगा दोनों जगह ही माइनस लगाना पड़ेगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर नहीं नहीं दोनों जगह माइनस लगाना पड़ेगा तब तो प्लस हो जाएगा ना वो सही था पहले सही था और फिर आपको क्या करना पड़ेगा माइनस एक्स माइनस एक बटा एक्स दोनों में से कुछ भी दे रखा हो सकता है आपको हो सकता है ये दिया हो या फिर एक्स माइनस एक बटे एक्स दिया हो दोनों में से कुछ भी दे रखा हो तो भी ये पूछा जा सकता है इतनी सी बात बताने के बाद एक बात और बताऊंगा मैं इतनी सी बात बताने के बाद एक बात और बताऊंगा और फिर सीधे सवालों पे चले जाएंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सीधे सवालों पे चले जाएंगे सीधे सवालों पे जैसे एक बात और क्या सीखनी है कि यदि एक बटे एक्स का x प्लस एक बटे एक्स का स्क्वायर है अगर ये दिया हुआ है ठीक है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर और प्लस दो यही होगा होगा या नहीं मैंने इसको क्या किया मैंने इसको माइनस दो लिखा और प्लस दो लिखा अब मैंने क्या किया इसके बाद इसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस दो प्लस चार प्लस चार ठीक है कितना होगा प्लस चार तो उसके बाद कितना होगा एक्स माइनस एक बटे एक्स का स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस एक बटे एक्स का स्क्वायर प्लस चार बात क्लियर है या नहीं बोलो जी बात क्लियर है कि नहीं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं मैं आपको क्या याद कराना चाहता हूं मैं याद कराना चाहता हूं कि बेटा कभी अगर आपसे x प्लस एक बटा एक्स पूछे तो आप कैसे निकालोगे अंडर रूट के अंदर x माइनस एक बटे एक्स माइनस एक बटे एक्स का स्क्वायर प्लस चार ठीक है उसके बाद x माइनस एक बटे एक्स अगर दे रखा हो तब क्या होगा तब होगा का स्क्वायर इतनी बात लिख लीजिए अब बस सवालों पे आते हैं डायरेक्ट तो आगे बढ़ते हैं चलिए अब सवालों पे आते हैं डायरेक्ट और एक सवाल मैं पहले आपसे पूछता हूं खुद से कि भाई मैंने एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा कि यदि एक्स माइनस एक बटे एक्स दो दिया हुआ है दो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर क्या हो अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर दे रखा है तो मैं इसका फैक्टर कर रहा हूं एक्स प्लस एक बटा एक्स और एक्स माइनस एक बटा एक्स मैंने आपको बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर होते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी होते हैं नहीं तो हमने इसके फैक्टर कर दिए एक्स प्लस एक बटा एक्स और एक्स माइनस एक बटा एक्स एक्स प्लस एक बटा एक्स और एक्स माइनस एक बटा एक्स ठीक है यही फैक्टर हो गए तो मैंने यहां से एक्स प्लस एक बटा एक्स निकाला मैंने यहां से एक्स प्लस एक बटा एक्स निकाला तो क्या आ गया अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस एक बटे एक्स का स्क्वायर और प्लस फोर यही बताया था अभी प्लस चार तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा तो यह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस एक बटे एक्स का स्क्वायर दो का स्क्वायर प्लस चार यानी ये आ गया अंदर का मतलब टू अंडर रूट टू क्या लिख दिया हमने इसको टू अंडर रूट टू तो मैंने यहां पे put कर दिया कि ये तो आ गया टू अंडर रूट टू और ये कितना दिया हुआ था दो तो इस सवाल का उत्तर कितना आ गया फोर रूट टू फोर रूट टू आ गया मैं ऐसा ही कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसा ही कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं उसके बाद हम कठिन सवालों की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि देखिए ये इसपे बहुत कठिन कठिन सवाल बन सकते हैं बहुत बड़े बड़े सवाल बन सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं सवाल क्या कह रहा है कि x की घात 16 प्लस एक बटा एक्स की घात 16 बराबर दो अंडर रूट दस है तो x की घात 48 माइनस एक बटे एक्स की घात 48 क्या होगी x की घात 48 माइनस एक बटे एक्स की घात 48 क्या होगी ये आपको बताना है यहाँ पे एक सीधी सीधी सी बात है कि अगर मैं x की घास सोलह को t एजूम कर लूँ t क्योंकि सोलह पावर बहुत ज्यादा है तो आपने कहा सवाल तो बड़ा नॉर्मल सा है गुरु जी की टी प्लस एक बटा टी जो है वो दो रूट दस दे रखा है और अगर मैं यहाँ पे भी सोलह को टी मानूंगा इसका मतलब ये टी की क्यूब होगी सोलह ती अड़तालीस एक बटे टी की क्यूब टी की क्यूब माइनस एक बटे टी की क्यूब क्या होगी ये आपको बताना है ठीक है तो टी की क्यूब माइनस एक बटे टी की क्यूब होगी ठीक है तो फिर मैंने ये कहा कि अगर टी प्लस एक बटा टी दो रूट दस दे रखी है अगर टी प्लस एक बटा टी दो रूट दस दे रखी है तब टी माइनस एक बटा टी क्या होगी बराबर होगा अंडर रूट के अंदर टी प्लस एक बटे टी का स्क्वायर चालीस इसका स्क्वायर चालीस होगा माइनस चार छत्तीस छत्तीस किसके बराबर होगा किस छ के, के बराबर होगा बोलो छत्तीस किसके बराबर होगा छ के बराबर होगा तो टी प्लस एक बटा टी देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक्स की घास सोलह प्लस एक बटा एक्स की घास सोलह दिया हुआ था तो मैंने बेसिकली x की घात सोलह माइनस एक बटे एक्स की घात सोलह निकाल लिया क्योंकि मैं जानता हूं अब ये निकालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है मैं सीधे क्या करूंगा मैंने पढ़ा है एक की क्यूब यानी छह की क्यूब प्लस तीन गुणा छ ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं जो बच्चा अभी जुड़ा है हो सकता है उसको समझ ना आए बट मैं ये पढ़ा चुका हूं कि छ की क्यूब प्लस तीन गुणा छी ती अठारह और दो सौ सो सोलह दो सौ सोलह और अठारह कितना होगा दो सौ चौंतीस यही सवाल का उत्तर हो आप में से अगर कोई भी महानुभाव हैं जिनका इस सवाल का उत्तर नहीं आया इस सवाल को देखिए पेपर में आया हुआ सवाल है सवाल क्या कह रहा है ये कह रहा है कि x प्लस एक बटा एक्स एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर अंडर रूट तेरह है तो x की घात पांच माइनस एक बटे एक्स की घात पांच क्या होगा ये बताना है अब ये मुझे निकालना है तो मैंने आपको बताया कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स की क्यूब माइनस एक बटे एक्स की क्यूब माइनस एक्स माइनस एक बटे एक्स एक ही निकालना पड़ेगा यह कैसे निकलता है अंडर रूट के अंदर फिर से लिख देता हूं अगर कोई नमूना नया जोड़ा है हमारे साथ तो कि एक्स प्लस एक बटे एक्स का स्क्वायर माइनस चार यानी यह कितना आएगा अंडर रूट के अंदर तेरह माइनस चार नौ नौ चारंडर रूट कितना होगा तीन नौ का अंडर रूट कितना होगा तीन ये बात क्लियर है बिल्कुल क्लियर है।, है बिल्कुल क्लियर है तीन ठीक है तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर अगर निकालना होगा तो तीन का स्क्वायर प्लस टू होगा ग्यारह आ जाएगा अगर x की क्यूब माइनस एक बटे एक्स की क्यूब निकालना होगा तो ये भी तीन की क्यूब प्लस तीन गुणा तीन आ जाएगा यानी छत्तीस आ जाएगा तो दोनों चीजें जब हमने निकाल दी तो ये इस सवाल का उत्तर आ गया ग्यारह गुणा छत्तीस माइनस तीन यानी कि थ्री नाइनटी सिक्स में से तीन जाएंगे थ्री नाइनटी थ्री आप में से कोई बच्चा इस सवाल का उत्तर निकाल पाया अच्छा आप कुछ सवाल दिखाता हूँ आपको सीपीओ 2019 में आए हुए कुछ सवाल आपके सामने रखता हूँ रखता क्या हूं? फेंकता हूं आप देखिए बड़ा आपको मजा आएगा दोस्त ये आप सवाल देखिए ये सवाल सीपीओ 2019 में आया है ये देखिए देखिए लीजिए अब क्या है बताने के लिए हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस एक बटे अंडर रूट एक्स बराबर तीन अंडर रूट एक्स प्लस एक बटे अंडर रूट एक्स बराबर तीन एक्स बड़ा है जीरो से देख एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सैतालीस क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सैतालीस क्या होगा बताइए अंडर रूट एक्स प्लस एक बटे अंडर रूट एक्स बराबर तीन एक्स बड़ा है जीरो से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी सेवन आपको बताना है देखिए बड़ा सिंपल है कुछ करना नहीं होता खास देखिए बड़ा सिंपल है मैं समझ जाता हूँ कि यार पहले तो इसका स्क्वायर करके मुझे इस फोर्टी सेवन पर फोकस करना है मुझे फोर्टी सेवन निकालना है कि क्या होगा ठीक है तो कैसे निकालूंगा मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आएगा एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर तीन का स्क्वायर माइनस दो बराबर कितना आ गया सात तीन का स्क्वायर माइनस दो बराबर कितना आ गया सात तीन या नौ में से दो गए सात फिर मैंने दोबारा स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा तो सात का स्क्वायर माइनस सतो सतो उनचास में से दो गए कितना बच गया सैतालीस अब देखिए हम गए तो सैतालीस का मान निकालने के लिए थे बट हमें डायरेक्ट ही पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस सैतालीस का मान क्या है या आप डायरेक्ट भी यहां रख सकते हैं कि भैया एक्स स्क्वायर ठीक है और सैतालीस का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर तो आप पाएंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ये कितना आ गया माइनस वन क्योंकि लास्ट में क्या होगा फिर इस एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा तो सोचिए ऐसे सवाल पेपर में देखने को मिल रहे हैं ये छोटी बात नहीं है बड़ी बात है कि अंडर उ एक बटे अंडर उगर तीन के बराबर है और इस तरीके की गंदी चीजें हमसे पूछी जाती हैं सीपीओ 2019 में पूछा हुआ सवाल है मेरा इसमें कोई रोल नहीं है एक और सवाल अब मैं आपसे ऐसा ही पूछता हूं एक और सवाल जो मेंस 2017 में पूछा गया मेंस 2017 में पूछा गया आप वाकई में बहुत अच्छे आंसर बता रहे हैं था था तो स्क्वायर स्क्वायर पूछा िस का मान निकाल के रख दिया देखिए जब भी आप ऐसा सवाल देखेंगे सैतालीस छियालीस पैंतालीस तो आप समझ जाएंगे कि आपको करना कुछ नहीं है बस वैल्यू निकाल के रखनी देखिए क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो पावर नाइन प्लस एक्स की पावर सेवन माइनस वन नाइनटी फोर एक्स की पावर फाइव माइनस वन नाइनटी फोर एक्स की क्यूब बतानी है ये सवाल सन 2014 मेंस 2017 मेंस में पूछा गया जब पेपर ही नहीं भूचाल सा आया था जब सबसे कठिन पेपर आया था तब ये सवाल पूछा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो देन फाइंड एक्स की पावर नो देखिये मैं समझ गया आप कि ये जो एक है ना असली जड़ यही है सवाल की अगर मैं इसका मान निकाल गया तो समझ लो उत्तर मेरे कदमों में होगा तो मैंने कहा ठीक है कैसे निकालूंगा पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ एक्स से डिवाइड करके इसको एक्स से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर चार देखिए जब x से इसको डिवाइड करूंगा तो ध्यान से समझिए x बचेगा इसको एक को करूंगा तो एक बटा एक्स बचेगा और चार एक्स को करूंगा तो चार बचेगा और चार बराबर में आ जाएगा ठीक है x प्लस एक बटा एक्स कितना आ जाएगा चार बात क्लियर है अब मैंने कहा अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकता हूं चार चौक सोलह में से दो गए चौदह बचेगा भाई स्क्वायर करके दो घटाना होता है स्क्वायर करके दो घटा दिया फिर वापस इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा एक्स की घात चार प्लस एक बटे एक्स की घात चार बराबर होगा चौदह का स्क्वायर माइनस दो चौदह का स्क्वायर माइनस दो तो ये कितना आएगा वन नाइन्टी फोर एक्स की पावर फोर प्लस एक बटे एक्स की पावर फोर बराबर कितना आ जाएगा वन नाइनटी फोर बोलो क्लियर है कि नहीं आपको अगर किसी को भी क्लियर नहीं है कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है कह सकता है हमें ठीक है तो हमने क्या कहा कि ये कितना आ गया 194 आ गया इज इट क्लियर ठीक है भाई अब मैंने 194 जब निकाल दिया तो मैं समझ गया कि अब 194 का वैल्यू उठा के मुझे इधर रखना है तो रख देता हूं देखिए ग्रीन कलम से कैसे x की घात इट इज है x की घात इट इज है माइनस 194 की जगह कितना रखते हैं x की पावर 4 प्लस एक बटे एक्स की पावर फोर इंटू एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स की पावर फोर प्लस एक बटे एक्स की पावर फोर इंटू एक्स की क्यूब ठीक है एक्स की घात नौ प्लस एक्स की घात सात माइनस एक्स की पावर फोर प्लस एक बटे एक्स की पावर फोर इंटू एक्स की पावर फाइव बात क्लियर है मैंने कहा ठीक है बिल्कुल क्लियर है तो जब आपने अब ये गुणा किया जब आपने इसको गुणा किया तो ये आ गया एक्स की घात नौ प्लस एक्स की घात सात माइनस एक्स की घात नौ माइनस एक्स माइनस एक्स की घात सात माइनस एक बटे एक्स यही होगा या नहीं होगा बोलो होगा तो आपने कहा हाँ जी यही होगा तो हमने क्या कहा हमने कहा ठीक है भाई यही होगा तो x की घात नौ से x की घात नौ x की घात सात से x की घात सात कट गया बचा कितना x प्लस एक बटा एक्स यही बच गया और अगर x प्लस एक बटा एक्स बच गया तो x प्लस एक बटा एक्स किसके बराबर है चार की तो मैंने लिख दिया माइनस फोर यही सवाल का उत्तर है। ये सवाल देखिए। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो है फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्या होगा देखिए ये सवाल है तो इसी कंसेप्ट बेस्ड कि पहले आप एक्स से भाग करो ठीक है एक्स स्क्वायर है सॉरी माफी चाहूंगा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर है देखिए एक तो आप चाहोगे कि एक्स से आप डिवाइड कर दो पहले पूरे को अगर आपने एक्स से डिवाइड कर दिया तो एक्स प्लस एक बटा एक्स तीन आ जाएगा उसके बाद आप ये निकालो ये निकालो एक तरीका तो ये है बाकी एक तरीका और भी बहुत अच्छा हमने इसका निकाल रखा है इस सब सिर्फ इसी सवाल को करने का कि अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर हमें यहाँ से पता लग जाता है कि एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर कितना है थ्री एक्स माइनस वन है बात क्लियर है या नहीं आपने कहा अगर एक्स स्क्वायर थ्री एक्स माइनस वन है तो हम यहाँ पे रख देते हैं थ्री एक्स माइनस वन का मतलब ये हो थ्री एक्स माइनस फाइव हो जाएगा ये थ्री एक्स माइनस फाइव हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को गुणा कर लेता हूं तो ये आएगा भाई नाइन एक्स स्क्वायर पांच टिया पंद्रह एक्स चारिया बारह एक्स माइनस एक्स प्लस बीस आएगा आप गुणा कर लीजिए आप देखेंगे कि जब आप गुणा करेंगे और नौ इसमें से कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस बीस बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस बीस बचेगा और कोरिया का बच्चा भी यहां से देखकर बता देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स का मान कितना है माइनस एक यानी ये कितना आ जाएगा माइनस नौ प्लस बीस बराबर ग्यारह मैं एक और ऐसा सवाल लेता हूं और उस सवाल को दूसरे वाले तरीके से बता दूंगा तो आपको और अच्छा लगेगा उस सवाल को दूसरे वाले तरीके से बता दूंगा तो आपको और अच्छा लगेगा आज की क्लास के बाद लगभग हम आपको आज की क्लास के बाद लगभग हम आपको 35 से 40 सवाल देंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं अगर आप चाहते हैं कि हर तरीके का रिसेंट एग्जाम में आया हुआ हर सवाल ठीक हो आपका आपको उसकी आदत पड़ जाए तो आपको इतना करना पड़ेगा ठीक है बोलो भाई क्लियर है किसी बच्चे को कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा है तो बताइए मैंने कुछ नहीं किया मैंने सीधे एक्स स्क्वायर का मान निकाल के थ्री एक्स माइनस वन यहाँ रख दिया ये इसका दूसरा तरीका भी है वो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ अगले सवाल पे अगले सवाल पे दूसरा तरीका बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ आएगा देखिए अगला सवाल ये है सेम सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो है तो एक्स की घात माइनस तीन माइनस नौ का स्क्वायर बताइए क्या होगा एक्स की घात तीन माइनस नौ का स्क्वायर बताइए क्या होगा बड़ा कमाल का सवाल इन्होंने पूछा देखिए बड़े प्यार से देखना होगा बहुत प्यार से इतने प्यार से आप सोच नहीं सकते मैंने कहा पहले इसका इस स्क्वायर खोलूं तो क्या मिलेगा आपने कहा एक्स की घात छ माइनस नौ दूनी अठारह एक्स की क्यूब और प्लस इक्यासी यही मिलेगा आपका इंटेंशन क्या है इस वक्त आपका इंटेंशन ये है कि मुझे किसी भी तरीके से इसका मान पता लग जाए मुझे किसी भी तरीके से इसका मान पता लग जाए कि एक्स की घात 6 माइनस अठारह एक्स की क्यूब प्लस इक्यासी क्या होगा ठीक है तो अब बात क्या आएगी तो हमने कहा पहले हम इसको एक से डिवाइड कर लेते हैं कि एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर तीन आ जाएगा बोलो x प्लस एक बटा एक्स बराबर तीन आ जाएगा या नहीं बिल्कुल आ जाएगा x प्लस एक बटा एक्स तीन तो मैंने स्क्वायर किया इसका तो मैंने कहा स्क्वायर से काम नहीं चलेगा क्यूब करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि हमें क्यूब ही चाहिए एक्स की क्यूब एक्स की क्यूब का स्क्वायर चाहिए तो मैंने इसकी क्यूब की तो पता चला एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब कितना आएगा तो आप कहेंगे जी ये आ जाएगा तीनतिया नौतिया सत्ताईस तीन की क्यूब माइनस तीन गुणा तीन यानी ये कितना आ गया अठारह आ अगर एलसीएम ले लूं तो आप देख रहे हैं एक्स की घाट क्यूब है है या नहीं बोलो है या नहीं आप मुझे बताओ अब आप यहां पे क्या बोलोगे अब आप यहां पे कहोगे कि यार एक्स की घात छ माइनस अठारह एक्स की क्यूब माइनस एक आ रहा है मैंने आपको पहले ही ये बात कह दी थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस सवाल में मुझे बस यही चाहिए कि x की कहा 6 माइनस अठारह एक्स की क्यूब कितना आएगी तो आपने कहा माइनस एक इसका मतलब इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा अस्सी अस्सी इस सवाल का उत्तर आ जाएगा अस्सी क्या आ जाएगा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा बात खत्म अच्छा देखिए अब आपको ये वाली बात भी समझनी है इस वाली बात पे भी हमें आना पड़ेगा किस बात पे देखो ये मैं मिटा दूं आगे बढ़ जाऊं इसको मिटा के अब मैं ये कह रहा था कि जैसे किसी ने अगर मुझे दे रखा है कि यार x की चार प्लस एक बटे x की घात घात है है, और a दे रखा इसका अंडर रूट ले रहा हूं कि मैं दो जोड़ के और उसका ले लूंगा। अगर मुझे यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर निकालना होता तो मैं क्या करता दो घटा के अंडर रूट ले लेता बात वही है तो अब मुझे ये वाली चीज भी समझनी पड़ेगी अभी तक मैंने समझा कि स्क्वायर से पावर फोर कैसे लानी है या मैंने अभी समझा कि नॉर्मल से स्क्वायर सेक्स प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर एम निकल गया और कोई मुझे पूछे कि यार एक्स प्लस एक बटे एक्स बताओ तो मैं बता दूंगा मैं कहूंगा प्लस पूछा है तो एम में दो जोड़ के अंडर रूट और अगर माइनस पूछा है तो एम में से दो घटा के अंडर रूट तो ये चीज भी मुझे डायरेक्ट करनी आनी चाहिए कोई बड़ी चीज नहीं है देखिए दो जोड़ दिया स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट तो लेना बनता ही था है कि नहीं तो कोई नई चीज तो है नहीं कि जो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि नई चीज पूछ ली मैंने सवाल देखो पी की घात चार प्लस एक बटे पी की घात चार बराबर सैतालीस है पी की घात चार प्लस एक बटे पी की घात चार बराबर सैतालीस है आपको बताना है कि टू पी माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा टू पी माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा ये आपको बताना है चलिए आगे बढ़ते हैं। कि p की घात चार प्लस एक बटे पी की घात चार बराबर सैतालीस देन फाइन टू पी माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा देखिए मैंने कहा कि अगर मुझे यहां से पी स्क्वायर प्लस एक बटे पी स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूंगा दो जोड़ूंगा और कितना आ जाएगा अंडर रूट फोर्टी यानी कि सेवन दो जोड़ा मैंने दो जोड़ना था मुझे फिर मैंने कहा अगर मुझे अब क्या चाहिए देखिए अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए तो आपने कहा स्क्वायर कर दीजिए फोर पी स्क्वायर माइनस तीन दूनी छः दूनी बारह पी प्लस नौ यानी कि अगर मैं चार कॉमन ले लूँ तो मुझे बेसिकली पी स्क्वायर माइनस चाहिए प्लस मुझे क्या चाहिए पी स्क्वायर माइनस चाहिए तो मैंने कहा अगर मैं वापस दो जोड़ूँ तो यहाँ से पी प्लस एक बटा पी निकाल सकता हूँ तो आप कहोगे दो जोड़ के फिर अंडर रूट लेना है यही तो सिखाया अभी आपको तो तीन आ गया अब मैंने देखा कि अगर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें तो ये आ रहा है पी स्क्वायर प्लस वन बटे पी बराबर थ्री यानी कि पी स्क्वायर प्लस वन बराबर थ्री पी तो यहाँ से कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि पी स्क्वायर माइनस थ्री पी का मान क्या होगा ये पी अंदर रह गया है मिस हो गया था कि पी स्क्वायर माइनस थ्री पी का मान कितना आएगा माइनस वन प्लस फोर नौ में से चार गए कितना आ गया पांच यही सवाल का उत्तर नौ में से चार गए कितना आ गया पांच यही सवाल का उत्तर है अगर किसी भी बच्चे को इसमें डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है देखिए एक बात और अब आपको यहाँ पे समझनी होगी एक बात और समझनी होगी कि कई बार तो डायरेक्ट दे देता है एक्स प्लस एक्स की घात तीन प्लस एक बटे एक्स की घात तीन बट कई बार डायरेक्ट नहीं देता तब हम किस तरीके की अप्रोच लगाएंगे तब हम सवाल को कैसे करेंगे तो मैं दो अप्रोच बता रहा हूँ उस तरीके के सवाल को करने की मजा आएगा आपको जान के पहले इसको लिख लीजिए इसका स्क्रीन ले लीजिए ये देख लीजिए ये सवाल देख लीजिए कि इस टाइप के सवाल को करने की क्या अप्रोच तो दो अप्रोच बता रहा हूं पहली और दूसरी दोनों ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो लेकिन अगर दोनों में से एक आएगी तो सारे सवाल नहीं होंगे अगर दूसरी एक आएगी तो सारे हो जाएंगे वो मेरी खुद की अप्रोच है तो पहले तो मैं बता रहा हूं नॉर्मल अप्रोच फिर मैं इसकी अच्छी वाली अप्रोच बताऊंगा जिसमें आपको मजा भी आएगा कैसे देखिए पहली अप्रोच तो ये है कि लड़के क्या करते हैं एक्स प्लस तीन को टी ती मान लेते एक्स प्लस तीन को क्या कर लिया टी तो यहां से एक्स कितना आ गया टी ती माइनस तीन आ गया और आपको ये भी पता लग गया कि जब x प्लस तीन को t माना है यानी कि अब t की क्यूब प्लस एक बटा टी की क्यूब निकालना है तो बच्चा ये भी समझ जाता है कि अगर t की क्यूब प्लस एक बटा टी की क्यूब निकालना है तो अगर t प्लस एक बटा टी मिल गया तो बात बन जाएगी भाई अगर t प्लस एक बटा टी मिल गया तो बात बन जाएगी मैंने कहा ठीक है बन जाएगी तो आपने x को t माइनस थ्री रखा तो मैंने कहा t माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टी माइनस थ्री बराबर कितना है पाँच टी माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टी माइनस थ्री बराबर कितना है पाँच इज इट करेक्ट तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल करेक्ट ठीक है, है तो फिर मैंने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस नौ माइनस सिक्स टी प्लस टी माइनस थ्री बराबर पाँच तो ये आ गया टी पांच टी प्लस एक बराबर जीरो बच्चे ने टी से भाग कर दिया तो टी माइनस पांच प्लस एक बटे टी बराबर जीरो तो टी प्लस एक बटे टी कितना आ गया आपने कहा जी पांच आ गया टी प्लस एक बटे टी कितना आ गया पांच मैंने कहा अगर टी प्लस एक बटा टी पांच है तो टी की क्यूब प्लस एक बटा टी की क्यूब कितना होगा पांच की क्यूब माइनस तीन गुणा पांच बराबर एक सौ दस इसका उत्तर है अच्छा इसी सवाल को अब मेरा तरीका क्या कहता है कि कैसे करना चाहिए थोड़ा हो सकता है कि वो आपको समझ ना आए या मुश्किल पड़े समझना बट समझना पड़ेगा मैं दिखाता हूं कि क्या तरीका है मेरा इसको फटाफट से नोट कर लीजिए इस तरीके में हमने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया हमने बस कहा कि मैं एक्स प्लस टीन को टी मान लेता हूं मैं क्या करता हूँ x प्लस तीन को t मान लेता हूँ तो वहाँ से x कितना आ गया t माइनस थ्री जैसे ही टी माना तो मुझे पता चल गया कि टी की क्यूब प्लस एक बटा टी की क्यूब मुझसे पूछी है अगर टी की क्यूब प्लस एक बटा टी की क्यूब मुझसे पूछी है तो मुझे t प्लस एक बटा टी की तलाश थी और वो मैंने निकाल लिया जैसी वो तलाश पूरी हुई उत्तर भी आ गया अब इस सवाल को करने का दूसरा तरीका बताता हूँ इस सवाल को करने का दूसरा तरीका बताता हूँ बेस्ट क्या है देखो कि अब मेरी अप्रोच ये है अब मेरी अप्रोच ये है कि मैं डायरेक्ट x प्लस तीन प्लस एक बटा एक्स प्लस तीन निकाल दूँ यानी कि अगर मैं डायरेक्ट यही निकाल दूं x प्लस तीन प्लस एक बटा एक्स प्लस तीन तो भी बात बन जाएगी तो मैंने कहा देखते हैं ये कैसे निकलेगा तो आपने कहा अगर आप चाहते हो कि x स्क्वायर वाली टर्म से x कॉमन लेने पर x प्लस तीन आए तो यहाँ तीन एक्स लिख लो हमने लिख लिया तीन एक्स तो अगर हम तीन एक्स लिख रहे हैं तो इधर भी क्या होगा दो एक्स जोड़ना पड़ेगा इसका मतलब मैंने दो एक्स जोड़ा है तो मैंने कहा मैं ये चाहता हूं कि x कॉमन लूं तो x प्लस तीन आ रहा है मैंने कहा मैं ये चाहता हूं यहां से दो कॉमन लूं तो x प्लस तीन आए तो आपने कहा इधर छ लेना पड़ेगा फिर माइनस एक करना पड़ेगा यानी पाँच को छह बनाना है तो माइनस एक करना पड़ेगा अब आपने क्या किया कि इसको एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स एक्स प्लस तीन बराबर दो कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस तीन और माइनस एक अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया एक्स प्लस तीन से तो ये आ गया एक्स बराबर दो माइनस एक बटे एक्स प्लस तीन अब मैं ये चाहता हूं कि इधर भी एक्स प्लस तीन हो तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्स प्लस तीन और इसको इधर लेके आऊंगा एक बटे एक्स प्लस तीन तो आप कहेंगे कि मैंने दोनों तरफ तीन जोड़ दिया टू प्लस तीन बराबर पाँच कितना है टू प्लस तीन बराबर पांच एक्स प्लस तीन प्लस एक बटे एक्स प्लस तीन बराबर दो प्लस तीन बराबर पांच ठीक है क्लियर है बात तो मैंने कहा अगर ये पांच है तो क्या होगा पांच की क्यूब माइनस तीन गुणा पांच तो ये आ जाएगा एक सौ दस यही सवाल का उत्तर है। यही इस सवाल का उत्तर है एक्स प्लस तीन प्लस एक बटे एक्स प्लस तीन कितना आ जाएगा एक सौ दस बात दो हजार सत्रह में ये सवाल पूछा गया इसमें कोई और मेथड लग ही नहीं सकता आप कर ही नहीं पाओगे इस सवाल को अगर मैंने दूसरा मेथड ना बताया होता आप देख लो ट्राई करके ये लो। आप ट्राई करके देख लो भाई होगा ही नहीं आपसे एक्स की क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस उन्नीस बराबर छ एक्स माइनस वन देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स माइनस फोर क्या हुआ ठीक है तो अब आप देखेंगे कि यार एक्स स्क्वायर है ठीक है एक्स माइनस चार है तो मैं समझ गया कि इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है तो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर कॉमन कितना आया अंदर एक्स माइनस चार मैंने कहा अगर इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए तो आप कहेंगे जी उन्नीस और छह पच्चीस होगा और माइनस का छ एक्स बराबर जीरो तो हम फिर समझ गए कि यार एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस चार है अगर आप यहाँ पे माइनस छ कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस चार बना सकते हैं आप देखेंगे छह चौक चौबीस का आपने इस्तेमाल कर लिया बचा कितना सिर्फ एक बराबर जीरो यही बचेगा बताइए अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा था तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप इस बदतमीज को उदर ले जाते छ और ये एक्स माइनस वन था तो ये एक्स माइनस चार बनाता मैं और प्लस वन हो जाता आप चाहो तो चेक कर लो कि छ चौक चौबीस और एक पच्चीस और उन्नीस जब इधर जाएगा तो भी क्या बनेगा पच्चीस बोलो बनेगा नहीं बनेगा तो छ चौक चौबीस उन्नीस उधर जाएगा तो माइनस का पच्चीस बनेगा माइनस का पच्चीस बनेगा तो माइनस का एक आएगा क्लियर है बात बोलो अरे भाई इसे लिख लेंगे छ एक्स माइनस छ उन्नीस इधर जाएगा तो छह एक्स माइनस पच्चीस फिर इसको लिखेंगे छ एक्स माइनस चौबीस माइनस एक इतना भी नहीं समझ पाते क्या धागो क्या अब मैंने कहा कि इसको डिवाइड कर लो x माइनस फोर से इसको डिवाइड कर लो x माइनस फोर से तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर बराबर छ माइनस एक बटे एक्स माइनस फोर यही आएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स माइनस फोर बराबर छः और यही इसका उत्तर था तो अगर आप ये सवाल करने जाते तो इसमें कोई तरीका नहीं लगेगा आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि आप x माइनस चार को t मान लें सवाल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप x माइनस चार को t मानते हैं तो सवाल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा इस सवाल में आपको यही तरीका फिट बैठाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा अगर कोई डाउट है तो बताइए यहां तक यह सवाल देखिए आप यह सवाल देखिए सवाल यह है x- माइनस ए ही है दोनों जगह x- माइनस ए ही है अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पे कितनी इक्वेशन है तो बच्चा कहेगा जी यहां पे इक्वेशन दो है दो है कौन कौन सी एक ये बराबर और एक ये फिर मैं कहूंगा वेरिएबल कितने हैं तो बच्चा कहेगा वेरिएबल तीन है एक्स ए और बी तो मैंने कहा ऐसा करते हैं किसी एक वेरिएबल को जीरो कर देते हैं आपने कहा बिल्कुल कर दो ए बराबर जीरो कर दे जैसे ही मैंने ए बराबर जीरो किया तो सवाल पता है कितना रह गया एक्स की क्यूब माइनस एक बटे एक्स की क्यूब रह गया पहली वाली इक्वेशन क्या होगी एक्स को जीरो करने पर तब तो आप कहेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस एक। तो मैं इस x को अगर उधर ले जाऊं तो x माइनस बी बराबर एक बटा एक्स यानी मुझे पता लग गया कि x माइनस एक बटा एक्स बी के बराबर है मैंने कहा b क्या है तो कोरिया का बच्चा बोलेगा कि जब a को जीरो मान लिया तो b तो यहां से पांच ही आ गया पांच रख दिया अब आप देखिए सवाल कितना आसान बन गया कि x माइनस एक बटे एक्स पांच है और क्यूब बतानी है तो क्यूब क्या होगी पाँच की क्यूब और माइनस वाला है तो प्लस होगा थ्री इन फाइव कितना आ जाएगा वन फोर्टी यही सवाल का उत्तर है वन फोर्टी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्स प्लस एक बटा एक्स के चल रहा है पेपर से पहले सिलेबस खत्म करना है एल्जबरा का मतलब क्या होता है बीज एल्जबरा का मतलब क्या होता है बीजगणित ठीक है तो बात क्या है कि जैसे x प्लस एक बटे एक्स अगर बहुत ध्यान से समझना मैं एक ही बार में सारी बातें बता देता हूं x प्लस एक बटे एक्स अगर दो है तो इसका मतलब होता है x बराबर वन तो इसका मतलब क्या होता है x बराबर वन यदि x प्लस एक बटे एक्स दो है तो x बराबर वन होता है ठीक है दूसरी बात अब ये कैसे आता है मैं जल्दी से बता देता हूँ देखिए जब आप ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स बराबर दो होगा तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टू एक्स तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो तो x कितना आ जाएगा वन x वन आ जाएगा पहली बात तो मैंने ये बताई दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ दूसरी बात ये है कि यदि x प्लस एक बटे एक्स माइनस एक है x प्लस एक बटे एक्स माइनस दो है जल्दी से हम सवाल भी बहुत फास्ट फास्ट करेंगे सारे सवाल क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है x प्लस एक बटे एक्स बराबर माइनस दो है तो x कितना आ जाएगा माइनस एक एक्स माइनस एक आ जाएगा इसका प्रूफ भी जल्दी से बता देता हूं आप देखेंगे कि इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स बराबर माइनस दो ये लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर माइनस टू एक्स इसको जब इधर लेके आएंगे तो एक्स प्लस एक का स्क्वायर बराबर जीरो एक्स कितना आ जाएगा माइनस यानी मैंने दो बातें आपको बताई एकदम कंठस्थ कर लीजिए याद कर लीजिए रट लीजिए सवाल घुमा फिरा के बहुत आ, आ सकता है आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी आसान बात है बट जब मैं सवाल दिखाऊंगा आप देखेंगे कि कितनी तरीके से घुमा फिरा के सवाल इस पे आ सकता है तो देखिए पहला क्या था कि x प्लस एक बटे एक्स अगर दो है तो x का मतलब एक होता है x प्लस एक बटे एक्स माइनस दो है तो x बराबर माइनस एक होता है अब आप सवाल देख लीजिए इस पर कितनी तरीके से घुमा फिरा के कैसे आ सकता है इन दो बातों पे। सिर्फ दो बातें अभी तक बताई हैं कि x प्लस एक बटे एक्स दो है x प्लस एक बटे एक्स माइनस दो है तो सवाल क्या क्या आ सकता है देखिए फटाफट फटाफट से पहला सवाल देखिए बहुत खूबसूरत सवाल है बहुत खूबसूरत है ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर दो है इस बार देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर दो है कौन इस सवाल का उत्तर सबसे जल्दी बताएगा वो लड़का हमारा अपना हो जाएगा जल्दी बताओ जल्दी फास्ट ठीक है तो देखिए क्या था ध्यान से देखेंगे कि अगर एक्स प्लस एक बट एक्स दो हो तो मैं कहता हूं एक्स वन होगा बट यहां एक्स स्क्वायर है तो मैं बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर वन होगा देखिए अगर एक्स स्क्वायर वन है तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि एक्स के दो मान होंगे एक्स बराबर प्लस माइनस एक जो नहीं जानता उसका इलाज बता देता हूं वो वन को इधर लेके जाएगा वो लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो फिर इसके फैक्टर करेगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो यहां से एक्स के दो मान निकल के आएंगे माइनस एक और एक और आप समझ भी रहे हैं कि या तो एक रख लीजिए तो भी दो आएगा माइनस एक रख लीजिए तो भी दो आएगा अब दिक्कत क्या है कि सवाल में बोला हुआ है कि एक्स छोटा है जीरो से अब हम तो इस बात को ध्यान देते नहीं हम तो एस एस सी के लौंडे हैं हम क्या करते हैं कभी ब्रैकेट में देखते ही नहीं क्या लिखा है हमें तो बस वन सेटिस्फाई सीधे वन डाला उत्तर माइनस एक बता दिया जबकि गलत है उत्तर क्या आएगा यहां पे एक्स का मान क्या है माइनस एक है क्योंकि एक्स छोटा है जीरो से माइनस एक की पावर चार करूंगा तो एक आएगा ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस एक एक से एक कट गया उत्तर कितना आ गया एक उत्तर प्लस का एक आ रहा है और आप क्या निकाल रहे थे माइनस का एक, इतना आसान सवाल है कि एक्स एक बटे एक्स अगर दो है इसका मतलब है एक्स कितना हो गया वन। एक्स अगर वन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वन वन माइनस टू माइनस वन की पावर सत्र किसी की भी पावर ऑड हो तो माइनस एक ही आएगा यही इसका उत्तर है ऐसे सवालों पर ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा बस दिखा दूंगा कि ऐसे सवाल भी पेपर में बन सकते हैं कि एक्स प्लस एक बटे एक्स दो तो x हो गया वन वन यहाँ पे सीधे रखा उत्तर आ गया माइनस वन इनको बाद में देख लेना ठीक है इन सवालों को बाद में देख लेना ये सवाल देखो जरा एक्स प्लस सोलह बटा एक्स बराबर आठ तो कई बार x की वैल्यू पता नहीं चलती कई बार x की वैल्यू पता नहीं चलती तो हमारी कोशिश होती है हमको समझ में नहीं आया एक लड़का कह रहा है समझना पड़ेगा ऐसे ही समझ में नहीं आएगा समझना पड़ता है तो मैंने कहा कि यार अभी तो मुझे सिखाया गुरुजी ने कि यहाँ पे अगर दो बना लें तो बात बन जाएगी अगर इसको दो बनाना है तो ये कैसे बनेगा दो तो एक लड़का बोला चार से डिवाइड कर दो डिवाइड बाई चार देखिए हमारा जो फोकस है वो इस बात पे है कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम बनना चाहिए उल्टा होके तो मैंने चार से डिवाइड किया तो ये आ गया एक्स बटे चार प्लस चार बटे एक्स आपने देखा ये उल्टा है या नहीं बराबर दो यानी एक तरीके से ये x प्लस एक बटे एक्स की ही फॉर्म है तो हम जानते हैं कि अगर x बटे चार प्लस चार बटे एक्स दो के बराबर है इट मींस कि ये दोनों ही वन वन होंगे ये दोनों ही वन वन होंगे अगर ये दोनों वन वन होंगे तो ये वन वन तभी हो सकते हैं बेटा जब x का मान कितना हो चार तो देखिए या तो आप देखते ही समझ जाए कि एक्स का मान चार है और अगर आपको देखते ही समझ नहीं आ रहा तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा तब समझ पाएंगे एक्स का मान चार तो चार चौक सोलह प्लस बत्तीस बटे सोलह सोलह दुनी बत्तीस सोलह और दो कितना आ गया अट्ठारह यही सवाल का उत्तर है मैंने क्या किया मैंने इधर भी दो बना लिया मुझे मेन फोकस मेरा किस बात पे रहेगा आज की पूरी क्लास में मेरा मेन फोकस रहेगा कि सवाल में किसी भी तरीके से एक्स प्लस एक बटे एक्स बन पाए चाहे वो दो के बराबर हो चाहे वो माइनस दो के चाहे एक माइनस एक रूट तीन किसी के भी बराबर हो बट ये बन पाए ये मेरा फोकस रहेगा आज की क्लास में तो मैंने चार से डिवाइड करके इसको बना लिया तो देखिए ये x है और ये इसका उल्टा है एक बटा एक्स उल्टा है कि नहीं x बटे चार का उल्टा क्या होगा उल्टा उल्टी नहीं जानते हैं वोमिटिंग वॉमिटा अभी क्यों होगा वॉमिटिंग तो जब आएंगी तब पता चलेगा कितनी मुश्किल होगी हैंडल करना तुम्हें x प्लस एक बटा एक्स प्लस तीन बराबर माइनस एक देख आपको ये बताना है। तो मैंने क्या किया मैंने आपको एक ही बात समझाई मेरे बच्चे शेर हो मैंने एक ही बात समझाई कि जो यहां पर है वही, यहां बनाने की कोशिश करो। वही कोशिश करो तो तभी एक बच्चा बोला कि अगर मैं कोशिश करता हूं तो मुझे तीन जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा तीन जोड़ना पड़ेगा भैया आज समझ में आ गई मुझे कि लड़के फैशन में क्यों मारे जाते हैं जैकेट पहन के बराबर कितना होगा इधर भी जोड़ूंगा तो दो हो जाएगा देखिए मैंने क्या किया दोनों तरफ तीन जोड़ लिया तो x प्लस एक बटे एक्स कितना दो अब आपको पता है कि अगर एक बटे एक्स दो आ गया इट कि x किसके बराबर होगा एक के यहाँ पे x की जगह x प्लस तीन है यहां पे x की जगह x प्लस तीन है तो x कितना आ गया माइनस दो एक्स कितना आ गया माइनस दो एक्स माइनस दो।, दो आ गया एक्स अगर माइनस दो आ गया और मैंने यहाँ पे रख दिया माइनस दो मैंने यहाँ पे रख दिया तो चार माइनस दो दो की घात चार आ जाएगा ऊपर नीचे माइनस दो यहाँ दूंगा एक की घात ग्यारह तो दो की घात चार सोलह होगा नीचे एक उत्तर कितना आ जाएगा सोले यही सवाल का उत्तर यही सवाल का उत्तर है हमने सीधे एक्स प्लस एक बटे एक्स की फॉर्म बनाई फॉर्म बन के तैयार हो गई तो पता चला कि एक्स तो यहाँ वन होगा वही फॉर्म है तो एक्स की जगह एक्स प्लस तीन को वन रखा एक्स माइनस दो आ गया माइनस दो सवाल में पुट करा उत्तर आ गया अगला सवाल देखिए सेम है बिल्कुल फटाफट फटाफट से करते रहिए सवाल मैं इसलिए भी ज्यादा सवाल ले आया कि कई बार आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते तो मैंने कहा जल्दी जल्दी करा दूं तो आपने क्या किया देखिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं बस पांच पांच सात सात सेकंड दूंगा आपको सवाल करने के लिए उससे ज्यादा नहीं दे सकता क्लास लंबी चली जाएगी अगर मैंने पांच घटा दिया दोनों तरफ से तो एक्स माइनस पांच प्लस एक बटे एक्स माइनस पांच बराबर सात माइनस पांच बराबर दो यही होगा एक्स माइनस पांच प्लस एक बटे एक्स माइनस पांच बराबर दो होगा तो आपने कहा जी यहां से एक्स माइनस पांच कितना आया एक आ गया यहां से एक्स माइनस पांच कितना आया एक आ गया अगर एक्स माइनस पांच एक है तो एक्स कितना आ गया छक्स छ आ गया मैंने यहां पे रखा छिचंग छत्तीस प्लस सात माइनस छ एक बराबर सैतीस छत्तीस प्लस एक बराबर सैतीस बात खत्म हो गई छत्तीस प्लस एक बराबर सैतीस बात खत्म हो गई ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं ये सवाल देखिए जल्दी से ये तो अब आप कर लेंगे इसमें कुछ ऐसा नहीं है मैं ये आरडब्ल्यू में दे देता हूं एक जैसे सवाल कराने का मतलब नहीं है यह आपको होमवर्क में करना है आपको आपकी पीडीएफ में मिल जाएगा विदांसर ये सवाल देखिए थोड़ा सा बदल गया आपकी बार सवाल आपकी बार सवाल थोड़ा बदल गया अगले टाइप पे आ गया बट हमारा फोकस एक ही रहना चाहिए हमारा फोकस क्या रहना चाहिए कि भाई अगर यहाँ x प्लस तीन है तो यहां भी x प्लस तीन हो मैं तीन दोनों तरफ जोड़ूंगा तो x प्लस तीन प्लस एक बटे एक्स प्लस तीन बराबर कितना होगा माइनस टू तो। एक्स प्लस तीन प्लस एक बटे एक्स प्लस तीन बराबर माइनस दो इज इट क्लियर नॉट तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है तो मैंने कहा अगर एक प्लस 3 प्लस 1 बटे तीन माइनस दो के बराबर है तो अभी आपने पढ़ाया था कि इस केस में एक्स कितना होगा माइनस वन बट यहां एक्स की जगह कितना है एक्स प्लस तीन तो एक्स कितना आ गया माइनस चार आ गया अगर एक्स एक माइनस चार है और मैं यहां पे रख दू माइनस चार प्लस पांच तो आप कहोगे एक की घास सत्रह प्लस यहां पे रख दूं तो एक बटे एक की घात सोल है। तो ये एक प्लस एक कितना आ गया भाई चार है ना माइनस का हां दो उत्तर आ गया क्या सब बच्चों का दो आ रहा था मैं चेक करूंगा यहां पे ये सवाल देखिए हमने यही बताया कि इस टाइप के सवाल भी पेपर में आते रहेंगे हमने क्या बताया इस टाइप के सवाल भी पेपर में आते रहेंगे नहीं कि यहां पर और यहां पर सेम होगा ये बात बताई या नहीं बताई सेम होगा तो एक लड़का बोला यहां बी की घात चार है दो है कैसे सेम होगा भैया मैंने बी से डिवाइड कर दिया मैंने क्या कर दिया डिवाइड बाई बी तो क्या होगा बी की क्यूब प्लस एक बटा बी की क्यूब बराबर दो बराबर दो ठीक है यही होगा कि नहीं बी की क्यूब प्लस एक बटा बी की क्यूब बराबर दो इतना मैंने लिख दिया तो मैं समझ गया कि यहां से बी की क्यूब कितना होगा एक भाई एक्स प्लस एक बटे एक्स की फॉर्म अगर दो है तो ये एक होगा मैंने एलसीएम लिया तो ये आ गया बी की घात छः माइनस एक बटे बी की घात चार कोरिया का बच्चा भी जानता है अगर बी की क्यूब एक होगा तो बी की घात छः भी एक होगा एक माइनस एक बटे बी की घात चार जीरो उत्तर आ गया क्या सवाल करने में तकलीफ हुई भला हो आपका ये सवाल देखिए देखिए अभी तो आपको बताई मैंने एक बात कि अगर x प्लस एक बटे एक्स माइनस दो है तो x माइनस एक होगा अगर x एक होगा कितनी माइनस एक यहाँ पेगा की पांच उत्तर एक्स एक प्लस एक बटे एक्स माइनस तीन बराबर एक है x प्लस एक बटे एक्स माइनस तीन बराबर एक है तो अगर एक्स प्लस एक बटे एक्स माइनस तीन एक है तो हमने आपको यही बताया कि बेटा क्या करो दोनों जगह सेम बना लो आपने का क्या करना होगा आपने का तीन घटाना होगा ठंड में ऐसे ही करता आदमी भाई साहब ठंड बुझाने के लिए एक्स माइनस तीन प्लस एक बटे एक्स माइनस तीन बराबर कितना होगा माइनस दो तो. एक्स माइनस तीन प्लस एक बटे एक्स माइनस तीन बराबर माइनस दो तो. हमने क्या किया तीन घटा दिया दोनों तरफ से तीन इधर से भी घटा दिया तीन इधर से भी घटा दिया माइनस तीन बराबर कितना आ गया माइनस दो इज इट क्लियर और नॉट तो आपने कहा हाँ जी क्लियर है X माइनस तीन प्लस एक बटे एक्स माइनस तीन तो मैंने कहा अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं तभी एक लड़का बोला यार जो मर्जी कह लो बस हमें तो इतना पता है कि x माइनस तीन माइनस एक होगा यानी x कितना होगा दो अगर x दो होगा तो ये जीरो हो जाएगा भाई पूरा अगर x दो होगा तो ये तीन माइनस दो यानी कि एक की पावर दस कितना उत्तर आ जाएगा एक यही सवाल का मैं ये बताना चाह रहा हूं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको बार बार कि इतनी छोटी सी बात कि x प्लस एक बटा एक्स दो है x प्लस एक बटा एक्स माइनस दो है इतनी छोटी सी बात पे भी इतने तरीके के अलग अलग टाइप के रंगीन सवाल बन सकते हैं ये मैं बताना चाह रहा हूं अगले सवाल की तरफ जा रहे हैं यह सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं आरडब्ल्यू होगा ये सभी बच्चों का आरडब्ल्यू होगा देखिए सवाल ये है कि बी की घात चार मैंने आपको पहले भी बता रखा आज फिर बता रहा हूं कि सेम बनाना होता है तो इसको सेम बनाने के लिए मुझे डिवाइड बाई बी करना पड़ेगा तो डिवाइड बाई बी करा तो क्या हो गया बी की क्यूब प्लस एक बटा बी की क्यूब बराबर माइनस दो बी की क्यूब प्लस एक बटा बी की क्यूब बराबर माइनस दो तो यहां से मैंने कह दिया बी की क्यूब कितना होगा माइनस एक यही होगा अब मैंने इस सवाल में क्या किया देखिए बी की घात छह माइनस एक बटे बी की घात चार तो बी की घात छे तो प्लस का एक होगा एक माइनस एक बी की घाट चार्लस एक बटे बी तो ये फिर जीरो हो गया यानी दोनों सवालों का उत्तर जीरो जीरो आ गया ये सवाल देखिए ये सवाल मुझे बड़ा प्यारा लगा बड़ा प्यारा लगा कितना प्यारा है ये देखिए अब आपको फिर से वही बात है ना कि इक्वल बनाना है तो मैंने कहा इक्वल कैसे बनेगा अभी तक तो भाग कर रहे थे अब डिवाइड गुणा करने पे इक्वल बनेगा डिवाइड कर रहे थे अब गुणा पे बनेगा अगर दो से गुणा कर दूं ये सवाल पेपर में आया हुआ है मैंने खुद नहीं बनाया तो ये वन अपॉन टू एक्स रह जाएगा और बराबर एक तो यहाँ से कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि टू एक्स बराबर वन होगा टू एक्स बराबर वन होगा बता देगा या नहीं तो हमने कहा कि भाई एक्स की घात छः करना है अब हमें तो आप ही बताइए एक्स की घात छः कितना होगा एक बटे दो की घात छः यानी एक बटे चौसठ ये आ गया जी एक बटे चौसठ आ गया एक बटे चौसठ प्लस एक बटे ये कितना होगा जी अगर मैं एक्स की घात चार यहां पे रख दू एक्स की घात चार आएगा सोलह चौका चौसठ ये एक बटे चार होगा तो मैंने एलसीएम ले लिया चौसठ यहाँ एक आ गया प्लस सोलह सत्रह बटे चौसठ ये सवाल सी में पूछा हुआ सवाल है हमने नहीं बनाया तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि इस इस तरीके के सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे हैं इस, इस तरीके के सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे हैं कि भाई आपको इक्वल खुद बनाना है आप पता है क्या सोचते हो कि परोस के देगा एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर दो परोस के देगा तो भैया परोस के नहीं देगा हमने क्या किया इक्वल कर दिया टू एक्स प्लस एक बटा टू एक्स बराबर एक तो टू एक्स कितना आ गया वन तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू आ गई वन बाई टू यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू यहां पर रख दी तो उत्तर आ गया सत्रह बटे चौसठ चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ नई चीजें सीखते हैं अब एक बार कर रहा हूं बहुत जल्दी रीकैप करूंगा री कैप यानी दोबारा से कैप लगा रहा हूं मैंने अभी तक जो बताया वो इतना बताया कि x प्लस एक बटे एक्स अगर वन हो टू हो तो x1 होता है और मैंने बताया है कि x प्लस एक बटा एक्स अगर माइनस टू हो तो x कितना होता है माइनस एक एक्स कितना होता है माइनस एक इज इट क्लियर और नॉट तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है यदि x प्लस एक बटे एक्स बराबर एक हो तो x की क्यूब बराबर के आज ऐसे ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं एक सवाल के तो ऐसे ऐसे तरीके आप देख के चौंक जाओगे कहोगे यार ये पहले क्यों नहीं बताए थे आपने मजा आ जाएगा देखना तो x की क्यूब कितना आ जाएगा माइनस वन ठीक है दूसरा यदि x प्लस एक बटे एक्स बराबर माइनस वन हो तो x की क्यूब कितना होगा वन अब इस पे ही सवाल करेंगे दोनों पे एक साथ कैसे कैसे दिखाता हूं आया कैसे पहले ये जान लो इसको गुणा करूं तो क्या आएगा आप कहेंगे x बराबर x आ जाएगा तो एक्स की क्यूब निकालनी है तो एक्स से गुणा करूंगा x की x बराबर x अब अगर दोनों को जोड़ दूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एक्स से एक्स कटेगा यहां से आ गया एक्स की क्यूब प्लस वन बराबर जीरो यानी एक्स की क्यूब कितना आ गया माइनस एक तो पहला तो आपको यही याद रखना है कि यदि x प्लस एक बटे एक्स एक हो यदि प्लस एक बटे एक्स एक हो तो x की क्यूब कितना होता है माइनस एक लास्ट क्वेश्चन हमने गलत बताया है कराया तो है नहीं हमने लास्ट क्वेश्चन तो कराया कहा है हमने बच्चे कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन गलत है कैसे भाई अगर मैंने इसको दो से गुणा किया तो टू एक्स प्लस एक बटे टू एक्स और दो से इसको किया एक बटे दो को तो एक अच्छा 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 ये बात सही बोल रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन गलत था तो आप ना इसको ऐसा करिए एक बटा दो हटा दीजिए ये सवाल फिर किसी और कंसेप्ट पे है अब मैं समझ गया कि ये किस चीज़ पे सवाल है बट मैं अभी यहाँ पे बोल नहीं पाऊँगा ज़्यादा अभी आप इतना लिख लीजिए मैं समझ गया सवाल किस चीज़ पे इसको करेक्ट कर देंगे अभी तो आप इसको इतना कर लीजिए दो से गुणा करेंगे तो ये दो हो जाएगा ठीक है अभी तो आप इतना कर लीजिए अभी तो सही कर दिया मैंने फिर अभी जो ओरिजिनल सवाल है ना उसको करेंगे अगले टाइप से वो इस टाइप का सवाल हो गया बेसिकली ये इस टाइप का सवाल हो गया वो ठीक है तो मैंने करेक्ट कर दिया अभी तो उसको दोबारा करेंगे अभी ओरिजिनल रूप में भी करेंगे पहले आप ये देख लीजिए इसी के ऊपर है वो सवाल इसी के ऊपर है ठीक है तो मैंने क्या देखा कि अगर x प्लस एक बटा एक्स अगर वन आ गया तो x की क्यूब कितना होगा माइनस एक होगा ठीक है भाई अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसको प्रूफ करूं एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर माइनस एक्स है तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बराबर जीरो लिख सकता हूं कि नहीं बोलो लिख सकता हूं आपने कहा एक्स की क्यूब निकालनी है तो इसको एक्स से गुणा कर दो तो ये कितना होगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कमेंट पे थोड़ा नजर रखा करो कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो हमने क्या किया कि एक्स और एक्स स्क्वायर कट गए तो x की क्यूब कितना आ गया तो मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं कि इस पेज पे जो हमने सीखा वो क्या सीखा कि अगर प्लस एक बटे एक्स वन है तो x की क्यूब माइनस एक होगा और अगर x प्लस एक बटे एक्स माइनस वन है तो x की क्यूब प्लस वन होगा यानी x की क्यूब माइनस वन एक्स की क्यूब प्लस वन बस इतनी सी बात हमने सीखी और कुछ नहीं ठीक है भाई क्लियर है बात हमने क्या कहा कि x प्लस एक बटे एक्स एक है तो x की क्यूब बराबर माइनस एक एक्स प्लस एक बटे एक्स माइनस एक है तो x की क्यूब बराबर एक ये दो चीजें अब मैं पिछले सवाल पे फिर से आ रहा हूं क्योंकि बच्चों ने कहा कि वो सवाल हमसे गलत हो गया तो अगर हाँ लास्ट क्वेश्चन गलत ही है बेसिकली आपको अगर इसको सही करना है तो अब यहां पे करेक्शन करना पड़ेगा x की घात छह तो मैं क्या करूंगा इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आप देखोगे स्क्वायर कितना आ जाएगा चौसठ एक्स की घात छ चौसठ एक्स की घात एक आ गया तो एक्स की घात कितना आ गया एक बटे 64, और प्लस एक तो अब की बार उत्तर आ गया पैंसठ बटे चौसठ लेकिन कोई बात नहीं गलत सवाल को सही बनाने का काम तो मेरा है ना आप क्यों टेंशन ले रहे हम तो सही बना देंगे एक को अच्छे अच्छे को सही बना दिया हमने यही सोल्यूशन है इसका और कुछ नहीं एट एक्स की क्यूब माइनस एक है अब कई बच्चे क्या सोच लेते हैं मालूम है कि सर अगर एट एक्स की क्यूब बराबर माइनस एक है तो एक्स माइनस एक बटे दो नहीं हो सकता नहीं हो सकता ये ध्यान रखना ये बात जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर अगर एट एक्स की क्यूब बराबर माइनस एक है तो एक्स बराबर माइनस एक बटे दो आप मुझे यहां पे रख के बताओ क्या माइनस एक बटे दो यहां रख दू तो क्या ये सेटिस्फाई होगा नहीं होगा कई लोगों के दिमाग में ये आता है क्या आता है कि अगर एक्स की क्यूब माइनस वन है कई लोगों के दिमाग में यह बात आती है कि अगर x की क्यूब माइनस वन है तो क्या x माइनस वन नहीं होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा आप बताओ क्या इसको x बराबर माइनस वन सेटिसफाई कर रहा है नहीं कर रहा फिर बच्चा कहेगा क्यों नहीं कर रहा मैं वजह बताता हूं देखो एक बात बताओ x वन था x वन, वन था या नहीं था क्या था x वन मैंने इसको क्या किया x से और गुणा कर लिया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स अब मैं x को इधर ले आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर जीरो तो x कॉमन आ गया x माइनस वन बराबर जीरो एक्स के कितने मान आ गए जीरो और वन तो मुझे एक बात बताओ x का मान वन था और मैं जीरो भी ले आया तो क्या जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा क्यों नहीं कर रहा क्योंकि जब मैंने इसको x से गुणा की तो इसका एक रूट और बढ़ गया यानी एक्स से गुणा करने के बाद एक्स का एक मान और बढ़ गया अगर एक्स का एक मान और बढ़ गया आप मेरी बात सुनिए अगर एक्स का एक मान और बढ़ गया तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ऐसे ही हमें आपको याद होगा कि मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर तो आपको पता है, मैंने इसको से गुणा की थी की थी या नहीं की थी तो जब मैंने एक्स से गुणा की ना तो एक्स का एक मान और बढ़ गया और वो क्या था माइनस एक तो जरूरी नहीं है कि वो पहली वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बात समझ रहे नहीं आप एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर एक्स बराबर वन है और मैंने स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर बराबर वन अब मैं वन को इधर लेके जाके फैक्टर करूंगा तो एक्स के दो मान आ जाएंगे माइनस एक यानी जब मैंने एक्स से एक्स स्क्वायर बनाया तो एक वैल्यू और बढ़ गई माइनस एक समझ रहे हो तो आप कहोगे कि फिर आप ऐसे कैसे लिख रहे हो आप कह रहे हो कि एक्स प्लस एक बटे एक्स अगर एक हो तो एक्स की क्यूब माइनस एक होता है फिर आप कह रहे हो एक्स बराबर माइनस एक हो तो भी ये होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि देखो सुनो ध्यान से अगर ये है तो ये हो सकता है अगर यह है तो यह हो सकता है बट अगर यह है ध्यान से समझना यह बात बहुत गहरी है कोई नहीं बताएगा अगर यह है तो यह भी हो सकता है या ये हो सकता है मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं मैं इतनी सी बात कह रहा हूं मेरे बच्चे मेरे पुत्र कि अगर एक्स वन है तो भी एक्स स्क्वायर वन होगा अगर x माइनस वन है तो भी एक्स स्क्वायर वन होगा बट एक्स स्क्वायर बराबर वन का मतलब ना तो सिर्फ ये है ना तो सिर्फ ये है, या तो ये है या तो ये है। दोनों में से कोई एक है बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई इट सर एक लड़का लिख रहा है इट सर जैसे मेरा मतलब ये है कि अगर एक्स प्लस एक बटे एक्स वन है तो तुमसे कभी पूछेगा ही नहीं कि एक्स क्या है तुमसे पूछेगा एक्स की घात बता भाई क्या होगा तो तुम बहुत आराम से निकाल दोगे तुम्हें पता है घाट तीन माइनस एक है तो कितनी आ जाएगी एक्स की घात एक हो तुम्हें पता है कि क्या पूछेगा और क्या नहीं तुम्हें पता रहना चाहिए कि क्या पूछेगा और क्या नहीं आपको एक और बात लिखनी है क्लियर क्लियर कि जैसे आपने देखा कि क्योंकि मैं पीडीएफ में सवाल डालूंगा बेटा एक्स प्लस एक बटा एक्स एक्स प्लस एक बटा एक्स अगर वन था तो तुमने देखा X की क्यूब बराबर तो क्या होगा तो तुम कहोगे एक्स की घात पांच कॉमन लेंगे अंदर बचेगा एक्स की घात तीन प्लस एक और ये जीरो के बराबर है उत्तर जीरो तो तुमने यहां से क्या सीखा कि एक्स की उन दोनों टर्म का सम जीरो होगा जिनकी पावर का अंतर तीन है यह बात लिख लेना इसके निष्कर्ष के रूप में लिख लेना कि एक्स की उन दोनों टर्म का सम जीरो होगा एक्स की उन दोनों टर्म का सम जीरो होगा जिनकी पावर का अंतर तीन है पावर का अंतर तीन है जिनकी पावर का अंतर तीन है ये बात लिख लेना क्लियर है बात चलिए आगे बढ़े दोस्तों आगे बढ़े सवाल करते हैं इसी में भलाई है आप ये सवाल देखिए आपकी जिंदगी जन्नत लगने लगेगी आपको जिंदगी जन्नत लगने लगेगी आप ये सवाल देखिए मजा आ जाएगा आपको करके जबकि आपको याद होगा आपको याद होगा कि मैंने ये सवाल एक बार और पढ़ाए थे और जिस वक्त पढ़ाए थे उस वक्त भी मैंने ये बात बोली थी कि मैं इनको दोबारा पढ़ाऊंगा याद है ना मैंने उस वक्त भी ये बात बोली थी कि मैं इनको दोबारा पढ़ाऊंगा वो वक्त आ गया है मैंने क्या कहा कि हमारा काम होता है सेम करना तो बच्चा बोला अगर सेम करना है मास्टर तो तीन से भाग कर दो बच्चा बोला सेम करना है मास्टर तो तीन से भाग कर दो तो मैंने तीन से भाग किया तो ये कितना आ गया तीन बी प्लस एक बटा तीन बी स्क्वायर प्लस एक बटा तीन बी स्क्वायर बराबर माइनस एक मैंने तीन से भाग कर दिया भाई कर सकता हूं कि नहीं कर दिया मैंने तीन से भाग कर दिया अब आप कहोगे कि ये तो एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर माइनस वन आ गया यानी एक्स की क्यूब कितनी होगी वन होगी बोलो एक्स की क्यूब कितनी होगी वन ठीक है क्लियर है बात आपने कहा अगर x की क्यूब वन है इसका मतलब थ्री बी स्क्वायर की क्यूब वन होगी और अगर थ्री बी स्क्वायर की क्यूब वन है इसका मतलब सत्ताईस बी की घात छ होगा यही होगा बोलो मैंने जो सवाल पूछा है एलसीएम ले लिया बी की क्यूब तो ये कितना आ गया सत्ताईस बी की घात छ माइनस एक अब मुझे पता है बी की घात छो एक माइनस तो एक, एक बटे बी की घात थी यानी एक तरीका हमने उस दिन जाना था इस सवाल को करने का और एक आज जाना है आज वाला कहीं बेहतर है उस दिन से बट पेपर में हमें पता नहीं होता कि कौन सा तरीका लगाना है कौन सा तरीका लगाएंगे तब फायदा होगा तो इसीलिए सब कुछ आना चाहिए अगला सवाल है आपके सामने बहुत प्यारा सवाल है सेम सवाल है कुछ भी अलग नहीं है मैंने कहा सेम बना लेंगे आपने कहा ठीक है दो से भाग कर देते हैं इसको ये सेम बन जाएगा अब अगर दो से भाग करेंगे तो क्या होगा जल्दी उत्तर निकालो टू बी स्क्वायर मैं धीरे धीरे चल रहा हूं आप मुझसे पहले निकालो आपको मैं बहुत फास्ट बना दूंगा मेरा दावा है कि मैं आपको बहुत फास्ट बना दूंगा इतना फास्ट बना दूंगा आप सोच नहीं सकते ठीक है तो टू बी स्क्वायर प्लस एक बटे टू बी स्क्वायर बराबर वन तो मैंने देखा कि x प्लस एक बटे एक्स वन आ गया x प्लस एक बटे एक्स वन है तो x की क्यूब कितना होगा माइनस एक एक्स की क्यूब कितना होगा माइनस एक अगर एक्स की क्यूब माइनस एक है इसका मतलब टू बी स्क्वायर की क्यूब कितना होगा माइनस एक यानी 8b बी की घात बराबर माइनस एक अब हमने कहा एलसीएम हम ले लेते हैं देखिए ये भी सवाल मैंने उस दिन पढ़ाया था और कहा था कि इसका एक और बेहतर तरीका बताऊंगा जिस दिन भी मौका मिलेगा आज वो मौका था तो मैंने ताड़ दिया बराबर छह यही सवाल का उत्तर है देखिए और भी इस टाइप सवाल के सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए जल्दी जल्दी कराता हूं आपको भी मजा आएगा जल्दी से देखो ए बटा तीन प्लस एक बराबर माइनस तीन बटा एक देन। एक ही घात पांच माइनस ट्वेंटी सिक्स ए स्क्वायर प्लस तीन ए प्लस दस क्या होगा अब आप अपने दिमाग की कसरत करो जल्दी से देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई ए बटा तीन प्लस तीन बटा ए बराबर माइनस एक लिख सकते हैं कि नहीं ए बटा तीन प्लस तीन बटा ए बराबर माइनस एक मैंने लिख दिया तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक्स प्लस एक बटा एक्स माइनस एक है तो एक्स की क्यूब प्लस वन होगा ये तो जानते हैं बार बार बता रहा हूं कि एक्स प्लस एक बटे एक्स अगर वन है तो एक्स की क्यूब कितना होगा माइनस एक ठीक है तो हमने कहा कि यह कितना हो जाएगा ए बटे तीन की क्यूब बराबर एक यानी एक ही क्यूब कितना आ गया सत्ताईस कोई ऐसा पागल है जिसको नहीं समझ में आया यहां तक तो हाथ खड़ा करे कोई भी ऐसा पागल है जिसको यहां तक नहीं समझ में आया तो मैंने कहा एक ही क्यूब 27 है तो बच्चे ने कहा ठीक है जी यहां पे मैं रख देता हूं एक ही क्यूब की जगह सत्ताईस तो सत्ताईस और बचेगा ए स्क्वायर देखिए कोई अगर नमूना है तो उसको बता देता हूं मैंने क्या किया है? जो एक की घात पांच था मैंने उसको ब्रेक कर लिया एक ही घात तीन इंटू ए स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं बोलो देख लो उधर तो अब एक ही घात तीन की जगह मैंने क्या रख दिया सत्ताईस रख दिया तो ये सत्ताईस ए स्क्वायर हो गया माइनस छब्बीस ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस दस तो मैंने देखा कि यार ये ए स्क्वायर कॉमन बचेगा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस दस है। यही तो है बोलो 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 भाई जल्दी बोलो ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है अब देखिए या तो आप ऐसे लिख लीजिए या आपके पास दो तरीके हैं इसके बाद इसके बाद देखना ध्यान से दो तरीके हैं। कि अगर मैं इसमें से थ्री ए कॉमन ले लू ध्यान से समझना अगर मैं इसमें से थ्री ए कॉमन ले लू तो कितना बचेगा वन प्लस ए बाई थ्री देख लो चाहे तो गलत बोल रहा हूं तो कोई बच्चा सजा दे दे जो भुगत लूंगा मैंने कहा कि अगर थ्री ए कॉमन ले लूं तो वन प्लस ए बाई थ्री बचेगा या ए बाई थ्री प्लस वन उल्टा लिख देता हूं कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे A 3 प्लस 1. बोलो बोलो लिख सकता हूं कि नहीं अब कोई बच्चा बताएगा कि ए बाई थ्री प्लस वन का मान कितना है तो मैंने कहा माइनस तीन बटा ए तो मैंने इसकी जगह रख दिया थ्री ए इंटू माइनस तीन बटा ए प्लस दस तो आप भी कहेंगे ए से ए कट गया माइनस नौ प्लस दस कितना आ गया एक यही इसका उत्तर है या तो आप ऐसे कर सकते थे देखिए दो बातें थी बच्चे अट्ठाईस उत्तर बता रहे हैं गलत बता रहे हैं अट्ठाईस मैंने कहा या तो इस तरीके से कर सकते थे एक और तरीका था पहले इतना लिख लेंगे फिर बताऊंगा वो तरीका पहले जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीन ले लीजिए जो भी करना है कर लीजिए जल्दी से ये तो आपने देख ही लिया कि आप ए स्क्वायर करते यहां पे एलसीएम लेते प्लस नौ बट ए थ्री ए बराबर माइनस एक तो यहां से मुझे पता लग जाता कि ए स्क्वायर प्लस थ्री ए यह पहले इधर जाता और बराबर माइनस नौ यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस थ्री ए की वैल्यू मुझे माइनस नौ पता लग जाती बात देखिए एक ही है चाहे तो ऐसे कर लीजिए चाहे एक कॉमन लेके कर लीजिए बट वो कॉमन वाली बात जल्दी से बच्चों के दिमाग में आती नहीं कॉमन वाली बात जल्दी से बच्चों के दिमाग में आती नहीं है कि यार ऐसा सवाल भी कोई इस तरीके से कर सकता है सोचा नहीं था भाई ये मास्टर गजब है मैं कैसे बताऊंगा देखो मैंने कहा कि यार मुझे तो एक बनाना है मुझे एक बनाना है और एक कैसे बनेगा जब मैं इसको थ्री एक्स से डिवाइड करूंगा तो मुझे बस यही पकड़ना है कि बीच वाली टर्म ताकि पावर भी सेम रहे थ्री से क्यों कर रहा हूं पावर सेम रहे तो भैया जब मैं इसको थ्री से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स बटे आ जाएगा कि नहीं प्लस एक प्लस तीन बटे एक्स बराबर जीरो जो चीज हम गुणा भाग करके निकालते थे बच्चे नहीं समझ पाते थे तो यहां से एक्स बटे तीन की क्यूब क्या हो जाएगी प्लस एक क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा यानी एक्स की क्यूब कितना आ गया सत्ताईस आ गया अब अगर एक्स की क्यूब सत्ताईस आ गया और मैं यहां पे रख दूं तो आप कहेंगे जी सत्ताईस ऐसे लिखो बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी एक्स की क्यूब लिखो तो इक्यासी और बचा एक्स प्लस दो सौ साठ अब कोरिया का बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर 27 कॉमन ले लू तो अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस दो सौ साठ अब ऊपर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स की वैल्यू कितनी थी माइनस नौ यानी इसकी जगह माइनस नौ आएगा तो 27 निम्मा माइनस दो सौ तैतालीस प्लस दो सौ साठ आज की क्लास का ये सवाल क्रश है कि हम ऐसे सवालों में गुणा भाग ना करें सीधे x प्लस एक बटे एक्स की फॉर्म बना दें सीधे हम क्या करें कमेंट दिखाओ सीधे हम क्या करें x प्लस एक बटे एक्स की फॉर्म बना दें रिप्लाई दे तो रहा हूं यार इससे बढ़िया तरीका नहीं होगा कोई आपने अब तक जो तरीके पढ़े होंगे सब बताते हैं कि इसको x माइनस तीन से गुणा कर लो x की क्यूब सत्ताईस निकाल लो तुम्हें कुछ नहीं करना तुम्हें बस क्या बनाना है वन वन से ही तुम समझ जाओगे कि एक्स प्लस एक बटे एक्स अगर माइनस वन है तो एक्स की क्यूब प्लस वन हो जाएगी और अगर ये माइनस वन था तो प्लस वन आ गई बस बात ऐसा एक और सवाल पूछ रहा हूं पाल का उत्तर दे पाएंगे इस उम्मीद के साथ ये सवाल आपके ऊपर फेंक के मार रहा हूं देखना होगा कि कौन बच्चा सही जवाब दे पाएगा हु टेल द गाय सही उत्तर अगर अभी भी आप मेरी तरीके से नहीं कर पाए तो बेकार है सर जी आग लगा दी आपने एक बार और बेस्ट मेथड है बेस्ट मेथड मजा आ गया होगा इसी बात पे इस बेस्ट मेथड पे एक और सवाल फेंक के मारा है जल्दी उत्तर बताओ एक और सवाल फेंक के मारा है जल्दी उत्तर मुझे देर नहीं चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस बराबर जीरो एक्स की पावर फाइव माइनस टू की पावर फोर प्लस थर्टी बराबर क्या होगा ठीक है तो मैंने यही कहा मैंने कहा कि भाई 2x से भाग कर देते हैं इसको 2x से भाग तभी वन बनेगा तो आपने कहा हाँ जी ये आ जाएगा एक्स बटे माइनस एक प्लस यह आ जाएगा दो बटे एक्स बराबर जीरो अब बताओ इससे बढ़िया कौन पढ़ाएगा तुम्हें कि अगर एक्स बटा दो प्लस दो बटा एक्स अगर एक आ गया इसका मतलब इसकी क्यूब माइनस एक होगी तो एक्स बटा दो की क्यूब कितना होगी माइनस एक कोई लफड़ा नहीं कोई झंझट नहीं आज की क्लास में यही वाले दो सवाल फेसबुक पर जाएंगे यही वाले दो सवाल फेसबुक पर जाएंगे एक, एक इससे पहले वाला एक्स की क्यूब बराबर माइनस आठ है तो मैं यहां पे रख दूं कितना होगा माइनस एट एक्स स्क्वायर यहां पे रख दूं तो प्लस सोलह एक्स और प्लस तीस तो मैंने क्या किया माइनस का एट एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ गया एक्स माइनस एट कॉमन ले लूं एट ही कॉमन ले लूं खाली चलेगा माइनस का एट कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस तीस तो बच्चा बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का मान कितना है माइनस का चार अगर मैं यहां पे माइनस का चार डालता हूं माइनस का चार डालता हूं तो ये आ जाएगा बत्तीस आठ चौक बत्तीस प्लस तीस बराबर बासठ क्या किसी बच्चे का उत्तर बासठ आ रहा था क्या किसी बच्चे का उत्तर बासठ आ रहा था बहुत सर जी ग्रेट आदित्य राज चलिए आगे पॉइंट लिखेंगे अगला मैं जरूरी सवाल लिखाने जा रहा हूं बहुत मजा भी आपको आएगा ठीक है तो वो क्या है देखिए अगर x प्लस एक बटे एक्स अगर x प्लस एक बटे एक्स अंडर रूट दो है ठीक है भाई अगर एक्स प्लस एक बटे एक्स अंडर रूट दो है तो इसका निष्कर्ष होता है निष्कर्ष लिख रहा हूं पहले, की चार बराबर एक. कैसे ठीक है? एक दो दो है जीरो आ जाएगा तो अब क्या होगा x की घाट चार प्लस एक बराबर जीरो आ गया यानी एक्स की घात चार माइनस एक आ गया हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि एक्स की घात चार प्लस एक्स की घात जीरो जीरो होगा यानी जब जब देखिए एक एग्जाम्पल भी ले देता हूं कि अगर x की पावर 19 प्लस एक्स की घात 15 किसी ने पूछ लिया तो डरना नहीं है क्या करूंगा x की घात 15 कॉमन लूंगा ब्रैकेट में बचेगा x की घात 4 प्लस वन जो जीरो के बराबर है उत्तर आ जाएगा जीरो यानी जब जब पावर का अंतर चार होगा मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ टू टर्म ऑफ एक्स सम ऑफ टू टर्म ऑफ एक्स सम ऑफ टू टर्म ऑफ एक्स बराबर जीरो इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर इफ डिफरेंस अभी दो और बचे हैं इसके बाद यार लंबी हो गई आज की क्लास ऑफ देयर पावर इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर बराबर मैंने क्या कहा सम ऑफ टू टर्म ऑफ एक्स इफ डिफरेंस ऑफ देयर पावर बराबर जीरो यदि उनकी पावर का अंतर चार है सॉरी चार पावर का अंतर चार है तो उनका सम जीरो होगा इस पे हम सवाल करेंगे इस पे हम सवाल करेंगे एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर रूट टू देखिये जो लोग हमारे नाम पे चैनल बना रहे हैं अभिनय फैन क्लब अभिने फैन कूलर सब उन लोगों के लिए भी तो मैटेरियल देना हमारा फर्ज बनता है कि नहीं उनके विचारों के चैनल कैसे चलेंगे तो ये उन चैनलों के लिए भी मैटेरियल है मैंने कल भी बताया था एक लड़के ने चैनल बनाया अभिनय फैन कूलर सब उसने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया नो फैन क्लब नो कुछ फैन कूलर सब मेरी अगर आप में से ही कोई वो लड़का है तो मेरा उसको सजेशन है कि सबकी जगह ए कर दे फैन कूलर ए वो ज्यादा ठीक रहेगा सबसे तो देखिए अभी जो मैंने एक बात बताई थी मैंने कहा था कि x की घात चार बराबर माइनस एक होगा और पावर का अंतर अगर चार है तो उसका सम जीरो होगा तो आपने देखा इनकी पावर का अंतर कितना है चार तो सम जीरो हो गया पावर का अंतर कितना है चार तो सम जीरो हो गया x की घात चार कितना है माइनस एक प्लस तीन तीन में से एक गया कितना बचेगा दो यही सवाल का उत्तर पहले सवाल का उत्तर कितना आ गया ये ठीक है अच्छा अब ये सवाल बिल्कुल अलग है इसको हमें कैसे करना पड़ेगा इसको हमें करना पड़ेगा एक्स की घात बीस हमें एक्स की वो पावर लेनी पड़ेगी बेटा जो हम एक्स की घात चार से निकाल सकते हैं इक्कीस के करीब वो संख्या जो चार से पूरी कटती है वो बीस है क्योंकि अगर एक्स की घात चार माइनस एक है तो मैं इसकी पावर 5 करके एक्स की घात बीस निकाल सकता हूं वो भी कितनी आ जाएगी माइनस एक अगर x की घात 4 माइनस एक है तो x की घात 20 कितना आ जाएगा माइनस एक यही सवाल का उत्तर है तो x की घाट 20 माइनस एक आ गया यानी ये आ गया माइनस एक्स प्लस एक बटे माइनस एक्स मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना होगा x प्लस एक बटे एक्स एक्स प्लस एक बटा एक्स तो x प्लस एक बटा एक्स कितना दिया हुआ है माइनस रूट टू तो सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा माइनस रूट सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा माइनस रूट टू ठीक है अब ऐसे ये सवाल था तो इसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा तो आपने कहा इसको लिखना पड़ेगा x की घात 24 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं x की घात 26 है एल्सियम ले लिया तो ये कितना आ जाएगा x की घात बावन आ जाएगा प्लस एक अब आपको पता है बावन का मतलब है एक्स की घात चार की घात तेरह तो तेरह प्लस एक बटे एक्स की घात छब्बीस आपको मालूम है कि माइनस एक की घात तेरह करूंगा माइनस एक आएगा माइनस एक प्लस एक जीरो हो जाएगा तो इस सवाल का उत्तर आएगा जीरो तो ये भी हो गया बस लास्ट बचा है लास्ट जल्दी से बता देता हूँ लास्ट जल्दी से बता देता हूं और खत्म करते हैं आज की क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है जल्दी बता देता हूँ जो भी पूछना है जल्दी फास्ट बता देता हूँ चलिए अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं ये आपने लिख लिया अगला पॉइंट लास्ट पॉइंट होगा आज की क्लास का क्या होगा कि यदि x प्लस एक बटे एक्स अगर प्लस माइनस रूट थ्री है x प्लस एक बटे एक्स बराबर प्लस माइनस रूट थ्री है इसका मतलब दोनों में से कुछ भी है देखिए दोनों में से कुछ भी है या तो रूट थ्री है या माइनस रूट थ्री है ठीक है तो इसका मतलब होगा x की घात छ बराबर माइनस एक दोनों का एक ही मतलब होगा एक प्रूफ करके दिखा देता हूं आपके सामने एक दूसरा आप खुद कर लीजिएगा एक ही बात है कि मैंने क्या किया एक्स प्लस एक बटे एक्स जो है उसकी क्यूब कर दी और प्लस वाले रूट थ्री के लिए करके बता रहा हूं तो रूट थ्री की भी क्यूब हो गई हो गई या नहीं बोलो तो अब आपने कहा ये कितना आ गया एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर थ्री रूट थ्री यही होगा यही होगा या यह नहीं ठीक है तो एक्स से एक्स कट गया एक्स से एक्स कट गया तो ये कितना आ जाएगा एक्स की क्यू प्लस एक बटा एक्स की क्यू प्लस थ्री इंटू रूट थ्री इसका मान रख दिया बराबर थ्री रूट थ्री तो आपने देखा ये कट गया यानी x की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब जीरो आ गया x की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब अगर जीरो आ गया तो यहाँ से x की घात छः प्लस एक बटा एक्स की क्यूब कितना आ गया जीरो यानी x की घात छः प्लस एक जीरो आ रहा है और वहाँ से x की घात छः बराबर माइनस तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो आप यहाँ पे ये यह कह सकते हो जैसे हमने देखा था कि पावर का अंतर तीन हो तो सम जीरो हो रहा था पावर का अंतर चार हो तो जीरो हो रहा था सम यहाँ पे क्या होगा कि पावर का अंतर मैं इस ब्रैकेट में लिख रहा हूं इस चीज को ब्रैकेट में यहां आप देख लीजिए कि अगर एक्स की घात सत्ताईस प्लस एक्स की घात इक्कीस निकालू मैं तो आप देखेंगे एक्स की घात इक्कीस कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में एक्स की घात छः प्लस बचेगा तो क्या आ जाएगा जीरो यानी हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ टू टर्म ऑफ एक्स बिल बी जीरो मैं यहां पे लिखूंगा सम ऑफ टू टर्म ऑफ एक्स बराबर जीरो इफ पावर का डिफरेंस बराबर छ किस केस में इन दोनों केस में इन दोनों केस में जहां पे प्लस माइनस रूट तीन दे रखा है जहां पे प्लस माइनस रूट तीन दे रखा है वहां पे क्या होगा कि पावर का सम क्या होगा ठीक है भाई क्लियर है बात इसके बाद बताने एक्स की घास सत्रह प्लस एक बटे एक्स की घास सत्रह कितना एक्स की घास सत्रह प्लस एक बटे एक्स की घास सत्रह क्या होगा जल्दी बताने। चलिए एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर माइनस रूट तीन बात क्लियर है कि नहीं तो यहां से मैं कह सकता हूं एक्स की घात छ बराबर माइनस एक कह सकता हूँ तो मैंने कहा सत्रह के करीब क्या होगा एक्स की घात अठारह ये भी कितना होगा माइनस एक ये भी कितना होगा माइनस एक तो मैंने इसको क्या लिख दिया एक्स की घात अठारह बटे एक्स प्लस एक्स बटे एक्स की घात अठारह ऊपर नीचे क्या किया x से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि 18 बन जाए अब मैंने 18 यहां रखा तो माइनस एक बटे एक्स और माइनस एक्स माइनस कॉमन ले लिया तो बनना कितना X 1 बटा X. तो अंडर X रूट तीन तो है. है तो खूब सवाल ऐसे पेपर में आते हैं कि एक्स की घात पच्चीस प्लस एक्स की घात उन्नीस प्लस एक्स की घात अठारह प्लस एक्स की घात सत्रह प्लस एक्स की पावर ग्यारह प्लस दो क्या उत्तर हो जल्दी बताएंगे जल्दी एक्स की घात छ माइनस एक होगा इतना मैं जानता हूं और पावर का अंतर अगर छ होगा तो इसकी पावर का अंतर छह जीरो इसकी पावर का अंतर छह जीरो अब अगर एक्स की घात छ माइनस एक है तो मैं इसकी क्यूब कर दूं लल्ला क्यूब तो एक्स की घात अठारह भी माइनस एक होगा बोलो तो ये कितना आ जाएगा माइनस एक प्लस दो दो में से एक गया तीन तो कर लेंगे कभी ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे ही टारगेट अचीव होते हैं ये लगन रखनी पड़ती है एक्स की गा बराबर माइनस वन होगा ठीक है तो देखिए इतना समझना पड़ेगा आपको कि अगर एक्स की पावर छ ऑड है ऑड समझ ना तो, तो आएगा माइनस एक अगर एक्स की पावर छ इवन है तो आएगा प्लस एक बोलो होगा नहीं तो मैंने यही देखा कि इसको मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू एक्स की घात मैं पावर ना क्या कर रहा हूं छह के मल्टीपल के करीब ला रहा हूं तो मुझे गुणा भाग करनी पड़ रही है तैतालीस को x की घात बयालीस प्लस उन्तीस को x की घात तीस बटे एक्स कम होती है तो x से गुणा कर लेता हूं ज्यादा होती है तो x अलग निकाल के फेंक देता हूं यह जीरो हो जाएगा इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है जीरो हो जाएगा यह एक्स की घात छह की घात चार है माइनस एक की घात चार करूंगा तो एक हो जाएगा और यह एक और तीन मिलके चार आ जाएगी बोलो इतना तो डायरेक्ट कर ही सकता हूं यार आप मुझे इतना प्यार करते हो तो इतना डायरेक्ट नहीं करूंगा कोई क्या कर लेगा मेरा ठीक है ध्यान से देख लेना इनका अंतर छह था इसलिए जीरो हो गया एक्स की घात चौबीस एक्स की घात छह की घात चार है माइनस एक की घाट चार एक ही आगे अब देखिए छियासठ क्या है तो आप कहेंगे छियासठ तो ऑड में आएगा ग्यारह 66 तो माइनस वन होगा तो ये माइनस एक्स चौवन क्या होगा नौ माइनस एक बटा बयालीस छियालीस माइनस एक्स छीस ये भी माइनस आएगा प्लस चार तो बच्चे ने कहा जी ये आ गया चार माइनस दो कॉमन आ जाएगा अंदर एक्स प्लस एक बटा एक्स यही होगा कोरिया का बच्चा बोला कोरिया का बच्चा बोला कि एक्स प्लस एक बट एक्स माइनस रूट तीन है हाँ तो सबसे पहले देखिए आपने आज हम जब डिग्री की बात कर रहे हैं तो उससे पहले दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है थोड़ा लिखते भी रहिएगा साथ में आज की क्लास में कि भाई एक्सप्रेशन क्या होता है एक्सप्रेशन क्या होता है तो एक्सप्रेशन होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स कुछ चीजें जब तक नहीं पता होंगी बिटवीन वेरिएबल्स वेरिएबल्स के बीच में रिश्ते को हम क्या कहते हैं एक्सप्रेशन कहते हैं जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब ये क्या है एक एक्सप्रेशन है ठीक है तो ये एक एक्सप्रेशन है बट आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम सिर्फ बात करेंगे होमोजीनियस एक्सप्रेशन पे तो ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होता है पहले आपको मैंने बताया एक्सप्रेशन क्या होता है तो आपने कहा कि एक्स वाई जेड में जो भी संबंध होता है जैसे आपकी एक्स है उसकी वाई है इन सब जेड में जो संबंध है वो एक्सप्रेशन है एक्स को देख के जो प्रेशर आता है वो एक्सप्रेशन है ठीक है भाई इतनी सी बात समझ आई फिर हमने कहा कि आज की क्लास में जो हमारा फोकस है वो होमोजीनियस एक्सप्रेशन पे है किस पे है होमोजीनियस एक्सप्रेशन पे होमो जीनियस एक्सप्रेशन पे तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है समघातीय व्यंजक समघातीय व्यंजक तो देखिए समघातीय व्यंजक क्या है जैसे अभी आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर था और वाई की क्यूब तो अगर आपको मालूम है कि पावर और डिग्री में क्या अंतर है अगर मैं पावर और डिग्री में अंतर आपको बताऊं तो ये कह सकता हूं कि पावर एक्सप्रेशन की नहीं होती वेरिएबल की होती है बहुत ध्यान से समझना थोड़ी टेक्निकल क्लास जरूर है बट जब ये टेक्निकल क्लास समझ आ जाएगी तो उत्तर सेकेंडों में आपके सामने आएगा ठीक है तो मैंने क्या कहा कि भाई पावर है ये ठीक है पावर है ये और डिग्री है ये तो दोनों में अंतर क्या है तो मैं ये कह रहा हूं कि पावर वेरिएबल की होती है और डिग्री एक्सप्रेशन की होती है तो मैं ये कहूं कि यहां पावर एक्स की कितनी है तो आप कहेंगे दो है मैं कहूं वाई की कितनी है तो आप कहेंगे तीन है जो दो और तीन है वो एक्स और वाई की पावर है जब मैं डिग्री की बात करूंगा कि डिग्री एक्सप्रेशन की कितनी है तो आप कहेंगे एक्सप्रेशन कौन सा है मैं कहूंगा एक्स स्क् वाई की क्यों तो ये बेसिकली क्या है कि जब इनटू में चीजें होती हैं तो पावर सम आ जाती है यानी कि डिग्री क्या होगी सम ऑफ पावर होगी यानी ये कितना आ जाएगी पांच आ जाएगी तीन और दो पांच तो डिग्री किसकी निकलती है एक्सप्रेशन की निकलती है पावर किसकी होती है वेरिएबल की ये मैंने लिखा हुआ था आपने इसकी डिग्री और पावर मुझे दोनों बता दी मुसीबत कहां फंसती है मुसीबत फंसती है जब मैंने आपको कहा कि एक्स स्क्वायर वाई की क्यूब है प्लस जेड की पावर अब आप नहीं निकाल सकते अब आप कहेंगे कि जी इसकी डिग्री तो पांच बता सकता हूं इसकी डिग्री चार बता सकता हूं कंप्लीट नहीं निकल पाएगी कंप्लीट नहीं निकल पाएगी क्यों नहीं निकल पाएगी क्योंकि यहां पे डिग्री अलग अलग है अगर मैं इसको छोटे छोटे एक्सप्रेशन में तोड़ू तो डिग्री अलग अलग है तो समघातीय व्यंजक क्या होता है फिर हम समघातीय व्यंजक की ही बात क्यों कर रहे हैं हम ये क्यों कह रहे हैं कि आज की क्लास में हमें समघातीय व्यंजक पढ़ना है उसकी वजह है कि समघातीय व्यंजक वो होता है जहां जहां हर टर्म की डिग्री सेम हो जहां हर टर्म की डिग्री ये क्लास टेक्निकल है हो सकता है सबको समझ ना आए जहां हर टर्म की डिग्री सेम हो जहां हर टर्म की डिग्री सेम होती है वो क्या होता है होमोजीनियस एक्सप्रेशन अगर आप इसकी हिंदी देखेंगे तो हिंदी से ही पता लग रहा है समघातीय व्यंजन हिंदी से क्या पता लग रहा है घातीय व्यंजक यानी कि जिसकी घात क्या है समान है घातीय सम व्यंजक कोई क्या कहेंगे समान है बोलो भाई क्लियर है या नहीं ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में ना आई बात? आगे बढ़ते हैं, हैं देखिए और होमोजीनियस एक्सप्रेशन के आप एग्जाम्पल देखिए होमोजीनियस एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल देखिए होमोजीनियस एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल देखिए जैसे ए प्लस बी प्लस सी है यह होमोजीनियस एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है ए बी प्लस बीसी प्लस सी होमोजीनियस एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है ए की क्यूब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अगर ये कंसेप्ट समझ गए ना तो मैं ग्यारह सवाल लाया हूं ग्यारह को आप आधे से गुणा कर लो यानी साढ़े पांच सेकेंड में हो जाएंगे तो ये क्लास मैं चाहता तो साढ़े पांच सेकंड में हो सकती थी बट मुझे कंसेप्ट भी तो सिखाना है आपको करेंगे कैसे साढ़े पांच में वो सीख लो तो अब देखिए ये होमोजीनियस क्यों है क्योंकि यहां सबकी पावर तीन तीन है यानी कि डिग्री कितनी है तीन डिग्री कितनी है तीन यहां पर सबकी पावर कितनी है एक एक यानी डिग्री कितनी है एक यहाँ पे सबकी पावर कितनी है दो तो यहां पर डिग्री कितनी है दो यही सवाल का उत्तर है थ्री वन टू थ्री वन टू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इस सवाल का उत्तर मतलब डिग्री कितनी है दो दो अब बात आती है कि आप सब कुछ सीख गए एक्सप्रेशन समझ गए बट बच्चों को डिग्री निकालना नहीं आ रहा तो मैं एक हेडिंग वो भी लगवाता हूं, डिग्री निकालना भी सिखाता हूं बड़े बड़े सवालों में तभी तो आप सवाल जल्दी कर पाएंगे आगे बढ़ेंगे आपको हेडिंग लिखनी है हाउ टू फाइंड अरे कलर से लग रहा है ना भाई हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड डिग्री हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन होमोजीनियस एक्सप्रेशन हाउ टू फाइंड होमोजीनियस एक्सप्रेशन होमोजीनियस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है अनुपम खैर है हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन कैसे देखिये जब भी डिग्री निकालें मैं पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं रूल लिख रहा हूं पहला रूल जब भी डिग्री निकालें प्लस माइनस के बात की बात की सभी टर्म हटा दे डिग्री निकालना सीख लो सभी टर्म हटा दो प्लस और माइनस की बात की सभी टर्म हटा दो जब भी डिग्री निकालनी है ठीक है नंबर दो रूल अगर अगर दो वेरिएबल अगर दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है यदि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो डिग्री उनकी पावर का सम होगी मतलब पावर का सम कर देंगे तो डिग्री उनकी पावर का सम होगी नंबर तीन अगर दो वेरिएबल डिवाइड में है डिवीजन में है डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी डिग्री निकलते समय पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिग्री निकालते वक्त तो क्या करेंगे पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिग्री निकालते वक्त इज इट क्लियर और नॉट अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा था मैं इन सब बातों को एग्जाम्पल से भी बताना चाहता हूं पहले का एग्जाम्पल लिख रहा हूं अगर ये ए की क्यूब बी की क्यूब और सी की क्यूब है तो मैंने मालूम है क्या बताया है मैंने इतनी सी बात बताई है कि प्लस के बाद वाली टर्म हटा दो इसकी पावर कितनी है तीन तो डिग्री कितनी हो गई तीन मैंने ये बताया पहला मैंने क्या बताया कि अगर होमोजीनियस है तो प्लस या माइनस के बाद की सारी टर्म हटा दो और बाकी एक की पावर देख लो वही डिग्री होगी दोबारा में मैंने क्या बताया कि अगर एक ही क्यूब और बी है तो क्या करेंगे पावर क्या होगी डिग्री निकालते वक्त ऐड हो जाएगी तीन प्लस दो बराबर पांच आ जाएगी पावर तीन प्लस दो पावर कितनी आ जाएगी पांच अगर डिवाइड में है की घात चार और नीचे बी तो बी की घात एक है तो डिग्री निकालते वक्त क्या होगी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी चार माइनस एक बराबर तीन यही उत्तर आ जाए चार माइनस एक बराबर तीन यही उत्तर आ जाएगा इसके अलावा बताइए कोई बात हो तो चार माइनस एक बराबर तीन कोई डाउट है तो बताइए एनी बॉडी एल्स एनी बॉडी एल्स कोई भी बॉडी अगर आपको इस तरीके से कर पाए तो बताइए चार माइनस एक बराबर तीन ठीक है डिग्री निकालना आ गया आगे बढ़े सब लोग आगे बढ़े अब डिग्री निकालेंगे अब सवाल अब बात आती है कि हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन हाउ टू हाउ टू अप्लाई हाँ दिस कॉन्सेप्ट जो हमने डिग्री का पढ़ा अभी इन क्वेश्चन क्वेश्चंस में हम कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में ही हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे तो कर लेंगे बहुत आराम से कोई बड़ी बात नहीं है देखिए ध्यान से देखना पड़ेगा डिग्री अब जैसे किसी एक्सप्रेशन का माइंड मान फाइंड करना है यानी आपको क्या करना है होमोजीनियस होमोजीनियस एक्सप्रेशन कि वैल्यू फाइंड करनी है सवाल पूछा है कि वैल्यू बताओ क्या होगी ये पूछा है आपसे कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ होमोजीनियस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ क्या होगी ये आपसे पूछ रहे तो मैंने बस इतनी सी बात कही कि भाई अगर ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो क्वेश्चन होगा यानी कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन हम क्या करेंगे उसकी डिग्री फाइन कर लेंगे उसकी डिग्री मस्ट 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 तभी आता है जब अर्जेंट हो मुझे तुम्हारी जरूरत मस्ट है तो मस्ट बी इक्वल टू द मस्ट बी इक्वल टू द मस्ट बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ ऑप्शन या आंसर एक ही बात है जो भी आंसर होगा उस ऑप्शन की डिग्री सेम होगी यानी अगर आपसे किसी होमोजेनियस एक्सप्रेशन अगर आपसे किसी होमोजेनियस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है तो मैं ये कह सकता हूं कि उस होमोजेनियस एक्सप्रेशन की डिग्री उस ऑप्शन की डिग्री या उसके उत्तर की डिग्री के बराबर होगा इतनी सी बात क्लियर करनी है आगे बढ़ते हैं हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन तो मैंने कहा अगर होमोजीनियस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछी है तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो इक्वल होगी जो भी उसका आंसर होगा देखें ये सवाल है पहला डिग्री पे पहला सवाल है पहला सवाल डिग्री पे ए की क्यूब बी प्लस सी बटे ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस बी की क्यूब सी प्लस ए बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस सी की क्यूब ए प्लस बी बटे सी माइनस है सी माइनस भी ये आपको बताना है देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन की डिग्री निकालेंगे यही हमारी आपकी बात हुई तो मैंने कहा कि प्लस के बाद वाला हटा देंगे तो ये प्लस के बाद वाला है हटा दो क्योंकि होमोजेनियस सवाल ही डिग्री से हो पाएंगे जितने होमोजेनियस सवाल होंगे वही डिग्री से हो पाएंगे ये खत्म हो गया खत्म हो गया जी ठीक है फिर आप कहेंगे प्लस के बाद यहां पे भी खत्म कर देंगे यहां पे भी खत्म कर देंगे यहां पे भी खत्म ठीक है भाई क्या बच गया तो आपने कहा ऊपर बच गया ए की क्यू और बी और नीचे कितना बच गया ए और इन टू ए तो हमने देखा कि ये जो ए स्क्वायर है इससे कट जाएगा ऊपर केवल ए बचेगा यानी कि इसकी डिग्री जो है वो दो है इसकी डिग्री कितनी है दो यानी जो भी सवाल का उत्तर होगा वो डिग्री दो वाला आंसर होगा जिसमें इस तरीके से ये सवाल सी में आया हुआ है मैंने कोई बनाया नहीं है सवाल एक भी सवाल बनाया नहीं है ना ही ऑप्शन बनाया कुछ भी बनाया ठीक है तो अब डिग्री दो है पहले वाले ऑप्शन की डिग्री कितनी है तुषार तो तीन। 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 तीन डिग्री तीन डिग्री है इस सवाल की डिग्री कितनी है एक सबकी पावर एक है नहीं होगा ये उत्तर इसमें तो डिग्री है ही नहीं जीरो है नहीं होगा इसमें डिग्री कितनी है दो इसको तो हटाई देंगे दो यानी सी विल द करेक्ट आंसर मैंने ये कहा कि प्लस के बाद से कोई मतलब नहीं है तो सार जी कोई मतलब नहीं है प्लस के बाद से माइनस के बाद से भी कोई मतलब नहीं है हटा दो इसको भी हटा दो प्लस माइनस अब आपने देखा ऊपर कितना है ए स्क्वायर नीचे कितना है ए इंटू ए ए स्क्वायर यानी एक आ गया डिग्री जीरो हो गई क्योंकि डिग्री भाग में घटाते हैं तो दो माइनस दो कितनी आ गई जीरो डिग्री आ गई अगर कांस्टेंट आ जाए तो समझ लेना कि डिग्री जीरो आ गई अब डिग्री जीरो का मतलब ये वाला उत्तर नहीं हो सकता सवाल का ये उत्तर नहीं हो सकता ये ये भी उत्तर नहीं हो सकता अब बच्चा फंस गया तो देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है हर सवाल डायरेक्ट डिग्री से हो जाए जरूरी नहीं है कि हर सवाल डायरेक्ट डिग्री से हो जाए ऐसा भी हो सकता है कि हम डिग्री का पार्शियल यूज करें पार्सियल अब देखिए पार्सियल यूज क्या है पार्सियल यूज इतना सा है कि मैं सवाल देख के समझ गया ऊपर दो नीचे दो यानी डिग्री जीरो होगी ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकते मैं डिग्री देखते ही समझ जाता हूं सेकंड में कि ए और बी ऑप्शन नहीं होंगे अब अगर ए और बी ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन होंगे ये देखना है हमें सवाल में तो मैंने कहा कि हमने और भी तरीके पढ़े थे अगर आपको हल्का पुल्का भी याद आ रहा हो तो हमने और भी तरीके पढ़े थे हमने कहा था बेटा देखो डिग्री वाली बात मिटा देता हूं अब कि एक वेरिएबल को जीरो कर सकते हैं तो आपने कहा ठीक है कर लो हमने सी को जीरो कर दिया कर सकते हैं कुछ नहीं किया अभी हमने सिर्फ सी को जीरो कर दिया आपने देखा अगर सी को जीरो करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे ए माइनस बी होगा तो ऊपर फैक्टर करेंगे ए प्लस बी बचेगा और नीचे ए बचेगा यही बचेगा मैंने जैसे ही सी को जीरो किया सी को मैंने जीरो किया तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी माइनस ए करूंगा तो ये कितना आएगा बी प्लस ए और बटे बी आ जाएगा बोलो चलेगा कि नहीं आपने कहा दौड़ेगा मैंने कहा अगर सी को यहां पे जीरो करूंगा तो आपने कहा जी माइनस आएगा ए स्क्वायर माइनस आ रहा है जी बी स्क्वायर बटे प्लस का ए बी आ रहा ठीक है मैंने भाग लगाना शुरू किया ये आया एक प्लस बी बाई ए ये आया एक प्लस ए बाई ए मैंने भाग लगाया तो माइनस ए बाई बी माइनस बी बाई ए आप पाएंगे ये दोनों आपस में कट गए एक और एक कितना उत्तर आ गया तो तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर पेपर में आपके पास एक या दो सेकंड बचा था और आपको अपने नसीब पे खेलना था तुक्का लगाना था कि किन्नी एक दो पे तो आप पार्सियली तुक्का लगा सकते थे कैसे आप ये कहते कि इसकी डिग्री शून्य है यानी ए और बी उत्तर नहीं होंगे ये भी सवाल एजिटेज आया है ए और बी उत्तर नहीं होंगे और अगर ए और बी उत्तर नहीं है तो फिर या तो सी है या डी इनमें से आप एक में तो लगा सकते थे आप यह सवाल देखिए उसकी भी याद दिलवा देते हैं आपको यह सवाल देखिए दोस्त जल्दी उत्तर बताएंगे जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं सीधे मैंने क्या कहा कि पार्सियल यूज भी डिग्री का है पार्सियल यूज डिग्री का कैसे है उसकी वजह है कि क्या यूज है डिग्री का कि हम तुक्का लगाने में हमें मदद मिलती है तुक्का लगाने में हमें मदद मिलती है माई नेम इज खुशी सर बहुत बढ़िया खुशी बहुत बढ़िया भगवान तुम्हें और खुशी दे एक दो और खुशी हो जाए आप तो दो से ज्यादा खुशी हो भी नहीं सकती सरकार रूल बनाने जा रही है देखो भाई मैंने कहा कि प्लस के बाद हटा देते हैं। हम दो दो हमारी खुशी ठीक है अब माइनस और प्लस हटा देते हैं आपने कहा ऊपर आ जाएगा ए और बी का स्क्वायर नीचे आ जाएगा सी इंटू ए देखिए ए से ये कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ये आ गया बी स्क्वायर बटे सी सी की पावर एक है डिग्री कितनी होगी डिग्री बराबर होगी दो माइनस एक तो एक इस सवाल का उत्तर आ जाए। डिग्री बराबर क्या होगी दो माइनस एक एक डिग्री वाला इस सवाल का उत्तर होगा इसकी डिग्री तीन इसकी डिग्री जीरो इसकी डिग्री दो इसकी डिग्री एक ए विल बी द करेक्ट आंसर चाहे आप इन सवालों को सॉल्व कर लो चाहे आप कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो इस सवाल का उत्तर यही आएगा इस सवाल की डिग्री कितनी है दो और दो का मतलब है नहीं इस सवाल की डिग्री एक और एक का मतलब एक ही ऑप्शन है ए जिसमें डिग्री सेटिस्फाई हो रही है मैं अगले सवाल पे आता हूं यह सवाल क्वांटम कैट नाम की एक घटिया मतलब अच्छी किताब आपने सुनी होगी उस किताब का ये सवाल है पता नहीं आया कैसे एग्जाम में शायद ये सीडीएस में आया नहीं भाई ये तो सीडीएस में आया वो शायद दूसरा है क्वांटम कैट वाला दूसरा है ये सीडीएस में आया हुआ सवाल है अगर ये सीडीएस में आया हुआ सवाल है तो आप इसे कैसे करेंगे बताइए इसे कैसे करेंगे x y z w देन x की पावर m प्लस वाई की पावर m प्लस जेट की पावर m प्लस डब्ल्यू की पावर m बटे x की पावर माइनस एम वाई की पावर माइनस एम जेट की पावर माइनस एम डब्लू की पावर माइनस एम क्या होगा देखें बहुत प्यारा सा ये सवाल है कैसे इसकी डिग्री निकालेंगे तो मैंने कहा प्लस के बाद हटा देते हैं जो भी है ऊपर कितना बच गया x की घात m आइडिया तो मेरे पास भर भर के रहते हैं एक्स की पावर माइनस एम ठीक है तो इसकी डिग्री क्या होगी तो आप कहेंगे ऊपर वाली की डिग्री एम और नीचे वाली घटेगी ऑलरेडी माइनस एम है तो डिग्री आ गई टू एम यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी डिग्री टू एम है ठीक है भाई अब इसकी डिग्री क्या होगी इसकी जीरो इसकी जीरो अब मैंने इसकी डिग्री देखी तो आपने देखा सबकी पावर फोर है यानी डिग्री फोर है और बाहर एम बाई टू बी है पावर में तो दो से दो कट जाएगा कितना आ गया टू एम इसकी निकालू कितना आ फोर एम पावर अंदर फोर हो जाएगी 4M. हमें क्या पता है सवाल की डिग्री टू एम सवाल की डिग्री 2M है तो उत्तर की डिग्री टू एम होगी और यही सवाल का उत्तर होगा यही सवाल का उत्तर होगा अगर किसी को भी डाउट है तो बता दो ऐसे के ऐसे ऑप्शन है आप खुद जाके देख सकते हैं किताब में इस सवाल को देखें एक्स बटे ए बराबर वाई बटे बी बराबर जेड बटे सी देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा ठीक है तो मैंने कहा कि प्लस के बाद सब कुछ हटा देते हैं और एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई ठीक है तो ये कितना आएगा पावर पावर एक तो डिग्री कितनी हो जाएगी दो तो डिग्री कितनी है एक एक और डिग्री दो ठीक है डिग्री यहां पे कितनी आ गई दो अब मैंने कहा कि अगर डिग्री दो है तो सवाल का उत्तर देखिए यहां पे ऊपर भी दो नीचे भी दो यानी जीरो की चीजें हटा दीजिए तो ए स्क्वायर है और ऊपर एक्स स्क्वायर ऊपर चार है पावर नीचे पावर दो है तो डिग्री कितनी आ जाएगी आप कहेंगे चार में से दो घट जाएगा दो आ जाएगी क्वेश्चन की डिग्री कितनी थी दो उत्तर की डिग्री कितनी आई दो यही सवाल का उत्तर हो Osionfish. यही सवाल का उत्तर हो गया मैंने कहा ये हटा देते हैं आपने कहा ये भी हटा देते हैं प्लस माइनस के बाद की चीज पावर कितनी है एक और एक दो तो अंदर अगर दो है पावर मान लेते हैं बी की पावर टोटल दो है और ऊपर तीन है तो टोटल पावर आ गई यानी इसकी डिग्री कितनी आ गई आ गई इस सवाल की डिग्री कितनी है तीन इसकी डिग्री कितनी है तीन इसकी डिग्री कितनी है तीन एक ही ऑप्शन है तीन और इन सब की भी तीन यानी टोटल डिग्री अगर छ है तो वो एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन ए ऑप्शन ए में ही डिग्री कितनी है छ किसी को भी डाउट है डिग्री में ये एकमात्र क्लास आपकी पूरा डाउट क्लियर कर देगी इससे ज्यादा डाउट फिर कभी आपको डिग्री में नहीं आएगा मैं इतना ही कहूंगा अब देखिए भाई इसकी डिग्री कितनी है तो आप कहेंगे तीन यानी जो सवाल का उत्तर होगा वो भी तीन डिग्री वाला होगा तो मैंने कहा यार इसमें यहां डिग्री तीन और ये दो ये तो होमोजीनियस ही नहीं है गलत क्योंकि ये तो था हर जगह तीन दिन पावर थी हमने कहा इसकी डिग्री दो है तो ये वैसे नहीं हो सकता उत्तर ये फिर से होमोजीनियस नहीं है ये भी नहीं होगा इसकी डिग्री यहां भी तीन है और यहां भी तीन यानी ये डिग्री तीन है डी विल बी द आंसर आप देखते ही उत्तर बता रहे हैं मुझे यही चीज आपकी बहुत अच्छी लगती है फाइंड फाइन अब देखिए इसमें पार्शियल यूज कैसे होगा डिग्री का यह सवाल देखिए यह सवाल देखिए बड़ा मजा आएगा अब जैसे एक बच्चा इसमें वैल्यू पुटिंग करता है एक बच्चा आपको पता ही है सारे बच्चे कैसे करते हैं को कि मैं तो सबको एक एक, एक, एक एक रखूंगा एक एक रखा बच्चे ने जब आप एक, -एक रखोगे तो तीन की क्यूब माइनस एक माइनस एक माइनस एक, एक चौबीस आ जाएगा आ जाएगा अब सारे ऑप्शन में यहां भी एक एक रखने पे चौबीस यहां भी एक एक रखने पे बारह यहां चौबीस यहां चौबीस तीन ऑप्शन में तो अभी हमने डिग्री में क्या सिखाया कि जैसे आप माइनस वाला तो हटा दो तो पूरा यानी डिग्री कितनी है तीन है तीन है नहीं यानी उत्तर तीन डिग्री वाला होगा तो उत्तर ये नहीं हो सकता उत्तर ये नहीं हो सकता अब आपने कहा कि ये पहले ही कट हो गया था क्योंकि जब मैंने एक एक रखा था तो चौबीस आ रहा था तब ये नहीं था तो देखिए यहां पे हमने दो रूल लगाए कि एक तो हमने तीनों को एक एक रखा जब मैंने तीनों को एक एक रखा तो ये चौबीस आ गया तो ये वाला ऑप्शन पहले ही कट हो गया था जब डिग्री की बात आई तो डिग्री में ये वाला भी कट हो गया एक डिग्री और ये भी तो एक ही ऑप्शन बच गया जो दोनों पे सेटिस्फाई कर रहा है कि इसकी डिग्री भी तीन है और एक 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 रखने पे चौबीस भी आ रहा है बोलो भाई फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत है ये सवाल देखो बहुत बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन आगे बढ़ते हैं अब आप इस सवाल में देखिए अगर मैं डिग्री निकालूं तो इसको हटा देता हूं यहां से यहां से हटा दिया मैंने हटा दिया ठीक है तो क्या बचेगा इसके बाद तो आप कहेंगे कि जी सी स्क्वायर मैंने हटा दिया सी स्क्वायर तो एक ही घात चार और बी स्क्वायर बचेगा एक की घाट चार और बी स्क्वायर बचेगा एक की घात चार और बी और बीस स्क्वायर बचेगा ठीक है एक ही चार और बीस स्क्वायर यानी डिग्री कितनी है तो जवाब मिलेगा डिग्री है डिग्री कितनी है ठीक है? अब मैंने देखा यार यहां तो सारे सवालों की डिग्री बड़ी मुसीबत है तब तो बड़ी मुसीबत फंस गई फिर आपको याद आया कि एक तरीका आपने बताया था कि सी को जीरो कर दो कम से कम तो मैंने देखा अगर मैं सी को जीरो करूंगा तो सवाल आ जाएगा ए की घात चार बी स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा बी की घात चार ए स्क्वायर और प्लस जीरो प्लस जीरो आ जाएगा मैंने क्या किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बच गया जब मैंने सी को जीरो किया तो अब मैंने जब सी को जीरो किया तो पहला ऑप्शन जीरो नहीं होगा क्योंकि मेरा उत्तर जीरो नहीं आ रहा जब मैंने c को जीरो यहां पर किया तो ये पता है कितना बच रहा है ये बच रहा है माइनस का ए स्कवायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या ये उत्तर है हमारा नहीं हमारे में माइनस नहीं लगा हुआ ये नहीं होगा हमने यहां पर किया सी स्क्वायर सी स्क्वायर जीरो देखिये ये तो उत्तर ही नहीं होगा क्योंकि प्लस में आ रहा है जबकि माइनस में आएगा तो अब एक ही ऑप्शन बच गया चाहो तो चेक करा देता हूं ये वाला माइनस जब सी को जीरो करूंगा तो इससे प्लस हो जाएगा और सेम आ जाएगा जो ये आ रहा है तो सी ऑप्शन इज इज द द करेक्ट 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 आंसर आंसर सी सी ऑप्शन ऑप्शन इस सवाल का उत्तर होगा पार्सियल बता आपको आगे भी बताता रहूंगा जैसे ये सवाल है तो अगर मुझे तुक्का मारना हो तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि एक्स की क्यूब है इसका मतलब उत्तर ये और ये नहीं हो सकते बोलो कह सकता हूं या नहीं अगर एक्स की क्यूब है तो उत्तर ये और ये नहीं हो सकते ठीक है तो अब मैंने आपको एल्जेवरा में क्या करना सिखाया है तो आप कहेंगे आपने सिखाया एल्जेवरा में कि जीरो बना लो बेटा तो अगर मैं जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ देखिए मैं किसी एक को जीरो बनाऊंगा तो मुश्किल है क्योंकि अगर मैंने किसी एक को जीरो बनाया मान लेते हैं कि मैंने ए को जीरो बनाया मैं ए को जीरो बना लेता हूँ या मैंने बी को तो जीरो बनाया बी को तो नहीं बना सकते क्योंकि फिर नेगेटिव आ जाएगा ए को इसलिए नहीं बना सकते नीचे इनफाइनाइट आ जाएगा और जीरो बनाना ही है तभी एक लड़का आप में से बोला कि कुछ ऐसा मान लो जिससे ये जीरो हो जाए तो मैंने कहा फोर बी की क्यूब को एक की क्यूब के बराबर मान लेता हूं अगर मैं फोर बी की क्यूब को एक की क्यूब के बराबर मान लूंगा तो ये जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा यानी कि यहां से टू एक्स बराबर सिंपल ए आ जाएगा आ जाएगा मैंने कहा यहां से तो आपने कहा ये भी जीरो होगा यानी कि टू वाई बराबर भी ए आ जाएगा आ जाएगा अब एक्स का मान एक्स और वाई का मान यहां से दोनों का एक्स और वाई का क्या आ रहा है ए बाई टू आ रहा है आ रहा है कि नहीं तो मैंने कहा एक्स की क्यूब निकालता हूं तो एक ही क्यूब बटे आठ प्लस एक ही क्यूब बटे आठ तो बच्चा बोला उत्तर आ गया जी एक ही क्यूब बटे चार कोई बच्चा आप में से बता सकता है कि ऑप्शन में एक ही क्यूब बटे चार है नहीं मैं एक ही क्यूब का मान क्या रख सकता हूं यहां पे फोर बी की क्यूब और फोर से फोर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बी की क्यूब ये अपने आप में बहुत मुश्किल सवाल है बट मैंने इसे बहुत आसान बना दिया कहानी एक और सवाल पे खत्म हो जाती है ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगा और ये आज का लास्ट सवाल है आखिरी सवाल है बहुत मजेदार सवाल है कि ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर विल बी द वैल्यू प्लस अब एक छोटी सी बात बताइए कि इसकी डिग्री आपको कितनी लग रही है बहुत अच्छा सवाल है ये तीन जब मैं इसकी निकालूंगा तो ये तो हट ही जाएगा और दो की इससे गुणा होगी दो बटा तीन से तो इसकी डिग्री चार बटे तीन आएगी नहीं हो सकता उत्तर इसकी भी चार बटे तीन आएगी नहीं हो सकता उत्तर इसकी कितनी आएगी तीन बटा चार दो से गुणा होगा तीन बटा दो आएगी नहीं हो सकता इसकी गुणा करूंगा दो से दो कट जाएगा तीन आएगी और तीन ही आ रही थी एक ही उत्तर ठीक है तो ये भी अपने आप में एक बहुत प्यारा सवाल था बहुत सुंदर सवाल था मैंने बस यही सिखाया कि अगर हम डिग्री का इस्तेमाल करें तो किस तरीके से डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं डिग्री का इस्तेमाल क्या हो सकता है नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पे मान लेते हैं टू होता टू होता यहां पे भी तो भी तीन होती डिग्री ठीक है बस लेकिन ये उत्तर नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस है और यहां पे प्लस है तो जब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब वाला है तो माइनस वाला हम इलिमिनेट कर सकते हैं तब भी डी ऑप्शन आएगा ए और भी तो हमने हटाई थी मैं तो ये कह रहा हूं कि डिग्री का मान लेते हैं कंप्लीट यूज नहीं हुआ कोई बात नहीं पार्सियल तो होगा मैं ये तो समझ पाऊंगा ए और भी नहीं है अब सी और डी में से चुनना है अब मान लेते हैं मेरे सामने चार लड़कियां किससे शादी करनी है कन्फ्यूजन बहुत है अब मुझे किसी ने यह बता दिया कि जो पहली दो लड़कियां इनकी ऑलरेडी दो दो शादियां हो चुकी हैं कहीं निभ नहीं रही इनकी तो फिर तकलीफ है तो मेरे लिए दो ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे यार ये दो ऑप्शन तो मुझे लेने ही नहीं है अब मुझे खूबसूरती पे जाना ही नहीं है सवाल की सवाल की मैंने बोला साफ साफ देखो अब मैं तीन दो ऑप्शन से काम चलाऊंगा तो मैं देख लूंगा किससे मेरे गुड़ ज्यादा मिल रहे भाई सीधा फंडा है जिससे गुड़ ज्यादा मिलेंगे कैन मूव फॉरवर्ड एंड गो टूगेदर गेट टूगेदर कर लेंगे बुला के चार लोगों को तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगली मुलाकात अभी होगी अच्छा एक इंफॉर्मेशन आपके साथ और साझा करनी थी कि अभी सी एच एस एल का नोटिफिकेशन आया हुआ है आठ जून उसकी लास्ट डेट है लास्ट डेट का इंतजार ना करें उससे पहले ही उसका फॉर्म फिल कर दें और दूसरी बात यह कि अगर आप सी एच एस एल की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारी पूरी अभिनय मैथ्स की टीम जिसमें कुछ टॉपिक्स मैं भी पढ़ा रहा हूँ मैथ्स में और बाकी और भी टीचर हैं ऐसे इंग्लिश में वो कि कोई और पढ़ा रहा है ग्रामर कोई और सर पढ़ा रहे हैं बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब इनमें सेप पे आ सकते हैं और सी एच एस एल वाले बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं अगर किसी के पास फीस नहीं है कोई भी समस्या है तो दिए गए नंबर पे भी कॉल मैसेज करके हेल्प की डिमांड कर सकते हैं एक टाइप है एलजरा का ही एक टाइप है एलजवरा हम पढ़ रहे हैं ये वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है क्या है कैसे इसको शुरू करेंगे जब मैं ये कहता हूँ आपको कि बेटा x प्लस बहुत प्यार से समझाऊंगा एक एक बच्चे को समझ आएगा चाहे कोई बच्चा छोटा या बड़ा कि अगर x प्लस वाई बराबर जीरो है जब हम ये कहते हैं कि दो वेरिएबल का सम जीरो है तो आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि ऐसा सिर्फ दो ही कंडीशन में हो सकता है किस किस कंडीशन में पहली कंडीशन ये दिमाग में आती है कि ये प्लस हो और उतना ही ये माइनस हो यानी जब प्लस और माइनस होगा तब जीरो हो सकता है इसके अलावा इन सब कंडीशंस के अलावा एक और कंडीशन दिमाग में आती है कि हो सकता है दोनों में से कोई भी प्लस या माइनस ना हो दोनों जीरो हो जब मैं दो वेरिएबल के सम की बात करता हूं तो बच्चे के दिमाग में यह आता है कि सम ऑफ टू वेरिएबल्स जीरो तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो हो या एक पॉजिटिव हो या एक नेगेटिव क्या इन दोनों कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशंस बन सकती है नहीं मैंने फिर ये लिखा अगर मैं ये लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो है तो बच्चा बोला कि अब इसमें एक कंडीशन खत्म हो गई कौन सी कंडीशन खत्म हो गई सेकंड वाली कंडीशन खत्म हो गई कैसे खत्म हो गई क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता इसमें से जब हम किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव होने की संभावना भी पॉजिटिव में हो जाती है क्यों क्योंकि स्क्वायर करेंगे माइनस का और वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ठीक है पॉजिटिव आएगा यानी अब ये वाली कंडीशन नहीं होगी तो फिर एक ही कंडीशन बचती है कौन सी वो जीरो वाली यानी कि सम ऑफ टू वेरिएबल्स या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू वेरिएबल्स केवल तभी संभव है जब वो पर्टिकुलर जीरो हो यानी कि ये दोनों जीरो जीरो हो देखिए मैंने क्या बताया मैंने कहा कि सम ऑफ टू टर्म या सम ऑफ टू वेरिएबल्स तभी जीरो हो सकता है जब या तो दोनों जीरो उनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो बट फिर जवाब ये आया कि अगर मैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म लूं मतलब जो टर्म है उनका स्क्वायर है तो नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी यानी कि वो जीरो तभी आ सकते हैं जब वो पर्टिकुलर जीरो हो कई बार बच्चा इन सवालों में क्या गलती करता है वो ये कहता है कि गुरुजी आपने तो ये बताया था कि ये एक इक्वेशन है तो कोई भी वेरिएबल जीरो रख सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि ये दिखने में एक इक्वेशन है वैसे ये एक इक्वेशन नहीं है आप समझो अगर मैं ये कंडीशन डाल दूं आपसे कहूं कि x Y 5 है समझना मेरी बात प्लस वाई पांच है मैं ये कहूं और फिर मैं, मैं आपसे मान बताओ तो क्या नहीं निकलेगा निकलेगा क्योंकि मैं समझ जाऊंगा आपने जो कंडीशन उस हिसाब से एक्स जीरो और वाई पांच तो कई बार एक इक्वेशन सिर्फ देखने में लगती है बट वो हमें दो तीन इक्वेशन दे रही होती है मैंने क्या बोला कि कई बार जो इक्वेशन सिर्फ देखने में एक लग रही है बट उसके अंदर से दो इक्वेशन निकल रही होती है। मेरे कहने का मतलब क्या अगर आपने इतना समझ लिया लिख लिया है तो इस गंदी सी बात का स्क्रीन लेंगे फिर मैं इस टाइप को और अच्छे से लिख कर बताता हूँ कैसे देखिए मैं ये लिख कर बताता हूं मैं ये कह रहा हूं आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई हमें ये कहता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर जीरो है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि एक्स वाई जेड नहीं निकाल सकता वरना बच्चा कहेगा एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल कैसे निकलेंगे यहां पे बिल्कुल निकलेंगे क्योंकि स्क्वायर का सम जीरो तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर जीरो हो जब ये पर्टिकुलर जीरो हो जब ये जीरो हो जब ये जीरो हो यानी एक्स भी जीरो के बराबर हो वाई भी जीरो के बराबर हो और जेड भी जीरो के बराबर हू. यानी एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल का मान सिर्फ इसी कंडीशन पे निकल सकता है क्योंकि ये देखने में जरूर एक इक्वेशन लग रही है बट ये एक इक्वेशन नहीं है क्या ये इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है हमें सवाल इसका मैं सेकेंड पार्ट लिख रहा हूं अगर सामने वाला मुझे इस तरीके से लिख दे बहुत ठंड है भाई बाकई में x माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर बराबर जीरो अगर मैं ये कहूं कि सम ऑफ स्क्वायर इस तरीके से जीरो दे रखे हैं एक इक्वेशन से निकालो तो बच्चा कहेगा कि यह एक इक्वेशन नहीं है तीन इक्वेशन है कैसे क्योंकि स्क्वायर का सम जीरो तभी हो सकता है जब ये जीरो हो ये जीरो हो ये जीरो हो तो आप कहेंगे कि ये जीरो कब हो सकता है तो x बराबर ए हो यानी x का मान कितना आ गया a ये जीरो कब हो सकता है जब y का मान कितना आ गया b y b के बराबर आ गया जेड जीरो कब हो सकता है जेड माइनस सी जब जेड सी आ गया आगे बढ़ते हैं अब आप एक चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि ये तभी हो सकता है जब ये रियल हो अगर ये इमेजनरी हो गए तब तो आप जानते हो कि आई स्क्वायर का मान नेगेटिव हो जाएगा तो बस एक बात कहने के लिए लिख लो बाकी तो आप समझदारो कि जो ये वेरिएबल है एक्स वाई जेड ये रियल है यानी इनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता ये क्या है रियल है रियल मतलब वास्तविक हैं इनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता इनका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि हाँ मैंने अपना ब्रांड बना लिया अब मैं इस ब्रांड के तले बच्चों को किसी से भी पढ़वा दूं कुछ भी पढ़वा दूं बस अब क्या है अब तो बस मैं बच्चों को जैसे बोलूंगा नहीं मैं ये आपके मन में लाना ही नहीं चाहता किसी भी एंगल से कि आपको कहीं ये लगे कि मैं इस चीज का फायदा उठा रहा हूं बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ते हैं हम सवाल के थ्रू इस बात को और अच्छे से समझेंगे बट पहले उससे पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे आपने इस चीज़ को देखा आप पहले एक बार इसका स्क्रीन ले लीजिए फिर मैं बताता हूँ इसका फटाफट से स्क्रीन लीजिए ठीक है ले लिया होगा मैं समझता हूँ क्योंकि वक्त कम है चीज़ें ज़्यादा बतानी है तो थोड़ा सा जैसे आप पता है एस इस तरीके से सवाल नहीं पूछते कि आपको ये दे दिया और निकाल दिया वो इसका स्क्वायर कर देती है अगर मैं इसका स्क्वायर करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी जेड बराबर जीरो होगा बोलो होगा या नहीं तो एस एस सी या कोई भी एग्जाम में इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है कि वो इस तरीके से लिख देते हैं ले लिया हमने अंदर कितना आ जाएगा बेटा AX plus BY plus CZ. ठीक है ये आ जाएगा और माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आपको यही पैटर्न समझना है और याद रखना है कि जब भी कभी इस तरीके का पैटर्न हो बहुत ध्यान से समझना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कभी इस तरीके का पैटर्न हो और अगर आपने बाहर से दो कॉमन ले लिया आज की पूरी क्लास इसी चीज पे फोकस होगी आपने दो कॉमन ले लिया है उसके बाद सवाल में कुछ बचेगा नहीं यानी x का कॉफिशियंट कितना है a तो x का मान a हो जाएगा a ही आ रहा है y का कॉफिशियंट कितना है b तो y का मान b हो जाएगा जेट का कॉफिशेंट कितना है सी तो जेट का मान सी हो जाएगा बोलो इतनी सी बात समझ आई क्या मैं और एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाऊंगा या आगे अभी सवाल करूंगा अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर इस तरीके से डायरेक्ट लिखा है तब तो हम निकाल देंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कब आती है जब सवाल इस तरीके से लिख दे तो हमने कहा अगर सवाल इस तरीके से लिखा होगा तो हम क्या करेंगे टू कॉमन ले लेंगे ले ले इधर जाके इक्वल करके टू कॉमन ले लेंगे ले ले. टू कॉमन आने के बाद जो अंदर होगा हम क्या करेंगे x का कॉफिशियंट x का मान होगा y का कॉफिशियंट y का मान होगा z का कॉफिशियंट z का मान होगा इतनी सी बात अगर समझ आई है तो हम आगे बढ़ेंगे मैं सीधे सवालों पे आऊंगा पहले आप बताइए इतना समझ आया है कि नहीं आपको देखिए भाई अब मैं सवाल पूछता हूं आपसे पहले छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ एक ही बार में ज्यादा चीजें समझा दूंगा तो मजा नहीं आएगा एक ही बार में ज्यादा चीजें समझा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा सवाल है कि a माइनस टू का स्क्वायर b माइनस थ्री का स्क्वायर c माइनस ग्यारह का स्क्वायर बराबर जीरो है तो रूट ए प्लस बी प्लस सी क्या है देखिए बहुत सिंपल सा मैंने सवाल लिया है पहला आप यहाँ से ये यह कह सकते हैं कि भाई किसी का भी स्क्वायर जीरो तभी हो सकता है किसी का भी स्क्वायर जीरो तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो जब ये पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो जब ये पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो यानी आप कह सकते हैं कि ये जीरो के बराबर होने का मतलब है कि ए का मान कितना आ जाएगा दो बी का मान कितना आ जाएगा तीन यही पढ़ाया अभी तक सी का मान कितना आ जाएगा ग्यारह यानी मैं इन सबको जोड़ू तो अंडर रूट के अंदर आ रहा है सिक्सटीन ये बराबर होगा अंडर रूट सिक्सटीन हमेशा जीवन में एक बात याद रखना मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है इस सवाल का उत्तर प्लस फोर होगा कई लड़के बताएंगे कि प्लस माइनस चार क्यों नहीं होगा रूट से पहले प्लस माइनस आता है अगर मुझे कोई कहे कि एक्स स्क्वायर बराबर सोलह है तो मैं बोलूंगा कि एक्स बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट सोलह यानी अंडर रूट सोलह से पहले प्लस माइनस आएगा अगर केवल एक्स बराबर रूट सोलह लिखा हुआ है ऑलरेडी तो इसका एक ही मान होगा चार देखिए जितनी x की पावर उतने मान संभव है क्वाडेटिक इक्वेशन है तो दो मान है ये लीनियर है पावर एक है तो एक्स का एक ही मान आएगा चार इस बात को आप मैं पूरा अभी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा वक्त कम है मुद्दे से भटक जाऊंगा बस मैं इतना कहूंगा कि आपने एक रूट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा उसमें प्लस माइनस रूट से पहले आता है कि नहीं बताओ अब आप और हम श्रीधराचार्य से ज्यादा काबिल तो नहीं है जब वो रूट से पहले लगा के गए प्लस माइनस वो भी तो ये सोच सकते थे कि बच्चा जब रूट को सॉल्व करेगा तो अपने आप प्लस माइनस ले आएगा वहां बट उन्होंने नहीं सोचा उनको पता था कि आप ऐसा नहीं कर पाओगे और बात सच भी नहीं थी रूट से पहले ही आता है प्लस माइनस इसलिए वो भी लगा के गए तो ये सवाल सिर्फ इसलिए था कि अगर अंडर रूट दिया हुआ है तो समझ लो कि सवाल का जो उत्तर होगा वो कितना होगा बात क्लियर है या नहीं ठीक है मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं आपको जानकर की बड़ी हैरानी होगी आप ये सवाल देखिए अब इस सवाल का उत्तर क्या होगा ये अपने आप में एक अलग ही सवाल है अलग ही नमूना है ये सवाल सवाल तो मैंने बहुत देखे बट इस तरीके का नमूना नहीं देखा आप इस सवाल का उत्तर अगर मुझे बता दें तो मुझे बेहद खुशी होगी अब मैं क्या कह रहा हूं अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये पर्टिकुलर जीरो होगा बताओ कह सकता हूं आप कहेंगे हाँ जी जीरो होगा ये पर्टिकुलर जीरो होगा हाँ जी कह सकते हैं जीरो होगा ये पर्टिकुलर जीरो होगा हाँ जी कह सकते हैं जीरो होगा यानी मैं ये कह सकता हूँ पहले वाले के हिसाब से कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी माइनस सी कितना आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर दूसरा बी प्लस सी माइनस ए बराबर माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स स्क्वायर ठीक है उसके बाद c प्लस ए माइनस बी बराबर सिक्स एक्स स्क्वायर मैंने कहा बेटा अगर हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए तो इन सबको जोड़ दो आपने कहा जब इन सबको जोड़ूंगा तो a से a कट जाएगा c से c आएगा कितना b से b भी कट जाएगा बचेगा कितना a प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं आप देखिए बहुत ध्यान से इस सवाल का उत्तर मैं समझता हूं कि आप सब एक्स बता रहे होंगे बट कि एक्स नहीं होगा क्यों क्योंकि अब के अंदर स्क्वायर है तो बाहर अगर मैं एक्स निकाल देता हूं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि पॉजिटिव आएगा या नहीं एक बच्चा बोला कि अगर रूट ए प्लस बी प्लस सी है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए हंड्रेड परसेंट होना चाहिए नहीं अगर मुझे कोई कह दे चार तो भैया पॉजिटिव है चलेगा लेकिन कोई मुझे कह रहा है एक्स है अब एक्स अगर नेगेटिव हो गया तब क्या करूंगा मान लेते हैं कि सवाल में एक्स का मान ही माइनस पांच है तब तो ये माइनस पांच आ जाएगा उत्तर और तब बच्चा बोलेगा यार आप कैसी बातें कर रहे हो लो आ गया ए प्लस बी प्लस, नेगेटिव तो मुझे ये पता नहीं है कि एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव तो मुझे इससे पहले दोनों लगाने पड़ेंगे प्लस माइनस क्यों क्यों लगाने पड़ेंगे क्योंकि इस बात की मुझे गारंटी देनी पड़ेगी कि अगर x नेगेटिव हुआ तो माइनस के साथ मिलके पॉजिटिव हो जाएगा माइनस के साथ मिलके पॉजिटिव हो जाएगा देखिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूं इसका मतलब इस सवाल का उत्तर डी आएगा कोई बात नहीं आपको नहीं आई समझ आप दोबारा देखो देखिए मैंने लिखा अंडर रूट तो मैं जानता हूं पॉजिटिव आएगा तो आपने मॉड वर्ड सुना होगा मॉड तो मैंने चार लगा दिया अब दुनिया जानती है चार से पहले मॉड लगाओ या ना लगाओ वो तो पॉजिटिव ही है है या नहीं क्योंकि रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हम मॉड लगा देते हैं अब बात आई स्क्वायर की तो इसका उत्तर आया अब देखिए यानी पॉजिटिव होगा हमेशा जब भी मोड एक्स बाहर निकलता है तो या तो प्लस हो सकता है या माइनस एक्स पहले ही लिखते हैं पहले ही हम क्यों लिखते हैं आप देखो मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है कि ये एक्स है कब तक जब एक्स पॉजिटिव है जब x पॉजिटिव है तब कोई दिक्कत नहीं है मान लेते हैं x का मान चार है तो चार लिख दो तो बात ही की है। बट हमें ये माइनस एक्स लिखना पड़ता है जब x नेगेटिव हो क्यों क्यों लिखना पड़ता है भाई आप मुझे बताओ अगर x माइनस चार है और मैंने यहां खाली x लिख दिया तो मॉड x तो नेगेटिव आ जाएगा तो मैंने क्या किया माइनस पहले लगा दिया ताकि x नेगेटिव भी होगा तो इस नेगेटिव के साथ मिलके पॉजिटिव बन जाएगा तो आप चाहे तो यह कह सकते हो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बराबर होगा अब मोड एक्स क्या होता है प्लस माइनस एक्स होता है अगर आपको बहुत गहराई में बात समझनी है आप चाहते हैं पेपर में गलती ना हो तो यह बात समझनी पड़ेगी वरना मत समझिए मैं आपको सीधी बात कह रहा हूं मैं आपको फिर समझा रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं एस एस सी ने सिर्फ इतना सा सवाल पूछा आप मुझे बताइए इस दौर में इतना सरल सवाल पूछने के पीछे वजह क्या रही होगी बताओ वो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि अगर अंडर रूट के अंदर एक है तो बच्चा इसको प्लस माइनस एक लिखेगा या एक और इसका उत्तर था एक ठीक है अगर यहीं पे ये होता अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा समझ रहे हो या मान लेते हैं अंदर होता अंडर रूट साइन की पावर फोर थीटा तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है मैं धड़ल्ले से साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा क्यों क्योंकि गारंटी है क्योंकि गारंटी है कि साइन स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा समझो आप बात को पॉजिटिव होगा लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अब दिक्कत है अब दिक्कत है अब मुझे प्लस माइनस साइन थीटा लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव आ गया तो आप तो हंगामा काट दोगे आप कहोगे यार आपने बताया था रूट के बारे में हमेशा पॉजिटिव आता है लो नेगेटिव आ गया तो मैंने पहले से ही माइनस लगा के रखा है ताकि जैसे ही नेगेटिव आए तो वो इस नेगेटिव को मिलकर दोनों पॉजिटिव हो जाए कई लड़के ऐसे नमूने होंगे जो कहेंगे कि सर पॉजिट नेगेटिव नेगेटिव मिल के पॉजिटिव कैसे हो सकता है तो देखिए उनके लिए बताता हूँ जैसे ये एक नेगेटिव है और ये एक नेगेटिव है ठीक है भाई है या नहीं ये बताओ पहले मुझे है अब क्या होगा कि ये नेगेटिव मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने घुमाया देखना ध्यान से ये मैंने घुमाया इसको ऐसे ये नेगेटिव है अब मैंने इसको उठाया उठेगा कैसे ये? ये लो ये लो देखो क्या बन गया तो अब समझ में आई कि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव बन गया नेगेटिव था उल्टा होके उठाया उसके ऊपर चुपकाया पॉजिटिव बन गया बात खत्म चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दो सवाल देखते हैं एक ये छोटा सा सवाल कर लीजिए ये सवाल होमवर्क में दे देता हूँ आराम से होमवर्क में कर लेंगे कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है मुश्किल होता तो बात होती बट ये मुश्किल नहीं है चलिए ये सवाल देखिए अब देखिए इस मैं सारे सवाल मैं करवा रहा हूं अभी आप बस देखते रहो मैं क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया आपको अभी उतनी जल्दी समझ नहीं आया होगा जब आपकी करने की बारी आएगी तब मैं पूछ लूंगा एक बात बताओ ये सवाल एस में ना जाने कितनी बार आ चुके हैं ये सवाल एस में ना जाने कितनी बार आ चुके हैं आप देखो जरा ठीक है भाई दोबारा से मैं बता रहा हूँ अभी मैंने क्या कहा था कि अगर ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है नॉर्मल है तब हमें क्या करना है कि दो बाहर होगा तो हम कॉफिशियंट से ही वैल्यू पता कर लेंगे जैसे ए का कॉफिशियंट कितना है वन बी काफिशियंट कितना है माइनस टू सी का कॉफिशियंट कितना है प्लस थ्री तो हमने सारी वैल्यू निकाल दी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बस क्या चेक करेंगे कॉफिशियंट चेक करेंगे तो एक का मान कितना है वन बी का कितना है माइनस टू सी का कितना है तीन तीन और एक चार में से दो गए दो यही सवाल का आंसर अब अच्छा फिर तकलीफ किन सवालों में होती है तकलीफ किन क्वेश्चन में होती है उसकी मैं बात करता हूँ जहाँ पे यहाँ पर भी कोई कॉफिशियंट लगा हो देखिए हम तभी चेक कर सकते हैं इसमें कई बच्चे कहते हैं कि तरीका फेल हो जाता है फेल नहीं होगा आप में दिमाग नहीं होगा तो आपको ये देखना होता है कि यहाँ पे स्क्वायर किस चीज का है ए का है ठीक है आप का काफिशियंट चेक कर लो यहाँ पे स्क्वायर कितने का है बी का है तो आप बी का कोफिशियंट चेक कर लो यहां पे स्क्वायर किसका है सी का तो आप सी का चेक कर लो बट स्क्वायर अगर किसी और चीज का होगा तब तकलीफ है मैं बताता हूं कैसे अब अगला पॉइंट समझाने जा रहा हूं यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ अगला पॉइंट बताने जा रहा हूं देखिए भाई मैं अब एक और चीज बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं तुषार भाई कि अगर ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर है समझना ठीक है भाई और सी वाई माइनस डी का स्क्वायर है बराबर जीरो है ठीक है भाई ये दिया हुआ है अब आप बता सकते हो कि क्या मान होगा अब आप बता सकते हो कि इसका क्या मान होगा तो आप कहेंगे जी मान होगा इसको जीरो के बराबर कर देते हैं के के बराबर इसको जीरो के बराबर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट आ गया भाई मुझे पता है स्क्वायर का सम जीरो तभी हो सकता है जब ये पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो तो एक्स कितना आ गया बी बाई ए आ गया अब मैंने वाई की बात की तो वाई कितना आ गया डी वाई सी आ गया भाई, भाई इसको जीरो के बराबर किया तो y डी वाई सी के बराबर आ गया, ठीक है इतनी सी बात आपको आ गई समझ अब मैंने कहा कि अगर मैं इसको जब अगर एस एस सी ने मुझे सवाल ऐसे दिया होता ये सोचो कि भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स बी प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू सी वाई डी बराबर जीरो मान लेते हैं कि उन्होंने हमें सवाल इस तरीके से दिया होता कैसे देखो कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हम टू कॉमन लेते तो अंदर कितना आता ए एक्स बी सी वाई डी और इधर कितना आता माइनस का बी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर ऐसे हमें सवाल दिया होता मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटा प्लीज मैं ये कह रहा हूं अगर सवाल ऐसे दिया होता क्वेश्चन नंबर वन और फिर पूछा होता x का मान बताओ अगर फिर पूछा होता x का मान बताओ तो हम क्या करते मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर ऐसे पूछा होता और फिर कहता कि x का मान बताओ तो हम क्या करते बताओ अब देखिए यहां पे ध्यान से अब जो मैंने रूल बताया था एक लड़का बोला कि जो आपने रूल बताया था वो कैसे लगेगा आप तो एक बात बताओ भाई कि यहां पर एक्स का कॉफिशेंट कितना है तो एक लड़का बोला ए मैंने जब उससे पूछा कि एक्स का कॉफिशेंट बताओ तो वो बोला ए बी ऐसे बोला तो मैंने कहा भाई x का मान तो बोला बेटा आप देखना पड़ेगा कि x स्क्वायर का कितना है तो पता चला a स्क्वायर यानी इससे भाग कर देंगे कितना आ गया मान b by a आ गया ये बताओ x का मान कितना आ रहा था सेम आ रहा था आ रहा था या नहीं मैंने देखा y का कोफिशिएंट कितना है तो आपने कहा y का है cd अब देखना पड़ेगा y स्क्वायर का कितना है तो आपने कहा c स्क्वायर यानी c स्क्वायर से भाग कर देंगे तो कितना आ गया डीवाई सी आ कितना रहा था यही आ रहा था ये तो मैंने प्रूफ बता दिया ये मैंने प्रूफ बता दिया हो सकता है कि कई बच्चों को प्रूफ समझ में ना आया हो तो अब मैं डायरेक्ट लिखाने जा रहा हूं अगर कई बच्चों को प्रूफ समझ में ना आया हो तो मैं डायरेक्ट लिखाने जा रहा हूं पहले एक बार इसका स्क्रीन ले लो अगले पेज पे डायरेक्ट लिखाने जा रहा हूं फिर बैक टू बैक सवाल करेंगे मजा आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा आपको मजा आ जाएगा अब मैंने क्या करा मैं ये याद कराना चाह रहा हूं कि बेटा अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर बराबर बताओ x का मान क्या होगा मैंने इतनी सी बात पूछी बेटा बताओ x का मान क्या होगा तो बच्चा क्या बोलेगा कि जी x का कॉफिशियंट a तो मैं a लिखूंगा एक्स स्क्वायर का कितना है p तो a बाई समझ गए फिर वाई का पूछा किसी ने तो मैंने कहा वाई का कॉफिशियंट कितना है बी आपने कहा वाई स्क्वायर का कितना है क्यों? ये माना गया इतनी सी चीज समझ लो इसके अलावा कुछ और समझने की जरूरत नहीं है ये सवाल देखेंगे सबसे पहले सवाल क्या है टू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस आठ है प्लस चौबीस बी प्लस छप्पन बराबर जीरो द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर बाई ए वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर बाई ए बहुत ही कमाल की बात है बहुत ज्यादा कमाल की बात है टू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस आठ ए प्लस ट्वेंटी फोर बी प्लस फिफ्टी सिक्स बराबर जीरो द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर बाई ए ठीक है ठीक है तो मैंने क्या करा कि पहले तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा टू ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर बराबर आठ ए माइनस चौबीस बी माइनस छप्पन ठीक है यही होगा ठीक है इज इट करेक्ट और आउट यस अब मैंने कहा कि इसमें से दो कॉमन ले लो तो आपने कहा ये आ जाएगा फोर ए माइनस बारह बी माइनस छप्पन फोर ए माइनस बारह बी माइनस छप्पन ठीक है भाई अब मैंने कहा A का मान कितना होगा तो आपने कहा जी ए काफिशियंट कितना है चार बटे ए स्क्वायर का कितना है दो तो A का मान कितना आ गया दो फिर मैंने कहा बी का कितना होगा तो आपने कहा माइनस बारह और बी का इधर कितना है तीन तो ये आ गया माइनस चार माइनस चार आ गया सवाल में क्या पूछ रहा है कि बी स्क्वायर बटे ए बताओ तो बी स्क्वायर कितना होगा भाई सोलह और बटे ए कितना है दो आठ इस सवाल का उत्तर होगा आप में से किसी बच्चे का उत्तर आ रहा था आप में से किसी बच्चे का उत्तर आ रहा था मुझे चेक करना होगा कई सारे बच्चों का आ रहा है टू ए का टू ए प्लस फाइव का स्क्वायर यानी मैं ये इसको लिख सकता हूं फोर ए स्क्वायर प्लस पच्चीस प्लस दो पंजे दस दूनी बीस ए प्लस फाइव बी स्क्वायर प्लस पंद्रह बी बराबर बत्तीस ए प्लस उन्नीस बटा चार यही होगा बोलो होगा या नहीं तो मैं यहाँ से ये यह कह सकता हूँ कि यार फोर ए स्क्वायर प्लस फाइव बी स्क्वायर देखिए मैं पूरा सवाल नहीं लिखूंगा मैं आपको यही बता रहा हूं कि जरूरत सिर्फ कितने की है बीस ए उधर जाके कितना हो जाएगा बारह ए और ये कितना हो जाएगा उधर जाके माइनस पंद्रह बी यही होगा ना पंद्रह बी है क्या है पंद्रह बी यही हो जाएगा ठीक है अब मैं पूरा नहीं लिख रहा कई लड़के सोच रहे होंगे कि मैंने पंद्रह बटा चार उन्नीस बटाचार जरूरत नहीं है इसकी जरूरत सिर्फ दो कॉमन लेने की है यहां से दो कॉमन ले लिया तो कितना आ गया? ए ठीक है। यही आ गया फाइव बी स्क्वायर प्लस पंद्रह बी ये सवाल ठीक है ना पता नहीं शायद कुछ गड़बड़ ना हो सवाल में ठीक है सही होगा मुझे लगता है ठीक है चलो अब देखिए बात क्या है बात इतनी सी है कि मैं अगर ये कहूं कि एक का मान क्या होगा तो आप कहेंगे जी एक काफिशियंट है 6 है या नहीं और बटे उसका यानी एक बटे दो यही है बोलो। अगर मैं बी की बात करूं तो बच्चा बोलेगा कि जी ये माइनस का है तो माइनस का साढ़े सात यानी कि पंद्रह बटा दो और बी का कॉफिशियंट कितना है पांच तो ये कितना आ गया माइनस तीन बटा दो तो। आ गया ये मैंने जल्दी करना आपको सिखा दिया अब आपको पता है कि ए प्लस भी तो जीरो हो गया क्योंकि एक माइनस है एक पॉजिटिव फोर ए बी कितना आ जाएगा फोर इंटू नाइन बटे माइनस फोर फोर से फोर कट गया सवाल का उत्तर कितना आ गया माइनस का नो यही सवाल का उत्तर है इस टाइप पे बहुत सारे सवाल बनते हैं इस टाइप पे बहुत सारे सवाल बनते हैं क्या क्या बनते हैं मैं सारे अभी बता दूंगा आपको सारे अभी बता दूंगा आगे बढ़ते हैं अब देखिए पता है क्या है अभी तक हम क्या देख रहे थे मैंने आपको क्या बताया कि हम भाई यहाँ पे देख रहे हैं A का काफिशियंट और यहाँ ए स्क्वायर है अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अब सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है तो कैसे करेंगे मैं बताने जा रहा हूं आपको दो तीन एग्जाम्पल से अपनी अगली बात को भी समझा दूंगा इसको नोट कर लीजिए दो तीन एग्जाम्पल से अपनी अगली बात को भी आपको समझा दूंगा तकलीफ नहीं होगी आपको बिल्कुल बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी खुजली हो रही है कमर पर बड़ी नहाए तो थे सुबह बट कोई बात नहीं ठीक है इट्स ओके ठीक है चलिए मैं आप एक सवाल पूछ रहा हूं कि इस टाइप के सवालों पे क्या अप्रोच होती है देखो आप देखिए तरीके से पहले देखो इस सवाल को तरीके से देखो देखिए वहां पे जैसे आपने देखा है कि टू एक्स प्लस वन लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि नहीं तो मैंने देखा कि इसके लिए एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी और ये स्क्वायर बन जाएगा बन जाएगा कि नहीं फिर बचा कितना तो आप कहेंगे बचा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये बच गया बराबर जीरो बोलो यही बचा है नहीं तो अब आप कहेंगे कि ये कितना होगा x प्लस वन का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर जीरो मैंने देखा कि किसी के भी स्क्वायर का सम जीरो तभी हो सकता है जब ये पार्टिकुलर जीरो हो यानी एक्स बराबर माइनस एक और ये पार्टिकुलर जीरो हो y बराबर माइनस टू एक्स x बराबर माइनस एक और y बराबर माइनस टू एक्स ठीक है तो मैंने कहा कि यहाँ पे रख दूँ y बराबर माइनस टू एक्स तो y का मान कितना आ गया दो अब देखिए मैंने दोनों मान निकाल दिए मैंने x का मान भी निकाल दिया माइनस एक और y का मान भी निकाल दिया टू अब बच्चा कहेगा कि इस सवाल की ट्रिक थोड़ा बताओ कि इसका मतलब क्या है ये कैसे हम कर पाएंगे तो मैं यही बताने जा रहा हूँ आपको बहुत मजा आएगा पहले इतना लिख लीजिए देख लीजिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना बहुत खूबसूरत है अब आप देखिए एक छोटी सी चीज मिटाई देते हैं इस वाली लाइन को तो आपने देख ही लिया नोट कर लिया आप क्या बार बार लिखे आप इसको ऐसा ही रहने दीजिए फाइव एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू कॉमन ले लीजिए अंदर आएगा माइनस एक्स और माइनस टू एक्स वाई बराबर कितना होगा माइनस एक ठीक है तो बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा देखो आप यहां पे मुझे पता है कि यार y स्क्वायर है सिंगल तो y का कोफिशिएंट कितना है तो आप कहेंगे minus -2x तो सबसे पहले मैं इसी को पकड़ूंगा y बराबर minus -2x अब देखिए मुझे इतना समझना पड़ेगा कि अगर y का कोफिशिएंट -2x आया यानी कि y स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर रहा होगा रहा होगा या नहीं y स्क्वायर के साथ 4x देखिए मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट रटवा सकता हूं सीधे कह दूंगा कि एक्स का कॉफिसेंट बेटा माइनस एक है लो उत्तर आ गया बोल दूंगा यानी बट मैं फिर भी ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर जरा सा भी सवाल ऐसे ने घुमा दिया तो तुम घूम जाओगे तुम्हें तो यहां पर यह सोचना पड़ेगा कि ये वाई का स्क्वायर था तो तुमने वाई का कॉफिसियंट देखा माइनस टू एक्स तो ये बात सच है कि टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर तभी बन सकता है जब फोर एक्स स्क्वायर का जरूरत पड़ा हो इतना तुम्हें इंस्टेंट सोचना पड़ेगा कि फोर एक्स स्क्वायर का यूज हुआ होगा तो अब एक बात बताओ कि अगर फोर एक्स स्क्वायर का यूज हुआ होगा तो यहां पे इसका मतलब फोर एक्स स्क्वायर का यूज हो गया बचा कितना एक्स स्क्वायर तो हमें यहां पे कुछ नहीं करना पड़ा मैं क्या बोल रहा हूं हमें यहां पे कुछ नहीं करना पड़ा इन केस ध्यान से सुनना इन केस अगर यहां फोर एक्स स्क्वायर के बाद थ्री एक्स स्क्वायर बच जाता तो फिर क्या करना पड़ता तो मैंने बताया था कि x का जो कॉफिशियंट आता है उसमें एक्स स्क्वायर के कॉफिशियट से भाग करते हैं बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट वन ही है कुछ है ही नहीं इसीलिए सवाल के उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ा आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं मैंने कहा कि वाई स्क्वायर है तो कोई टेंशन नहीं वाई का कॉफिशेंट माइनस टू एक्स फिर मैंने देखा माइनस टू एक्स का मतलब फोर एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ी होगी तो फोर एक्स स्क्वायर यहां से आया बचा एक्स स्क्वायर तो एक्स का मान डायरेक्ट माइनस एक आ गया और इस सवाल का उत्तर आ जाएगा मैं और एक सवाल ले रहा हूं उससे आप और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और आप कह पाएंगे कि अब हमें बात क्लियर हुई है मैं ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जहां पे ऐसा कुछ बचेगा पहले आप ये देखो बहुत प्यार से समझनी होगी ये बात बहुत प्यार से समझनी होगी कैसे आपने कहा कि टेन एक्स बराबर मैंने टू कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स वाई और माइनस वाई ठीक है अब देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना आप सीधे कहेंगे कि वाई का कॉफिसियंट कितना है माइनस थ्री एक्स तो वाई आ गया माइनस थ्री एक्स आ गया क्योंकि वाई स्क्वायर था थ्री एक्स आने का मतलब ही है कि नाइन एक्स स्क्वायर आपका कंज्यूम हो चुका है बचा कितना है सिर्फ एक्स स्क्वायर तो फिर मैं एक्स का कॉफिशेंट सीधे देख सकता हूँ एक्स का कितना आ गया माइनस एक बात खत्म अगर यहाँ कुछ और बच जाता तो मुझे भाग करना पड़ता तो सवाल में क्या पूछा है माइनस का थ्री होगा और वाई का मान कितना है प्लस का थ्री तीन चौक बारह बारह में से तीन गए नौ उत्तर आ जाएगा कोई लड़का है जिसका नौ आ रहा था जो चैनल का नाम है वही है वाई स्क्वायर बराबर कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाए कितने लगे चार चांद एक भी रुके ना लाइव पढ़ेंगे लाइव पढ़ेंगे सबसे बड़ी बात देखिए अब आप देखिए ध्यान से आप आपको देखना पड़ेगा कि y स्क्वायर है फिर से क्या है दोस्त y स्क्वायर है जो सिंगल है उसी का कॉफिशियंट पहले देखिए ऐसा नहीं कि आठ एक्स स्क्वायर का देख लेंगे पहले y स्क्वायर सिंगल है तो y में कोई लफड़ा ही नहीं है y में लफड़ा नहीं है y का कॉफिशियंट कितना आ गया जी टू एक्स 2x आ गया अब एक लड़का बोला कि y का अगर 2x आया इसका मतलब 4x 4x2 कंज्यूम हो गया अब की बार बचा कितना तो आप कहेंगे 4x 4x2 बच गया जी तो जब मैं x का मान निकालूंगा लल्ला तो मैं कहूंगा x का कोफिशिएंट कितना है 6 x2 का कितना है 4 तो 4 से भाग भी मुझे करना पड़ेगा यानी x का मान आएगा 3/2 तो। अब बात समझ आई जो मैं कह रहा था कि ऐसा करना पड़ेगा अब आई बात समझ या नहीं आई या अब भी नहीं आई ये बताओ अब तो आ गई होगी नहीं भी आई तो भी कोई बात नहीं है तो भी कोई बात नहीं है मैनेज हो जाएगा जरूरी नहीं आपकी किस्मत खराब है और यही सवाल आपके मध्य आएगा जबकि आपको समझ ही नहीं आया अब यहां से मैं ये कह सकता हूं इसका मान कितना आ जाएगा दो गुणा तीन बटे दो तो दो से दो कट जाएगा तीन आ जाएगा वाई का मान तो पांच गुणा तीन ठीक है तो दो सत्ते चौदह इक्कीस माइनस पंद्रह बराबर करेक्ट आंसर अब आप मेरी बात का मतलब समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था ये कंज्यूम वाली बात समझने आ रही मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर y 2x आया है मेरी बात सुनो अगर y 2x आया है तो कैसे आया होगा y माइनस टू का स्क्वायर बना होगा जिसको हमने जीरो किया होगा बना होगा ये कैसे बना होगा क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई रहा होगा तो ये फोर एक्स स्क्वायर रहा होगा ना तो ये कहां से आया होगा यहां से अब यहां अगर फोर एक्स स्क्वायर आ गया होगा तो ये यह यहां पे बना बचा होगा कि नहीं ये समझाना चाह रहा हूं समझो के ध्यान से तो आ जाएगी बात समझ ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी अच्छा एक सवाल देखिए ये सीपीओ में सवाल आया अब ये भी एक कंसेप्चुअल सवाल है सीपीओ में इस तरीके के सवाल पूछे गे सोचे साइड हो गया लो साइड हो गया देखिए आप सबको पता है आप सबको पता ये सवाल सीपीओ 2019 में आया और आप जानते हैं कि किसी के भी स्क्वायर का सम जीरो तब हो सकता है किसी के भी स्क्वायर का सम जीरो तब हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो तभी सम जीरो हो सकता है तो कैसे होगा देखिए ये जीरो के बराबर कैसे होगा जब एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब बराबर के जब एक्स की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब बराबर के ठीक है दूसरा क्या होगा x प्लस एक बटा एक्स बराबर पी एक्स प्लस एक बटा एक्स बराबर पी अब देखिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर x प्लस एक बटा एक्स बराबर पी है तो मैंने आपको सिखाया था कि x की क्यूब प्लस एक बटा एक्स की क्यूब क्या होगी तो आप कहेंगे जी p की क्यूब माइनस थ्री पी बोलो बताया था इन्हने ए की क्यूब माइनस थ्री ए करके बताया था बताया था इन्हें आपने कहा जी ये किसके बराबर है जी ये के, के बराबर है के आपसे के वाई पी पूछ रहा है तो मैंने कहा के में अगर मैं पी कॉमन ले लूं तो ये पी स्क्वायर माइनस तीन होगा तो पेपर में पूछा गया था कि के वाई पी क्या होगा तो जवाब आ गया पी स्क्वायर माइनस तीन देखिये कई बार क्या होता है कि स्क्वायर दिया होता है इस तरीके से ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है यहाँ पे यहाँ स्क्वायर ही कर लीजिए कोई बात नहीं बट ऑप्शन ये नहीं है मैं बता दूंगा ऑप्शन क्या है ऑप्शन पे मत जाना इसमें से उत्तर नहीं है देखिए कई बार क्या होगा कि स्क्वायर नहीं दिया होगा और आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा जैसे ये सवाल है जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है प्लस वन है ठीक है और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है माइनस एट एक्स प्लस वाई है और प्लस सोलह है बराबर जीरो देखिए आप लोग शायद ना जानते हो बट मैं जनवा दूं आपको बड़ी सिंपल सी बात है देखिए अगर मैं चाहता हूं कि ये स्क्वायर बन जाए तो आप कहेंगे कि टू एक्स वाई जोड़ दीजिए या घटा दीजिए आप बोलेंगे कि ये टू एक्स वाई जोड़ दीजिए या घटा दीजिए तो मैंने कहा एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं ठीक है आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा है भाई ये क्या बन जाएगा तो आप कहेंगे ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस एक का स्क्वायर प्लस आप कहेंगे ये क्या बन जाएगा तो मैं कहूंगा ये x बनेगा y बनेगा और चार का होल स्क्वायर बनेगा बराबर जी अब ये पता कैसे चलेगा किस किस का बनेगा तो मैंने कहा एक्स वाई और एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया आपने कहा कि जी आठ और x और माइनस आठ और y दोनों नेगेटिव है तो मैंने चार से पहले माइनस लगा दिया आप में से अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता हूँ मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने लगाया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी अब आप खुद देखिए अगर मैं c को नेगेटिव देखो ये पॉजिटिव था ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव यहाँ तक पॉजिटिव था मैंने कहा अगर c को नेगेटिव ले लूंगा तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो ये दोनों नेगेटिव थे इसलिए मैंने c को नेगेटिव ले लिया तो मुझे ये पता चल गया यहाँ से कि अगर ये जीरो के बराबर होगा स्क्वायर है तो एक्स वाई वन होगा और x प्लस वाई चार होगा x प्लस वाई कितना होगा चार अब आप खुद ही बताइए कि अगर x प्लस वाई चार है आपसे एक्स स्क्सर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए बराबर होगा चार चौक सोलह माइनस टू एक्स वाई एक्स वाई का मान वन है उत्तर आ गया चौदह यहाँ पे ये तो लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ बोलो माइनस एट इन एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ और प्लस सोलह लिख सकता हूं बोलो ये सही है इतने का स्क्वायर अब तुम्हें तो अगर एक्स प्लस वाई को थोड़ी देर के लिए टी मान लो तो टी स्क्वायर माइनस एट टी प्लस सोलह तो अब तो ये कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि टी माइनस चार का स्क्वायर है और टी हमारा क्या था एक्स प्लस वाई माइनस चार का स्क्वायर ऐसे आ रहा है समझ मैंने टुकड़ों में स्क्वायर बना दिया कैसे एक बार एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बनाया माइनस एट एक्स प्लस वाई प्लस सोलह अच्छा एक कठिन सा सवाल करते हैं उसके बाद एक दो सवाल के बाद ये सवाल आपने देखा है कभी ये सवाल देख बहुत देखा होगा आपने यहाँ वहाँ बट तरीका नहीं देखा होगा आज तरीका देख लीजिए इसका बेहतर क्या तरीका होगा देखिए अब मैंने क्या सिखाया था आपको बड़े प्यार से मैंने कहा था बेटा कुछ मत करना दो कॉमन लेना तो ए प्लस बी की घात चार प्लस जेड की क्यूब बराबर होगा दो कॉमन लोगे तो तीन बटे दो और रूट ए माइनस का प्लस होगा एट बी माइनस का फोर का टू हो जाएगा रूट ठीक है है भाई यही वाली बात है. बहुत ध्यान से देखो यहां पे रूट ए काफिशियंट कितना है तीन बटा दो और रूट ए का स्क्वायर ए है कुछ कॉफिशियंट तो है नहीं भाग लगाने की जरूरत नहीं है सीधे कॉफिशियंट चेक करना है यहां बी स्क्वायर का कितना है आठ यहां पे बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की घात चार है कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है कोई कॉफिशेंट नहीं है यहाँ पे जेड रूट जेड का कितना है तो आपने कहा माइनस दो यहाँ पे उसकी क्यूब है बिल्कुल सही है इस क्यूब होती है इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगी क्यूब आ जाएगी बिल्कुल सही है लो हो गया सवाल अब आप बताइए खुद मुझे यहां से कि यहां से ए कितना आएगा नौ बटे चार यहां से एक की घात चार कितना आएगा इक्यासी बटे सोलह यही आएगा या नहीं आएगा बताओ ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर दोबारा बता रहा हूं ए कितना आएगा नौ बटे चार और ए स्क्वायर कितना आएगा इक्यासी बटे सोलह मैंने यहां पे रख दिया इक्यासी बटे सोलह तो सोलह गुणा इक्यासी बटे सोलह प्लस रूट टू गुणा कितना होगा रूट टू देखिये अब यहां पे एक बहुत काम की बात है कि बी एक्चुअली बड़ा है जीरो से और अगर बी बड़ा है तो बी कितना आएगा यहां से टू रूट टू आएगा अगर छोटा होता तो माइनस आता यानी ये कितना होगा टू रूट टू ठीक है दूसरा कितना है माइनस जेड की घात नौ मैं ये कह रहा हूं अगर इसकी क्यूब करूंगा तो जेड की क्यूब आ जाएगी इसका स्क्वायर करता हूं पहले तो जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा चार अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो जेड की क्यूब कितनी आ गई चार अगर इसकी क्यूब की तो जेड की घात नौ कितनी आ जाएगी चौंसठ बहुत अच्छा सवाल था जिसको मैंने चुल्लू बना दिया तो माइनस चौंसठ तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा सोलह से सोलह कट गया इक्यासी प्लस दो धुनी चार माइनस चौसठ तो इक्कीस उत्तर आ जाएगा दोबारा समझाऊंगा एक बात अगर किसी को भी डाउट है तो दोबारा बता दूंगा सर आपसे बात करनी है दोबारा देखो मैंने टू कॉमन लिया तो रूट ए का कॉफिशेंट तीन बटे दो बी स्क्वायर का आठ जेड रूट जेड का माइनस दो तो मैंने कहा रूट ए का जो कॉफिशेंट है वही उसकी वैल्यू हो गई बी स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वही उसकी वैल्यू हो गई जेड रूट जेड का जो कॉफिशेंट है वही इसकी वैल्यू हो गई अगर रूट ए की वैल्यू तीन बटा दो तो है तो ए नौ बटा चार ए स्क्वायर इक्यासी बटा सोलह बी स्क्वायर आठ है तो बी बराबर टू रूट टू इसका स्क्वायर e किया तो जेड की क्यूब चार जेड की घात नौ चौसठ जो पूछा था वहां पर रख दिया तो उत्तर कितना आ गया इक्कीस इससे बेहतर और कोई सवाल नहीं हो सकता था इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता बस लास्ट सवाल कर रहे हैं लास्ट सवाल करके खत्म कर रहा हूं लास्ट सवाल करके खत्म कर रहा हूं हर सवाल में ये तरीका लगेगा लगाने वाला चाहिए जैसे ये सवाल आपने देखा होगा बहुत बार पेपर में आया तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई स्क्वायर तो बनेगा आपको पता है ए की घात चार प्लस वन का बनेगा तो इसका मतलब ए स्क्वायर सॉर्ली वन होगा भाई तभी बनेगा ए स्क्वायर माइनस वन का बनेगा ए स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता भाई ए स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो इसी का बनेगा अब आपने कहा अगर इसका बनेगा और मैंने ये बी स्क्वायर से भाग कर दिया इसको तो ये अंदर होगा बी स्क्वायर और माइनस कॉमन ले, ले लेता हूँ एक बटा बी स्क्वायर यानी ये भी तय हो गया कि ये बी माइनस एक बटे बी का स्क्वायर बनेगा आप सोच रहे हो गया? मैं बार बार माइनस का क्यों बना रहा हूँ मैंने इसे देख के कह दिया था कि ए स्क्वायर माइनस वन का बनेगा मैंने इसे देख के कह दिया जब बी स्क्वायर से भाग लगाया कि बी माइनस एक बटा बी का बनेगा वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं इसको जीरो रखूंगा तो बी स्क्वायर एक आएगा आएगा कि नहीं कैसे आएगा क्योंकि बी बराबर एक बटा बी हो जाएगा अगर मैं ये मान लू कि प्लस का बनेगा तो मैं बेवकूफ हूं क्यों क्योंकि फिर बी स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा जब मैंने पहले ही कह दिया था कि ये सब रियल है ये सब रियल है वास्तविक है देखिए आप एक घंटे से ज्यादा रुकते नहीं है तो भैया मैं आपको गणित नहीं पढ़ा पाऊंगा आपके अंदर एक घंटे से ज्यादा रुकने की क्षमता है नहीं फिर सवाल छूट जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अगला टाइप लेके आऊंगा आपके लिए अगली क्लास कि ये उस टाइप का पार्ट टू है कभी नहीं होगा मैं एक टाइप लेके आऊंगा खत्म करा के जाऊंगा आपको पढ़ना है पढ़िए नहीं पढ़ना मत पढ़िए ठीक है थीके? तो हमने कहा कि हमने ए स्क्वायर भी निकाल दिया यहां से वन और बी स्क्वायर भी वन निकाल दिया तो दोनों की पावर भी क्या होगी वन प्लस वन दो देखिए इसको दोबारा पूरा बता भी देता हूं कि कैसे स्क्वायर बनेगा देखिए आपको लग रहा होगा कि स्क्वायर नहीं बनेगा पता नहीं अपने आप से बना रहे हैं तो देख लीजिए आपको लंबे तरीके पसंद है आप एक की घात चार प्लस वन लिखिए इसको बराबर बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अंदर कितना बचेगा भाई तो आप कहेंगे जी अंदर बचेगा बी स्क्वायर से भाग किया तो फोर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक बटे बी स्क्वायर बराबर ये बचेगा अब हम इधर ले आते हैं इसको तो एक की घात चार माइनस टू ए स्क्वायर प्लस वन ऐसे रहेगा माइनस ए स्क्वायर कॉमन रखेंगे अंदर कितना बच जाएगा प्लस कर लेते हैं इसको भी तो अंदर बच जाएगा जी बी स्क्वायर प्लस एक बटे बी स्क्वायर और माइनस दो बराबर जीरो यही होगा देख लो अरे भाई माइनस का चार ए स्क्वायर आएगा दो इधर ले लिया दो इधर तो आप कहेंगे ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन है ये बन जाएगा बी माइनस एक बटे बी का स्क्वायर बराबर जीरो अब आपको पता है कि ये स्क्वायर जीरो तभी हो सकते हैं पहले वाला तभी होगा जब ए स्क्वायर बराबर वन दूसरे वाला तभी होगा जब बी बराबर एक बटा बी तो आपने पाया बी स्क्वायर बी कितना आ गया वन अब ऐसे समझ लीजिए आपके ऊपर है आप जैसे भी समझ पाए सब हमारे हाथ में नहीं है और हम पढ़ रहे हैं एल्जेबरा और ख़त्म होने की स्थिति में हैं तीन चार बड़े बड़े से टाइप रह गए हैं कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खत्म करें आज भी एक बहुत बड़े फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है कैसे बना उस पर कैसे कैसे तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं आपको भी पता है कि आप ए टू जेड क्वांट बैच में पढ़ रहे हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर एनी कंपिटेटिव एग्जाम फॉर मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हम बताते हैं आपको एक एक बात बहुत ही डीपली और एक एक बात के जितनी भी आस्पेक्ट संभव होते हैं उन सबको यानी कि इस क्लास को बनाने के लिए इस क्लास को करने के लिए हमें उससे पहले भी एक डेढ़ घंटे की मेहनत लगती है जहाँ पे हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर की इस टाइप से रिलेटेड क्या क्या पूछा गया है फिर ये सोचने में आधा घंटा लगाते हैं कि इस टाइप से रिलेटेड और क्या क्या बातें ऐसी हो सकती हैं जो पेपर में और पूछी जा सकती हैं ठीक है तो आज की क्लास में हम किस फॉर्मूले पे बात करना चाह रहे हैं वो उस पर मैं आता हूं धीरे से और आज की क्लास में कौन सा फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं उस उसपे मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं जैसे आपने देखा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये फॉर्मूला आगे तक भी काफी काम आएगा कि ये किसके बराबर होता है ठीक है तो हाँ चीज लिखना चाहूंगा और दो से भाग कर लीजिए आपने दो से गुणा कर लिया और दो से भाग भी कर लिया टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर मजा आएगा बहुत सवालों को करने में सत्रह अठारह सवाल हैं प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ठीक है इसके बाद मैं ये लिख सकता हूं कि हाफ अब आप समझिए ध्यान से कि अगर मैं एक ए स्क्वायर ले लेता हूँ एक बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी को एक ब्रैकेट में रख देता हूँ यानी मैंने एक ए स्क्वायर लिया एक बी स्क्वायर लिया और माइनस टू ए बी और इसको एक ब्रैकेट में रख दिया ठीक है दोस्त इसके बाद मैंने क्या किया एक बी स्क्वायर लिया एक सी स्क्वायर लिया और टू बी सी को उसके साथ रख दिया उसके बाद एक सी स्क्वायर लिया एक ए स्क्वायर लिया और माइनस टू सी उसको एक साथ रख दिया क्लियर है बात ठीक है तो अब आप देखेंगे कि ये किस चीज के बराबर आ गया जो आपको याद रखना है फाइनली वो क्या याद रखना है वो देखिए आप। आपको याद रखना है कि ये बराबर होता है हाफ वो क्या बन जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर ठीक है ये आपको याद रखना है मैं इस फॉर्मूले से जुड़ी और भी कई सारी बातें बताऊंगा जो आगे भी आपको काम आएंगी पहले आप इतनी सी बात लिखो अब हरेक का प्रूफ नहीं बताऊंगा अभी इसका बता दिया कि ये कैसे बना कैसे इस पर सवाल बनेंगे सब पे हम बात करेंगे मैंने बताया अभी तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इसके बराबर होता है अच्छा मैं इसको कई सारे तरीके से लिखता हूं ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा जैसे अभी मैंने जो लिखा वो मैंने क्या लिखा उसको दोबारा लिख के बता रहा हूं आज की क्लास में जो फॉर्मूला लिखा है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर ये होता है ठीक है भाई ये होता है क्लियर है बात अब अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख देता यहाँ पे अगर मैं प्लस लिख देता कि ये ए बी सॉरी मैं ये लिखना भूल गया गलती से माइनस ए बी भी लिखिए यहाँ पे पूरा चलिए कोई बात नहीं माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भी लिखिए ठीक है ये बराबर होता है पूरा इसके बाद मैं कह रहा था कि अगर ये प्लस होता यानी ये ऐसे होता कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है क्या बन सकता है हाफ ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर ठीक है ये बन सकता है कि नहीं बोलो अच्छा अब आप कहेंगे कि आपने तो सारे प्लस कर दिए अगर मैं एक को प्लस करना चाहूँ तो तो मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैंने सी को नेगेटिव किया मैंने इस ऊपर वाले फॉर्मूले में ध्यान से समझना ये क्यों बता रहा हूँ भी पता लगेगा कि सी को मैंने माइनस सी से रिप्लेस कर दिया ऊपर वाले फॉर्मूले में मैंने सी को माइनस सी से रिप्लेस कर दिया तो फार्मूला ऐसा भी बन सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी तो माइनस का रहेगा बट बाकी दोनों प्लस के हो जाएंगे बी सी प्लस सी और ये कितना आ जाएगा हाफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे माइनस रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस तो सी प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा ये तीनों बातें हमने समझ ली और तीनों बातें हमने याद कर ली आप देख लो ध्यान से मैंने क्या किया मैंने कहा कि इस तरीके से तीन फॉर्मूले बन सकते हैं अब अभी तो मैंने सी को माइनस सी किया है हो सकता है मैं ए को माइनस ए कर लूं बी को माइनस बी कर लूं तो और भी फॉर्मूले बन सकते हैं तो पहले तो इतनी सी बात समझनी है आपको पहले आपको इतनी सी बात समझनी है अगर इतनी सी बात समझ आई है तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं तो नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बीस का मैं एक छोटा सा सवाल इस पे बता देता हूं आपको पहले एक छोटा सा सवाल इस पे बता देता हूं फिर हम और काम की बातें सीखेंगे इसमें पहले आप एक, एक, एक छोटा सा सवाल कर लीजिए मान लेते हैं कि किसी ने आपको ये सवाल पूछ लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आठ और ये पूछ लिया किसी ने अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी निकालना देखना जरा कोशिश करके उससे पहले और जान लो एक ही बार में सारे फार्मूले जान लो जैसे एक और जान लो एक और जान लो लास्ट फिर सवाल करेंगे चलिए सवाल ही लिख लीजिए छोड़िए हटिए सवाल ही लिख लीजिए कि आपको इतना सवाल दे दिया कि भाई ए मैंने लिखा तो है सवाल मिल क्यों नहीं रहा है ये कर लो ना पहले ये सवाल कर लो पहले ये सवाल कर लो मैं चाहता हूँ सिक्वेंस में पढ़ाना ताकि कुछ भी डाउट ना हो एक एक करके सारी चीज़ें समझी जाए तभी मज़ा भी आता है आप ये सवाल कर लो पहले सॉरी माफी चाहूँगा थोड़ा इंटरप्ट हुआ बट आप ये सवाल कर लो पहले देखिए एक बहुत छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा अब अगर आप यहाँ पे ए का मान 886, एट बी का मान 887 ये सब रखते हैं तो ये सवाल नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा मानते हैं आप भी तो यहाँ पे हमें ये पता ही होना चाहिए कि ये बराबर होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर ये होता है ठीक है तो हमने कहा ये क्या होगा हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा ए माइनस बी एक प्लस बी माइनस सी एक नहीं ए माइनस बी एक था बी माइनस सी कितना था दो, दो का स्क्वायर कितना होगा चार सी माइनस ए चार में से तीन गए तीन तीन नौ ये कितना आ गया सात यही सवाल का उत्तर था यही सवाल का उत्तर था अब बहुत ध्यान से और ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है अब बात थोड़ी बढ़ रही है आगे ठीक है अब मैं क्या बताने जा रहा हूं अब मैं थोड़ा सा पिछली क्लास से रिलेट करूंगा पिछली क्लास से रिलेट करूंगा अगर आपको लास्ट क्लास का हल्का पुल्का भी याद हो तो लास्ट क्लास में हमारी आपकी कुछ ऐसी बात हुई थी बेटा ऐसी बात हुई थी कि अगर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर बराबर जीरो हमने कहा था कि सम ऑफ स्क्वायर तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो यानी x भी जीरो के बराबर हो y भी जीरो के बराबर हो z भी जीरो के बराबर हो ये हमने पिछली क्लास में बात की थी अब इस पिछली क्लास में जो हमने बात की थी इसको हम आज की क्लास से जोड़ रहे हैं कैसे जोड़ रहे हैं वो भी दिखाता हूं थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे नोट डाउन करते जाओ स्क्रीन लेते जाओ अगर नहीं भी लिख पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है आप बाद में लिखना क्लास के बट अभी समझो जैसे मैंने आप क्या कहा कि मान लेते हैं आपको ये दिया हुआ है मान लेते हैं ये आपको दिया हुआ है गिवन है सवाल के अंदर क्या कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हुआ है तो इसके क्या मायने हैं बहुत ध्यान से समझना होगा बहुत ध्यान से से मैं फिर कह रहा हूं बहुत ध्यान से कैसे आप कहेंगे मैं कंक्लूजन लिख के लाया हूं बाकायदा आपको लिखा हुआ दिखा दूंगा कि ये याद कर लो ठीक है बट समझना होगा आया कैसे इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो होगा यही आप कह रहे हो जीरो होगा इसका मतलब है कि ये हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर जीरो होगा ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर जीरो होगा बोलो बात क्लियर है कि नहीं अब अभी आपको मैंने बताया था और मैंने कहा था मैंने ये चीज पिछली क्लास में पढ़ाई है बेटा क्या कि अगर किसी के भी स्क्वायर का सम जीरो आ रहा है तो वो तभी हो सकता है जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो जब वो पर्टिकुलर जीरो के बराबर हो ये भी जीरो के बराबर हो तभी ऐसा हो सकता है अगर ऐसा हुआ है इसका मतलब है कि ए बराबर क्या होगा बी इसका मतलब है कि बी बराबर क्या होगा सी इसका मतलब क्या है कि सी बराबर कितना होगा सी बराबर कितना होगा ए तो हमने क्या निकाला कि अगर हमें ये दिया हुआ है इसका मतलब है सीधा सीधा कि ए बराबर बी बराबर सी इसका ये मतलब है और देखिए अगर ये इसका मतलब है अब जब ए बराबर बी बराबर सी है तो जब भी कभी इस टाइप का सवाल आएगा तो हम ऐसे सवालों को करने के लिए इन सबको वन लेट कर लें हमें ये पता रहेगा कि भाई पूछा क्या है तो हम इन सबको एक एक मान लेंगे कि भाई एक एक होगा अपनी मर्जी से मैं बताऊंगा कब एक एक मानना और कब नहीं ठीक है अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीज लिखा रहा हूं वो नोट कर लो देखो ये देखो ध्यान से समझना होगा ध्यान से ये लो आपके सामने लिख दी मैंने सारी बातें कैसे मैंने कहा भाई अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है इसका मतलब है ए बराबर बी बराबर सी जो अभी बताया वो नोट कर लिया अब की बार देखिए मैंने क्या कहा कि अगर ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए अगर ये दे दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगी मालूम है ये गड़बड़ क्यों हो जाएगी देखो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ए माइनस बी का तो स्क्वायर बनेगा बी प्लस सी का स्क्वायर बनेगा एक तरफ C A का स्क्वायर बनेगा अब देखिए कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि यहां से तो आप कह रहे हो गुरु जी ए बराबर बी यहां से आप कह रहे हो कि बी प्लस सी जीरो है। यहां आप कह रहे हो कि सी बराबर ए अब एक बात बताओ कि अगर ए बराबर बी है और सी बराबर ए है इन दोनों से मैं ये कह सकता हूं कि तीनों बराबर हैं बेटा और तीनों बराबर हैं और दो का सम जीरो है तो एक बात बताओ कि इन दोनों का सम बराबर है और ये जीरो है तो ये तीनों जीरो होंगे या नहीं इस पे भी अब सवाल आएगा अब तक नहीं आया अब इस पे भी सवाल आएगा कि अगर ये चीज दे रखी है इसका मतलब है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना अगर नहीं समझोगे तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा मैंने क्या बताया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए है इसका मतलब है ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो इसका मतलब क्या है ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो अब दूसरी बात क्या है अगर दो नेगेटिव आ गए बेटा अगर दो नेगेटिव आ गए इसका क्या मतलब होगा तो इसका प्रूफ देख लो इसका प्रूफ देख लो कि अगर दो नेगेटिव आएंगे तो ये तो ए माइनस बी रहेगा ये सी प्लस ए हो जाएगा भाई सी प्लस ए होगा तो इसका मतलब ये क्या आ गया देखो इसका मतलब आ गया कि जी C +A बराबर भी क्या है जीरो अब देखिए मैंने कहा कि ए बराबर तो बी है ए बराबर बी आपने मान लिया मैंने कहा बी बराबर कितना है तो आपने कहा माइनस सी यहां से ए बराबर कितना है माइनस सी इसका मतलब ये कंडीशन आ गई कंडीशन आप खुद भी बना सकते हो कि देखिए अगर एक जगह नेगेटिव है तो ये तीनों जीरो होंगे अगर दो जगह नेगेटिव है तो सी के पास नेगेटिव है तो सी नेगेटिव हो जाएगा ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे ए और बी तो पॉजिटिव रहेंगे सी नेगेटिव हो गया ये कंडीशन याद हो गई अब अगर मैंने लिखा है कि अगर सारे नेगेटिव आ गए सारे नेगेटिव तब भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कैसे जब ये सारे नेगेटिव आएंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर ये बनेगा अब ये जीरो होगा तो आप कहेंगे ये आ जाएगा, of A plus b plus C अब मैंने कहा कि अगर ए प्लस बी जीरो है ये जीरो है तो मैंने कहा सी भी जीरो होगा मैंने कहा ये जीरो है तो एरो होगा कुछ जीरो जीरो होगा ए बी सी सारे क्या होंगे जीरो जीरो हो जाएंगे तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो ठीक है तो इन पांच चीजों पे या चार चीजों पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं आप मुझे इजाजत दें कि हम ये बात समझ गए अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ रखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है तो ए बराबर बी बराबर सी होगा अब मैं आ जाता हूं इन सवालों पर देखिए ध्यान से देखिए इस बदतमीज सवाल को इस बदतमीज सवाल को देखिए बहुत ही अजीब तरीके का यह सवाल है जैसे आर नॉन जीरो रियल नंबर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी सी नॉन रियल नंबर है ए बी सी नॉन रियल नंबर है जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है तो आपको यह बताना है देखिए मैंने क्या कहा था कि जब ये बराबर होगा इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ए बराबर बी बराबर सी है तो देखिए एक चीज समझिए ए बराबर बी बराबर सी आया है क्या किसी ने आपको ये बताया कि एबीसी की वैल्यू क्या है आपको पता है नहीं पता आपको एबीसी की वैल्यू तो मैं कैसे निकाल सकता हूं तो मैंने कहा अगर ये नहीं पता तो मैं ऐसा मान लूं कि सारी वैल्यू के हैं मैंने ये मान लिया कि ए बी बीसी सबकी वैल्यू मिला के के है तो आपने कहा कि अगर ए बी एबीसी सबकी वैल्यू मिला के के है तो मैं यहां पे रख देता हूं बटे फाइव के स्क्वायर तो आपने देखा ऊपर भी फाइव के स्क्वायर नीचे भी उत्तर एक आ गया और आपने लगा दिया समझना मेरी बात को मेरी बात समझना ध्यान से प्लीज मैंने ये के क्यों माना आप कहेंगे गुरुजी आपने बोला था कि आप एक मान लेना जब ऐसा सवाल आए तो आप सबको एक मान लेना तो आपने एक माना तब इस सवाल का उत्तर कितना आया मैंने कहा तीन प्लस दो बटे पांच और कोई कंफ्यूजन नहीं तब भी एक आ गया फिर मैंने के क्यों बताया मैंने के इसीलिए बताया कि कल को मान लेते हैं ये सवाल आपसे पूछ लिया गया ये आपसे पूछ लिया जाता थ्री ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर और बटे पांच सी सी का स्क्वायर नहीं होता केवल पांच सी होता जब आप के रखते तो इस सवाल का उत्तर आ जाता के क्योंकि ऊपर के स्क्वायर आता नीचे के यानी अगर ये सवाल पूछा जाता तो उत्तर होता कैंट डिटरमाइन तो मैं ये अंतर बता रहा हूं आपको कि कहीं ऐसा ना हो आप एक के चक्कर में हर सवाल का उत्तर निकालो अगर मान लेते हैं ये पूछा गया होता सी स्क्वायर नहीं होता तो उत्तर होता कैंट डिटरमाइन पता चला आपको मैंने एक एक सिखाया था आप एक एक रखाते बात खत्म नहीं एक एक आप तभी रख सकते हो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो कि एक एक आप तभी रख सकते हो जब ऊपर और नीचे की पावर सेम हो मैं क्या समझा रहा हूं जब ऊपर और नीचे की पावर सेम हो अगर पावर सेम नहीं होगी तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि थ्री ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर बटे फाइव सी तो ए बराबर बी बराबर सी का मतलब हमने कहा कि के मान लेते हैं वन तभी मानेंगे जब ऊपर नीचे डिग्री सेम है वैसे आपको पेपर में सवाल पूछा ही तभी जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि पेपर में सवाल पूछा ही तभी जाएगा जब ये सेम होगा जब ये सेम होगा तभी पेपर में सवाल पूछा जाएगा नहीं तो नहीं जैसे मैं बता भी देता हूं और बहुत बार ऐसा सवाल पेपर में आया है एक सवाल आप हैंड इन कर लेंगे जैसे कि मेन्स दो में एक सवाल पूछा गया था आज भी पूछे जाते हैं इस पर सवाल सवाल ये था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये पूछा गया है तो उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फाइव एक्स की पावर फोर प्लस सेवन वाई की घात चार माइनस एट जेड की पावर फोर बटे नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर ये आपसे पूछ ले तो पहले तो मैं ये पूछूंगा आपको मैं ये कहूंगा कि भाई यहां से आप क्या बता सकते हो तो बच्चा बोलेगा यहां से मैं कह सकता हूँ x बराबर वाई बराबर जेड इतना कह सकता हूँ मैंने कहा बेटा देख के बताओ ऊपर पावर कितनी है चार नीचे कितनी है दो और दो मिला के चार सेम पावर है तो आपने कहा फिर तो मैं वन लेट कर सकता हूँ सबको मैंने वन लेट किया तो ऊपर कितना आ गया पांच प्लस सात प्लस आठ नीचे कितना आ गया एक प्लस दो प्लस एक तो आठ सात पंद्रह पांच बीस बटे चार बराबर पांच यही आंसर आ गया यही आंसर आ गया बीस बटे चार कितना आ गया पांच बात खत्म हो गई देखो भाई ध्यान से कि ये जो है ना ये ये हमें बस इतना बताएगा कि ए बराबर बी बराबर सी ये हमें इतना बताएगा बस कि ए बराबर बी बराबर सी इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा वो एक तो हम तब मान रहे हैं जब ऊपर नीचे पावर सेम हो क्या यहां पे ऊपर नीचे पावर सेम है नहीं है इसका मतलब यहां हम एक नहीं मान सकते ठीक है तो मैंने कहा कि ए बी सी कितना है तो आपने कहा ए बी सी आठ है ए बी सी आठ है अगर ए बी सी आठ है इसका मतलब ए कितना है तो आपने कहा दो बी कितना है दो सी कितना है दो एबीसी कितना है दो 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 अगर ये दो है तो रख देते हैं यहां दो धुनी चार प्लस दो गुणा चार बटे पांच गुणा दो चार प्लस दो गुणा चार बटे पांच गुणा दो चार धूनी आठ और चार बारह बटे दूनी दस उत्तर कितना आ गया वन पॉइंट टू आप समझ गए जो आप ये रट लेते हो कि नहीं मैं तो वन वन मानूंगा मैंने कहा बेटा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमें बस इतना बताता है कि ये तीनों इक्वल हैं ये नहीं बताता एक है एक हम इसलिए कर देते हैं अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो फर्क नहीं पड़ता आप कुछ भी मान लो तो हम एक बता देते हैं बट अगर डिग्री सेम नहीं है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा तो हमें एक कंडीशन इन्होंने दे रखी थी कि ए बी सी है मैंने कहा, मैंने कहा इससे पता कर लिया कि ए बराबर बी बराबर सी है अब तीनों का मल्टीप्लीकेशन आठ है इससे मैंने पता कर लिया तीनों दो दो, दो, दो दो हैं तो मैं समझ गया कि दो दूनी चार दो दूनी चार दूनी आठ और पांच दूनी दस आठ चार बारह टू आंसर आ गया बोलो भाई देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल दिया जाए जीवन में एक बात याद रखना कि जब भी आपको ये दिया जाए कि ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो समझ जाना कि पक्का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी और सी ए के बराबर है ये सवाल पूछा ही तभी जाएगा अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे उसके लिए जानना जरूरी है एक फॉर्मूला बहुत ध्यान से एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ अब दोबारा से क्या कि बेटा ए प्लस बी प्लस सी मैंने कहा था आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले की क्लास है बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये सबको रटा हुआ होना चाहिए फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सबको रटा हुआ होना चाहिए अभी तो इसको लिख लो फिर मैं आगे अभी इस पर भी चर्चा करूंगा पहले इतना लिख लो ठीक है अब आप एक चीज देखोगे बहुत से, बहुत ध्यान ध्यान से से देखोगे कि अगर मैं सी को नेगेटिव कर दूं तो अगर मैंने ए प्लस बी माइनस सी का फॉर्मूला पूछ लिया तो आप कहोगे स्क्वायर वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव से बट जहां जहां सी होगा वहां नेगेटिव आ जाएगा यानी कितना आ जाएगा टू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए आ जाएगा बात समझ गया अगर मैं दो को नेगेटिव कर दूं अगर मैं बी को भी नेगेटिव कर दूं, सी को भी नेगेटिव कर दूं, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ कितना होगा माइनस का ए बी ये प्लस का हो जाएगा बी सी और माइनस का सी ए बोलो बात क्लियर है कि नहीं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर ये हमने दे दिया देखो भाई अब मैं इस सवाल की बात आपसे कर रहा था कि इस सवाल में अगर मैं आपसे ये पूछूं इस सवाल में मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा तो आप कहोगे जी मैं यही फॉर्मूला लगा देता हूं जो अभी आपने बताया कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा तो मैंने क्या किया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दिया मैंने ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दिया चार चौक सोलह ती अड़तालीस बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा सोलह प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ठीक है इतना मैंने लिख दिया अब आपने कहा कि AB प्लस बीसी प्लस सी ए कितना होगा यहां से तो आपने कहा जी AB प्लस बीसी प्लस सीए होगा अड़तालीस में से सोलह गया बत्तीस बत्तीस को दो से भाग करूंगा सोलह ही उत्तर आ जाएगा AB प्लस बीसी प्लस सीए कितना आ जाएगा सोलह उत्तर आ जाएगा बोलो इज इट करेक्ट और नॉट ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए सोलह उत्तर आ जाएगा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ठीक है तो हमने क्या देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी किसके बराबर सीए के बराबर किसके बराबर आ गया ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए के बराबर आ, आ, आ गया अगर ये ए बी प्लस बीसी प्लस सीए के बराबर आ गया बेटा तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ए बराबर बी बराबर सी होगा कह सकता हूं या नहीं तो फिर मैंने पूछा आपसे ही पूछा मैंने मैंने आपसे पूछा गुरु कि बेटा मुझे एक छोटी सी बात बता दो आपने कहा क्या कि बेटा ऊपर नीचे पावर सेम है तो आपने कहा जी ऊपर और नीचे पावर सेम है एक और एक दो तो मैंने कहा झट से एक मान लो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है अदरवाइज अगर पावर सेम नहीं होती तो मुझे इस इक्वेशन का सहारा लेकर इस इक्वेशन का सहारा लेकर एबीसी पता करना पड़ता मैंने कहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर बी बराबर सी एक है क्यों क्योंकि पावर सेम थी तो मैंने कर दिया एक प्लस एक बटे एक गुणा एक उत्तर आ गया दो यही सवाल का उत्तर है हर एक सवाल को मैं कैसे सीक्वेंस में लेके आता हूं कैसे सेलेक्ट करता हूं मुझे ही पता है कैसे कैसे सेलेक्ट करते है? ताकि बच्चे को पूरा पूरा समझ आए कि हर चीज हम कैसे कैसे बता रहे अब जो अगला सवाल होगा उसमें ये पावर सेम नहीं होगी उसमें ये पावर सेम नहीं होगी फिर हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दो गुणा पंद्रह तो हमने देखा कि क्या आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर पंद्रह ही आ गया हमने देखा कि ये किसके बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ गया अगर ये सी स्क्वायर के बराबर आ गया तब देखिए क्या होगा

तो मैं इसको लिख लेता हूं थ्री ए अब थ्री से थ्री कट गया ए कितना आ गया रूट पांच यही बी यही सी ठीक है सब रूट पांच आ गए तो मैंने यहां पे रख दिया रूट पांच का मतलब दो गुणा पांच स्क्वायर करूंगा प्लस तीन गुणा पांच बटे पांच रूट पांच पांच तो कॉमन लेके कट गया भाई ऊपर पांच नीचे रूट पांच उत्तर कितना आ गया रूट पांच यही सवाल का उत्तर है मैं समझता हूं कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए अच्छी तरीके से समझ गए कि कब एक रखना है और कब एक नहीं रखना फटाफट से लाइक करके ये बताइए लाइक मतलब यहां पे कमेंट करके ये बताइए कि आप इस बात को मेरी समझ पाए या नहीं समझ पाए बहुत प्यारा सवाल है मैंने पहले ही आपको इस तरीके के सवाल बताए थे मैंने कहा था कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप चाहो तो मैं तो कहता हूं रटो मत आप रटो मत समझ लो बीसी प्लस सी ए बराबर जीरो रटो मत समझ लो मैंने क्या बताया था तो आप कहोगे जी आपने बताया था कि A माइनस बी का तो स्क्वायर बनेगा B प्लस सी का बनेगा और C प्लस ए का बनेगा यही मैंने बताया तो मैंने कहा यहां से A बराबर बी होगा आपने कहा यहां से B बराबर माइनस सी और यहां से C बराबर ए बराबर माइनस सी है तो मैं समझ गया कि A और B तो बराबर हैं और दोनों ही किसके बराबर है माइनस सी के यही मैंने आपको बताया था यानी ए और बी बराबर हैं बट किसके बराबर है माइनस सी के यही था ना मैंने यही बताया था ना आपको ये इन्होंने गलत लिख दिया मुझे लगता है और पता क्या कर रहे थे आज के बाद भैया मैं टाइप नहीं करूंगा अगर मुझसे गलती ये फोर ए माइनस सी बटे टू बी है फोर ए माइनस सी बटे टू बी है भेजो जरा खींच के फोटो कह रहे थे आज के बाद गलती हो ही नहीं सकती मैंने छ छह बार चेक किया है देखो भाई अब ए का मान कितना है माइनस सी तो मैंने माइनस सी लिख लिया ऊपर मैंने क्या लिख लिया माइनस uh, सी तो माइनस का फोर सी और माइनस का सी बटे टू बी भी कितना है माइनस का टू सी तो ऊपर आ गया माइनस का फाइव सी नीचे माइनस का टू सी आपने अब तक बहुत तरीके के सवाल पढ़े होंगे बट इस तरीके का सवाल नहीं पढ़ा होगा जहां पे ये वाली कंडीशन लगती है आपने मैंने क्या कहा बहुत तरीके के सवाल पढ़े होंगे बट इस तरीके का सवाल नहीं पढ़ा होगा हिमांशु कह रहे मेरठ कब आना होगा जल्दी मैं कश्मीर आ रहा हूँ कल।, कल कल सुबह नौ बजे कश्मीर पहुंच जाऊंगा देखो भाई यहां पे भी वही सेम कंडीशन बन रही है कि ए प्लस बी का अब जैसे आपने पिछला सवाल देखा पिछले सवाल में आपने क्या देखा कि सी नेगेटिव है सी नेगेटिव है और कुछ तो नेगेटिव नहीं था भाई तो मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे ही इस सवाल में जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये C और A पॉजिटिव आ जाएगा जब हम इसको इधर लेके जाएंगे आप ऐसे याद रखो कि माइनस का ए बी माइनस का बी सी प्लस सी ए तो मैंने कहा का, का कैसे याद करूंगा ये पॉजिटिव है तो मैं सीधे लिख दूंगा A बराबर सी फिर आप कहोगे नेगेटिव बी की वजह से आ रहा है तो बराबर माइनस बी इससे ज्यादा प्यारे तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता कि जो नेगेटिव है उसके पहले नेगेटिव लगा दिया हमने ए बराबर सी बराबर माइनस बी अब मैं यहां पे रखूंगा तो आप कहोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं स्क्वायर है सब जब सब स्क्वायर है तो फिर मैंने कहा फर्क पड़ेगा ही नहीं ऊपर फाइव फोर प्लस फाइव लिख दिया नीचे तीन तो पांच और चार नौ बटे तीन तीन उत्तर आ गया फर्क कब पड़ता जब स्क्वायर नहीं होता स्क्वायर था तो कोई फर्क नहीं पड़ा सबको एक एक मान लिया ए बराबर बी बराबर सी पहले तो बराबर में जीरो करो बराबर में जीरो तो लिखा हुआ है उधर तो ए बराबर बी बराबर सी आ गया मैंने देखा पावर कितनी है तो आपने कहा पावर ऊपर भी तीन है टोटल नीचे भी तीन तो एक रख सकते हैं मैंने कहा एक रखेंगे तो क्या होगा ग्यारह माइनस दो बटे तीन नौ बटे तीन कितना आ गया तीन यही सवाल का उत्तर है बहुत अच्छा सवाल था ये बहुत अच्छा सवाल था अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और बड़ी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है ठीक है ये नोट कर लीजिए भाई समझ गए सर ठीक है अब ये कर लेंगे आप अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो मैं समझता हूं कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ किसी बच्चे आपको आगे और सवाल देखने हैं जल्दी आप ये सवाल देखिए जल्दी जल्दी सवाल देखने देखिए अगर आप जल्दी जल्दी सवाल नहीं देखेंगे तो कोई मतलब सवाल करने का नहीं है हमारा आप अगर सवाल नहीं करेंगे तो हमें क्या है हम तो कर ही लेंगे हमारा कुछ नहीं है मैं आपको बता दूं सीधे सीधे वी डोंट हैव एनीथिंग आवर हमारा अपना कुछ नहीं है मैंने कहा कि अगर ये दिया हुआ है तो ये सवाल आप कर पाएंगे या नहीं तो आपने कहा कि देखिए जी आपने ये सवाल हमें बताया था कि जब ए और बी माइनस के हैं तो ए बराबर माइनस बी आएगा यहाँ से बट बत आपने बताया कि यहाँ से बी बराबर सी आएगा और यहां से सी बराबर ए आएगा अब आप खुद ही देखिए कि बी ए के भी बराबर है और बी माइनस ए के भी बराबर है हाउ इज इट पॉसिबल ऐसा कैसे हो सकता है तो आप याद करो मैंने बताया था फिर दोबारा से बता देता हूं कि जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ए प्लस बी जीरो आएगा और उधर से आ जाएगा बी बराबर सी और सी बराबर ए मैंने कहा अभी ये सब बराबर हैं ए और बी तो ये तभी हो सकता है जब ये जीरो जीरो हो यानी इस कंडीशन का मतलब है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो यहाँ पे तीनों क्या होंगे जीरो अगर ये तीनों जीरो हैं तो ये खत्म और ये खत्म ऊपर बचेगा सिर्फ बारह नीचे बचेगा सिर्फ चार चार कितना होगा बारह तीन ही इस सवाल का उत्तर है बेटा आगे आने वाले सवालों में इनकी गिनती होगी कि अब आगे फ्यूचर में इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे आगे फ्यूचर में इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं 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 मैं तो बहुत कुछ सीख गया ये हो गया वो हो गया तो अभी आप कुछ भी नहीं सीखे ठीक है अब मैं और सवाल पूछता हूं आपसे उन्नीस हो गया मैंने इसमें क्या बताया था मैंने कहा था भाई ए प्लस बी बनेगा तो ए प्लस बी जीरो होगा बी प्लस सी जीरो होगा याद करो पढ़ा चुका हूं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं सी प्लस ए जीरो तो मैंने सबको जोड़ा था याद करो बताया था या नहीं मैंने कहा था ए प्लस बी प्लस सी जीरो मैंने कहा था अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो आप बता रहे हो ए प्लस बी जीरो यानी कि सी बी जीरो बीबी जीरो ए बी जीरो ये मैंने बताया था कि अगर सब कुछ माइनस में आ जाए तो तीनों जीरो होंगे तभी सवाल बनेगा अगर तीनों जीरो होंगे तो ये खत्म ये खत्म यानी मैंने जितने टाइप आपको पढ़ाए थे उन सब पे एक एक दो दो सवाल करा दिए जो टाइप मैंने आपको पढ़ाया था उन सब पे एक एक दो दो सवाल करा दिए अब मैं आगे आता हूं मैंने एक फॉर्मूला भी आपको लिखाया था थोड़ी देर पहले और मैंने कहा था कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है वो मैंने आपको बताया था क्या बताया था मैंने कहा था कि वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितनी गलतियां हैं टाइपिंग में भाई साहब आप कह रहे थे कि कोई गलती नहीं है तीन तो अभी तक निकल आई वो भी बड़ी हालत ये हो गई कि मुझे कॉपी उठा के लानी पड़ गई है जिससे टाइप के लिए आपको दी थी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां थी छोटी होती तो मैं पूछ लो जहां सी लिखना है वहां आप सी ए लिख रहे हो कोई बात नहीं बट इट्स ओके okay. देखे मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये दिया हुआ है ये गिवन है ये अगर आपको गिवन है समझना मेरी बात को कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस टू और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो मैंने कहा कि अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब है गिवन है इसका मतलब अगर ये गिवन है तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि आप इस चीज को जीरो बोल रहे हो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो अब जैसे आपने पिछले फॉर्मूले पे सवाल किए थे वैसे मैं इस फॉर्मूले के सारे टाइप दिखाता हूं फिर दो तीन सवाल करेंगे और छुट्टी है फिर दो तीन सवाल करेंगे और छुट्टी है ठीक है जैसे आप देखो ये सब लिख के ले आया था मैंने कहा यार हटाओ टेंशन नहीं चाहिए कोई ये लो ये पढ़ लो भाई पूरा इस पे किस किस तरीके से सवाल बनेंगे देखो पहला तो यही आ गया कि अगर आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिया तो देखिए ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बन पाएगा आप जब इसे उधर लेके जाओगे तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बन पाएगा कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्सर टू ए बी टू बी सी टू सी ए के बराबर अगर रखेंगे, तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा ये तो तभी बन सकता है जब ये तीनों जीरो हो तो अब ऐसे भी सवाल आने लगे हैं तो भाई अब दोबारा में क्या है कि अगर मैं इसको उधर ले जाऊं अब आप समझना मैं इसको उधर ले जाऊं देखो आपको दिखाता हूं ना फॉर्मूला दिखाना भी तो जरूरी है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो माइनस का टू ए बी है प्लस का टू बी सी है और माइनस का टू सी बराबर जीरो है। तो मैंने क्या बताया था कि बेटा देखो बी और सी प्लस के रहेंगे ये बात तो तय है ये बात तो तय है फॉर्मूले में बी और सी प्लस के हैं बराबर जीरो तो अब ये जीरो के बराबर कब होगा जब बी प्लस सी बराबर ए आ गया मैंने क्या लिखी है इसकी कंडीशन कि अगर ये दिया हुआ है तो हम कैसे देखेंगे कि भाई ए बी और ए सी ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे जब उधर जाएंगे तो ये दोनों नेगेटिव होंगे बी और सी पॉजिटिव रहेगा उधर जाने पे। इसका मतलब है कि बी और सी ही ए के बराबर हो इसका मतलब है बी और सी ही ए के बराबर होंगे क्योंकि बी और सी का साइन सेम है बाकी नहीं ठीक है ऐसे ही हमने दोबारा में देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर टू ए बी माइनस टू बी सी और माइनस टू सी ए के बराबर है तो ऐसा भी तभी हो सकता है आप बताओ जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा तो आप कहेंगे बन ही नहीं सकता क्योंकि सिंगल एक नेगेटिव आ ही नहीं सकता जब उधर लेके जाएंगे तो सिर्फ एक नेगेटिव आएगा वो नहीं आ सकता तो इसका मतलब है ये भी तभी होगा जब ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो ये जीरो वाले पे ऐसा मेरी इंट्यूशन कह रही है कि अब सवाल आएगा ठीक है फिर उसके बाद मैंने कहा ये तो नॉर्मल है तो आपने कहा हाँ जी ये नॉर्मल है इसमें भी क्या है दो नेगेटिव है पॉसिबल है तो आपने कहा हाँ जी इसको उधर लेके चले जाते हैं ये पूरा नेगेटिव होगा इन्होंने गलत लिख दिया यार ये भाई ना पिटेंगे बहुत बुरी तरीके से यार इन भाई का मैं क्या करूँ यार यहाँ पे भी माइनस आएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा लो साइड में तो माइनस आएगा तो ये क्या बन जाएगा उधर जाके ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा तो ये भी जीरो अब इस पर जल्दी से चार सवाल कर लो और अपने अपने घर निकल जाओ इस पर जल्दी से चार सवाल करके अपने अपने घर निकल जाओ हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी आज की क्लास में जो बातें बताई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है अगर सवाल आएगा तो बच्चा सिर्फ कर ए टू जेड क्वांट का ही पाएगा और कोई नहीं देख लो ये लो जल्दी उत्तर बताओ जल्दी देखो भाई मैंने कहा जब हम इसको उधर लेके जाएंगे ये बराबर जीरो देखो कैसे लिखते हैं बराबर जीरो तमीज तो सीखो सौ बार एक बात बता दी कि ये ठीक नहीं लगता इसको ऐसे लिखो बराबर जीरो ठीक है वो तो मैं समझ ही गया ठीक है चलो अब मैंने क्या करा कि अगर ये बराबर जीरो होगा तो आपने समझ लिया कि दो नेगेटिव हैं जो कि पॉसिबल नहीं है ये तभी हो सकता है जब दो नेगेटिव तो हो सकते हैं ना कैसे यानी ए और बी पॉजिटिव है और माइनस सी का स्क्वायर बराबर जीरो यानी हम समझ गए यहाँ से ए प्लस बी कितना आ जाएगा सी मैं समझ गया मैं समझ गया, मैं समझ गया कि ये फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और ए प्लस बी सी अब अगर ए प्लस बी सी यहाँ रख दूँ पूरे की जगह सी रख दूँ तो चार गुणा टू सी यानी टू सी प्लस सी बटे ए प्लस बी सी चार दुनिया आठ और एक नौ सी और बटे सी सी से सी कट गया कितना उत्तर आ गया बराबर कितना उत्तर आ गया नौ अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है नौ ही आ रहा है ना इसका उत्तर हाँ नौ ही आ रहा है एक और पूछूंगा यहां पे एक और पूछूंगा ये देख लो ये सवाल देख लो बहुत अच्छा है ये भी ये देख लो इतना चुन चुन के इनको सवाल लाते हैं सिक्वेंस में कराते हैं बट पता नहीं क्या कर रहे हैं कैसे सेलेक्ट होंगे कैसे जीवन कटेगा पता चल रहा है शादी के बाद भी लिपस्टिक के पैसे पिताजी से मांगने पड़ रहे हैं इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है जब हम इसको उधर लेके चले जाए तो मैं समझ गया कि अब की बार जो फॉर्मूला बनेगा वो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बनेगा बराबर जीरो ठीक है ये बनेगा तो यहां से पता लग गया कि ए प्लस सी कितना है ए प्लस सी कितना है तो बोलेंगे माइनस बी ए प्लस सी कितना है माइनस बी अगर ये माइनस बी है इसका मतलब क्या हो गया माइनस सेवन बी प्लस थ्री बी बटे फोर बी तो ऊपर नेगेटिव फोर फोर बी बी और नीचे पॉजिटिव तो उत्तर कितना आ जाएगा माइनस एक यही सवाल का उत्तर है अब अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो आप पाएंगे कि बीसी पॉजिटिव होगा बीसी और ए नेगेटिव होगा यानी कि यह फॉर्मूला बनेगा बी प्लस सी माइनस ए का होली स्क्वायर बराबर जीरो तो बी प्लस सी कितना होगा ए बी प्लस सी कितना होगा ए मैंने कहा अगर बी प्लस सी ए है तो ऊपर आठ कॉमन लेके ए आ जाएगा और नीचे कितना है टू ए बराबर चार आज की पूरी क्लास को वही लड़का समझ पाएगा वही एंजॉय कर पाएगा जो बाकी में पढ़ने वाला है मैंने क्या बोला आपको मैंने एक ही बात आपको समझाई कि जो आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है समझाया है वो वही बच्चा अच्छे से समझ सकता है या कर सकता है जिसने कभी जीवन में एल्जेवरा पढ़ी हो जिसने पेड कोर्स खरीदे हो छप्पन तरीके के वो समझ सकता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ और कितना कुछ कवर करते हुए चल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ ठीक है जैसे हमने लिखा मैंने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला जिसमें प्रकाश डाला था वो ये था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी सी बराबर होगा नहीं ये नहीं पढ़ा था हमने पढ़ा था माइनस ए बी माइनस बी सी वो तो आज पढ़ेंगे थ्री ए बी सी वाला तो हाफ याद है ऐसा कुछ फॉर्मूला मैंने आपको आखिरी क्लास में पढ़ाया था ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस C माइनस ए का स्क्वायर ठीक है ये हमने पढ़ा था लास्ट में ठीक है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस सी का स्क्वायर ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अच्छा आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देखिए मैं वो लिखना शुरू करता हूँ कि आज की क्लास में हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस थ्री ए बी सी किस के बराबर होता है तो आपको बताता हूँ इसके तीन चार फार्मूले हैं और वो तीनों चारों ही याद रखने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि पेपर में आया हुआ कोई भी सवाल आप बहुत ही कम समय में कर लें कई सारी चीज़ें हैं इसमें काम की जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो अभी तक आपने नहीं जानी या नहीं पता आपको कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये होता है बहुत ही काम का फॉर्मूला है लेकिन इसके उपयोग उससे भी ज्यादा काम के हैं बहुत कमाल कमाल के उपयोग हैं जिन पे हम बात करेंगे ठीक है तो अब मैंने क्या कहा इसके बाद मैंने कहा कि आपको जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में भी बताया था यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी और उसका फॉर्मूला था हाफ यानी कि हाफ मैं इधर ही लगा लेता हूँ हाफ और इस ब्रैकेट को क्या लिख सकता हूँ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर हाफ ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर ये लिखा जा सकता है इजिट के लिए आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा इसको और किस तरीके से या और क्या लिखा जा सकता है मैं ये भी लिख सकता हूँ इसको कि ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी और इसमें अगर हम टू ए बी टू बी सी टू सी एड कर दें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अब आप कहेंगे कि यार अगर आपने जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा उतना ही तो टू घटाऊंगा तो ये कितना रहेगा माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री बी सी माइनस थ्री सी ए क्लियर है बात ए प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री बी सी माइनस थ्री सी है, ठीक है ठीके? आगे बढ़ते हैं। इसका एक और फॉर्मूला क्या है वो भी बहुत काम का है कि अगर मैं फिर से इसको दो से गुणा कर दूं, तो आप कहेंगे हाफ फिर इधर आएगा और ए प्लस बी प्लस सी होगा फिर अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे टू ए बी टू बी सी टू सी आ जाएगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं तो आप कहेंगे उसको आपने बताया था पिछली क्लास में पढ़ाया था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर घटा दूं तो टू ए बी टू बी सी और टू सी याद है ना एक फार्मूला बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी तो जब मैंने इसको दो से गुणा की तो मैं आपको बता देता हूं कि ये बन जाएगा थ्री ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये फार्मूला सबसे ज़्यादा काम आने वाला फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप चाहो तो इसे खोल के चेक कर सकते हो यानी हमने ये कहा कि इसके टोटल चार फॉर्मूले हैं एक दो तीन और चार और इन चारों पर ही अलग अलग सवाल आता है अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूले की बात की है उसके अलावा मैंने कोई भी नई पुरानी बात नहीं की जैसे आप ये सवाल देखेंगे एक सवाल आपके सामने है बहुत छोटा सा सवाल है कुछ है नहीं सवाल के अंदर बट फिर भी पूछा गया है कि ए बराबर बी बराबर थ्री थर्टी थ्री है और देन द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ ए की क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ बी की क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ सी की क्यूब माइनस सिक्स ए बी सी आपसे पूछा है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखिए जब भी ए बी सी का डायरेक्ट मान दिया हो तो समझ जाओ कि पहला ही फॉर्मूला लगेगा आप देखिए आप यहाँ पे बहुत ध्यान से अगर देखें तो आपको इतना पता लग जाएगा कि टू कॉमन आ रहा है और इसको मैं लिख सकता हूँ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस थ्री ए बी सी ठीक है लिख सकता हूँ या नहीं अब मैंने टू कॉमन ले लिया टू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉमन था इस पे फॉर्मूला लगा दिया हाफ ए प्लस बी प्लस सी और दूसरा क्या था ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर ये हमने लिख दिया लिख सकते हैं कि नहीं आप बोलेंगे हाँ जी लिख सकते हैं मैंने कहा दो से दो तो कट ही गया कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं आपने कहा यस अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तीन सौ तैतीस तीन सौ तैतीस कितना होगा छ सौ छियासठ और तीन सौ चौंतीस उसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हजार हजार आ जाएगा अब अगर मैं ए माइनस बी का स्क्वायर करूं तो वो क्या होगा जीरो प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर करूं तो कितना होगा एक प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर करूं तो क्या होगा एक तो आपने कहा ये दो आ गया उत्तर आ गया दो हजार यही सवाल का उत्तर है आपको मैं उतना ही टाइम दूंगा जितना यहां से यहां तक जाऊंगा और आपको उतने ही टाइम में सवाल को करना है ठीक है यहाँ तक अगर किसी भाई को डाउट है अगर वो कुछ पूछना चाहता है तो बताओ वरना हम दो तीन सवाल और करेंगे भी फॉर्मूला बेस्ड जो पेपर में पूछे गए हैं रिसेंटली जैसे कि मेंस 2017 में काफी सवाल आए थे तो 10-12 मिनट में हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा मैंने एक फॉर्मूला आज की क्लास में पढ़ा है जो लोग अभी अभी साथ जुड़े हैं उनको बता दूं कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी मैंने कहा कि हमने इस क्लास को तीन पार्ट में बांटा है पहला फॉर्मूला और उस फॉर्मूले पर आधारित क्या क्या सवाल आ सकते हैं दूसरे उस फॉर्मूले के दो आस्पेक्ट्स और हैं बस उन दो आस्पेक्ट्स के बाद हम जो है आगे का खेल करेंगे ठीक है तो मैं कुछ और एक सवाल दिखाता हूं जो फॉर्मूले पे ही पूछे गए हैं जैसे ये सवाल पूछा गया था देखिए अब यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है कि क्या हम इन सवालों में वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम इन सवालों में वैल्यू पुट कर सकते हैं तो जवाब मिलेगा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि यहां तीन वेरिएबल है एक्स वाई और जेड और यहाँ तीन ही इक्वेशन है एक दो और तीन यानी वैल्यू नहीं पुट कर सकते फिर आप कहेंगे कि ये बात आपके मन में कैसे उठी कि आपको वैल्यू पुट करना है तो मैं कहूंगा कि मेरे मन में ऐसे उठे कि कुछ एक सवाल ऐसे भी इनमें आते हैं जहाँ तीन वेरिएबल हो और दो इक्वेशन हो यानी कि वहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं तो वो कौन से सवाल होंगे वो हम इसके एक दो सवाल बाद देखेंगे ये चीज पहले आप इस सवाल को करके बताइए देखिए अब कौन सा फॉर्मूला लगाने में भलाई है कौन सा फॉर्मूला लगाने में भलाई है मैं आपसे जानना चाहता हूँ तो आप कहेंगे जो तीसरा वाला आपने बताया था वो लगाने में भलाई है मैं कहूँगा तीसरा वाला कौन सा था आपको याद कराता हूँ देखो तीसरा वाला मालूम है कौन सा था तीसरा वाला था एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर भी क्या था हाफ था आप कहेंगे हाफ तो मैं ही हूं देखिये आप हैं नहीं है मुझे मतलब नहीं है ये होगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये होगा ठीक है तो देखिए बड़े ध्यान से देखेंगे कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब हमें सवाल में तीन दे रखा है तीन माइनस तीन एक्स वाई जेड बराबर हाफ मैं कहूंगा x प्लस प्लस जेड कितना होगा एक दूसरा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना होगा तीन दूनी छ माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर एक यानी ये कितना आ गया फाइव बाई टू फाइव बाई टू आ गया ठीक है अब इस फाइव बाई टू को मैं इधर लेके आऊं तीन में से घटाऊं तो वन बाई टू बराबर थ्री एक्स वाई जेड तो यहां से एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा आप बता सकते हैं वन बाई सिक्स यही सवाल का उत्तर है यानी अगर हमें ये फॉर्मूला पता हो तो ये सवाल पंद्रह से बीस सेकेंड से ज्यादा नहीं है अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो ये सवाल पंद्रह बीस सेकेंड से ज्यादा का नहीं है बहुत आसान है बट तभी जब फॉर्मूला पता हो वरना हम क्या करेंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालेंगे इससे क्या है फॉर्मूला पता होने से डायरेक्ट आ जाता है डायरेक्ट आ जाता है अच्छा जैसे ये सवाल हमारे सामने आया जब हमारे सामने ये सवाल आया तब क्या हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा जवाब यहाँ पे होगा कि अब हम फॉर्मूले का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करेंगे देखिए अगर मुझसे कभी ऐसा सवाल पूछा जाए और कई बार ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं पूछे गए पूछे गए ऐसे सवाल मैं मौखिक बता सकता हूं आपको ओवरली बता सकता हूं कि इस सवाल का उत्तर ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता या तो ये होगा या ये अगर क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आप देखेंगे इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूं वरना मैं यहां पे भी कह देता कि आप फॉर्मूला लगा लो नहीं लगाना क्यों नहीं लगाना क्योंकि आप खुद देखो कि यहां पे दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं तीन तीन वेरिएबल है यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे बहुत आसानी से जो एक्स्ट्रा वेरिएबल एक है उसको मैं जीरो कर सकता हूं अब आप समझना कि मैंने कैसे ये काट दिया था जब मैं सी को जीरो करूंगा तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा दो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा छब्बीस ठीक है फिर उसके बाद जो मुझसे पूछा है वो कितना आ जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ये आ जाएगा आपको याद होगा मैंने ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का आपको फॉर्मूला याद कराया था क्या कराया था मैंने कहा था कि बेटा ए प्लस बी की क्यूब से अगर आप थ्री ए बी और ए प्लस बी घटा दो तो यही मिल जाएगा मिल जाएगा नहीं? अब अगर मैं यहां से A plus B common ले लू तो कितना बचेगा प्लस बी का स्क्वायर माइनस थ्री ए बी बचा अब मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा था यहाँ पे मेरा देह यही था कि मैं आपको बता पाऊं कि जब कभी जीवन में इस तरीके का सवाल आएगा तो आप समझ लेना कि a प्लस बी का जो मान है उत्तर उसका मल्टीपल होगा आप बताइए आपसे पूछा ये है और a प्लस बी का मान कितना है बाहर दो इसीलिए मैं डायरेक्ट ये बता गया था कि ये उत्तर नहीं होंगे क्योंकि दो से गुणा होगी मान लेते हैं कि यहां दो की जगह तेरह होता तो मैं सीधे उत्तर लगा देता कि तेरह का मल्टीपल होगा डी बात समझ रहे नहीं। ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं जहां आपको टाइम लगाना ही नहीं है देखते ही उत्तर बताना है मान लेते हैं कि यहां पे लिखा होता तेईस यहाँ तेईस होता तो मैं समझ जाता कि उत्तर तेईस या उनहत्तर ये होगा यानी जब भी इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा और दो ही इक्वेशन दे रखी होंगी तो सवाल का जो उत्तर होगा वो ए प्लस बी का मल्टीपल होगा ये बात आपको दिमाग में बिठानी है ए प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार यहां से हम क्या कर सकते हैं इसका स्क्वायर करके छब्बीस प्लस टू ए बी बराबर चार यानि हम यहाँ से ए बी का मान निकाल सकते हैं ए बी का मान कितना होगा माइनस ग्यारह तो माइनस ग्यारह यानी कि प्लस का तैतीस तो तैंतीस और चार सैंतीस दूनी चौहत्तर यानी ये उत्तर आ गया जैसे मान लेते हैं कि पेपर में ये सवाल आता मुझे तुक्का मारना था मेरे पास वक्त नहीं है करने का मुझे फिफ्टी फिफ्टी खेलना है तो मैं इतना तो श्योर होता कि फिफ्टी फिफ्टी में ये उत्तर नहीं होंगे दोनों बात समझ रहे हो नहीं ऐसे सवाल भी पेपर में आए हैं मैं एक दो सवाल से आपको ये बात दिखाता हूँ कि कौन सा सवाल था जो एस में आया था और डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन से हो सकता था मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाया हूँ मैंने किया क्या है बता देता हूँ मैंने कहा जब तीन वेरिएबल हो और दो इक्वेशन हो इसका मतलब किसी एक को जीरो किया जा सकता है और ऐसी हर स्थिति में एक की क्यूब बी की क्यूब का जो मान होगा वो ए प्लस बी का मल्टीपल होगा बस इतनी सी बात मैं बताना चाहता हूँ बाकी मेरा कोई और ध्येय आपको कुछ और बताने का नहीं है क्लियर है बात या नहीं दोस्त हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं गांव रामपुर से श्री आस्तोष शर्मा यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं अपने रूम में रजाई में बैठे हुए बहुत बहुत स्वागत है आशु जी आपका आशु भाई गुरु जी हमेशा से ही काफी नटगट रहे हैं देखिए पूरी गंगा जी उनको जानती हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर उन्नीस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक सौ चौदह देन द वैल्यू ऑफ अब जैसे ये सवाल दिया हुआ है देखिए मैं समझ गया बेटा मैं समझ गया एक छोटी सी बात मैं समझ गया कि जो भी उत्तर होगा 19 का मल्टीपल होगा जो भी उत्तर होगा 19 का मल्टीपल होगा और क्योंकि x प्लस वाई उन्नीस है दो इक्वेशन है तो मैं डायरेक्ट कह सकता था कि सवाल का उत्तर होगा ये सवाल एजिटेज एज एसएससी एज 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 में आया है अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब है तो आप उस किताब में देख सकते हैं कि ऐसे कितने और सवाल आए जिन्हें आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं आज तो मैं बाल-बाल भी सेट करना भूल गया यार ऐसी हालत हो रखी है ठीक है भाई बात क्लियर है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं मैं क्या बता रहा हूं कि अब अगर यहां पे दो इक्वेशन है यहाँ पे दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल हैं तो हम जेड को सीधे जीरो कर लेंगे जेड जीरो होते ये खत्म हो जाएगा जेड जीरो होते ये खत्म हो जाएगा अब जो अंदर बचाए मुझे मालूम ही है अभी बताया था फॉर्मूला कि एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई यही है थ्री एक्स सॉरी जेड तो खत्म ही हो गया है तो थ्री एक्स वाई ठीक है अब आप कहेंगे एक्स प्लस वाई कितना है तो मैं कहूंगा उन्नीस है उन्नीस है यह उन्नीस का स्क्वायर थ्री सिक्सटी वन माइनस एक्स वाई कितना होगा एक सौ चौदह एक सौ चौदह तीया कितना होगा तीन सौ बयालीस यानी ये खुद उन्नीस बच गया उत्तर कितना आ गया उन्नीस उत्तर अब आप मेरी बात को समझ गए हो कि मैं क्या बताना चाह रहा था मैं ये कह रहा था मैंने अभी तक क्या पढ़ाया मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड के तीन चार फॉर्मूले बताए मैंने कहा कि फॉर्मूला बेस्ड काफी सारे सवाल पेपर में आते हैं उसके बाद मैंने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि उन फॉर्मूलों के बजाय हम इस तरीके से भी सवाल का उत्तर जज कर सकते हैं कैसे क्योंकि अगर तीन इक्वेशन और दो वेरिएबल या दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल हैं तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को जीरो कर सकते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो उस केस में जो हमारा उत्तर होगा वो एक्स वाई एक्स प्लस वाई का मल्टीपल होगा यानी हम देखते भी उत्तर टिक कर सकते हैं जैसे इस सवाल में हमने क्या किया सेम वही किया दो इक्वेशन थी तीन वेरिएबल जेड को जीरो किया जैसे ही मुझे पता चला प्लस वाई है तो मैं समझ गया कि इसका उत्तर उन्नीस का मल्टीपल होगा ए की मल्टीपल था मैंने ए टिक कर दिया। आपको निकाल के भी दिखाया वही उत्तर आ रहा है ठीक है बात क्लियर है कि नहीं यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट है यानी कि अब अगर फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा तो आप कर पाओगे इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे बतानी चाहिए या नहीं आप कहेंगे ये बात आप क्यों याद करा रहे हो मैं इसलिए याद करा रहा हूं कि उस सिंगल बात पे एसएससी अब तक 18 से भी ज्यादा बार सवाल पूछ चुके वो क्या बात है उस पे हम चर्चा करते हैं ठीक है एक नोट बना के आपको लिखना होगा नोट महत्व पूर्ण नोट महत्वपूर्ण क्या होता है नोट महत्वपूर्ण देखिए ये कुछ वैल्यूज हैं जो फिक्स फिक्स वैल्यूज हैं जिन पे एसएससी के अंदर सवाल लगातार पूछा जा रहा है फिक्स वैल्यूज हैं जिनके अंदर लगातार सवाल पूछा जा रहा है फिक्स वैल्यूज कौन सी हैं वो वैल्यूज उनके बारे में बात कर लेते हैं तो एक्स बराबर एक्स वाई जेड देखिए कुछ भी हो सकती है वो नाइन सिक्स और फोर ये वो वैल्यू है जिन पे हमेशा सवाल पूछा जाता है तो अगर आपको ये याद है तो आप चुटकियों में सवाल कर सकते हो देखो कैसे अब मान लेते हैं नाइन सिक्स फोर है ठीक है।, है तो आपसे कैसे सवाल पूछ लेगा आपसे क्या दे देगा पता है आपको दे देगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर उन्नीस दे देगा आपको तो अगर ये दिया हुआ है तो आप समझ जाओगे कि यही सवाल है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा छचंग छत्तीस चार चौक सोलह छत्तीस और सोलह बावन और इक्यासी कितना होगा बावन और इक्यासी एक सौ तैतीस या तो ये एक सौ तैतीस दिया हुआ है या फिर आपसे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एक सौ चौदह दिया हुआ है अभी जो मैंने पीछे सवाल कराया है वो भी इन्हीं वैल्यूज पे था नौ छः चार पे था या आपको दे देगा एक्स वाई जेड बराबर दो सौ सो सोलह इनमें से कोई भी माइनस भी हो सकती है यानी ऐसा भी हो सकता है कि हमें नौ छह माइनस चार दे दिया तब देखिए कंडीशन कौन सी बदल जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो अब ग्यारह हो जाएगी बट अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेम होगा एक सौ तेतीस इस कंसेप्ट पे या इन वैल्यूज पे बहुत बार ऐसे सी ने सवाल पूछा है वो सारे के सारे सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं आप खुद देखेंगे आपको पता लग जाएगा मैंने क्या कहा कि नौ छः चार पे कई बो बार कई बार डायरेक्ट सवाल पेपर में आया है और जब डायरेक्ट सवाल पेपर में आया है तो क्या क्या कंडीशन दे रखी होती है ये या ये या ये या ये, ये इस तरीके की कोई भी कंडीशन आपको दी हुई हो सकती है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या सवाल इस पे आए हैं जल्दी से बट सबसे ज्यादा नॉमिनल पे हम पढ़ा रहे हैं। देखिए एक सवाल ये आ गया आपके सामने वैल्यू ऑफ क्यूब रूट कौन चलिए सवाल देखिए बड़ा प्यारा सा सवाल है मैंने अभी आपको एक बात बताई थी मैंने कहा था कि बहुत बार इस तरीके के सवाल पेपर में आए हैं कैसे देखिए आपको मालूम है कि नौ और 6 और चार यह अभी मैंने बताया था नहीं ये सवाल एजिटिज पेपर में आया हुआ है जैसे ही मैंने 133 देखा मैं समझ गई दो बातें मैंने देखी अब नौ छह माइनस चार है तो मुझे तो खुद पता है कि अंदर इन सब का मल्टीप्लीकेशन दो सौ सोलह होगा और दो सौ सोलह का मतलब माइनस छ दो सौ सोलह का मतलब माइनस छ यही सवाल का उत्तर है 216 सो का मतलब कितना है माइनस X प्लस वाई प्लस जेड बराबर उन्नीस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर उन्नीस ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक सौ तैतीस एंड एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन जेड एंड एक्स आपको याद होगा कि मैंने ये चीज आपको बताई थी कैसे बताई थी मैंने कहा था बेटा याद कर लो छ चार पहली इक्वेशन से मैं बता सकता हूं कि कौन सा नौ होगा कौन सा छह नहीं दूसरी से बता सकता हूं नहीं तीसरी से बता सकता हूं हां जी बता सकता हूं कि मुझे इसको चार लेना पड़ेगा इसका नौ तब ये जाके छ का स्क्वायर होगा बोलो यहां से तो बात क्लियर है कि मैं x को नौ लू या z को चार और y कितना आ जाएगा छ ये बात तय हो गई क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड है एक्स जेड यानी कि या तो ये चार है या ये नौ या ये नौ है और ये चार ये छ ही है तो आपसे डिफरेंस पूछा था जेड और एक्स का यानी अभी भी इनको खुद नहीं पता था कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा तो जेड एक्स का डिफरेंस यानी नौ और चार का डिफरेंस कितना आ जाएगा तो नौ और चार का डिफरेंस आ जाएगा पांच यही सवाल का उत्तर पांच ही सवाल का उत्तर है फाइव इज द करेक्ट आंसर एक और एक और सवाल आखिरी इस कॉन्सेप्ट करेंगे फिर फॉर्मूला बेस्ड ये खत्म हो जाएगा और हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे ठीक है देखिए एक्स स्क्सर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वन वन फोर तो कर लीजिएगा इसको इसको भी क्या करना है होमवर्क में दे देते हैं आरडब्ल्यू आरडब्ल्यू लिख लीजिए ये सब आपको अभी पीडीएफ में डाल के मिल जाएगा दोनों पीडीएफ हम सिक्वेंस वाइज शेयर कर देंगे परसों वाली भी और आज वाली भी ठीक है तो डोंट वरी अबाउट इट चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसका एस्पेक्ट टू क्या है इसी चीज का एस्पेक्ट टू क्या है देखिए एस्पेक्ट जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ये दिया हुआ है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में ये दिया हुआ ठीक है <स्थ> क्लियर है बात तो अब इसके बाद की कहानी क्या है इसके बाद की कहानी यह है ध्यान से समझिएगा कि अगर मुझे कोई ये कहे इफ इफ कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर जीरो ये कोई मुझे कहे इसी चीज को मैं या करके भी लिख सकता हूं या फिर ये कहे या एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेट की क्यूब ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पर थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है ध्यान देने की जरूरत है बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है तो देखिए मैंने क्या कहा आपको कि अगर मुझे कोई ये कहता है आ, अगर मुझे कोई ये कहता है कि ये चीज जीरो है तो फिर आप कहेंगे कि दो बातें हो सकती आपका जवाब होगा कि दो बातें हो सकती हैं ठीक है कौन कौन सी दो बातें हो सकती हैं कि या तो ये ब्रैकेट जीरो है या तो ये ब्रैकेट जीरो है या फिर ये ब्रैकेट जीरो बहुत ध्यान से समझना होगा बहुत ध्यान से समझना होगा आप और हम और सब जानते हैं कि ये ब्रैकेट जीरो तब होता है पिछली क्लास में पढ़ाया था जब जब एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो याद आ रहा है कुछ पिछली क्लास में पढ़ाया था जब एक्स बराबर y बराबर z होता है तब ऐसा होता है तो मैंने वही कहा कि यदि एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड जीरो के बराबर है तो दो वजहों से ये जीरो के बराबर हो सकता है या तो ये जीरो या ये जीरो अगर हमें ये दिया हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है स्टार लगा लीजिए तो इसकी दो वजह होंगी देन ये तभी हो सकता है पहली ए प्लस बी प्लस या तो जीरो के बराबर है या दोनों में से एक बात होगी या A बराबर बी बराबर सी है। आप सोच रहे होंगे कि फिर सवाल कैसे कैसे पूछा जाएगा हम इन दोनों कंडीशन का यूटिलाइज करेंगे कैसे? तो मैं दो या तीन सवाल पूछूंगा और आपको दिमाग में इस बात को उतार दूंगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको पूछ रहा हूं मैं सवाल के माध्यम से दो एग्जाम्पल लेके दो एग्जाम्पल लेके इस बात को समझाता हूं जो मैंने अभी आपको बताई है ठीक है मजा आ जाएगा आपको समझ के देखिए ध्यान से कि अगर आपको किसी ने सवाल पूछा एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल से जितनी अच्छी बात आ सकती है कि इफ इफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस थ्री या बराबर थ्री एक्स वाई जेड और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर ये लिखा हुआ है देन आपसे पूछ रहे हैं देन एक्स प्लस वाई अपॉन जेट क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। इतनी सी बात आपसे पूछ रहे हैं ठीक है मैं एग्जाम्पल दो लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर दो लिख रहा हूं इसी पेज पे एग्जाम्पल नंबर दो इफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेट की क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड तब ब्रैकेट में क्या होगा एक्स वाई जेड आर डिस्टिंग नंबर जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो डिस्टिंक्ट नंबर का मतलब नहीं समझते होंगे इसका मतलब होता है भिन्न संख्या भिन्न संख्या xyz आर डिस्टिंग नंबर इसका मतलब क्या है भिन्न संख्या ठीक है x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर 3xyz xyz आर डिस्टिंग नंबर भिन्न संख्या आपसे पूछ तब भी वही बात रहा है सेम देन सेम बात पूछ रहा है x y upon z बताओ क्या तो देखिए दो सवाल पूछे हैं और दोनों के ही उत्तर अलग-अलग हैं क्या आप बता सकते हैं दोनों के उत्तर नहीं बता सकते ठीक है देखिए पहला सवाल देखिए मैंने कहा कि जब ये कंडीशन मुझे दे रखी होगी जब ये कंडीशन मुझे दे रखी होगी तो मेरे दिमाग में दो बातें आएंगी कौन कौन सी कि या तो x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, या बराबर वाई बराबर जेड यही दो बातें मेरे दिमाग में आएंगी बोलो आएंगी या नहीं आपने कहा कि इन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ये ऑल आर पॉजिटिव नंबर हैं सभी की सभी क्या हैं धनात्मक संख्याएं हैं। अगर ये सभी की सभी धनात्मक संख्याएं हैं तो क्या उनका सम कभी जीरो हो सकता है नहीं हो सकता पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता यानी कि ये कंडीशन नहीं होगी ये नहीं होगी हो तो ये होगी अब जब ये सारे बराबर हैं तो आपको याद होगा मैंने कहा था एक एक मान लेते हैं नहीं भी मानोगे एक एक तो सबको एक्स एक्स ले लो उत्तर कितना आएगा एक्स से एक्स कट गया x से x कट गया उत्तर कितना आ गया दो यही सवाल का उत्तर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो पहला एग्जाम्पल समझ आया कि किस तरीके से सवाल पेपर में पूछा जाएगा पूछने को भी और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है बट अगर हमें x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब थ्री एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो वी आर नॉट श्योर हम इस बात की कोई गारंटी नहीं रखते कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होगा या x बराबर वाई बराबर जेड होगा हमें नहीं पता वो हम कंडीशन देखने के बाद ही समझ पाएंगे रश्मि भोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार कश्यप हैं प्रयागराज बुला रहे हैं जी बिल्कुल आना होगा ए एम एजुकेशन है इरफान अहमद है इमरान खान हैं बहुत प्यार भेज रहे हैं दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का देखिए अब देखिए आप कि यहां पर भी दो बातें होंगी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो या x बराबर वाई बराबर जेड दो बातें होंगी कौन कौन सी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो या x बराबर वाई बराबर जेड ठीक है तो अब आप कहेंगे कि इन्होंने कहा हुआ है कि एक्स वाई जेड आठ डिस्टिंग संख्याएं ये भिन्न नंबर है भिन्न का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर नहीं है ठीक है जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन नहीं चल पाएगी ये कंडीशन नहीं चल पाएगी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो जाएगा अगर ये जीरो हो गया तो मैं x प्लस वाई का मान यहां से क्या निकाल सकता हूँ आप कहेंगे माइनस जेड तो माइनस जेड बड़े जेड कितना उत्तर आ जाएगा माइनस पहले सवाल का उत्तर दो आ रहा था नीचे वाले सवाल का उत्तर माइनस एक आ रहा है यही उत्तर है तो ये सवाल देखिए यह सवाल पेपर में आया 2017 में ऑप्शन मैं अपने हिसाब से दूंगा जीरो एक दो सत्ताईस अपने हिसाब से ऑप्शन दूंगा ऑप्शन मैंने बदल दिए बाकी पेपर में आया हुआ सवाल है देखिए ये सवाल पेपर में आया अब पता बच्चा क्या करता है बच्चे की मैं बताता हूँ कैसे वो सवाल सोचता है और गलत करके आ जाता है पेपर में वो देखता है छ एक एक, एक, एक एक रखता है सबको तीन आ गया अरे वाह ऐसे खुश हो जाता है अरे वाह फिर और एक एक एक, तीन की क्यूब सत्ताईस लगा के चलाता है सत्ताईस चला जबकि ये सरासर गलत है बताऊं क्यों अगर आप इसमें दो दो रखोगे दो का स्क्वायर चार तो भी ये तीन आएगा यानी सवाल का उत्तर दो प्लस दो प्लस दो आठ की क्यूब छ की क्यूब दो सौ सोलह भी हो सकता है देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूं तो आप कहेंगे जी एक्स वाई जेड एलसीएम आया ऊपर आ गया एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब और भी ऑप्शन लिख लीजिए 216 भी लिख लीजिए तो बराबर थ्री यानी यहां से आ गया ये एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड ठीक है इतना आ गया x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड मैं जानता हूं कि इसके दो मायने होंगे या तो x बराबर y बराबर Z, है? या फिर x प्लस y ठीक फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या मैं पहले वाली की मदद से इसका उत्तर निकाल सकता हूं आप कहेंगे नहीं क्योंकि पता नहीं है एक्स वाई जेड क्या है अगर एक एक, एक हुआ तो उत्तर सत्ताइस दो, दो दो हुआ दो तो उत्तर दो सौ सो सोलह यानी इस कंडीशन से इनफाइनाइट आंसर संभव है इस कंडीशन से इनफाइनाइट आंसर मिलेंगे। यानी कंडीशन इनफाइनाट नहीं है अब मुझे खुद से ऑप्शन देख के दिमाग लगाना पड़ रहा है कि इस कंडीशन से मात्र और मात्र एक उत्तर मिलेगा अगर एक्सप्ल वाई प्लस जेड जीरो है तो मैं सीधे उत्तर निकाल सकता हूं जीरो और यही सवाल का उत्तर है यानी कि यहां पर भी दो कंडीशन थी एक्स बराबर वाई बराबर दैट वाज नॉट द आंसर वो आंसर फाइंड करने के लिए सफिशेंट नहीं थी <laughs> दूसरी कंडीशन एकदम पर्याप्त थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो रखा जीरो की क्यों जीरो चले अब इसी का दूसरा एस्पेक्ट हम और आप समझने जा रहे हैं एक और एस्पेक्ट जो कि आखिरी एस्पेक्ट है आज की क्लास का बेहद इंपॉर्टेंट बेहद महत्वपूर्ण जिसको हम करने जा रहे हैं ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं उसके बहुत सिंपल है जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला क्या बताया कि भाई एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड दूचले ब्लैकेट में एक्ट इथक्वाइल पिलत बाई इत इथ माइनस दै दे एक आध बच्चा अब मार खा जाएगा मेरे से बहुत बुरी तरीके से एक थप्पड़ में जबड़ा हाथ में आ जाएगा देखिए मैंने लिखा इफ इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है देन आपको मालूम है कि अगर ये जीरो है इसका मतलब होगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड हो जाएगी तो ये बहुत <coughs> बहुत महत्वपूर्ण है ये बात समझना इस पे बैक टू बैक हम सवाल करेंगे ठीक है जल्दी से लिख लीजिए इसको देखिए कई बार सवाल में ये चीज डायरेक्ट दे रखी होगी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो और कई बार डायरेक्ट नहीं दे रखी होगी हमें खुद देखना पड़ेगा कि ये जीरो है या नहीं ठीक है तो मैं सवाल पूछना शुरू कर रहा हूँ एक छोटे से सवाल से शुरुआत कर रहा हूं इस सवाल की देखिए अब मैंने क्या कहा था आपको एक छोटी सी बात बताई थी मैंने कि p प्लस क्यू माइनस आर बराबर जीरो ये है या नहीं आप बताइए p प्लस क्यू माइनस आर बराबर जीरो है या नहीं आप कहेंगे हाँ जी जीरो है तो मैं कह सकता हूँ p की क्यूब प्लस q की क्यूब और माइनस आर की क्यूब होगा बराबर थ्री पी क्यू और माइनस आर क्योंकि आर नेगेटिव है यानी ये आ गया माइनस का थ्री पी क्यू आर आप बताइए पी क्यू आर कितना दिया हुआ है सवाल में छत्तीस तो माइनस तीन गुणा माइनस छत्तीस बराबर कितना होगा प्लस का एक सौ आठ यही सवाल का उत्तर है यही सवाल का उत्तर है मजा आ जाएगा आपको सवाल करके ये देखिए कोई भी बच्चा जल्दबाजी में उत्तर नहीं बताएगा मैं समझ गया आप में से सबका उत्तर मैक्सिमम का उत्तर जीरो आ चुका है देखिए अब मैं एक चीज कह रहा था इस सवाल में आपको दिया नहीं है कि एक्स वाई जेड कितना है नहीं बट मैं समझ गया कि अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ता हूं तो देखिए ये कितना होगा तीन और एक चार दो और पाँच सात एक और छः सात छः यानी कि यह जीरो आ जाएगा आप देखिए मैंने एक्स वाई और जेड को जोड़ा तो कितना आ गया जीरो एक्स वाई और जेड को मैंने जोड़ा तो जीरो आ गया अब मैं जानता हूं कि अगर ये जीरो है तो ये कितना होगा एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब आप बोलेंगे थ्री एक्स वाई जेड ये थ्री एक्स वाई जेड होगा थ्री एक्स वाई जेड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो कितना आ गया सिक्स एक्स वाई जेड यही सवाल का उत्तर सिक्स एक्स वाई जेड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हमने लिखा एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं हमने लिखा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बटे वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर बटे देखिए मैं चाहूं आप कुछ भी गलत बोले सही बोले मैं चाहूं आपको ब्लॉक कर सकता हूं बट वो सोल्यूशन नहीं है एक से छा फ़र्ज़ है कि वो आपकी आंखें भी खोले कि आप फालतू बोल रहे हैं हमें क्या है इग्नोर करने में क्या चला जाएगा कुछ भी नहीं बट कई बार हमें जरूरी हो जाता है बच्चों को हड़काना और समझाना अब जैसे ये दिया हुआ है तो सबसे पहले दिमाग में क्या बात आती है सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि भाई आप एल्सीयम ले लो एल्सीय ठीक है तो हमने एल्सीयम ले लिया अगर एल्सीय लिया तो क्या होगा तब आएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स ठीक है तो ऊपर कितना आ जाएगा एक्स माइनस वाई की क्यूब प्लस वाई माइनस जेड की क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स की क्यूब ठीक है अब पता एक बात आपके दिमाग में आएगी अब आप कैसे देखेंगे देखिए इसका सम मैं लिख के बता रहा हूँ x माइनस वाई का सम अगर मैं y माइनस जेड के साथ करता हूँ जेड माइनस एक्स के साथ करता हूं तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा नहीं अगर ये जीरो आ गया तो इन सब की क्यूब क्या होगी इन सब की क्यूब बराबर होगी थ्री एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स तो बटे क्या होगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स तब आप पाएंगे ये आपस में कट गया उत्तर कितना आ गया जी और यही सवाल का उत्तर है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो होगा देखिए अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, तो ये आ रहा है थ्री एक्स वाई जेड कितना आ रहा है थ्री एक्स वाई जेट ऊपर कितना होगा x की क्यूब और y प्लस y की घात चार प्लस जेड की क्यूब और वाई अब देखिए क्या होगा यहाँ पे वाई कॉमन लेना पड़ेगा अंदर बचेगा एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब नीचे कितना होगा थ्री एक्स वाई जेड आपको मालूम है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब क्या होगी थ्री एक्स वाई जेड थ्री एक्स वाई जेड ऑलरेडी बाहर कितना है वाई नीचे कितना है थ्री एक्स वाई जेड आपस में कट गई उत्तर कितना आ गया वाई यही सवाल का उत्तर है सी ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है बहुत प्यारा सवाल है कि जब कभी भी आपको इस तरीके से दिया जाता है सवाल ऐसे दिया जाता है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर थ्री ए बी सी और आपसे एक्स पूछ ले तो हमें कुछ नहीं करना होता हम सीधे समझ जाते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो अब बच्चा कहेगा कि एक आपने ये भी बताया था ए बराबर बी बराबर सी भी बताया था तो मैं कहूंगा कि ठीक है उसका इस्तेमाल करना पहले इससे देखो क्या उत्तर आ रहा है तो आपने इन सबको जीरो किया यानी कि आपने टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस सिक्स बराबर आपने जीरो किया तो पता चला कि तीन और दो पांच और एक छक्स बराबर बारह आ रहा है एक्स कितना आ गया तो देखिए यही ऑप्शन में मिल जाएगा आपको अगर सवाल में ये दिया हो कि x नॉट इक्व टू एक्स दो नहीं है जब x दो नहीं है तब मैं दूसरी कंडीशन पे जाऊंगा तो अगर जब तक सवाल में ये नहीं दिया हुआ है कि x नॉट इक्व टू टू जब तक दूसरी कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं है जब ये लिखा होता x नॉट इक्व टू टू तो मैं समझ जाता फिर मैं ये वाली कंडीशन लेता ही नहीं डायरेक्ट क्या करता दूसरी कंडीशन लेता समझ रहे हैं मैं एक सवाल और एक एग्जाम्पल और लेके आपको बताता हूं आप देख लो कि ये बराबर आ भी नहीं रहा होगा देखो इसको इसको बराबर करेंगे तो कितना आएगा x चार आ रहा है इसको इसको बराबर करेंगे तो x माइनस एक बटे तीन आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता ना दो एक्स नहीं हो सकते तो इसका मतलब इसमें दूसरी कंडीशन का काम नहीं है इसमें पहली कंडीशन से उत्तर निकलेगा जिसमें दूसरी से निकलेगा वो सवाल किस तरीके के होंगे एक बार देख लीजिए जैसे ये आप इस सवाल को देखिए देखिए अब बच्चा क्या करता है बच्चा क्या करेगा देखो इन सबको जोड़ देगा जोड़ के जीरो करेगा चार और तीन सात और दो नौ ए बराबर छः तो तीन ए दो आ जाएगा माइनस का फिर नीचे देखेगा हाय राम टी ने तो मना कर रखा है माइनस का दो तो जब ये कंडीशन दे रखी होगी सवाल में जब ये तो समझ जाना कि अब मैं ए प्लस बी प्लस सी जीरो करूंगा ही नहीं क्योंकि ये उसी से आएगी पहली कंडीशन इसी से आती है इसका मतलब अब मैं ये नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा मैं करूंगा अब ए बराबर बी बराबर सी यानी कि अब मैं करूंगा टू ए माइनस वन बराबर थ्री ए प्लस टू बराबर फोर ए प्लस फाइव ये करूंगा अब आप दोनों में से किसी से भी निकाल लीजिए देखिए इसको इधर लेके जाऊं तो ए कितना आ रहा है माइनस तीन इसको इधर लेके जाता तो भी ए कितना आ रहा है माइनस तीन यही आंसर है तो दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं मैंने बताया भी आपको कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब बराबर थ्री ए बी सी है तो इसके दो मतलब हैं या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो या ए बराबर बी बराबर सी तो आपको समझनी होगी ये बात कि कौन सी कंडीशन पे सवाल पूछा गया है ऑन विच कंडीशन क्वेश्चन इज बींग आस्ड हम एलजवरा लगभग लगभग खत्म होने के कगार पे ख़त्म हो ही चुका है आज की क्लास में हम फैक्टराइजेशन पे बात करेंगे अलग से हम फैक्टराइजेशन पे क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि लगातार पेपर में फैक्टराइजेशन पे सवाल आ रहे हैं आज की क्लास में अगर मैं अट्ठाईस उनतीस सवाल लेके आए हूँ तो पच्चीस सवाल ऐसे होंगे जो रिसेंटली ही पेपर में आएँ यानी फैक्टराइजेशन पे इतने सारे सवाल आ रहे हैं तो कौन से ऐसे सवाल हैं जो फैक्टराइजेशन के हैं पहले ये जानना फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये हम आज की क्लास में सीखेंगे किन किन फॉर्मूलाओं का उन फैक्टर करने में इस्तेमाल होगा उनको हम जानेंगे इन सब पे हम चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्या क्या फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मैं फटाफट से एक मिनट के अंदर लिखता हूँ तो चलिए क्या क्या इसमें फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा मैं जल्दी से लिख देता हूँ जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि दादा ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है आप सब जानते भी हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जल्दी जल्दी लिख देता हूँ और ऐसे ही ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी तीन तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको कंठस्थ रखने हैं जिनकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी दूसरा इसके बाद कौन से फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी वो मैं यहां लिख रहा हूं जैसे a प्लस बी की क्यूब कोरिया का बच्चा भी जानता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी यहां के बाद आपको पता होना चाहिए कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अगर पूछी जाए तो वो होती है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ठीक है इसके बाद ए माइनस बी की क्यूब बराबर होगी ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी लास्ट फॉर्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ फटाफट से इसको लिख लेंगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अच्छा अब देखिए ये तो बहुत नॉर्मल फैक्टराइजेशन है ये तो बहुत नॉर्मल फैक्टराइजेशन है जहां पे लिखा हुआ है ए स्क्वाय माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बहुत नॉर्मल फैक्टराइजेशन है या ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के मैं फैक्टर की बात करूं तो बहुत नॉर्मल है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो मैं इन नॉर्मल पे ही सवाल पूछना स्टार्ट करता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है बहुत छोटी सी चीज है जिसपे मैं सवाल पूछ रहा हूँ ठीक है क्लियर है यहां तक सब बच्चों को एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे आप सबको फॉर्मूले आते होंगे पहले से इसपे हम बहुत समय नहीं लगा सकते हैं ठीक है मैं सीधे सवाल पे आ जाता हूँ कि इस पर किस तरीके का सवाल पेपर में कभी पूछा गया है या आगे पूछा जा सकता है इस पर हम बात कर लेते हैं कहाँ गए वो बदतमीज दोनों सवाल इनकी बहस को ले जाऊं भोपाल जैसे ये सवाल है एक बहुत छोटा सा सवाल मैंने लिख दिया ये सवाल सी में आया हुआ सवाल है एस में इस तरीके का सवाल नहीं पूछा गया बट आगे आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है ये, इसको हम बोल सकते हैं डी फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर ऑलरेडी है हमें उन दोनों को मिला के लिखना है फैक्टर क्या है ऑलरेडी है उन्हें हमको हमें उन्हें मिला के लिखना है तो देखेंगे ध्यान से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर्टी फोर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस ग्यारह क्या होगा यह आपको बताना है ठीक है तो देखिए ध्यान से अब आपने यहाँ पे क्या नोट किया कि a प्लस बी दिया हुआ है मुझे a माइनस बी दिया हुआ है तो a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन अभी मैंने आपको बताया क्या बताया कि भाई a प्लस बी मैंने क्या बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर कर दें तो हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी को अगर गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो मैंने क्या किया कि जो मुझसे पूछा है मैंने उसको टी मान लिया अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे लिख दीजिए मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा देखिए इधर आ जाएगा इलेवन टी इलेवन टी ठीक है आप देख रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी जब मैं इसको स्क्वायर करके घटाऊंगा इसका मतलब क्या होगा कि जब ए प्लस बी ए माइनस बी करो तो स्क्वायर करके घटाओगे तो आप खुद पाओगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा थ्री एक्स से थ्री एक्स और जब चौबालीस में से माइनस का ग्यारह घटेगा तो इट विल बी फिफ्टी फाइव तो मैं कह सकता हूँ का मान कितना आ जाएगा पाँच तो जब भी कभी इस टाइप पे सवाल आए तो कुछ नहीं करना इसमें से इसको घटाना है माइनस का है तो प्लस हो जाएगा और 11 से भाग लगा दिया उत्तर कितना आ गया पाँच यही सवाल का उत्तर है यही सवाल का उत्तर है इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है टी बराबर पांच इज इट क्लियर और नॉट ये बताइए किसी को भी डाउट है एक और ऐसा सवाल कर लेते हैं जिससे कि बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ये सवाल देखिए ये सवाल क्या है यहाँ पर भी एक फैक्टर दिया हुआ है ए माइनस बी यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी तो मैंने अभी आपको ये वाली बात भी बताई थी कि अगर मैं अगर मैं a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए से तो ये क्या बन जाएगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या बन जाएगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब इज इट क्लियर और नॉट तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है ठीक है हमने क्या किया इसको टी मान लिया जो सवाल हमसे पूछा है उसको हमने टी मान लिया और मैंने कहा इन दोनों को गुणा कर देते तो आपको पता है कि जब हम इन्हें गुणा करेंगे देखिए ये हमारा ए है ये उसका स्क्वायर है ये हमारा बी है ये उसका स्क्वायर है तो यानी अब इसकी क्यूब होगी अगर मैं इसकी क्यूब करूं तो कितना आएगा टी प्लस चालीस और माइनस क्या होगा टी माइनस बीस तो कितना आ जाएगा टी प्लस बीस आ जाएगा बराबर टी की जगह के मान लेता हूं क्योंकि टी ऑलरेडी है तो के मान लिया मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा दस के आपने देखा टी से टी कट गया दस के बराबर साठ है तो के कितना आ गया यही सवाल का उत्तर तो इन दोनों सवालों में से भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है पेपर में मैंने कहा कि ये डिफैक्टराइजेशन है यानी कि ऑलरेडी फैक्टर दिए हुए थे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बन गया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन गया अब हम आ जाते हैं फैक्टराइजेशन पे क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है फैक्टराइजेशन कैसे मुश्किल होता है बताता हूं पहले इतना लिख लीजिए इतना लिख लीजिए जैसे मान लेते हैं कि ये सवाल मुझसे पेपर में पूछा गया है तो इस सवाल को मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूं तो हां जवाब मिलेगा जी कर सकता हूं कैसे कर सकता हूं देखिए ये प्लस चौसठ है अगर मैं x को जीरो रख दूं, अगर मैं x को जीरो रख दूं, तो ये प्लस का चौसठ आ रहा है और ये माइनस का चौसठ आ रहा है फिर मैंने देखा कि पहले वाले का अगर मैं स्क्वायर करूं तो एक्स की घाट चार आएगा प्लस चौंसठ प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर आएगा जबकि इसमें सिक्सटीन नहीं है यानी कि ये भी उत्तर नहीं होगा तो मैंने तीन ऑप्शन काट दिए तो चौथा उत्तर अगर मान लेते हैं ये सवाल पेपर में आता है तो एक अप्रोच हमारे पास ये भी हो सकती है कि हम x को जीरो रख दें x को एक रख दें x को दो रख दें ऐसा भी हम कुछ अपनी मर्जी से रख सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है समझ रहे है? मैं x को दो भी रख सकता हूं x को एक भी रख सकता हूं जैसे मैं x को एक रखता तो ये पैंसठ आता क्या ये पैंसठ आ रहा है एक रखने पर इक्यासी आ रहा है यानी यह उत्तर नहीं होगा ये आ रहा है पैंसठ देखो आठ चार बारह और एक तेरह आठ और एक नौ में से चार के पांच तेरह में पंजे पैंसठ पैंसठ आ रहा है अगर इस तरीके का सवाल पेपर में आता है तो आप x का मान भी रख सकते हैं यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एनी भी रख सकते हैं। बट मुझे आपको सिखाना है कि फैक्टर होगा कैसे ये मेन बात है तो मैंने आपसे पूछा कि ये x स्क्वायर की पावर दो है प्लस ये आठ का स्क्वायर है तो आपने कहा कि जी हमारे पास ए स्क्वायर है ए का स्क्वायर है बी का स्क्वायर है बट टू ए बी नहीं है आपने कहा जी हमारे पास टू ए बी नहीं है तो मैंने कहा ठीक है टू ए बी का मतलब दो अट्ठे सोलह एक्स स्क्वायर तो मैंने कहा ठीक है आप सोलह एक्स स्क्वायर इसमें जोड़ दो और सोलह एक्स स्क्वायर घटा दो होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया इसमें सोलह एक्स स्क्वायर देखिये आप भी जानते हैं कि अगर मेरे पास ए स्क्वायर है मेरे पास अगर बी स्क्वायर है तो मैं उसमें अगर टू ए बी जोड़ देता हूं तो ये होली स्क्वायर बन जाएगा बन जाएगा कि नहीं अब आप खुद ही देखिए कि ये किस चीज का स्क्वायर बन गया ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस आठ का स्क्वायर ये कितने का बन गया माइनस फोर एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस आठ का स्क्वायर ये कितने का बन गया फोर एक्स का स्क्वायर अब देखिए आप में से सब जानते हैं यहां तक कि कोरिया का बच्चा भी ये बात जानता है कि अगर मैं माइनस बी फॉर्मूला लगाऊं तो एक बार तो चार एक्स एड हो जाएगा, जाएगा. दोबारा में एक्स स्क्वायर प्लस आठ माइनस चार एक्स हो जाएगा हो जाएगा नहीं तो ये उत्तर आ गया देखिए यही चीज आपको सीखनी पड़ेगी यही चीज आपको सीखनी पड़ेगी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगी कि अगर एक बार प्लस का चार एक्स है तो दोबारा में माइनस का चार एक्स जरूर होगा आप ये फैक्टर देखिए मैं कई एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एक एग्जाम्पल एक से ये बात समझाऊं कई एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहता हूं या आपको समझाना चाहता हूं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इतना आपने इतना फैक्टर सीखा जैसे मान लेते हैं किसी ने हमसे पूछा कि यार इसका फैक्टर करो ये एक संख्या दे दी इसका फैक्टर करो कंप्लीट फैक्टर निकालने हैं आपको इसके कोई बच्चा बता सकता है अभी आप समझो, अभी आप आप समझो कुछ मत करो सिर्फ समझो जितना मैं पढ़ा रहा हूं अभी आप उतना पढ़ो उतना फोकस करो उतना समझने की कोशिश करो ठीक है एक्स की घात आठ प्लस एक्स की घात चार प्लस एक है इसके कंप्लीट फैक्टर मुझे करने हैं तो मैंने पूछा कि क्या ये किसी चीज का होल स्क्वायर बन सकता है तो आपने जवाब दिया नहीं बन सकता क्योंकि x की घात चार का ये स्क्वायर है ये एक का स्क्वायर है अगर यहां दो होता अगर यहां टू एक्स की पावर फोर होता तो ये स्क्वायर बन सकता था या नहीं तो आप कहोगे हाँ जी बन सकता था उस केस में क्योंकि ये x की घात चार का स्क्वायर है प्लस ये एक का स्क्वायर है यानी अगर यहां टू एक्स की पावर फोर होता तो ये स्क्वायर बन जाता मैंने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो आपने कहा एक्स की घात चार जोड़ना पड़ेगा और एक्स की घात चार घटाना पड़ेगा यानी ऐड करना पड़ेगा एक्स की पावर फोर और घटाना पड़ेगा एक्स की पावर फोर ठीक है क्लियर है बात तो हमने इसको लिख दिया ये कितना होगा एक्स की घात चार प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बोलो x की घात चार प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं अब आपने देखा कि ये होल स्क्वायर बन गया अब स्क्वायर स्क्वायर फिर से लगा दें तो क्या होगा तो x की घाट चार एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा और x की घात चार प्लस वन से एक बार एक्स स्क्वायर घट जाएगा ये इसके फैक्टर हो सकते हैं अगर मैं इसके फर्दर फैक्टर करना चाहूं अगर मैं इस चीज के फर्दर फैक्टर करना चाहू ये जो लिखा हुआ है तो ऐसे कर सकता हूं कि मैं इसको भी क्या करूं x की घात चार प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स हूँ। तो आपने देखा ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एक बार x जुड़ेगा और एक बार घट जाएगा तो फिर इसके और फर्दर फैक्टर हो देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें मैं चाहूँ तो डायरेक्ट सवाल पे आ सकता हूँ बट कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसका मर्म नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि एक बार फैक्टर जुड़ेगा एक बार घटेगा एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप मास्टर हो गए बैक टू बैक सवाल करोगे मैं सारे सवाल दिखाऊंगा जो भी पेपर में पूछे गए हैं आपको सारे सवाल दिखाऊंगा जब तक आपको फैक्टर समझ नहीं आएंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा कि फैक्टर करने कैसे जब आप फैक्टर सीख जाएंगे फिर मैं वो सवाल दिखाऊंगा जो पेपर में पूछे गए ठीक है तो आपने देखा एक ही घात चार माइनस इलेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात चार हमने लिखा है एक ही घात चार माइनस इलेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात चार तो आपने देखा कि भाई अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो आपने कहा कि ए स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस अगर टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें से ले लें तो ये बी स्क्वायर का स्क्वायर है उसके अलावा ग्यारह था तो कितना बच जाएगा नाइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा बोलो बच जाएगा या नहीं क्लियर है बात इसके बाद मैंने कहा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं तो आपने कहा इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस थ्री ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं अब फिर से क्या कर सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया तो इसमें क्या करेंगे मास्टर नहीं थी हमारे पड़ोस में उसकी भी बकरियों का यही हल था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस थ्री ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी अब मैं समझता हूं कि शायद आपको फैक्टर करना हल्का हल्का आ गया चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और सवाल फेंक फेंक के मारेंगे अब आप देखिए इस टाइप के सवालों को अब देखिए इस टाइप के सवालों को जल्दी कैसे किया जा सकता है मुद्दा इज दैट कि इस टाइप के सवालों को कैसे जल्दी किया जा सकता है अच्छा मैं ना छोटे से सवाल से पूछता हूँ इनको ना एक छोटा सा सवाल देता हूँ पहले एक बहुत छोटा सा सवाल आप लिखो पहले फिर हम उस सवाल पे आएंगे तो बेहतर होगा जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि एक की घात चार प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात चार बराबर अठारह अठारह लिख दिया मैंने अठारह थोड़ा सा और लग रहा है बट कोई बात नहीं एंड एंड, एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर नौ फाइंड ए बी आपसे ए बी पूछ रहे अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं देखो अब जैसे ये सवाल पूछा गया तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे को इतनी समझ खुद से आ जाए कि वो ये समझ ले कि अगर इसके एक फैक्टर में प्लस ए बी है तो इसका मतलब है कि इसका दूसरा फैक्टर माइनस ए बी होगा मैं क्या बताना चाहता हूं मैं ये कहता हूं कि अगर इसका एक फैक्टर ये है तो इसका दूसरा फैक्टर ये होगा आपको मालूम है कि अब इसके भी दो फैक्टर होंगे तो इसका एक फैक्टर नौ है तो दूसरा कितना होगा दो दूसरा कितना होगा दो मैं ये चाहता हूं कि आप डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल पाए कैसे अब आपको पता है कि अगर ए बी निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो टू ए बी कितना आ जाएगा सात और ए बी कितना आ जाएगा साढ़े तीन देखिए जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए उनका भी इलाज करता हूं देखो अगर आपने इसको ऐसे लिख लिया होता एक की घात चार प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घात चार माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर अट्ठारह यही लिखते आप क्योंकि होल स्क्वायर बनाना था तो एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ दिया एक घटा दिया तो ये कितना बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर बराबर अठारह आप देखेंगे एक बार ए बी जुड़ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एक बार ए बी घट जाएगा A² B² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर अठारह बराबर अठारह क्लियर है बात या नहीं तो अब आप देख सकते थे कि अगर ये नौ के बराबर है अगर ये चीज नौ के बराबर है तो ये चीज क्या होगी दो के बराबर तभी तो नौ गुणा दो अठारह आएगा ये चीज मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं कि अगर एक फैक्टर प्लस है तो दूसरा फैक्टर माइनस होगा अगर एक फैक्टर नौ है तो दूसरा दो होगा इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी तो सर जी आपको समझ आ रहा है क्या चलिए अब सवाल देखिए अब सवाल वो देखिए जो पेपर में आया जैसे ये सवाल पेपर में आया सीपीओ 2019 कैसे करेंगे अप्रोच क्या रहेगी अप्रोच क्या रहेगी देखिए ध्यान से आपको मालूम है कि एक फैक्टर xy है तो दूसरा फैक्टर कितना होगा x2 xy y2 बराबर अब देखिए ऊपर 21 है ऊपर कितना है 21 इक्कीस का एक फैक्टर कितना है तीन तो दूसरा कितना होगा सात बटे नीचे दो सौ छप्पन का एक फैक्टर सोलह दूसरा भी सोलह बचेगा सात बटे सोलह बेसिकली क्या है कि इन दोनों का गुणनफल ये है तो इन दोनों का गुणनफल भी ये आना चाहिए यानी सात थी या इक्कीस सोलह सोलह दो सौ छप्पन ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताओ ठीक है तो अब हमें क्या निकालना था टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कोई बच्चा बताएगा कि इसको जोड़े या घटाएं तो कोरिया का बच्चा भी इस बात को बता देगा कि इसको जोड़ने में भलाई है एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सात और तीन दस बटे सोलह दस बटे सोलह का मतलब कितना है पांच बटे आठ तो यही इस सवाल का उत्तर है डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये सवाल देखिए जल्दी जल्दी उत्तर बताने आप जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा हमें भी अच्छा लगेगा जल्दी बताइए जल्दी ठीक है देखो भाई अगर एक फैक्टर माइनस थ्री ए बी वाला है तो दूसरा क्या होगा ए स्क्वायर प्लस थ्री ए बी प्लस बी स्क्वायर यही होगा अच्छा एक फैक्टर अट्ठाईस है एक अट्ठाईस है दूसरा कितना होगा चार चार होगा सात चौक अट्ठाईस ए बी पूछा है माइनस करें या प्लस तो आप बोलेंगे जी माइनस करना होगा तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर थ्री ए बी में से माइनस थ्री ए बी घटाया तो कितना होगा सिक्स ए बी बराबर चार माइनस सात माइनस तीन तो ए बी कितना आ गया माइनस एक बटे दो मैं समझता हूँ काफी सारे बच्चों का उत्तर आ गया हो ए की घात चार माइनस सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घाट चार बराबर अट्ठाईस ए स्क्वायर माइनस थ्री ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर सात तो हमने का एक माइनस थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी निकाल दिया अब देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आप जल्दी जल्दी उत्तर बताइए बस मुझे अब मैं मुझे तो मालूम है मैं कुछ टेंशन पा लूंगा नहीं मुझे पता है कि अगर ये प्लस ए बी है तो अगला माइनस ए बी होगा यानी ए स्क्वायर और यहां पे माइनस बी स्क्वायर है तो यहां पे भी माइनस बी स्क्वायर होगा प्लस थ्री ए बी आप चाहो तो करके देख लो आपको क्या करना है माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ले जाना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा ए बी का स्क्वायर एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा ठीक है भाई अब बारह का एक फैक्टर चार है दूसरा कितना होगा पच्चीस का एक फैक्टर पांच है दूसरा कितना होगा पांच बोलो क्लियर है कि नहीं बात आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है ठीक है तो हमने क्या किया थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना था दोनों को जोड़ दिया दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर चार और तीन सात बटे पांच यही आ गया सात बटे पांच मैंने कहा कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दूं तो आप कहेंगे जी 7 2 गुणा 5 आएगा तो ये कितना आ गया टू पॉइंट वन देखिए अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है इस बात का ये सवाल देखेंगे अब तो ये सवाल तो कर ही लेंगे खैर इतना छोटा सा क्या सवाल बताऊं इसको होमवर्क में दे देते हैं आरडब्ल्यू में दे देते हैं आगे बढ़ते हैं ये सवाल थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा मुश्किल है इसकी एक बार कोशिश करो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये, थोड़ा सा मुश्किल है एक बार कोशिश करो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर तीन है तो मैं इतना तो समझ रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना होगा तो आप कहेंगे जी ये होगा पंद्रह का एक फैक्टर तीन तो दूसरा पांच यही होगा हमने कहा कि अगर मैं इसको जोड़ता हूं जोड़ूंगा तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आठ आठ आ जाएगा अगर मैं इसको घटाता हूं तो टू ए भी कितना आ जाएगा दो तो देखिए हमने क्या पाया अब हमें निकालना क्या है ये निकालना है हमें कोई बच्चा जानता ही है किसके बराबर होगा तो आप कहेंगे जी बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर देख लो चेक करके आप चाहो तो देख लो चेक करके कि क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है अगर मैं A² और B² का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा अरे ये तो पता होगा ना कि ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए बी पता है ना नहीं तो आप क्या करो पहले इसका स्क्वायर करो तो माइनस आएगा फिर उसमें एक बार प्लस करो ये मैंने क्यों लिखा क्योंकि मुझे इनका मान पता है मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है कितना है चार तो मैंने कहा अगर ये चार है तो अंडर रूट के अंदर चार का स्क्वायर सोलह माइनस ये टू ए बी का स्क्वायर है इसका स्क्वायर है यहाँ से क्या होगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे चार होगा तो ये चार निकाल सकता हूँ मैं तो मैंने माइनस का चार कर दिया ये कितना आ गया रूट बारह बारह का मतलब दो रूट दो रूट तीन इज द करेक्ट आंसर अगर कुछ भी आपको डाउट है कोई भी बात समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अगर तीन के बराबर है तो हमने कहा प्लस ए बी पांच के बराबर होगा पंद्रह के दो फैक्टर होंगे एक तीन और एक पांच मैंने इन दोनों को जोड़ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र चार निकाल लिया घटा के टू ए बी दो निकाल लिया फिर मैंने कहा आप मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताना है तो आपने कहा ये होगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इसको मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं आपको कि ये कैसे आया इसको एक बार देख लो जैसे कि मैं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं, तो आप कहोगे ये आएगा ए की घात चार प्लस बी की घात चार माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर यही आएगा यही आएगा ठीक है अब आपने कहा कि अगर मैं इसमें से प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दूं, माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दूं तब क्या होगा तो आपने कहा कि इतना बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो यही चीज मैंने लिखी थी तो पहले भी एलजेवरा में कई बार आ चुकी है बट फिर भी आपने कहा तो मैंने दोबारा बता दिया बटना जरूरत नहीं थी कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर

देखिए मैं फिर से एक ही बात कहना चाहूंगा जो बात आपको मेरी समझनी भी होगी कि अगर हमें प्लस टू एक्स वाई दिया हुआ है यानी कि जो अगला फैक्टर आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आएगा अब आपको पता है कि बीस का एक फैक्टर 5 है तो दूसरा कितना होगा चार इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता ठीक है इसके ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता तो हमने कहा कि अगर मैं इन्हें जोड़ दू अगर मैं इन्हें जोड़ दू तो आप कहेंगे ये आएगा ट्वाइस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर बराबर नौ यही आएगा जोड़ने पे बोलो भाई अगर मैं इन्हें घटा दूं तो कितना आएगा आप कहेंगे फोर एक्स वाई बराबर एक आएगा अच्छा हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है देखिए हमसे यही पूछ रहा है मैं फिर से समझाता हूं आपको कि अब अगर मैं समझ गया कि मुझसे पूछा जा रहा है एक्स बटे फोर बाई चाहो तो मैं इसका एलसीएम लेके भी आपको दिखा सकता हूं कि ये कितना दिया हुआ है बारह एक्स वाई और ऊपर कितना आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर तो देखिए आपके लिए सबसे आसान यही है कि आप डायरेक्ट मान रख दो इसका मान कितना आएगा भाई साढ़े चार साढ़े चार आएगा इसका यानी ऊपर वाले का मान कितना आ जाएगा साढ़े चार या नौ बटा दो बात एक ही है गुणा बारह एक्स वाई कितना होगा यहां से अगर मैं बारह एक्स वाई निकालू तो आप कहेंगे तीन से गुणा करनी पड़ेगी दोनों तरफ तो मैंने तीन से गुणा कर दिया तो उत्तर कितना आ गया तीन बटन दो बहुत प्यारा सवाल है ये सवाल भी सीपीओ में पूछा गया इस तरीके के सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे हैं राजवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार शरीफ से अमन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बी सोनी अनिल चौधरी जानवी गुप्ता इस तरीके की काफी सारी एक्टिविटी हमारे साथ जुड़ी हुई है मैनी सच एक्टिविटी आर बिलोंग टू अस क्लियर है बात किसी को भी अगर डाउट है तो वो बता सकता है। शुक्ला जी आ गए मिर्जापुर वाले ठीक है आगे बढ़ते हैं ये सवाल बहुत प्यारा है अगर आप में से कोई भी सवाल को करता है तो बताओ शायद सिक्सटी नाइन ईयर्स देखो बहुत प्यारा सवाल है ये बहुत प्यारा मतलब इसकी कोई था नहीं है प्यारे नेस की देखो मैंने कहा अगर मैं यहां से फैक्टर करूं तो फैक्टर का मतलब ही क्या है पता है फैक्टर का मतलब ही है गुड़न खंड गुणा में खंड आ जाए उसे हम फैक्टर कहते हैं गुणा में खंड आ जाए उसे हम फैक्टर कहते हैं एक्स वाई यानी कि एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई बराबर तिरसठ बराबर मैंने सिक्सटी थ्री लिख दिया लिख सकता हूं आपने कहा जी x कॉमन कॉमन आ जाएगा मैंने ले लिया x तो ब्रैकेट में कितना बचेगा ब्रैकेट में कितना एक्स वाई प्लस वन बराबर थ्री थ्री अब देखिए आपको एक्स वाई सवाल में दिया हुआ है ये चेंज कैसे कर देते हैं छह थोड़ी था यहां सात था सात था सात सात लिख लीजिए लीजिएस वाई छ ही था सा ही था ठीक है एक्सवाई छ था ठीक है सवाल सही था अब मैंने कहा कि अगर मैं यहां छह लिखता हूं तो ये सात हो जाएगा और सात नीम तिरसठ हो जाएगा देखा करो आप ध्यान से फिर कहते हो कि मैंने स्टेप गायब कर दी मैं कोई स्टेप गायब नहीं कर रहा मैंने कहा कि एक्स वाई छह होगा तो आपने कहा छ प्लस एक यानी सात और सात नीम तिरसठ हो गया सात नीम कितना हो गया तिरसठ ठीक है तो आपने देखा यहां से x प्लस वाई कितना आ गया नो आ गया अब देखिए x प्लस वाई नो है और x इंटू वाई छ है अब हमें निकालना क्या है हमें ये निकालना है अगर हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो हमने कहा इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर कर देते हैं। आपने कहा इसका स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बराबर ये कर सकते हैं कि नहीं अब वाई का मान कितना है तो आपने कहा वाई का मान 6 है छे हमने डाला पे तो स्क्वायर बराबर कितना आ गया? बराबर है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल था बहुत प्यारा सवाल था आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए बहुत प्यारा सवाल है फैक्टराइजेशन पे बहुत ज्यादा प्यारा सवाल है यह कह रहा है कि फाइंड इफ एंड आर थर्टी एक्स स्क्वायर प्लस पांच सौ सत्रह बहुत प्यारा सवाल है मैं आपको तीस सेकेंड देता हूँ इस तरीके के सवाल करने के लिए आप अगर बता सकते हैं तो बताइए इस सवाल को करते हैं अब देखिए फैक्टराइजेशन ही इसके करने पड़ेंगे कैसे करेंगे मैंने कहा कि अगर मैं इसको कॉमन ले लू इधर से उधर ले जाके कॉमन ले लू थ्री एक्स मैंने थ्री एक्स कॉमन ले लिया तो आपने कहा बचेगा वाई स्क्वायर माइनस दस बोलो यही बचेगा अगर मैंने इसको इधर ले जाके थ्री एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में कितना बचेगा वाई स्क्वायर माइनस दस बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा भाई आपने कहा इधर और क्या बचा है मैंने कहा खाली वाई स्क्वायर आपने कहा अगर दस और ले आओ तो मजा आ जाएगा तो मैंने कहा इधर फाइव जीरो सेवन रह जाएगा देखिए मुझे फैक्टर करने थे तो मैं समझ गया था कि मुझे दस कॉमन चाहिए अब माइनस दस कॉमन लेना है तो होना भी चाहिए एक जगह था दूसरी जगह नहीं था तो हमने क्या किया बना दिया उसको ठीक है बना दिया अब आप देखेंगे कि वाई स्क्वायर माइनस दस स्क्वायर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर पांच सौ सात कॉमन ले लिया वाई स्क्वायर माइनस दस ब्रैकेट में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर पांच सौ सात ठीक है अब देखिये मैं अगर इसके फैक्टर करता हूं तो मैंने देखा कि ये संख्या तीन से कट रही है तीन गुणा वन सिक्सटी नाइन आ रहा है आप एक चीज मुझे छोटी सी बताइए कि यहां पर एक्स वाई इंटीजर्स है यानी कि एक्सवाई क्या है पूर्णांक है अगर एक्स वाई पूर्णांक है तो क्या इनमें से कोई भी एक 169 हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं हो सकता आप देख लो मैं इसको अगर तेरह के बराबर रखूं तेरह के स्क्वायर के तो क्या पॉसिबल है कि एक्स और वाई का मान निकल है नहीं यानी कि जो फैक्टर में तीन और एक मान रहा था वो सही नहीं है तो अगले फैक्टर क्या हो सकते हैं तो आपने कहा अगर तेरह इसका ले लूं तो एक फैक्टर हो सकता है उनतालीस गुणा तेरह हो सकता है क्या हो सकता है उनतालीस गुणा तेरह अब मैंने कहा कि अगर मैं उनतालीस इसके बराबर रखता हूं तो थ्री एक्स स्क्वायर अड़तीस आ रहा है फिर एक्स का मान नहीं निकलेगा क्योंकि एक्स इंटीजर है तो आपने कहा आप इसे रख क्यों रहे हो आप इसे क्यों रख रहे हो आपको रखना है तो इसे रखो उनतालीस के बराबर आप इसे रखो तेरह के बराबर तो हमने देखा कि यहां से वाई स्क्वायर कितना आएगा उनचास वाई स्क्वायर उनचास आएगा यहां से बोलो आएगा कि नहीं उसके बाद हमने देखा एक्स स्क्वायर कितना आएगा तो आपने कहा एक उधर जाके घट जाएगा चार आएगा हमने कहा हमसे सवाल में पूछा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये कितना आ गया 196 यही सवाल का उत्तर बहुत प्यारा सवाल था ये बहुत ज्यादा प्यारा सवाल था दोबारा से देख लो मैंने कैसे बताया मैं पहले इसको इधर लेके गया तो मैंने थ्री स्क्वायर कॉमन ले लिया वाई स्क्तर माइनस दस प्लस मैंने कहा पांच सौ सात रह गया उसके बाद मैंने इसके फैक्टर किए थ्री इंटू वन सिक्सटी नाइन दो ही पॉसिबिलिटी आ रही थी कि तो तीन गुणा, या गुणा तो एक सौ उनहत्तर या उनतालीस गुणा तेरह तो इनमें से एक पॉसिबिलिटी ने क्या किया वाई स्क्वायर उनचास दिखा दिया एक्स स्क्वायर चार दोनों को गुणा कर दिया हमने बात खत्म अब जैसे ये सवाल अगर पूछा गया है ऐसा सवाल 2017 में पूछा गया था तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है जो भी उत्तर होगा इसका फैक्टर होगा जो भी उत्तर होगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो मैंने कहा यह संख्या सोलह से नहीं कटेगी क्योंकि सोलह इवन है और ये ऑड है पंद्रह से नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट में पांच नहीं है ग्यारह से मैंने भाग लगा के देख लिया नहीं कट रही तेरह से तेरह से कट रही तो यही उत्तर हो गया तो ये सवाल एजिट इज दो में आया तो इस सवाल को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं बाकी इसके फैक्टर करके भी कर सकते थे कोई बड़ी बात नहीं थी ठीक है ये सवाल भी फैक्टराइजेशन पे है इसको एक बार करके बताइए थोड़ा सा मुश्किल भी है ये उतना आसान नहीं है सबसे कठिन सवाल है आज की क्लास का फैक्टराइजेशन पर ही है कैसे इसके फैक्टराइजेशन करेंगे वो देखने वाली बात होगी जल्दी से बताओ देखिए इसके एक के फैक्टर में करके बता रहा हूँ एक के फैक्टर में करके बता रहा हूँ सवाल थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक के फैक्टर कैसे करके बता रहा हूं देखो पहले वाले के आपको मालूम है कि ये x है प्लस जब y आप इसमें से कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा वन प्लस एक्स बराबर तीन मैंने कहा वन प्लस एक्स अगर मुझे कॉमन चाहिए वन प्लस एक्स अगर मुझे कॉमन चाहिए तो मैंने क्या किया एक इसमें जोड़ दिया तो एक इसमें जोड़ दिया मैंने तो ये कितना आ गया वन प्लस और ब्रैकेट में वन प्लस वाई ठीक है ये मैंने निकाल दिया यानी मैं समझ गया कि जब भी कभी जीवन में ऐसा सवाल आएगा तो हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे और फैक्टर बन जाएंगे वन प्लस एक्स वन प्लस अगर आपको इससे खूबसूरत क्लास फैक्टराइजेशन पे यूट्यूब पे मिल जाए इस सिक्वेंस में सारे सवाल तो मुझे बता देना मैं नाम बदल दूंगा अपना अपना नाम बदल दूंगा अगर इतनी खूबसूरत क्लास इतने सारे अच्छे अच्छे सवालों के साथ इस सिक्वेंस में मिल जाए तो ऐसे ही सिमिलरली मैं नीचे वाले के भी फैक्टर कर सकता हूं वन प्लस वाई वन प्लस जेड बराबर नो ठीक है उसके बाद वन प्लस जेड वन प्लस एक्स बराबर सोलह बोलो वन प्लस जेड वन प्लस एक्स बराबर सोलह ये बात क्लियर है कि नहीं बोलो इज इट क्लियर और नॉट यस अब मैंने क्या किया इन सबको आपस में गुणा कर लिया जब इन सबको मैं आपस में गुणा करूंगा तो मैं समझ गया कि वन प्लस एक्स भी दो बार आएगा उसकी पावर दो वन प्लस वाई की पावर दो वन प्लस जेड की पावर दो पूरे की पावर दो हो जाएगी और ये आ जाएगा चार गुणा नौ गुणा सोलह गुणा कर लिया भाई मैंने कर सकते हैं कि नहीं बोलो क्लियर है बात अब आप कहेंगे जी अंडर रूट ले लो अंडर रूट लूंगा तो कितना बचेगा वन प्लस एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड बराबर होगा दो गुड़ा तीन गुणा चार चार चारिया बारह दुनी चौबीस आ गया चार चारिया बारह दुनी चौबीस आ गया ठीक है अब मुझे एक्स निकालना था बस तो मैंने कहा कि अगर मैं इसका मान उठा के यहां रख दू तो बात बन सकती है इसका आपने देखा वन प्लस वाई और वन प्लस जेड का मान कितना है नौ no. इस पूरे का मान कितना है 9. तो यहां से वन प्लस एक्स कितना आ गया चौबीस बटे नौ यानी कि तीन अट्ठे चौबीस आठ बटे तीन अगर मैं इस वन को उधर ले जाके घटा दूं तो एक्स का मान आ जाएगा पांच बटे तीन मैंने देखा यहां से तीन एक्स बराबर पांच आ गया तीन एक्स कितना आ गया पांच सवाल में छ एक्स पूछा है कितना होगा दस यही आंसर है इस सवाल बहुत खूबसूरत और प्यारा सवाल था ये सवाल देखेंगे ये भी बहुत प्यारा सवाल है शायद गलती है क्या इस सवाल में भी कोई गलती तो नहीं है ये भी सेम सवाल है करके बताओ जरा एक बार चलिए देखिए भाई अभी मैंने आपको समझाया कि अगर मैं एक जोड़ दूं इधर एक जोड़ दूं तो इसके फैक्टर अभी पीछे सवाल में बताया है वन प्लस एक्स वन प्लस वाई बराबर कितना होगा सेवनटी टू चलेगा आप कहेंगे हाँ जी दौड़ेगा ठीक है अब मैंने कहा अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं तो आपने कहा एक्स वाई कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर एट एट्टी ठीक है ठीक है एक फैक्टर तो एक्स श्योर है कि आठ है अच्छा मैंने कहा कि अब मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं भाई इसमें इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं बट ये जरूर है कि हाँ मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं या आप ये भी कह सकते थे कि यार ये तो एक्स वाई और एक्स प्लस वाई है और ये 880 है यानी कि 71 वन है मतलब इन दोनों का सम 71 भी रहे इन दोनों का इसका और इसका ये भी कह सकते हम कि नहीं कह सकते और बाकी 880 इनका मल्टीप्लीकेशन भी रहे तो मैं ऐसा क्या कर सकता था या क्या ले सकता था देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे मैंने कहा कि यार मैं आठ नीम बहत्तर ले सकता हूं आठ और नौ यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक्स सात है तो देखिए सात एक्स नहीं हो सकता एक्स सात नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि सात इधर नहीं आ रहा 880 में सात आ ही नहीं रहा इसका मतलब जो मैंने 8 और 9 लिया वो गलत है 8 नहीं बहत्तर होते थे फिर मैंने कहा यार 12 6 भी बहत्तर होते हैं अब हो सकती है क्या बात तो आपने कहा देखते हैं x का मान इस केस में कितना हो गया 11 y का कितना हो गया 5 और 11 और 5 कितना हो गया 16 तो मैंने कहा ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है 16 5 80 और 11 8 88 880 यानी कि इन दोनों में एक का मान ग्यारह है एक्स का ग्यारह है एक का ग्यारह है ग्यारह का, का स्क्वायर एक सौ इक्कीस और दूसरे का मान पांच है पचम पच्चीस तो एक सौ इक्कीस प्लस पच्चीस कितना होगा वन फोर्टी सिक्स यही सवाल का उत्तर देखिए मैं इसके फैक्टर भी कर सकता था मैं ये कह सकता था कि यार एक्स वाई जो है वो ए इंटू बी है और वो आठ सौ अस्सी है और ए प्लस बी इकहत्तर है ये मैं ले सकता था फिर मैं कहता कि यार ये तो श्योर है कि ग्यारह का मल्टीपल होगा तो मैंने कहा ग्यारह अस्सी तो आप कहते जी नहीं ले सकते तो मैं इसमें से कुछ लेके जाता ग्यारह पंजी पचपन और सोलह तो आप कहते अब बात बन सकती है ए यानी एक्स इंटू वाई पचपन और बी यानी एक्स प्लस वाई सोलह तो वो ग्यारह और पांच आ जाता एक्स का मान ग्यारह और बी वाई का मान पांच देख लो कि मतलब ये फैक्टराइजेशन पर ही सवाल है अगर मुझे ये फैक्टर नहीं आ रहे होते तो शायद मैं इस सवाल को नहीं कर पाता अगर मुझे ये फैक्टर नहीं आ रहे होते तो मैं इस सवाल को नहीं कर पाता सर जी लेट हो गया राहुल को सुबह हर बच्चे का एक ही है आज की सर लेट हो गया क्यों हुए लेट भाई हमें वजह बताओ कि क्यों हुए लेट अब हम आ जाते हैं इस तरीके के सवाल पे आपने देखा होगा इस तरीके के सवाल भी पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं इनके दो तरीके हैं देखिए एक तो फैक्टर आना और एक बिना फैक्टर के करना इन सवालों के दो तरीके हैं देखिए आप क्या करेंगे कि यहाँ से ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और इससे भाग कर लेंगे एक तरीका तो वो है बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वो तरीका तब तक नहीं लगाएंगे जब तक कि सवाल में कुछ ऐसी वैल्यू पूछी गई हो जो इससे ना बन सके अदरवाइज अगर ऐसी वैल्यू पूछी गई है जो एक्स या वाई का कुछ भी मान रखने पर ये निकाला जा सके तो हमें कुछ करने की जरूरत इस सवाल में नहीं है हम x और y का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं आप मुझे एक बात बताइए कि मुझसे पूछा गया है मुझसे पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी मैं यहां a प्लस बी प्लस सी कैसे बना सकता हूँ सेम सवाल पेपर में आया हुआ है तो आप कहेंगे अगर आप x और y को एक एक रख दें तो ये बनाया जा सकता है तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ मैंने जो गिवन इक्वेशन थी उस दोनों में एक्स बराबर वाई बराबर एक रख दिया मैंने क्या किया उसमें एक्स बराबर वाई बराबर एक रख दिया आपने देखा कि अगर मैं एक रख दूं तो क्या बचेगा तो आप कहेंगे जी आठ और एक प्लस एक का स्क्वायर आठ माइनस जीरो हो गया बटे फाइव माइनस वन चार आ गया बराबर इधर रखूंगा एक तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इन सवालों को करने का ये बेस्ट तरीका है अट्ठू अट्ठू चौसठ बटे चार सोलह सोलह ही सवाल का मैं कई सवाल आपको पेपर के दिखाता हूं पेपर में आए हुए जो इस तरीके से डायरेक्ट हो सकते थे अब जैसे ये सवाल आ गया अब अगर ये सवाल आ गया तो क्या मैं बना सकता हूं इसको ऐसा कुछ बताओ जरा मुझे अब मैं x या y का मान रख के ऐसा कुछ बना सकता हूं तो आपका जवाब होगा नहीं बना सकते तो फिर अब मुझे सवाल करना पड़ेगा अब मैं सवाल कैसे करूंगा इसका तरीका भी जान लीजिए बहुत जल्दी से जब से बाहर से आए तब से लगातार उल्टे हैं और ये सब बहुत चल रहा है बाहर का खाना एकदम डाइजेस्ट करना ही मुश्किल हो गया है खराब तेल खराब मसाले देखिए बहुत प्यार से देखिए हम सब जानते हैं कि अगर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब में भाग दिया जाए ए माइनस बी का तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये बचेगा तो आपने देखा कि इसका स्क्वायर बचेगा इसका स्क्वायर बचेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बचेगा और कुछ नहीं बचेगा तो मैं समझ गया कि अगर इसमें भाग दिया जा रहा है इसका तो बचेगा क्या तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर यानी कि नाइन एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर यानी कि फोर्टी नाइन वाई स्क्वायर और प्लस बचेगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्कीस एक्स वाई ये आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है आपने कहा जी आपने बड़े आसानी से बता दिया अब अगर मैं कंपेरिजन करूं तो ए का मान कितना आएगा नो। no. अगर मैं कंपेरिजन करूं तो बी का कितना आएगा फोर्टी नाइन अगर मैं कंपेरिजन करूं तो सेवन सी का कितना आएगा इक्कीस यानी सी कितना आ जाएगा तीन बोलो आएगा कि नहीं अब आपने देखा फोर ए पूछ रहा है तो चार नीम छत्तीस माइनस बी कितना है फोर्टी नाइन प्लस फाइव सी कितना होगा पांच पंद्रह हमने देखा ये कितना बचेगा उनचास में छत्तीसगढ़ माइनस तेरह दो यही सवाल का उत्तर है अगर इस तरीके का सवाल आएगा जहां पर हम एक्स वाई की वैल्यू नहीं रख सकते तो फिर हम इस तरीके से करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को ए माइनस बी से भाग लगाऊं तो कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बोलो भाई ये सवाल देखिए ये सवाल भी एसएससी ने पूछा है और इस सवाल को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि किस तरीके से डायरेक्ट करेंगे जल्दी बताइए इसमें हम एक्स और वाई का मान क्या रख सकते हैं जिससे इस सवाल का उत्तर आ जाए जल्दी देखिए होना क्या था इसमें कि हमने कहा कि ए बी सी है यानी कि अगर हम एक्स और वाई को अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा रख दें जिससे कि a माइनस बी प्लस सी बन जाए तो आपने कहा किसी एक को नेगेटिव ले लो आप x को एक ले रहे हो बहुत सही अब आप y को माइनस एक ले लो दोनों को लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा हमने कहा ठीक है ले लेते हैं तो आपने पहले वाले में रखा जीरो आ गया माइनस एक माइनस एक यानी दो की क्यूब आठ आ गया बराबर x प्लस तीन बाई एक माइनस तीन माइनस का दो होगा ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी होगा तो आपने देखा इससे कितनी बार कट गया चार बार डायरेक्ट चार उत्तर आ गया यानी कई बार अगर इस तरीके से सवाल आए तो आप बहुत आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं एक या दो लाइन में अब हम इस सवाल को एक्स वाई का मान रख के कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो आप इसको तो एक्स बराबर वाई बराबर वन रखे ही कर सकते हो इसको बताने की जरूरत नहीं है ये आपके होमवर्क में देता हूं सवाल और कोई सवाल जो आज मुझे बताना चाहिए आपको अच्छा जैसे ऐसे सवाल फैक्टराइजेशन पे आ जाते हैं तब क्या अप्रोच रखनी होती है हमें ये बताओ मुझे ये सवाल पेपर में आया सीपीओ में आया फैक्टराइजेशन पे ये कि ये फैक्टर पूछ रहा है बहुत सारे सवाल होते हैं फैक्टर पे बट ये फैक्टर पूछ रहा है तो हमें किस तरीके से अप्रोच लगानी चाहिए फैक्टर की आप मुझे बताओ बता सकते हो देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हम क्या करते हैं किसी एक वेरिएबल को जीरो करके देखते हैं मैंने कहा कि सी को अगर जीरो करूंगा तो ए प्लस बी फैक्टर आएगा ए प्लस बी आएगा तो माइनस वाला कभी नहीं आ सकता और किसी में नहीं आएगा अभी तो मैं सी को जीरो कर रहा हूं मैंने कहा अगर मैं ए को जीरो करूंगा तो भी बी प्लस सी आएगा माइनस कभी नहीं आएगा यानी बी माइनस सी वाला भी उत्तर नहीं होगा ऐसे ही सी माइनस ए कभी नहीं आएगा सी प्लस ए आएगा यानी कि ए की ऑप्शन बचता है मैंने एक बार सी को जीरो करके देखा तो मैंने एक ऑप्शन काट दिया फिर मैंने एक बार बी को जीरो करके देखा फिर एक ऑप्शन काट दिया फिर, फिर बी तो बच रहा था तो जहां जहां भी माइनस वाले फैक्टर थे मैंने सब काट दिया कि माइनस में फैक्टर आएगा ही नहीं ये सवाल पेपर में आया हुआ है एक ये सवाल भी सीपीओ में आया बताओ फैक्टराइजेशन पे इस तरीके के सवाल आ जाते हैं बता इसलिए रहा हूं ताकि कल को पेपर में सवाल देखे फिर कहें यार फैक्ट्राइजेशन पढ़ाया था बट इस तरीके के सवाल नहीं बताए थे कैसे अप्रोच करनी है तो मैंने कहा कि ऐसे सवालों में हम कुछ भी कर सकते हैं जैसे मैंने कहा कि मैं अगर वाई को जीरो करता हूँ अगर मैं वाई को जीरो करता हूँ या एक्स को जीरो करता हूँ किसी भी एक को कर सकते हो मैंने कहा अगर मैं एक्स को जीरो करूँगा तो ये कितना बचेगा बताओ आपने कहा माइनस वाई की घात चार बचेगा पहले ऑप्शन में एक्स को जीरो करूंगा तो प्लस वाई की घात चार बच रहा है नहीं होगा इस ऑप्शन में एक्स को जीरो प्लस बच रहा है नहीं होगा इस ऑप्शन में एक्स को जीरो करूंगा ये खुद जीरो आ रहा है, नहीं होगा इस ऑप्शन में को जीरो बहुत ही बढ़िया बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से आप सवाल कर रहे हैं इसी तरीके से करते रहेंगे तो मजा आएगा मैं देखता हूं अगर कोई एक आध और सवाल बचाए तो उसको करा के छुट्टी करता हूं आज की क्लास की हाँ एक ये सवाल इस तरीके के सवाल और एक देख लीजिए लास्ट है ये मैं समझता हूं कि फैक्टराइजेशन पे अब अगर सवाल आएगा तो बच्चा दम देगा अभी देखिए एक बात बताई थी आप पता नहीं कैसे इतनी जल्दी भूल जाते हो क्या बात बताई थी याद है एक बात बोली थी कि बेटा अगर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को हम भाग लगा दें ए माइनस से तो वो क्या बन जाएगा A B A B. क्या बन जाएगा? A B A B. ये बन जाएगा जाएगा ये यही बात की थी हमने ठीक है A B A B बनेगा बिल्कुल ठीक है अब मैंने कहा अब मैंने कहा कि भाई ठीक है अगर मैंने भाग किया तो मैंने क्या सिखाया आपको कि यहाँ पे ए का स्क्वायर जिससे भाग कर रहे हैं बी का स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो मैं समझ गया कि ये किसके बराबर आ जाएगा आपने कहा इसका स्क्वायर यानी पांच एक्स स्क्वायर, वाई वाले का तीन सत्ताईस इस वाई स्क्वायर। दोनों को गुणा करूंगा प्लस तीन रूट पंद्रह एक्स वाई, यही आएगा अब आप अगर कंपेरिजन करें यहां से तो ए का मान कितना आएगा पांच बी का मान सत्ताईस सी का मान तीन रूट पंद्रह तीनों मान आ गए एबीसी के अब निकाल देते हैं सवाल क्या पूछा है सिक्स ए छी प्लस सत्ताईस माइनस रूट पंद्रह से गुणा करूंगा पैंतालीस तो में से पैंतालीस मैंने एलजेबरा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ा दिया मैंने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको पढ़ा दिया फैक्टर थ्योरम की बात कर रहा हूँ क्या है फैक्टर थ्योरम पहले समझनी होगी कि फैक्टर थ्योरम है क्या एक साथ बताऊंगा दोनों फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम और फिर इन दोनों पे सवाल करेंगे फैक्टर थ्योरम यानी हिंदी में इसको कहते हैं गुणनखंड प्रमेय गुणनखंड गुनंथ खत ये थोड़ा मैं गुणनखंड बोलने पे तोतला जाता हूं खंड प्रमेय ठीक है अच्छा क्या है गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम कहती क्या है ये वो रिमाइंडर नहीं है जो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते थे इसका उससे कोई लेना देना नहीं है ये अलग चीज है ठीक है बहुत ध्यान से समझेंगे पूरी एनर्जी से समझेंगे पूरी ताकत से समझेंगे कैसे देखिए मैंने लिखा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस ठीक है आप सब जानते हैं कि मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है इसके फैक्टर होंगे एक्स माइनस दो और एक्स माइनस तीन क्या इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर इसका हो सकता है बेटा इन दोनों के अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता यही दो फैक्टर होंगे ठीक है यही दो फैक्टर होंगे अब मैंने ये कहा कि अगर ये इसके दो फैक्टर हैं x माइनस दो एक्स माइनस तीन अगर मैं इसमें x बराबर दो रखता हूं इसमें तो आप कहेंगे जीरो आ जाएगा x बराबर तीन रखता हूं तो भी जीरो आ जाएगा फिर मैं कहूंगा इधर तो आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो दोनों तो बराबर हैं आप दो इधर रखोगे तो भी जीरो आएगा दो दूनी चार और छः दस माइनस दस जीरो तीन रखोगे तीन तीन और छः पंद्रह तो भी जीरो आएगा मतलब एक ही बात है फिर मैंने कहा कि क्या दो या तीन के अलावा कोई और ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसको मैं यहाँ रखूँ और जीरो आ जाए तो बच्चा बोलेगा नहीं हो सकती मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती आप कहेंगे क्योंकि वो इसके फैक्टर नहीं है जो इसके फैक्टर होगा उनका मान ही जीरो के बराबर रखने पर ये पॉलिनोमियल या इक्वेशन जीरो आ सकती है और किसी पर ये जीरो नहीं आएगी यानी आपने देखा अगर आपको ये ना पता होता कोई आपसे वेरीफाई करा रहा होता कि x माइनस दो इसका फैक्टर है कोई आपको कह रहा होता कि x माइनस दो इसका फैक्टर है चेक करो तो आप कहते कि मैं इस फैक्टर को अगर जीरो कर लेता हूँ तो ये जीरो आना चाहिए भाई अगर आप इसके फैक्टर को जीरो कर रहे हो तो ये जीरो आना चाहिए आपने कहा इसके फैक्टर को जीरो करूंगा का मतलब है कि मैं एक्स को दो ले रहा हूं तो एक्स को यहां भी दो लेके देखूंगा दो दूनी चार माइनस दस प्लस छः जीरो आ गया इसका मतलब है कि हाँ जी फैक्टर है यस आपका जवाब होगा कि फैक्टर है यस उत्तर होगा तो देखिए फैक्टर थॉरम मैंने अभी आपको यहां एग्जाम्पल लेके समझाई मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर कि फैक्टर थॉरम ये कहती है कि इफ इफ एक्स माइनस ए द फैक्टर ऑफ एक्स माइनस ए द फैक्टर ऑफ एफ एक्स यानी एक्स माइनस ए अगर एफ एक्स का फैक्टर है गुणनखंड है इसका मतलब है कि यहां से मैं X का मान निकालता हूं सफेद कलम से आपने यहां से इसको जीरो रखा तो एक्स का मान ए आ गया आपने कहा अगर ए पे ये भी जीरो आ रहा है यानी एफ ऑफ ए भी जीरो आ रहा है तो समझ लो फैक्टर है इतनी सी बात याद रखें फैक्टर थॉरम हमें ये बताती है ये कहती है कि एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स इट मीन्स एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए जो लोग बहुत बेसिक हैं बीए वगैरह किए हुए हैं उनको हो सकता है ये बात ना समझ आई हो तो वो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें मैं फिर से एग्जाम्पल लेता हूं आप देखेंगे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्त जैसे ये सवाल है किसी ने हमें ऐसे लिख दिया किसी ने कहे तो सार के बच्चे ने लिखा है सवाल ये है कि फैक्टर पूछ रहा है फैक्टर्स होगा यहाँ पे क्योंकि एक नहीं हो सकता दो की बात हो रखी है ये कह रहा है कि फैक्टर्स ऑफ एक्स की घात उनतीस माइनस एक्स की घात छब्बीस और एक्स की घात तेईस प्लस वन है और इसके फैक्टर की बात कर रहा है एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है बट x प्लस वन नहीं है इतनी सी बात पूछ रहा है यानी मैं ये कह सकता हूं कि उसने मुझे दो फैक्टर दिखा रखे हैं यहां पे एक दिखा रखा है x माइनस वन और एक दिखा रखा है x प्लस वन मैंने कहा कि अगर मैं इस फैक्टर को जीरो के बराबर रखता हूं तो मुझे x का मान मिलेगा वन अगर मैं इसे जीरो के बराबर रखता हूं तो x का मान मिलेगा माइनस वन दो चीजें एक्स का मान मैंने वन रख दिया और एक्स का मान मैंने माइनस वन रख दिया बात क्लियर है या नहीं बोलो ठीक है क्लियर है एक्स वन और एक्स माइनस वन ठीक है मैंने अब एक्स बराबर वन इसमें रखा तो आप खुद देखेंगे अरे यार सब कुछ मिट जाता है एक की घात उनतीस माइनस एक की घात छब्बीस माइनस एक की घात तेईस प्लस एक ये मुझे दिख रहा है जीरो आ रहा है क्योंकि कट जाएंगे आपस में माइनस माइनस इसका मतलब अगर ये जीरो आ रहा है तो फैक्टर है यस इसका उत्तर होगा यस कि ये फैक्टर है ठीक है दोस्त अब मैंने माइनस वन रखा तो माइनस एक की घात उनतीस कितना होगा माइनस एक ये माइनस एक की घात छब्बीस माइनस एक ये प्लस एक हो जाएगा ये भी प्लस एक हो जाएगा यानी ये भी कितना आ गया जीरो ध्यान से समझ लो माइनस एक आ जाएगा वो तो माइनस एक ही रहेगा ठीक है ये भी जीरो आ गया यानी ये भी फैक्टर है यस उत्तर हम ये कह सकते हैं कि बोथ इस सवाल का उत्तर होगा कि बोथ x प्लस वन एंड x माइनस वन आर फैक्टर बात जितनी कम करेंगे उतनी ज्यादा चीजें समझ आएंगे मैंने एक एग्जाम्पल एक लेकर के आपको फैक्टर थोरम समझा दी कि फैक्टर थोरम क्या है अब मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं रिमाइंडर थोरम क्या है ठीक है आपको हेडिंग लिखनी होगी रिमाइंडर थोरम जब दोनों थॉरम समझ आ जाएंगे तो हम इस पर दस बारह सवाल करेंगे और ये बात क्लियर हो जाएगी फिर जो कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बची हैं एल्जवरा में मैं वो आपको बताऊंगा उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा ठीक है तो हमने हेडिंग लगाई रिमाइंडर थॉरम रिमाइंडर थॉरम तो रिमाइंडर थॉरम क्या है भाई तो रिमाइंडर थॉरम है सेस फल प्रमे हिंदी में कहते हैं सेस फल प्रमे बट ये वो वाली थॉरम बिल्कुल भी नहीं है जो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ी है ये अलग चीज है यहाँ एक्स वाई जेड की बात हो रही है नंबर्स की बात होती थी ठीक है अब देखिए बड़ा प्यारी सी बात मैं यहां पे समझाऊंगा अपने दो एग्जाम्पल आपको अभी आपने देखा था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है तो आपने देखा था कि इसको हमने लिख दिया था एक्स माइनस दो एक्स माइनस लिखा था आप मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं इसको x माइनस दो से भाग करूं अगर मैं इसको x माइनस दो से भाग करूं तो भाग पूरा लग जाएगा या नहीं डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा कट जाएगा रिमाइंडर कितना आएगा जीरो अगर मैं इसमें x माइनस तीन से भाग करूं तो पूरा कट जाएगा रिमाइंडर कितना आएगा जीरो आपने एक चीज़ देखी कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है एक्स माइनस दो से भाग करने पे मैंने कहा अगर मैं एक्स बराबर दो रखूँ तो आपने कहा तो भी जीरो आ रहा है यानी भाग लगा के रिमाइंडर निकालना और एक्स का मान रखना दोनों सेम चीजें आ रही हैं आप कहेंगे इस एग्जाम्पल से बात समझ आई नहीं एक बार और बताओ तो मैंने कहा ठीक है एक बार और बताता हूं आपने इसी को क्या लिखा आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस मान लेते हैं सात लिख दिया ठीक है आप जिन बच्चों को पता थी कि इसके फैक्टर निकलाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छ के फैक्टर निकल आएंगे तो उन्होंने सात को छ प्लस एक लिख दिया और इसको लिख दिया x माइनस दो एक्स माइनस तीन प्लस एक एक्स माइनस दो माइनस तीन प्लस एक ठीक है x माइनस दो एक्स माइनस तीन प्लस एक ये इसके फैक्टर हो जाएंगे बोलो बात क्लियर है या नहीं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन है तो हमने क्या लिख दिया इसको x माइनस टू एक्स माइनस तीन प्लस एक अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं एक्स माइनस टू से इसको भाग करूं अगर मैं इसको एक्स माइनस टू से भाग करूं तो कोरिया का बच्चा भी देख के बता देगा कि रिमाइंडर कितना आ रहा है ये अगर मैं X -3 से भाग करूं तो भी रिमाइंडर कितना आ रहा है एक अब अगर मैं यहां पर एक्स बराबर दो रख दूं तो ये जीरो हो जाएगा एक बचेगा तीन रख दूं तो भी एक बचेगा क्योंकि देखिए भाग करके रिमाइंडर निकालने के लिए जरूरी है कि आप इस तरीके से फैक्टर कर पाए वरना नहीं निकाल पाएंगे लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं एक्स बराबर दो अगर इसमें रख रहा हूं तो भी एक आ रहा है अगर मैं एक्स बराबर दो इसमें रख दूंगा तो कितना आएगा तो आपने कहा देखो रख के देख लेते हैं दो दूनी चार माइनस दस प्लस सात यानि ये भी कितना आ गया एक कहने का मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर भाग किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि इस तरीके से किया जाए हम x का मान पुट करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं कैसे जैसे मुझसे कोई ये कहे कि यार रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर एफ एक्स को भाग किया गया है एक्स माइनस ए से अगर Fx को भाग किया गया है x -A से, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इस x -A को के बराबर रखेंगे, x का मान आ जाएगा a. अब आपको रिमाइंडर निकालना है रिमाइंडर तो आप क्या करेंगे इस a को यहां पुट कर देंगे ये कितना आ जाएगा f ऑफ a. देखिए जब फैक्टर हो जाया करते थे तो फैक्टर थोरम कहती थी कि जीरो होगा। अगर जीरो नहीं होगा कुछ बच गया इसका मतलब वो में भी यही करते हैं। आप देखो जैसे सत्रह सत्रह को पांच से भाग कर रहा हूं तो हम क्या करते हैं पांच को जीरो कर देते हैं रिमाइंडर दो आता है ना आप सत्रह में से पांच को जीरो करेंगे तो ऐसे लिख लीजिए पांच प्लस पांच प्लस दो अब भाग पांच कर रहे हैं तो आप पांच को जीरो करने की बात कर रहा हूं तो दो क्या बच जाएगा रिमाइंडर वही बात यहाँ एल्जेवरा में कर रहा हूं कि जिससे भाग कर रहे हैं उसको जीरो करके और जिसमें भाग दिया जा रहा है उसमें वो वैल्यू पुट कर दी जाए तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल सकते हैं अगर अभी भी किसी ऐसा बच्चा है कोई जिसको ये बात इतने एग्जाम्पल देने के बाद भी समझ नहीं आई तो उस नादान परिंदे के लिए मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और इसको भाग कर रहे हैं एक्स माइनस वन से रिमाइंडर बताओ तो प्रोसेस क्या होगा सबसे पहले एक्स माइनस वन को जीरो करेंगे एक्स आ जाएगा वन जब रिमाइंडर निकालेंगे तो एक्स बराबर वन को यहां पुट कर देंगे एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस एक कितना आ जाएगा तीन यही सवाल का उत्तर है यही सवाल का उत्तर है गजब गजब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अब मैं सीधे सवालों पे आता हूं और इनका अच्छा निकालता हूं छोटे छोटे जो सवालों से बात बनेगी तो मजा आएगा एक छोटा सा सवाल देख लीजिए क्योंकि मुझे ये आपको पूरा आपके दिमाग में उतार के जाना है क्योंकि रिसेंटली इससे सवाल आ रहे। री री और सेंट और ली। तीन चीजें यहां रिसेंटली, री सेंट और ली पहचान कौन देखिए भाई x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल इसका मतलब मैं समझ गया कि x माइनस टू को क्या करना है जीरो x कितना आएगा दो x दो आएगा अब मैंने x बराबर दो ये भाई साहब आप कैसे लिखते हो यार इतना गंदा आपको कैसे अनुभव है एक्स स्क्वायर आपका कहीं भग जाता है एक्स कहीं ठीक है एक्स स्क्वायर है के एक्स प्लस चार तो मैं समझ गया कि एक्स बराबर दो रखने पे इसमें क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए क्यों क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो हमने दो का स्क्वायर प्लस के इंटू दो प्लस चार बराबर जीरो कर दिया तो टू के कितना आ गया टू के बराबर आ गया माइनस आठ तो के कितना आ रहा है माइनस चार के कितना आ रहा है माइनस चार यही सवाल का उत्तर है यही सवाल का उत्तर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अब जैसे ये फैक्टर वाली बात इस तरीके से भी पूछी जा सकती है कि भाई एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है आप बताओ एग्जैक्टली डिविजिबल कब होता है जब वो उसका फैक्टर हो तो इस तरीके से भी सवाल की भाषा हो सकती है जल्दी से उत्तर बता दो इसमें भी क्या करना है कुछ बड़ा काम करना है क्या नहीं हर बच्चे को समझ आएगा आपको पता है कि भाई ये एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है ये बदतमीज इसका फैक्टर है फैक्टर थॉर्म हमें कहती थी कि फैक्टर को जीरो के बराबर रख लो और एक्स का मान निकाल लो माइनस एक अब हमने एक्स का मान निकाल लिया माइनस एक और यहां पे रखा तो ये भी जीरो आना चाहिए तो आपने कहा माइनस एक की क्यूब प्लस ए इंटू वन हो जाएगा स्क्वायर प्लस दो गुणा माइनस एक हो जाएगा प्लस तीन बराबर जीरो तो ये कितना आ जाएगा जी ए और ये माइनस टू और माइनस एक माइनस तीन ये तो जीरो ही आ गया ए भाई आप कैसे कैसे सवाल बना रहे हो कि ये जीरो आ गया एक्स माइनस वन था माइनस वन करेंगे और प्लस तीन दिया था आपने ठीक है भाई सही किया है हमने हम गलत नहीं करते गलत करते हैं लोग अब मैं कुछ सवाल होमवर्क में देता रहूँगा बट उससे पहले ये सवाल कर लीजिए बड़ी नॉर्मल सी बात है बड़ी प्यारी सी बात है कि एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन आर द फैक्टर ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी ए और बी का मान क्या होगा ये बताना है कई बार ऐसे सवाल ऑप्शन से भी बहुत जल्दी हो जाते हैं देखिए आपको मालूम है कि दो फैक्टर हैं एक एक्स प्लस वन और एक एक्स माइनस वन अगर मैं इसको जीरो करूँगा तो x कितना आ जाएगा माइनस वन इसको जीरो करूंगा तो x कितना आ जाएगा वन एक्स वन आ जाएगा ठीक है अगर x वन आ जाएगा x बराबर माइनस वन जब हम इसमें रखेंगे और इसका फैक्टर है तो ये जीरो होगा यानी कि माइनस ए प्लस बी माइनस तीन प्लस पांच बराबर जीरो देखिए मैं क्या कहता हूं कि अगर आपने यहीं से निकाल लिया कि a- माइनस बी दो आ रहा है यहाँ से आप देखोगे कि a- माइनस बी दो आ रहा है और अगर पेपर में ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें a- माइनस बी दो आ रहा है तो फिर हम आगे सवाल नहीं करेंगे डायरेक्ट कर देंगे इस बार भी जो मैं सवाल बता रहा हूँ सी जी एल में आया वो ऐसा ही सवाल आया जहाँ पे एक ही ऑप्शन से मैं ऐसा दे रखा था कि एम प्लस एन माइनस ग्यारह था तो हमारा काम एक ही इक्वेशन से चल गया हम दूसरी इक्वेशन पे नहीं गए मेरी बात समझ रहे हो ना आप समझ रहे हो अगर मैं वन रख दू इसके अंदर तब क्या होगा ए प्लस बी यहाँ पे तो देखिए आसान है क्योंकि फैक्टर में वन ही रखना है वन रखना कोई बड़ी बात नहीं है अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया अगर मैं जोड़ूंगा तो ये टू बी कितना आ जाएगा टू बी प्लस दस बराबर जीरो यानी बी का मान कितना आ गया माइनस पांच जब मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो टू ए कितना आ गया प्लस छ बराबर जीरो तो, तो ए कितना आ गया माइनस तीन ठीक है तो ए बराबर माइनस तीन आ गया और बी बराबर माइनस पांच बात खत्म हो गई ऐसा कोई भी सवाल आपके जीवन में उतरेगा तैरेगा तो मैं समझता हूं कि आप कर लेंगे बहुत ही खूबसूरत बात सर मेरा भी नाम ले लो कभी आई एम अजय सांक फ्रॉम इटावा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अजय भाई आज आपका नाम लेके हमें भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आप इटावा की उन टूटी हुई सड़कों में अपना जीवन यापन कर रहे हो मेरा दिमाग कम चल रहा है बट मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको 100 परसेंट समझा के जाऊं कोई बात नहीं कम चल रहा है चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस चार इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन फाइन द रिमाइंडर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस चार को एक्स माइनस वन से डिवाइड किया गया है फाइंड द रिमाइंडर रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है ठीक है तो देखिए बहुत ध्यान से मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस चार माइनस वन ठीक है तो मैंने कहा पहले तो रिमाइंडर निकालना है तो डिवाइजर को जीरो कर लेंगे यानी एक्स कितना आ जाएगा वन एक्स वन आ जाएगा एक्स अगर मैंने वन रखा तो रिमाइंडर कितना होगा वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस चार चार और दो कितना होगा छः यही सवाल का उत्तर है चार और दो कितना होगा छः यही सवाल का उत्तर है छोटे छोटे सवाल हैं बट एसएससी वाले बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं इसीलिए मैं पूछ भी रहा हूं देखिए ये कह रहा है एक्स की घात चालीस प्लस तीन को डिवाइड किया गया है एक्स की घात चार प्लस वन से तो रिमाइंडर क्या होगा तो सर जी समझिए ध्यान से कि हमने इसको जीरो के बराबर रख लिया आपने बनाए क्वेश्चन वाह आपका तो काफी हाई लेवल है तो x की घात चार कितना आ गया माइनस एक आ गया x की घात मैंने यहां पे रख दिया रिमाइंडर निकालने के लिए तो मैंने कहा कि रिमाइंडर बराबर होगा x की घात चार की पावर दस प्लस तीन एक्स की घात चार की पावर दस प्लस तीन तो आपने कहा ये कितना आ जाएगा माइनस एक की घात दस प्लस तीन क्योंकि वहां से एक्स का मान निकालना संभव नहीं है ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक्स का मान यहाँ से नहीं निकालना संभव है बट मुझे इतना मालूम है कि एक्स की घात चार को कितना रखना है माइनस वन रखना है बात क्लियर है सबको कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आई हो जो नादान परिंदा हो देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सात को हमने डिवाइड किया है एक्स माइनस वन से लीव्स रिमाइंडर 12 है 12 से इस फल बचता है तो फाइंड बी बी क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है बी क्या होगा बी 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 ये बी ए लव मी लव मी लव मी हाय हाय लव मी लव मी लव मी देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है हमने रिमाइंडर दिया हुआ है सवाल में हमने रिमाइंडर अपने शब्दों में निकाल लिया कैसे हमने कहा इसको जीरो करते हैं तो एक्स कितना आ जाएगा वन वन जब हम इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा वन का स्क्वायर प्लस बी प्लस सेवन जो सवाल में बारह दिया हुआ है तो बी यहाँ कितना आ जाएगा चार इस तरीके के सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं मैं कई सारे सवाल कराऊंगा रिमाइंडर पे इस बात की भी गारंटी दूंगा कि अब इसके बाद कोई और प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी बहुत आसान था अगले सवाल पे बढ़ेंगे अच्छा रिमाइंडर ही अगर के की टर्म में दे दिया जाए मतलब मैं सारे टाइप कवर कर दे रहा हूँ फिर आपको ये ज़रूरत है नहीं कि अब क्या और करना है नहीं करना है सारे टाइप मैं कवर कर दे रहा हूँ तो हमने कहा कि टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस आठ को डिवाइड किया गया है एक्स प्लस दो से तो सेस फल तीन के बचता है तब के का मान क्या होगा खुद के पूछा है तो हम समझ गए कि भाई रिमाइंडर अगर निकालना है तो जो डिवाइजर है उसको पहले जीरो के बराबर रखो फिर x का मान कितना होगा माइनस दो एक्स का मान कितना होगा माइनस दो अगर मैंने x का मान माइनस दो यहाँ रखा तो दो गुणा ये चार हो गया माइनस टू के प्लस आठ बराबर जीरो आ गया बराबर जीरो आ गया तो आपने बराबर जीरो नहीं आएगा देखिए क्यों नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर दिया हुआ है ना हमें खुद हमें रिमाइंडर दिया हुआ है कितना थ्री के तो रिमाइंडर कितना है दोस्त थ्री के तो मैंने देखा उधर जाके जोड़ेगा तो फाइव के हो गया ये और सोलह हो गया तो एक्स का मान आ गया सोलह तो। था ना इस वक्त बड़ा मन कर रहा है कि कोई चाय दे हमें बहुत अच्छा सवाल है इसमें रिमाइंडर ही एक्स के फॉर्म में बच गया आप क्या करें बताओ रिमाइंडर ही एक्स के फॉर्म में बच गया अब क्या करें बट इन्होंने गलत लिखा है माइनस टू एक्स बच रहे रिमाइंडर बच रहा है माइनस टू ध्यान से देखना रिमाइंडर कितना है माइनस टू अब उत्तर बताइए क्या होगा चलो दोस्तों आज सी से भी बात हो गई कल सिलेक्शन से भी कर लेंगे देखिए मैंने कहा कि अगर रिमाइंडर इतना आ रहा है इसका मतलब है कि x बराबर दो पुट कर देते हैं एक्स बराबर दो पुट कर देते हैं हमने दो पुट कर दिया दो दूनी चार दूनी समझते हैं कि नहीं प्लस दो चौक आठ प्लस के बराबर कितना होगा माइनस का चार यहां भी एक्स का मान सेम रख देंगे आप अब के का मान देखेंगे ये उधर जाएगा माइनस का बारह माइनस का सोलह उत्तर आ जाए यानी इस तरीके के गंदे सवाल भी पेपर में आ रहे हैं फैक्ट है बाकी आपकी मर्जी है हमारा काम है सिर्फ समझाना उसके बाद आपकी मर्जी ठीक है ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूं बहुत आसान है आरडब्ल्यू ठीक है यह सवाल जैसे दो चीजों पे सवाल दे दिया कि भाई दो जगह दे दी अब इस सवाल को करने की क्या अप्रोच आपके दिमाग में आएगी जरा मुझे बताइए क्या अप्रोच आपके दिमाग में रह सकती है एक्स प्लस टी इज ए फैक्टर ऑफ एक्स प्लस टी इज ए फैक्टर ऑफ बोथ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्सर प्लस एल एक्स प्लस एम देन दैल्यू ऑफ टी इच तब टी की वैल्यू क्या होगी यह आपको बताना है ठीक है तो देखिये मैं ये कह सकता हूं कि एक्स प्लस टी इसका फैक्टर है इसका मतलब एक्स बराबर माइनस टी रखा जा सकता है रखा जा सकता है तो मैंने भाई यहां पर रख दिया टी जीरो आना चाहिए मैंने कहा टी स्क्वायर माइनस पी टी पीटी मतलब मैनी पीटी कोई और नहीं पीटी पीटी का मतलब पीटी है पीटी आपके स्कूल में होती होगी पीटी का टीचर सबसे खतरनाक होता था सबसे बदतमीज होता था उसकी एक खास बात यह और होती थी कि महिलाओं को कुछ नहीं कहता था सबके स्कूल में आपके में पीटी का टीचर बहुत खतरनाक रहा होगा और दो किसी बात का लगता था कि महिलाओं को कुछ नहीं कहता था इतनी पार्सियलिटी थी महिलाएं इसी बात में बहुत खुश रहती थी चौड़ी होकर के अरे हमसे पीटी वाले सर कुछ नहीं कहते अब वो नजरों से इतना कुछ कह जाता था कि उन्हें पता ही नहीं चलता था Q माइनस एम बटे पी माइनस एल ये टीका मान है आसान सवाल था सी में आया हुआ सवाल था तो मैंने बता दिया फैक्टर एंड रिमाइंडर थॉरम एस एस सी भाई अभिनय शर्मा वाह कितना अच्छा लिखा है आगे बढ़ते हैं ये सवाल भी सेम है यह भी मैं आपको आरडब्ल्यू में दूंगा ठीक है एक्स की क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन के देखिए अब यहां से ये पता लग रहा है कि भाई एक्स का मान निकालना तो संभव नहीं है बट इतना जरूर पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू है अगर एक्स स्क्वायर माइनस टू में यहां रख दू यहां पर तो आप कहेंगे माइनस का टू एक्स आ जाएगा ये प्लस माइनस का दस आ जाएगा प्लस दस के और बराबर आपको पता है रिमाइंडर माइनस का टू एक्स दिया हुआ है तो टू एक्स से ये टू एक्स कट गया के का मान सॉल्व करेंगे तो वन इस तरीके के भी सवाल रिमाइंडर पे पूछे जाते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों अच्छा लगेगा आपको बहुत आगे बढ़ेंगे तो अब जैसे ये सवाल है तो थोड़ी हिंट देके छोड़ देता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर फैक्टर है इसका मतलब इसके दो फैक्टर है x प्लस वन भी इसका फैक्टर है और x माइनस वन भी इसका फैक्टर है यानी एक बार तो x वन रख लेंगे और एक बार x माइनस वन रख लेंगे दो इक्वेशन आएंगी वहां से सॉल्व करके a और b का मान निकाल देंगे जो अभी आपको सीट मिलेगी उसमें सवाल भी होंगे इनके आंसर भी होंगे इनकी हिंदी भी होगी सब कुछ होगा तो डोंट वरी ये सवाल देख लीजिए ये सवाल भी अच्छा है रिमाइंडर पूछ रहा है तो इसमें भी देखिए कुछ नहीं करना है सिर्फ x को 2y के बराबर रखना है तो उत्तर y में भी आ सकता है मैं एक बार करके बता देता हूं इस तरीके का सवाल हमने इसको जीरो के बराबर रख दिया यानी x कितना आ गया 2y अब जब हम x 2y के बराबर रखेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा एक्स बराबर टू वाई मैंने यहाँ पे रख दिया तो फोर वाई स्क्वायर टिया बारह वाई स्क्वायर आ जाएगा बारह वाई के घास चार आ जाएगा नहीं दो ही आएगा चार क्यों आएगा दो ही आएगा ठीक है अगर मैं x की जगह यहां टू वाई रखूंगा टू वाई तब आप क्या कहेंगे कि यहां कितना आएगा मुझे लग रहा है इन्होंने गलत लिखा है बट फिर भी यहां पे x की क्यूब होगी x की क्यूब मैं तो 100% परसेंट श्योर हूं तभी रिमाइंडर निकल सकता है ये भैया थोड़े पागल हैं यहां पे x की क्यूब होगी थोड़ा करेक्शन कर लो अब मैंने x की क्यूब की तो एट दिया चौबीस वाई की क्यूब आ गया चौबीस वाई की क्यूब माइनस दो दुनी चार दुनी आठ वाई की क्यूब आ गया माइनस तेरह दुनी छब्बीस वाई की क्यूब आ गया प्लस दस वाई की क्यूब अब आप खुद ही देखिए कि चौबीस और दस चौंतीस और छब्बीस और आठ चौतीस यानी उत्तर कितना आ गया जीरो जीरो तभी आएगा थ्री एक्स की क्यूब है वहां पर करेक्ट कर लीजिए अगर हमें गणित की नॉलेज ना हो तो ये लोग तो हमारा भंडा ही फोड़ दें। कुछ भी लिख देते हैं और हम यहां सवाल करते रहे पागलों की तरह ऑप्शन भी नहीं है अगला सवाल अच्छा एच सी एफ पूछा है ये बड़ा अच्छा सवाल है कि एच सी एफ हम कैसे निकालते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि मान लेते हैं दो पोलिनोमियल हैं एक पोलिनोमियल पी एक्स है थोड़ा सा ध्यान देंगे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है एक्सक्र माइनस फोर एक बदतमीज है हैं दोनों ही polynomial, मेरी तो इनसे बात भी हो रखी है दो तीन बार बहुत एटीट्यूड में रहते हैं लेकिन हमें क्या मतलब रहने दीजिए अब किसी ने हमसे पूछा इसका एच सी एफ बताओ तो एच सी एफ निकालने के लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे इसको दो भागों में तोड़ना पड़ेगा अगर इसके एटीट्यूड को कम करना है तो इसके फैक्टर भी हमने कर दिए x 2 x 3 तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं एचसीएफ तो आपने देखा एक ही कॉमन फैक्टर कॉमन आ रहा है x 2 आ रहा है कि नहीं? जब हम एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर को हम एक ही बार लेंगे x 2 बाकी बार क्या आएगा x 2 x 3 आपने एक चीज नंबर सिस्टम में पढ़ी होगी कि अगर दो संख्याओं का एच और एल निकाला गया है तो उन दोनों का गुड़न फल यानी कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर होगा पॉलिनोमियल वन यानी कि उनका एल और उनका एच सी ये वाली बात यहाँ पर भी लागू होगी एलजबरा के अंदर भी इतनी सी बात लिख लीजिए अच्छा लगेगा एच का मतलब होता है कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए ये जो सवाल मैंने पूछा था कि इसका एच सी एफ एक्स प्लस वन है तो देखिए एच सी एफ अगर एक्स प्लस इस बात का मतलब होगा कि एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन दोनों का फैक्टर है इच एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी ये इसके फैक्टर है ठीक है तो अब मैंने कहा अगर ये इसके फैक्टर हैं तो x बराबर माइनस वन रख सकते हैं क्योंकि ये जीरो के बराबर रख देंगे फैक्टर को तो माइनस वन रखा तो ये कितना आ गया a माइनस बी प्लस सी ये भी जीरो आ गया और इधर से b माइनस ए प्लस सी भी जीरो आ गया आ गया नहीं इन्होंने पूछी थी देन द वैल्यू ऑफ c देखिए आप ये कह सकते हैं इन दोनों को अगर मैं बराबर रखूं तो मैं c की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं देखिए खुद आप बताइए एक जगह से सी आ रहा है बी माइनस ए एक जगह से सी आ रहा है ए माइनस बी तो अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो टू सी कितना आ गया जीरो यानी सी कितना है जीरो अच्छा सवाल था और सी जीरो आना लाजमी भी था हमने क्या किया देखिए हमने अलग अलग लिख लिया आप ऐसा करो अलग अलग लिख लो दोनों को ज्यादा सही रहेगा कि बी माइनस ए प्लस सी बराबर जीरो अब ठीक है अब ठीक है कि दोनों तरफ से सी का मान निकाला इक्वल रख दिया बराबर उत्तर आ गया बात खत्म तीन अच्छा। देखिए अब बड़े ध्यान से एक बात समझनी होगी कि माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन को डिवाइड किया गया इससे मैंने कहा कि यार ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जिसको हर बच्चा जानता है चाहे वो कोरिया का हो चाहे भारत का कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ठीक है ए प्लस बी और ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा पांच और चार नौ एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स प्लस नौ एक ब्रैकेट में तो ये आ गया दूसरा ब्रैकेट मैंने सोचा कि मैं लिखूंगा उससे पहले उत्तर मेरे कदमों में आ गया देखिए अब आपको मालूम है कि ये इससे भाग हो रहा है और अगर एक इसका एक ब्रैकेट इससे पूरा का पूरा नौ बार कट गया तो फिर रिमाइंडर बचेगा कहाँ रिमाइंडर कितना होगा जीरो बट ये बात दिमाग में आना उस वक्त बहुत मुश्किल है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को जीरो कर लेंगे उससे मिलने वाला कुछ नहीं उस अच्छा कुछ एक चीज़ें छोटी छोटी सी हैं जो लर्न रखनी चाहिए याद रखनी चाहिए उसके अलावा तो हम हम क्या ही बोलें जैसे एलजेब्रा में कि अगर एक्स वाई वन के बराबर है वाई वन है ये गिवन है। गिवन समझते हैं आप भीख में दिया हुआ है गिवन है। अब आपसे पूछता है कई बार कई चीजें पूछ सकता है आपसे पूछेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई तो देखिए बड़ा आसान है अभी तो मैं याद करा देता हूं एक होगा ठीक है बट आएगा कैसे चाहे तो एक्स और वाई दोनों को वन वन कर लो एक इक्वेशन है और अगर नहीं भी करना चाह रहे हो तो वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस वन बाई एक्स लिख सकते हैं वाई को भाई एक्स वाई अगर वन है तो वाई को वन बाई एक्स लिख सकते हैं कि नहीं आप कहेंगे हाँ जी लिख सकते हैं अब एक्स ऊपर चला जाएगा एक बटे एक प्लस एक्स प्लस एक्स बटे एक प्लस एक्स तो मैंने क्या किया वन प्लस एक्स एल्सियम लिया ऊपर भी वन प्लस एक्स कितना बच गया वन ऊपर भी कितना बच गया वन तो आपको ये याद रखना है कि एक्स वाई अगर वन है चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली तो अब आप एक्स आप की किसी भी पावर को इस तरीके से जोड़ेंगे चाहे एक्स स्क्वायर हो तो सवाल का उत्तर एक ही आएगा डेड डेस्क डेड डेस्क करके लिख देंगे कि एक बटे वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर एन बराबर कितना होगा एक यही सवाल का उत्तर आ जाएगा देखिए अब कैसे सवाल पूछ लेता है पेपर में पूछने वाला वो लिख देगा एक्स बराबर अंडर रूट सात प्लस अंडर रूट पावर माइनस पांच वाई बराबर लिख देगा अंडर रूट सात माइनस अंडर रूट छः की पावर माइनस पांच ऐसे लिख दिया अब आपको नानी याद आ जाएगी पता आपसे क्या पूछेगा कि बेटा बता वन प्लस एक्स की घात पांच आपको लगेगा कि इन पांच का आपस में कोई लिंक है और इस लिंक के चक्कर में आपका सवाल हो जाएगा गलत सिलेक्शन होगा नहीं उससे आपका लिंक जाएगा टूट और जब एक बार आपका लिंक टूट गया तो फिर आप जानते ही हो कि क्या होगा कोई मतलब नहीं निकलेगा देखिए भाई एक्स और वाई हैं दोनों एक्स और वाई ठीक है तो मैंने इन दोनों को गुणा कर लिया एक्स इंटू वाई ठीक है एक्स इंटू वाई तो पूरे में पावर माइनस पांच आ जाएगी भाई ठीक है अंदर अगर इन दोनों की गुणा होगी इन दोनों बदतमीजों की गुणा होगी तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा सात माइनस छ तो ये कितना आ जाएगा एक की घात माइनस पांच एक कई बच्चे देखते ही समझ जाएंगे कि एक्स वाई एक है और अगर एक्स वाई एक है तो इस सवाल का उत्तर कितना आएगा एक कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है बराबर थीटा प्लस थीटा अगर ऐसा लिख दिया किसी ने एल्जवरा के अंदर टेग्नोमेट्री घुसाने की कोशिश कर दी कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा उल्टा लिख दिया शायद मैंने कोशेक माइनस कॉट थीटा, थीटा। ठीक है ये लिख दिया अब आपसे पूछ रहे हैं वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन वाई की पावर एन प्लस वन बताओ अब बच्चा सोचेगा इसमें तो लगता है डिमाइवर थॉरम लगेगी क्या सोचेगा डिमाइवर थॉरम लगेगी जबकि कोई डिमाइवर नहीं लगेगी रामबक नाम देख के हम ब्याह किए थे और यहाँ तो सब कुछ नाम का अपोजिट ही निकला तो इसका भी उत्तर कितना आएगा एक, एक छोटी सी बात और बतानी है दो सवाल अच्छा वो सवाल तो हम वहां कराएंगे जिनका उत्तर फिक्स है दो आता है वो सवाल हम कराएंगे रेशियो प्रपोर्शन में उसका इससे कोई मतलब नहीं एक बहुत प्यारा सा सवाल कराते हैं आपने देखे भी होंगे इस तरीके के सवाल और अप्रोच भी आपने सुनी होंगी भंडारे हैं हमारे पास सवालों के सवाल है कि c- माइनस बी अपॉन ए ए माइनस सी अपॉन बी ए प्लस बी अपॉन सी बराबर एक है ए प्लस बी नॉट इक्व टू सी है फॉलोइंग इज करेक्ट तो निम्नलिखित में से क्या सही है एक बटा सी प्लस एक बटा बी बराबर एक बटा ए एक बटा ए माइनस एक बटा बी बराबर एक बटा सी एक बटा ए प्लस एक बटा बी बराबर एक बटा सी इस तरीके से दिया हुआ है तो बताइए दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही देह होता है कि हम किसी भी टर्म को जीरो बनाने की कोशिश कर लें अगर हम यहां पे जीरो बनाने के बारे में सोचें तो बच्चे ने कहा या तो सी को बी के बराबर ले लो या ए को सी के बराबर दोनों में से कोई एक काम कर लो जीरो आ जाए। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं सी को बी के बराबर लेता हूं मैंने सी को क्या किया बी के बराबर ले लिया अगर मैंने सी को बी के बराबर ले लिया तो ये चीज क्या होगी जीरो प्लस मैंने सी को बी के बराबर लिया है तो देखिए मैं ए को बी से भाग करूंगा तो आप कहेंगे कुछ नहीं आएगा ए बाई बी रहेगा मैंने कहा सी को बी से भाग करूंगा आपने कहा एक आएगा क्योंकि आपने सी और बी को बराबर लिया ठीक है प्लस ए को सी से भाग किया मैंने ए को सी से भाग किया तो कुछ नहीं आएगा बट मैंने बी को सी से भाग किया तो एक फिर आएगा बराबर एक आप देखेंगे ये एक इस एक से कट गया अगर मैं एक कॉमन ले लूं पूरे में से ए कॉमन ले लूं बेटा इसमें से तो बचेगा एक बटा बी प्लस एक बटा सी बराबर एक अब ये ए अगर उधर चला जाए तो आप बताइए कंडीशन क्या होगी पहली वाली कंडीशन होगी यही उत्तर सोचिए इतना बड़ा सवाल इतना कठिन सवाल हमने चुटकियों में कर दिया क्योंकि हमने आपको एल्जवरा में एक ही बात पढ़ाई थी कि बेटा सिर्फ किसी भी टर्म को जीरो करने की कोशिश करो किसी भी टर्म को जीरो करने की कोशिश करो आपने सी बराबर बी रख के इस टर्म को जीरो कर दिया और अगले ही पल उत्तर हमारे कदमों में आ गया यार अब यह सवाल करा के एल्जेवरा की हो जाएगी दी एंड और बात खत्म देखो भाई अगर ए स्क्वायर बराबर तीन है तो ए कितना आएगा तीन की पावर एक बटा दो ए कितना आ जाएगा तीन की पावर एक बटा दो यह आ जाएगा या नहीं तो अब देखिए यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि a बराबर a की पावर x है और अगर b का मान निकालू तो b की पावर इधर आके अपॉन में आ जाएगी भाई आ जाएगी या नहीं मैंने फिर से क्या किया ऐसे ही b का मान इधर निकाला तो ये y फिर नीचे चलेगी c बराबर जेड बटे वाई आ गया दोनों को गुणा कर दिया तो बी स्क्वायर कितना आ गया a की पावर अच्छा दोनों को हमें ऐसे निकालना पड़ेगा ना उल्टा हमने कर दिया कोई बात नहीं देखिए मैंने यहां से ए का मान निकाला तो ए का मान आया बी की पावर वाई अपॉन एक्स ठीक है मैंने सी का मान निकाला तो कितना आ गया बी की पावर वाई अपॉन जेड ये आ गया वाई अपॉन जेड ठीक है मैंने अब बी ए इंटू सी कर दिया आप देखिए ए इंटू सी कितना होगा बी है पावर जुड़ जाएगी वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे जेड अब आपको मालूम है ये किसके बराबर होगा बी स्क्वायर के बराबर होगा आपको मालूम है कि ये बी स्क्वायर के बराबर होगा बी स्क्वायर के बराबर ठीक है तो अगर ये बी स्क्वायर के बराबर है तो मैं लिख सकता हूं कि वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे जेड बराबर दो आ गया बराबर दो आ गया तो हमने देखा कि वाई जेड प्लस एक्स वाई बराबर टू जेड एक्स है बराबर टू जेड एक्स है बराबर टू जेड एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई बराबर टू जेड एक्स मैं यहां से अगर एक जेड एक्स इधर ले आऊं तो वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर होगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई ये बहुत कठिन और अच्छा सवाल है इसका मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कितनी बार कट जाएंगे एक बार और एक ही इस सवाल का उत्तर आ जाएगा एक ही इस सवाल का उत्तर आ जाए। तो कैसा लगा चैनल पर कल सुबह आएगा प्रीमियर होगा आप पूरी की पूरी ज्योमेट्री आपने बची हुई लाइव पढ़ चुके हैं और जो बची हुई है वो कल पढ़ लेंगे पूरी खत्म हो जाएगी क्योंकि पेपर नजदीक है मुझसे ज्यादा नहीं खींच सकते इसीलिए मैं पूरा वीडियो कल ही डलवा रहा हूं इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे कि दो महीने पहले हमने एक चीज लेकर आए थे पे जितने एस जितने एसएससी के लिए जरूरी टेस्ट थे वो और बाकी और भी कैटेगरी टीचिंग हो यूपी एग्जाम हो उन सब के भी टेस्ट लेकर आए थे और वो ऑलमोस्ट फ्री था तो वो अब 30 तारीख के बाद बंद हो जाएगा अगर किसी को अभी भी उस टेस्ट में आना है क्योंकि आपको आगे मेन्स भी देना है मेन्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जहां पे वीडियो सोल्यूशन हमने दिए हुए हैं तो वो टेस्ट सीरीज आप 30 तारीख तक ले सकते हैं और 30 का इंतजार ना करते हुए पहले ही ले लें अगर किसी और दोस्त को भी लेनी है तो वो भी ले लें अभी भी हम और सात दिन आपको दे रहे हैं इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा वो बंद हो जाएगी तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में इसी इस्ता उमंग के साथ बहुत मज़ा आएगा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा बाय बाय टेक केयर